साथियों आज से ना डी एल का हम क्लास शुरू कर रहे हैं हमारी कोशिश होगी टाइम निकाला जाएगा और ये क्लास सभी साथियों को आप लोग शेयर कर दीजिए खूब ढेर सारा और हम भी शेयर कर दे रहे हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएंगे तो बेहतर होगा एक बात और मेरी आवाज आ रही एक बार यस बोल दो सभी यस बोल दो बाबू एक बार आ रही मेरी वॉइस तो होगी आ रही तो ठीक है आगे बढ़े फिर हम लोग हाँ तो मैं ये बोल रहा था मेरे भाई कि आप लोग इसे शेयर कर दो और मैं भी शेयर कर दूँ और मैं एक नंबर दे रहा हूं उस पर आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर हो जिनके पास में कहीं से भी बुक है आपकी जो भी चीजें आप उस पर भेजिए ठीक है तो आप उसे भेजेंगे तो क्या होगा पता है इसको मैं वाइट बैकग्राउंड में आज पढ़ाऊंगा वाइट में बहुत चुभता है लेकिन आँख पे यार चलो बुक वगैरह आप उस पर भेज दीजिए पी में जो लोग रखे हों जो नए में होगी कुछ तो ज़्यादा कुछ इंटरेस्टेड क्लास हो पाएगी तो जो जुड़ गए एक बार कमेंट कर दें कि आप जुड़ गए हैं देख रहे हैं यस वी आर लाइव नाउ सबका कमेंट्स में देख रहा हूँ आज पहला दिन है आज इंट्रोडक्शन वगैरह होगा कुछ चीजें हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों को उम्मीद दिलाते हैं कि चलेगा पढ़ाया जाएगा थर्ड सेमेस्टर का बहुत से बच्चों की मांग है तो उसमें से कुछ पूरी कर देते हैं अगर आप लोग साथ देते हैं तो आदर सिंह अंकुर यादव सिरोमणि अमित पूजा यादव सभी का भैया डीएलएड है सभी का डीएलएड है यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स फ्री लाइव क्लास रात दस बजकर पंद्रह मिनट से स्टार्ट हो चुकी है ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करें और जुड़ जाए ये मैं टेलीग्राम में भेज दिया हूं जो साथी हमारे टेलीग्राम में जुड़े हैं वो आ जाएंगे ठीक है बहुत ज्यादा मैं चिल्ला नहीं सकता हूँ काफी डिस्टर्ब है दिमाग आत्मा शरीर सब ये पैनल रिस्टार्ट हो जा रहा बार बार सारा एफर्ट इसमें झोंक दिया फिर भी अभी इसको तकलीफ है इसी बात का दुख है ठीक है जो भी है कमेंट में नहीं देखूंगा अभी थोड़ा देर तक तब तक आप लोग जुड़ जाएं फिर हम कमेंट भी देखेंगे थोड़ा सा रुकना तो आप लोगों के पास बुक वगैरह है हम्म बुक है पीडीएफ में किसी के पास कुछ टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं फिलहाल जिनके पास पीडीएफ में बुक है वो लोग एक काम करें अभी तुरंत जस्ट एक नंबर दे रहा हूँ उस पर भेजें और ध्यान रहे इस नंबर पर सिर्फ डी वाले मैसेज करेंगे बाकी सब नहीं करेंगे ठीक है नंबर दे रहा हूँ और मैं परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन अभी करवा दूंगा आज ठीक है भैया तो जिनके पास पीडीएफ में बुक है या सिलेबस वगैरह नया कुछ अलग तरह का इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं अभी तुरंत भेज दीजिए और मैं आपके नाम के साथ अभी यहां पर शामिल करूंगा ठीक है पीडीएफ में बुक वगैरह रखे हो तो भेज दो जल्दी से ये व्हाट्सएप है हमारा ही है हम ही रिप्लाई करते हैं जल्दी भेज दो फटाफट इस पे दिख रहा है ना चलें फिर आगे बढ़े नेक्स्ट नेक्स्ट काम पे आगे बढ़े चलो भैया तो थर्ड सेमेस्टर शुरू हो चुका है सेकेंड सेमेस्टर भी चलेगा सारा सेमेस्टर चलेगा सबर रखो सब बताएंगे सब बताएंगे नंबर पर संपर्क करना सब बताया जाएगा यहाँ पर बातचीत नहीं कर पाएंगे हुँ? तो सबसे पहले हम एक टॉपिक आज परसेंटेज में कुछ बेसिक पढ़ा देते हैं प्रतिशत सबके लिए इंपॉर्टेंट है बाकी चीज़ें होती रहेंगी टाइम टाइम पे ठीक है भैया ठीक है बढ़िया फिर चलें जो हाँ इस पर भेज देना वो बता देना कि हाँ मैं भेज दिया हूं ठीक है जो भेज देना तो बता देना कि मैं भेज दिया हूं चलो आओ तो क्या करेंगे हम लोग आज प्रतिशत शुरू करेंगे यार मैं क्या देखूं कमेंट देखूं व्हाट्सएप पे भेज देना जो भेजेगा उसका देखेंगे बाद में अभी थोड़ी देर बाद दस मिनट बाद ठीक है चलो कमेंट नहीं देखूंगा क्या पढ़ाएंगे टॉपिक क्या होगा सबसे सबसे पहले सब पहले आज हम प्रतिशत पढ़ा देते हैं आज कोई क्लास रेगुलर नहीं हो रही सिस्टम से आज एक डेमो दिखा देते हैं ठीक है ट्रायल है मान लो बाकी सिस्टम से पहले चैप्टर से पढ़ाऊंगा कल इसके बाद जब भी क्लास होगी बता देंगे लास्ट में लास्ट तक देखना लेकिन इसको हल्के में ना लेना जो भी पढ़ाऊंगा ठीक है क्योंकि ये हल्के वाली चीज नहीं है स्पेलिंग सही लिखा है देख लो स्पेलिंग सही लिखा है मेरी अंग्रेजी बड़ी गंदी है सही है हो इतना भी गंदी नहीं है चलो तो भैया ये प्रतिशत होता क्या है आइए बात करते हैं आप लोग आए हो बड़ा उम्मीद से तो कुछ तो सीख लो कम से कम प्रतिधन सत प्रतिधन सत क्या होता है प्रतिशत इसका मतलब जानते हो जिनको बेसिक सीखना है जो सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में है सबके लिए जरूरी है ऐसा नहीं है कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए सौ का पच्चीस परसेंट पच्चीस होगा तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए पचहत्तर होगा सबका उत्तर वही होगा तरीका वही होगा सूत्र वही होगा हो सबका वही होगा और ये टॉपिक सबके लिए जरूरी है परीक्षा नहीं दोगे जिंदगी जीने के लिए जरूरी है ठीक है तो ये प्रतिशत आपको जरूर आना चाहिए चलो प्रतिशत प्रतिशत मतलब समझिए में जितना भाग किया जाए उसी को प्रतिशत एक प्रकार से उदाहरण से समझोगे ऐसे नहीं समझ में आएगी गणित जैसे अगर मैंने कहा कि सौ का सत्ताईस प्रतिशत तो जानते हो कितना 100 का 27% का मतलब मेरे भाई 27 बस 100 का जितना परसेंट बोलेंगे उसका मान उतना ही होगा अभी मैं कोई नियम नहीं बता रहा हूं सिर्फ आपको सिंपल में एक भाषा दिखा रहा हूं सिखा रहा हूं एक लैंग्वेज बस 100 का 30% कितना होगा 30 मतलब आप अपने दिमाग बुद्धि आत्मा में सेट कर लीजिए कि 100 पर ही परसेंटेज निकालते हैं ठीक है और सौ का जितना परसेंट बोलेंगे उसका मान उतना ही होता है लेकिन ऐसा ना ही है कि 200 का भी तीस परसेंट तीस है होगा 280 अस्सी का तीस परसेंट तीस होगा ऐसा सब में नहीं है सिर्फ सौ के साथ होगा हंड्रेड के साथ क्योंकि इनकी आपस में कुछ गठजोड़ है अंदर से कोई कनेक्शन है इनका समझ रहे हो और ये वीडियो सुबह नहीं मिलेगा जो लोग इस तकलीफ में होंगे कि रात में इंजॉय करेंगे बढ़िया आराम से ठंडी का टाइम है और सुबह देख लेंगे तो हम सुबह नहीं देखने देंगे हम इतने भी सीधे नहीं है ठीक है याद रखना क्लास रोज रात में पढ़ाऊंगा अब मैं सर्दी में नंगे पैर यहां दौड़ दौड़ के पढ़ा रहा हूं और तुम रजाई में जाके इंजॉय करो रात में ठंडी का टाइम और हमें बर्दाश्त नहीं होगा ये रात में जो नहीं पढ़ेगा सुबह वो नहीं पाएगा कुछ क्लास भले पा जाओ अलग बात है लेकिन पूरा तो नहीं देंगे इतने अच्छे भी नहीं हम नहीं दुनिया जीने नहीं देगी चलो ये स्पेशली उन क्वीन के लिए है जो क्वीन अपने किंग के लिए परेशान है और जा रही चलो देखो इधर आगे क्या करना है भाई हंड्रेड का 75 फाइव परसेंट कितना होगा सेवेंटी फाइव होगा है ना और हंड्रेड का थर्टी नाइन परसेंट आप लोग मुझे बताओ कितना होगा हुँ? कितना होगा जल्दी बोलो फटाफट कितना होगा बता लो सिंपल है अब कुछ नया है नहीं तो हंड्रेड का सत्तर परसेंट कितना होगा हंड्रेड पे जितने परसेंट की बात करोगे उसका मान वही होगा क्योंकि यहां पर लिखा है प्रतिशत प्रतिशत मतलब प्रतिशत मतलब सौ ठीक है सौ पर कितना बस वही मतलब अब ऐसे नहीं समझोगे बिना एग्जाम्पल के नहीं समझोगे और मैं बता भी नहीं पाऊंगा बिना एग्जाम्पल के न? क्योंकि पर लिखा है प्रतिशत प्रतिशत मतलब समझ गए भाई सिरोमणि अंशु कुमारी ठीक है साक्षी वर्तिका वेरी गुड अमित निषाद चलो और फिर आगे बात करते हैं अब अब हम कुछ टॉपिक कुछ कॉन्सेप्ट के साथ बात करते हैं अब तक तो मैं ऐसे दे रहा था हलवा पूड़ी कुछ नहीं हो रहा था इसमें देखिए अब यहां पर समझिए दिख तो रहा है इधर साइड में ठीक है दिख ही रहा है जैसे मैंने कहा कि मेरे भैया कि सौ का अगर परसेंटेज आप निकाले हो ना तो ये बताओ दो सौ का सत्ताईस परसेंट कितना होगा देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टम से सिखाऊंगा ठीक है जिससे आपको समझ में आए तो दो सौ को हम लिख सकता हूं सौ धन सौ बिना किसी सूत्र के अभी बता रहा हूं कोई सूत्र नहीं और आपको पता है कि सौ का जो सत्ताईस परसेंट है वो सत्ताईस होता है सबको याद है उधर फाइड लिखा है तो मेरे भैया सौ का सत्ताईस परसेंट सत्ताईस होगा प्लस इस सौ का भी तो सत्ताईस परसेंट सत्ताईस से होगा इन दोनों को जोड़ दो तो चौवन हो जाएगा मतलब बिना किसी सूत्र बिना किसी ज्ञान के आप इसका आंसर चौवन लिख सकते हो बोलो समझ में आया आज ये पहली क्लास है अभी मैं आपको डेमो ट्रायल सिखा रहा हूं ये पहली क्लास है अच्छा ये कलर स्क्रीन का कुछ गंदा नहीं दिख रहा आप लोगों को मतलब कुछ अलग नहीं दिख रहा है अजीब टाइप का लग रहा है क्या अलग व्हाइट कर दूं तो क्या होगा दिखेगा और ज्यादा खराब दिखेगा ना वाइट पे ब्लैक से लिखूंगा तो अच्छा दिखेगा लेकिन जाने दो थोड़ा आंखों को आराम नहीं मिलेगा आप लोगों को मेरे भी ठीक है भैया आगे बढ़े आइए बात करते हैं नेक्स्ट शुरू से किया हूँ पहला दूसरा ये तिफरा है चौथा यार कुछ मेरे को ना मजा नहीं आ रही इसमें हाँ चलो आगे बढ़े यहां दिख रहा है ना सभी को अब एक बात बताओ जैसे मैंने कहा कि 200 का 75 परसेंट कितना होगा बिना किसी सूत्र के बताओ सब बताऊंगा स्टार्टिंग से सिस्टम से कोई दिक्कत नहीं जल्दी जल्दी पढ़ाएं, चल भैया जल्दी जल्दी अब जल्दी जल्दी कोई बोल रहा है आप मत कहना धीर धीरे धीरे नहीं गरिया देंगे हम अगर धीमे बोला कोई तो चलो दो सौ का पचहत्तर परसेंट जानते हो नहीं गरियाएंगे नहीं मजाक में बोल रहे हैं इतना गंदे नहीं इसको ऐसे कर सकते हो ना ऐसे कर सकते हो और आपको पता है मैं पहले बता चुका हूं कि सौ का जितना परसेंट बोलोगे उसका मान उतना ही होगा 100 का 75% 75 होगा इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि इसका 75 और इसका 75 दोनों जोड़ोगे कितना होगा 150 यानी फाइनल में यहाँ आप 150 लिख सकते हो बिना किसी गणित सूत्र के समझ में आया तो एक बार यस बोलो फट से नहीं आया तो नो बोलो लेकिन बोलो जरूर थोड़ा पानी डाल ले इससे थोड़ा सूख रहा है अभी सूत्र बताऊंगा ऐसे हवा में सब नहीं होगा लेकिन रुको चलो हो गया डन तो देखो ये कोई सूत्र नहीं है मतलब कोई तरीका नहीं है कुछ नहीं है बस आपको सिखा रहा हूं कि प्रतिशत होता क्या है बस चल भाई अगर मैंने कहा कि 300 का 29 परसेंट बताओ कितना होगा 300 का 29% भाई बोलो कमेंट हर कोई करे कमेंट नहीं करते ना तो बहुत गुस्सा लगती समझ लो और लाइक नहीं कर रहे हो उसके लिए तो अभी एडवांस में बाद में बताते हैं तुम लोग का चलो तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि 100 का 29% कितना होगा 100 का 29% 29 होगा ये मैं आपको सबसे पहले बता चुका हूं कि 100 का जितना परसेंट बोलेंगे उसका मान उतना ही होगा तो इस तरीके से मेरे भाई इसको मैं लिख सकता हूं बाबू हंड्रेड प्लस प्लस बोलो लिख सकता हूं किसी को कोई तकलीफ नहीं और अगर एक सौ का ट्वेंटी का अलग अलग तुम कर सकते हो कि नहीं बोलो अब इनको तीन को तीन बार जोड़ दो आंसर आ गया कि नहीं उजमा साक्षी सिरोमणि आ गया कि नहीं भैया आ गया ना यानी इनको जोड़ दो नौ नौ अठारह नौ सत्ताइस का साथ हासिल आया दुई दुई दू चार दुई आठ है भाई का हो रहा हो आठ एटी सेवन देखो सिंपल है इसको जोड़ना अगर इसको आप तीस मान लो तो आ, तीस यानी नब्बे हो जाता आ, नब्बे में से तीन कम कर देते तो एटी सेवन ठीक है तो यानी आप कह सकते हो क्या कह सकते हो आप कि इसका जो ट्वेंटी नाइन परसेंट है वो एट्टी सेवन है देखो बिना किसी सूत्र के आया ना बोलो ना कर लोगे ऐसे कुछ बिना किसी सूत्र के आया लेकिन ये तरीका सिर्फ उन्हीं गिनती में हो सकता है जो हंड्रेड का मल्टीपल होगी जैसे सौ हो गया दो सौ हो गया हम्म मतलब जिनको हंड्रेड के पार्ट पार्ट में तोड़ा जा सकता है ये वही संभव है हर जगह संभव नहीं है जैसे कहते हैं ना सुई से शर्ट में बटन तो लगा लोगे ठीक है लेकिन अगर उसी सुई से कहें कि भैया एठी कपड़ा सिल के दे दो मेरे शर्ट पैंट का तो नहीं सिल पाओगे हाथ से ना हम्म कर लोगे टाइम लगेगा बहुत ज्यादा लगेगा असंभव जैसे हो जाएगा तो है ना तो देखिए समझिए मेरा कहना क्या था वो समझिए बाकी चीजें यही भूल जाइए ये हीट है क्या यार हुँ? नहीं चुमी नहीं कर रहा हूं इसको ये गर्म लग रहा है मुझे कुछ इसीलिए बंद हो रहा था क्या ये देखो आगे हम क्या बात कर रहे हैं आ, ये तरीका यहां पर लगेगा क्या अगर मैं यहां पर बोलूं तो क्या इसको भी सौ सौ के पार्ट में तोड़ के कर सकते हैं बोलो कर सकते हैं क्या शायद शायद कर सकते हैं जुगाड़ से लेकिन लेकिन इसमें तो तुम कर सकते हो चाचा लेकिन अगर मैं बोलूं कि तीन सौ उन्नीस का बीस परसेंट बताओ यहां नहीं कर पाओगे यहां कोई जुगाड़ नहीं लगेगा उस तरीके वाला यहां गड़बड़ हो जाएगा पूरा गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे माटी हो जाएगा गुड़ गोबर हो जाएगा यहाँ पे तो देखिए समझिए बताता हूं अब आपको मैं सीधा फीता नियम पे ले चलता हूं कहा झेल्ला फालतू का चलो हटाओ लेकिन एक तक बता दो तब एक बता दो तुम हम इतने भी अच्छे नहीं है चलो आ, मुझे यह बताओ कि 500 सौ का पैतीस परसेंट सबसे पहले बताओ जैसे बताया हूं उसी नियम से फिर आगे मैं जल्दी करो कितना आएगा जिनको नहीं आएगा ईमानदारी से नो लिख देंगे बस लेकिन कमेंट जरूर करेंगे अंशु कुमारी सूरज देखो बच्चे बहुत कम है मैं आज स्टार्ट किया हूं तो मैं देखूंगा कि आपकी जिम्मेदारी है अगर आप जिम्मेदारी ले रहे हैं तो मैं यूट्यूब पे बैच चलाऊंगा अगर आप लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो सिर्फ अप्लीकेशन में चलेगी ये बात आप लोग दिमाग में रख लीजिए निवेदन है, है आपसे कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ रिक्वेस्ट है ठीक है तो कम से कम आप हंड्रेड बच्चे तो मैंटेन करके रखें क्लास में सौ बच्चे से कम नहीं होना चाहिए तब तो मैं लाइव दे सकता हूँ यूट्यूब पे ठीक है बात समझ रहे हो ना तीस चालीस बच्चे हैं आप एक दो को शेयर करके ला सकते हो कम से कम अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ को तो ला ही सकते हो अबे चल तुम भी पढ़ ले समझ रहे हो अड़ोसन पड़ोसन को भी पढ़ा दो देखो याद रखना अगर आपका पड़ोसी समृद्ध है सुखी है आपका घर में भाई बहन तो आप भी सुखी समृद्ध रह पाओगे अगर आपके यहाँ भले सब कुछ गडा गड्ढा है पड़ोसी के यहाँ नंगे लड़के घूम रहे हैं ना चड्डी भी नहीं पहने हैं तो आपके कोई रिश्तेदार आएगा ना तो बिजती होगी दोबारे पे याद रखना ठीक है आगे चलें हाँ तो बात क्या हो रही थी उस पर चलते हैं कोई इसका आंसर दिया अगर तो उनका नाम है सबसे पहले अंशु कुमारी है और देवनाथ जी हैं साक्षी सौरभ ठीक है अच्छा कोशिश की आप लोग मैं इसको सिर्फ जुगाड़ से करने को बोला था बाकी नियम से नहीं तो जुगाड़ में भैया इसको मैं लिख सकता हूँ हंड्रेड प्लस हंड्रेड प्लस हंड्रेड और प्लस हंड्रेड मैं बिना किसी सूत्र बिना किसी तरीके के बोला था इसको करने को तो इसमें पैंतीस परसेंट का मतलब हर एक में से पैंतीस पैंतीस निकाल लोगे, इसका तो यही मतलब है हर एक में से पैंतीस पैंतीस निकाल लोगे, ठीक है, और इनको पांच बार जोड़ देना है बस यही हो गया आंसर चलो जोड़ दो पांच पाँच दस पाँच पंद्रह पांच बीस पांच पच्चीस पांध का पांच हासिल आया दो तीन तीन छ तीन नौ तीन बारह तीन पंद्रह पंद्रह दो सत्रह वन सेवेंटी फाइव आएगा कौनो गदहा एक सौ पांच बता रहा था कितना आएगा वन सेवेंटी फाइव अरे भाई सिंपल में देखो ये पचास परसेंट के लगभग है ना करीब में है तो पचास तो परसेंट के लगभग करीब में है तो ये ढाई सौ के लगभग करीब जाएगा ना तो ढाई सौ के लगभग करीब हो नहीं रहा ये और जो एक सौ पांच बता रहा है अरे गदहा एक सौ पांच कैसे संभव ही नहीं किसी तरीके से समझ गए ना हम्म कोई तकलीफ कोई डाउट नहीं ना चलो इसको थोड़ा ढंग से कर लेते हैं इसको पीडीएफ में भेज देंगे ठीक है थोड़ा ढंग से इसको कर लेते हैं इसको पीडीएफ में भेज देंगे ये उत्तर हो गया सेवन फाइव ओके जो क्लास देखा है उसको पीडीएफ में समझ पाएगा और जो नहीं देखा होगा नहीं समझ पाएगा अब चलो मैं आपको नियम बता देता हूं सिस्टम से यह सब चीज मारो गोली चलो किसी नंबर का परसेंटेज कैसे निकालते हैं जैसे फॉर uh, एग्जाम्पल मैंने अभी जो किया उसी को 500 का 35 परसेंट इसके लिए जो दी गई संख्या होती है लिखते हैं वैसे प्यार से का जगह पे गुड़ा लगाते हैं फिर वो संख्या लिखते हैं परसेंटेज का चिन्ह हटा के 100 से भाग कर देते हैं बस यही तरीका होता है ठीक है सिंपल में यही तरीका होता है देखो फिर से समझ लो पहले साथी मेरे वो गिनती लिख देते हैं ठीक है पहले वो गिनती लिख देते हैं जो भी रहती है जैसे पांच सौ लिख दिया फिर का की जगह पे गुड़ा लगा के वो गिनती लिखते हैं जिसका परफेंटेज निकालना है परसेंटेज का चिन्ह हटा के सौ से भाग कर देते हैं दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया गुड़ा कर लो पचम पच्चीस हाफिल दो पांच तीन पंद्रह सत्रह आंसर पैनल बंद ना हो इसलिए मैंने आज इन्वर्टर से ही किया इन्वर्टर की लाइट वाइट हटा दिया जिससे ये बंद ना हो बीच में नहीं तो डिस्टर्ब करेगा दिमाग कदा ही बनाएगा बीच में चलो एक सौ पचास का पंद्रह परसेंट कितना आएगा भाई रिंकी जी कितना आएगा अभी एक ठिकाना पूछ रहा था बेसिक मैथ वाले में कि डीएलएड चलेगा कि नहीं और उनकी बातों का कदर करते हुए मैं चला दिया लेकिन वो मेरे साथ धोखा कर गए मुझे लग रहा है आए नहीं इस क्लास में हम्म तो 150 गिनती वैसे लिख देंगे का की जगह पे कूड़ा पंद्रह की जगह पे पंद्रह परसेंटेज हटाएंगे सौ से भाग बस हो गया एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा पंद्रह का पंद्रह में गुड़ा हो जाएगा और दस से नीचे भाग हो जाएगा हम आपको स्क्वायर याद करवाए हैं पंद्रह का स्क्वायर कितना होगा दो सौ पच्चीस होता है क्या बोलो नीचे दस है एक अंक पर दस लग जाएगा तो ये हो जाएगा ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव ये आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई आंसर चलो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं ये हर किसी को आना चाहिए याद रहे हर किसी को आना चाहिए जल्दी बोलो कितना आएगा कुछ भी कर रहे हो कोई तैयारी कर रहे हो कोई पढ़ाई कर रहे हो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको आनी चाहिए जरूर आनी चाहिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिनका कोई इंक्वायरी है बाबू नीचे नंबर चल रहा है उस पर संपर्क करना चलो माफी चाहता हूँ कितना आएगा इसका आंसर बहुत सिंपल है दादा बहुत सिंपल है सबसे पहले ये नंबर लिख लो फिर गुड़ा का चिन्ह लगा दो अब शरमा रहे हो तो रुको जो लोग कहते हैं ना जे करे शरम के फूटे करम ये लिए लोग शर्म उरम ना करा ठीक ना मतलब पढ़ाई लिखाई में बाकी तो सोशल मीडिया पर वैसे सब अपन दिखा होता है कुछ बाकी रहने की, ना दिखा होता है का का मतलब गुड़ा चालीस को चालीस परफेंटेज का चिन्ह हटाओगे तो क्या होगा सौ से भाग ठीक अब एक जीरो से एक जीरो निपट गया एक जीरो से एक जीरो और निपट गया तो क्या बचा अठारह गुड़े चार अठारह चौक बहत्तर भैया सही है ना हो आशीष वेरी गुड आशीष चलो एक और चीज दिखाऊं आपको जब है तो ना दिखाऊं कुछ चलो डन सुंदर लग रहा है ना ये हम्म भाई कुछ ना दिखाओ चुप्पे पढ़ाओ चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पांच सौ अट्ठाईस का सत्तर परसेंट बताओ कितना आएगा प्रमोद भैया हम तोरन गांव से ही हो तू पहचाने नहीं हमका दिक्कत ही है बस हम तो रे भाई चरा जाई देखे योग ना है, ना देखे हा? कल देख लिया सुबह चल आगे बढ़ा हाँ तो क्या करेंगे पांच सौ अट्ठाईस का मतलब गुड़ा? सत्तर की जगह पे सत्तर लिखोगे परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे तो सौ से भाग ठीक है एक जीरो से एक जीरो निपट जाएगा बस नीचे दस बचा है बचा रहने दो तो ये पांच सौ अट्ठाईस गुड़ा ये सत्तर का सात बाकी जीरो कटी गया है अब एक क्या का करोगे गुड़ा करोगे तो सात अठे छप्पन गुड़ा करके बताओ यार कुछ तो करो कम से कम बुढ़ाया गया लेकिन कुछ करते नहीं आप लोग क्या कहें सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स फाइव करिए आया सेवन टू जा फोर्टीन फोर्टीन में फाइव एड करोगे नाइनटीन सेवन फाइव जा थर्टी फाइव थर्टी फाइव वन थर्टी सिक्स और ये टेन तो ये वन डिजिट पे क्या लग जाएगा पॉइंट ये हो जाएगा आपका आंसर अब आप कौन कहेगा ससुर अंग्रेजी बोले लग रहे अबे तो अवध ही बोला आंसर हो जाएगा सही है ना एक बार मैं मोबाइल में करके देख लेता हूं आप लोग भी कर लो सही है आ, पांच सौ अट्ठाईस को गुड़ा करो सत्तर से भाग दे दो सौ से और मेरा लगाया गलत हो जाए ना ऐसा नहीं है कब कब हो जाता है सही है <coughs> लिख लो जल्दी भाई छाप लो फटाफट कहा कर रहे हो कुछ लोग के शकल देख के ना हमारे एक सूती खून घट जा सही बताओ भाई अब वो कुछ लोग में क्या है आप लोग खुद है समझ लिया चलो तीन सौ पच्चीस पचपन परसेंट बताओ अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का मैं टाइप चेंज कर रहा हूं अब अब टाइप चेंज कर रहा हूं लेकिन आपको आना भी चाहिए ये दस हमलो अगर आ जाए तो क्या होगा देखो अलग बदल गया थोड़ा सा थोड़ा सा फ्लेवर बदल गया बताओ जल्दी <coughs> डन आगे बढ़े चलो ये आप लोग कर लेना अब मैं पॉइंट वाले पे आ जाता हूँ पॉइंट वाले पे आने के पहले मैं एक स्टेप और आगे जाता हूं और आगे कहाँ चलना है पहले कुछ क्वेश्चन लिख लो फिर और आगे चलते हैं बाद में क्वेश्चन लिख लो इसको आप लोग करना क्योंकि कहते हो ना प्रैक्टिस करना चाहिए प्रैक्टिस कर लेना एक हजार पचास का पैसठ परसेंट इसको करना और मुझे बताना लिखो आ, इसका आंसर बताओ फटाफट फर्ट कमेंट करो चलो जिनका लागत है ना बहुत आसान है अब उनके मम्मी मौसी याद आई है जब आंसर करी है तो अब ही नहीं ये सभी आप लोग कर लेना ओके जल्दी देखो आगे बढ़े <coughs> <coughs> कहो सभी है ना आगे बढ़ी कौन दिक्कत नहीं ना कहू का अच्छा यौन हम भाषा बोला था तो लोग को समझ में आता है कि न कहा बोली, क्यों गरे बोली ना है क्यों घरे बोली जाती कि आपको पता है ना ये लड़के और लड़कियां जो होते हैं ना घरे बोली हैं भले कैसे हो घर ही है हिंदी है में जैसे हम बोलते है हैं ऐसे कहीं क्यों सामने जैसे है माय oh गॉड मुझे तो नहीं पता है कैसा बोल रहा है है ना आगे बढ़े क्वेश्चन जैसे देखो आ, मैं थोड़ा सा चेंज करने को बोल रहा था कि 280 का 35 परसेंट और का 12 परसेंट ये दुई बार का का हो जाए तब का होगा है ना देखो ये ये भी, भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे होता है वैसे होता है सेम टू सेम जैसे ये 280 इसको ऐसे ही लिखोगे का का मतलब गुड़ा पैतीस ये 100 ठीक है और फिर गुड़ा इसके जगह पे का की जगह पर 12 और फिर फिर इसके नीचे 100 ये ऐसे बनता है समझ में आया ना सबको अब इनको हल कर लो भैया देखो कैलकुलेशन करना पड़ेगा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए वो मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैं बेसिक नहीं पढ़ा रहा हूं एक जीरो से एक जीरो निपट जाएगा ऊपर अट्ठाईस पैंतीस और ये बारह नीचे आपका ये दस और ये सौ 100, यानी एक हजार नीचे रहेगा इन सब का गुड़ा करके एक हजार से भाग करो सब का गुड़ा करके एक हजार से भाग करो जल्दी से अट्ठाइस पैंतीस का बारह में गुड़ा करो देखो बारह पंचे साठ का जीरो हाफिल छे बारह तिहाई छत्तीस छत्तीस बयालीस चार सौ बीस हो जाएगा चार सौ बीस को अट्ठाईस से गुड़ा कर लो पैंतीस गुड़े बारह चार सौ बीस हो जाएगा चार सौ बीस को अट्ठाईस से गुड़ा करोगे ग्यारह हजार सात सौ साठ आएगा ठीक है कर लोगे ना सभी ग्यारह हजार सात सौ साठ को एक हजार से भाग करोगे तो तीन अंक पर दश लगेगा इलेवन पॉइंट सात छः जीरो आए आंसर कहो सभी समझा ना देखो इसका एक सिंपल सा और तरीका मैं इसको चेक करके दिखा देता हूँ गलत है सही है जिसको इसको एक करने का एक और तरीका है भैया मैथ ब्लाग चाचा हाथ गोल्ड जोड़ ली हार पैर छुई ली का कही नीचे नंबर चलता है नो पर संपर्क कराना देखो इसको करने का एक और तरीका है एक और तरीका सुन लो फिर कौन सा है एक कहां बोल रही थे निकल देखो सुनो एक और तरीका क्या है ये गलत है कि सही है इसका मैं आपका भ्रम दूर कर देता हूं इसको दो बाग में कर, मतलब दो बार में कर सकते हो दो सौ अस्सी का पैंतीस परसेंट पहले करो दो सौ अस्सी का पैंतीस परसेंट मतलब दूसौ अस्सी कूड़े पैंतीस एक जीरो से एक जीरो काटो ठीक है और 35 का इसमें गुड़ा करो अट्ठाईस में कितना आएगा मैं गुड़ा करने की ट्रिक भी आपको शायद बता चुका हूं अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट अब नहीं देखूंगा अब मैं बहुत देख लिया चलो गुड़ा करो पैंतीस से नौ सौ अस्सी लगभग आएगा ना बटा दस यार ये तो गजब अच्छा जुगाड़ बन रहा है यार ये कट गया बराबर कितना है नाइनटी एट नाइनटी एट ना अब नाइनटी एट का बारह परसेंट निकाल लो बस ट का बारह परसेंट निकाल लो अगर दोनों मैच कर गया तो वो इकट्ठा करना सही था ठीक है नाइन्टी एट का बारह परसेंट मतलब बारह बटा सौ बारह अठे छियानबे हाफिल नौ बारहवैया एक सौ आठ एक सौ आठ नौ नौ आठ सत्रह एच अच्छा गलत होगा कहो हाँ दो अंक पर क्या लगेगा दशमलव लो कहो कहीं कुछ गड़बड़ होगा का एक बार मल्टीपल कर दे के देखो कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं हुआ है ये बारह से गुड़ा करोगे भैया ग्यारह और छिहत्तर आएगा इतना आएगा तब तो हम कंफ्यूज हो गए इलेवन पॉइंट सेवन सिक्स आया ना ठीक है समझ में आया तो देखो ये आंसर वही था क्या इलेवन पॉइंट सेवन सिक्स जीरो और एक्स्ट्रा था इसका मतलब ये सही था कि नहीं एक बार बोलो यास। बोला हो कहता सही रहा ना सही रहा देखो कुछ लोग कहा तो ना ही सही आया हो तो इतना आ रहा न ग्यारह दशमलव सात छा ये में ग्यारह दशमलव सात जीरो कहते हैं जीते दिए ना कौरा मरे उठावे चौरा सुने अग्न वही हाल है जिस प्रकार से इंसान को जीते जी सेवा सत्कार ना किया जाए मरने के बाद बहुत बड़ा भोज करा जाए तो कोई होता ना बस उतने जरूरत है मतलब उतने फायदा होता है इसके बाद में दशमलव के बाद में जो गिनती होती है जीरो बढ़ाने का ठीक है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई मतलब नहीं होता चाहे जितना बार बढ़ा दो इसमें भी बढ़ा लो जिनको तकलीफ है लो मतलब वही हुआ आंसर वही हुआ ये ग्यारह ही है ना कुछ और मान लो सभी समझ गए ना मेरी बात को हम्म तो ये डेमो ट्रायल चल रहा थर्ड सेमेस्टर का अब मैं देखता हूं आप लोग कितना प्यार देते हो इस क्लास को कितना शेयर करते हो जितना शेयर वगैरह करोगे बढ़िया बेहतरीन उतना बेहतरीन हम कोशिश करेंगे सोनी कहा था है, बहुत ठंड लागत बा हो। गुरु कैसे लिखी नहीं नहीं तू ना लिखा बिल्कुल ना लिखा कहा कर बा लिख पढ़ के वैसे वही ठीक है तू आगे नेक्स्ट दिख रहा है ना सभी को तो हमने ये कहा कि दशमलव वाला भी कुछ करवा देते हैं दशमलव वाला नहीं तो दशमलव वाला बाद में करेंगे नहीं तो कुछ लोगों को तकलीफ होने लगती थोड़ा नया तरीका देख लेते हैं हाँ ये तो वो था क्या किसी संख्या का परसेंटेज निकालना ना अब कुछ नया देखो देखो लोग ना आजकल नया नया फ्लेवर चेंज करना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा टाइम पे आजकल लोग रिलेशन में भी ऐसा कर रहे हैं कुछ कुछ महीने में एक्सचेंज कर देते हैं अभी बताऊंगा एक लव स्टोरी बहुत अच्छी वाली लास्ट में रुके रहे ना देखो आ, क्या प्रतिशत निकालना अब तक जो पढ़ रहे थे वो कुछ और था अब प्रतिशत निकालना देखो जैसे क्वेश्चन यार प्रतिशत निकालना तो था वो प्रतिशत का मान हाँ प्रतिशत निकालना यह आप पढ़ चुके दूसरा क्या है प्रतिशत का मान निकालना ठीक है अब मैं ये पढ़ाऊंगा यह पहली क्लास है यह पहली क्लास है जिन लोग को नहीं पता जान लो खुश हो जाओ एकदम उछलो कूदो ये पहली क्लास है आज पहली क्लास है ये जैसे क्वेश्चन है कि 120 परसेंट का मान बताओ कितना आएगा कोई बता लेगा ये अब तक तो हम परसेंटेज निकाल रहे थे किसी गिनती का अब क्या है 120 परसेंट का मान आज अगर इसको देख लोगे तो प्रतिशत के मेन मेन टॉपिक सारे क्लियर हो जाएंगे ठीक है संध्या भारती का है को तकलीफ हो रही है आपको आ? को तकलीफ हो रही इसमें कुछ दिक्कत हो रही का 120 परसेंट का मान तो 120 प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो सौ से भाग करते हैं बस याद रखना ठीक है भैया एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा ये बारह बटा दस बचेगा दो से इसको डिवाइड करोगे तो दो छंग बारह दो पंचे दस तो ये इतना आएगा भाग करोगे कितनी बार जाएगा 1.2 आएगा क्या पांच एक कम पांच घटाओगे एक आएगा फिर जीरो वन पॉइंट टू आएगा लगभग या फिर फाइव पॉइंट सिक्स या फिर इसको एक काम और भी कर सकते हो पांच से भाग करोगे तो पांच सही एक बटा एक ये तीन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो सभी को मेरी बातें समझ में आ रही हैं सेशन को लाइक शेयर करोगे ना बता दो ईमानदारी से करोगे नहीं करोगे करोगे पक्का ठीक है चलो तो इसमें से ये भी आंसर हो सकता है ये भी आंसर हो सकता है तो जैसे एक और क्वेश्चन मैंने लिखा कि 320 परसेंट का मान कुछ लोग कहेंगे ये 100 परसेंट के ऊपर कह ले जा रहे हो तो नीचे भी ले लो अस्सी परफेंट का मान बताओ ऐसे बहुत जगह क्वेश्चन आता है ये चीजें आपको पता होना चाहिए बस हमारा यही उद्देश्य है और कुछ नहीं ठीक है तो अस्सी परफेंट का मान अस्सी में क्या करोगे सौ से भाग करोगे यही आंसर हो जाएगा जीरो ये हट जाएगा तो आप इसे कह सकते हो आठ बटा दस दुई चौक आठ दुई पंचे दस ये चाहे तो इसको भी आंसर लिख सकते हो या इसको भाग कर लो जीरो पॉइंट आठ आएगा है ना आ, पांच अठे चालीस ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज कर लो समझ में आ रहा भैया लवी गंगवर हरी ओम सॉरी हरी राम खिलेरी नाम इतना कठिन कहाँ बनवाए राजा आ? तो लोग ऐसा ऐसा नाम रख लेते हैं ना कि मतलब सिर खज पड़ जाते बोलत के तो ये कर लिए टॉपिक क्लियर डन एक थे और बताना फिर मुझे 190 परसेंट का मान इसका मुझे बताना करके ठीक है अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ फ्लेवर अब चीजें बदल रहा हूं देखना चलो कोई व्हाइट बोर्ड बोल रहा था लो व्हाइट बोर्ड वाले अपनी थोड़ा सा इच्छा पूरी कर लो करियारे हो मने मन लो मजा आएगी ना अब मजा आएगी ना बिल्लू अब अब मैं भी अच्छा दिखूंगा सामने लाइट पड़ेगी यार दिखाते यार अब तो अब क्या करेंगे प्रतिशत में बदलना अब मजा आ रही लिखने में लेकिन आंखों के लिए ना ये थोड़ा सा खतरनाक है मेरे भी आप लोगों को भी चमक बढ़ गई होगी ना ऐसे रहे ठीक है बोलो कि ये वही कलरफुल वाला सही था प्रतिशत में बदलना बता देना अपनी अपनी इच्छा जो भी है अब आंखों के लिए बहुत खतरनाक कलर मैं यूज करूंगा चलो जैसे दो बटा पांच को परसेंटेज में बदलिए जितने लोग चाहते हैं कि ये कलर सही है ऐसे बढ़िया है वो लोग यस लिखेंगे और जितने लोग पहले वाला पसंद करते थे वो नो लिखेंगे बताओ देखें कौन इसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं यस में हो कि नो में हम्म आज तो मैं ऐसे पढ़ा दे रहा हूं बिना किसी उम्मीद के संध्या खुश हो ना आप ही बोल रही थी वाइट बॉडी करो क्यों वाला ले आए लकड़िया वाला एक ऊपर लाग लगा ली अब लोगों के इतनी ठंडी पकड़ी है कि वह कमेंट कहा करें ज़्यादा ना करा चला परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई सौ से गुड़ा करते हैं तो याद रखना कहीं लिख देता हूं देखो लिख लो नियम नियम डाल के लिख लो याद रखना इसको चाहे कहीं पहला क्या है प्रतिशत में बदलने के लिए के लिए दी गई संख्या को संख्या को तो से गुड़ा करते हैं ठीक है हो? ठीक बाग ना उदाहरण उदाहरण देखो जैसे तीन बटा पांच को परसेंटेज में बदलिए समझाओ भैया ध्यान से देखा प्यार से देखा चाहे कि वो कुछ भी कमेंट कर अगर याद है चाहे कोई दिक्कत ना चला तो इसको सौ से गुड़ा करेंगे परसेंटेज में बदलना है पांच दूना दस ये आ जाएगा साठ परसेंट ये पहला नियम हो गया ठीक है याद कर रख लेना जिंदगी में हर जगह काम आएगा ये किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए दी गई संख्या को सौ से गुड़ा करते हैं इसका आप पी डी एफ पी वी आर स्टडी के टेलीग्राम वाला चैनल पे भेज दूंगा ठीक है हो भैया भेज दूंगा कोई दिक्कत नहीं है चल भाई तो सभी इसको टेलीग्राम पे हमें जरूर ज्वाइन कर लो जो नहीं कर रहे हो टेलीग्राम पे मैं सारा ई पीडीएफ भेजता हूं तो ज्वाइन कर लेना नाम याद रखना पीवीआर स्टडी नाम है टेलीग्राम पे जाके आज ही ज्वाइन कर लेना जिससे सारी फ्री क्लास व्लास पढ़ पाओ ठीक है सब इस पे भेजता है कब क्लास कब चलेगी कब नहीं चलेगी कब मैं अपनी वाली से मिलने जा रहा हूँ कब वो मेरे यहाँ आ रही कब क्या हो रहा है सारा दाल मकाला सब इस पे दिखाते हैं तो ज्वाइन जरूर कर लेना अगर देखना है तो इतना नहीं दिखाई जितना बताओ तो चला वो तो उल्लू बना है हाँ पढ़ाई वाली सारी अपडेट आएगी चलो हो गया डन आगे अगला मैं नियम दिखा रहा था ना नियम आ, किसी संख्या से प्रतिशत हटाने के लिए हटाने के लिए हमेशा सौ से भाग करते हैं हम्म हटाने के लिए क्या करते हैं हमेशा सौ से भाग करते हैं हमेशा सौ से भाग करते हैं फॉर एग्जाम्पल रुक जा जैसे यहां पर लिखा कि 120 परसेंट ठीक है का मान तो क्या करेंगे इसको 100 से भाग करेंगे 120 को 100 से भाग करेंगे बराबर एक जीरो से एक जीरो निपट गया ये 12 बटा दस आएगा बराबर दुई छंग बारह दुई पंचे दस बराबर इसको करेंगे पांच से भाग करोगे तो पांच सही एक बटा एक आंसर आएगा या फिर पांच एक कम पांच पांच गुना दस इतना आएगा दोनों में से कोई भी सही है तू जो कहे बस वो ही सही है तेरे बिन तो कुछ भी नहीं है समझ रहे हो किसके बिन अरे बस आप ही लोग के लिए बोल रहा हूं बाकी और कोई नहीं अब ऐसे सोच लो कोई होता तो इतना रात में इतना ठंडी में पढ़ाते है पढ़ाते कि ठंडी बनाते चलो हो गया इसको लिख लिए तो ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बीच में ये बहुत अच्छी चीजें हैं प्रतिशत में बदलना आ, ये आप सीख गए हो सिखा रहा हूं ये हो ही गया इस टाइप वाला हां प्रतिशत निकालना ये आप सीख गए हो प्रतिशत निकालना ये सीख गए हो अब प्रतिशत का मान बताना ये मैं सिखा दिया हूं कहो भैया रुक जाए एक मिनट यार अलार्म बज रहा है इतना प्रतिशत का मान ये तो बता दिया प्रतिशत का मान ये भी प्रतिशत का मान है अब प्रतिशत में बदलना एक नया ठीक है चल भैया आगे नेक्स्ट लास्ट तक देखना छोड़ के ना जाना आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के वाला स्टूडेंट हो का बच्चा नहीं हो भाग जाओगे बाद में क्लास नहीं मिलेगी याद रखना सारी क्लास मैं यूट्यूब पे नहीं देता हूँ सिर्फ लाइव देखो बस अब अब तो इंसान है बिना खाए पे पानी पी पी जियत आई तो लोग चाहते होना चाहते करी भाई दो बटा पांच को परसेंटेज में बदलिए इसको ऐसे लिखोगे परसेंटेज में बदलने के लिए सौ से गुड़ा करते हैं हल करोगे पांच दूना दस बीस दुना चालीस परसेंट आंसर आएगा कोई तकलीफ किसी को बता दो कि यहां दर्द हो रहा है मुझे दिक्कत है मैथ बहुत सब्जेक्ट है माँ से मैथ माँ से मोहब्बत और माँ से मस्ती और माँ ना ना? से मऊसी मैथ से मोहब्बत करना सीख लो प्यार करना सीख लो समझ रहे हो जैसे कुछ लोग कहते ना इस टाइम नहीं पढ़ाएंगे सवेरे पढ़ा और कहीं अभी फोन आएगा उनके ना तो रात में खुसुर फुसुर होए फिर को दिक्कत नहीं है सबेरे उबेरे कब होगा पता नहीं चलता है तो जितना अटैचमेंट उधर रहता है ना उधर मैथ में कर दो ना तो पूरांग मिल जाएगा मैथ क्या मैथ की मौसी भी आने लगेंगी नानी चाची सब आ जाएंगी लेकिन इसमें करते हो इसमें तो नींद आती है इसमें नींद आती है और उस वाली मोहब्बत वाली मैथ में नींद आती नहीं है दोनों में यही अंतर है तो ऐसा कुछ कर लो कि इसमें भी नींद ना आए और फिर देखो फिर देखो मजा चार बटा बीस को परसेंटेज में बदलो चलो बताओ कितना आएगा कितना आएगा अंजु कुमारी क्लास दस बजे से शुरू होती है दस से से बजे बजे तक दस से बजे तक ओवर हो रहा बंद कर रहा हूं तकलीफ ना हो चार बटा बीस को परसेंटेज में बदलना है पहली बात तो ये चार बटा बीस पहले नहीं अशुद्ध है इसको पहले काट पीट लो रियल में है वन अपान इसको परसेंटेज में बदलना है पांच से कूड़ा कर लो दिख रहा है वन अपान फाइव को क्या करोगे पांच से गुड़ा करो पांच से क्या करोगे सौ से करो ट्वेंटी परसेंट आएगा कितना आएगा ट्वेंटी परसेंट इसका सारा पीडीएफ पीबीआर स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर भेज देता हूं ठीक है भैया ये सब होगा ना हाँ तो आप सभी हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए तो सिलेबस क्या है पाठ्यक्रम क्या है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है क्या छोड़ना है वो सब कुछ यहाँ पे होगा चल भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ चल भैया पेन ले लो सबसे पहले बात करेंगे पाठ्यक्रम की तो द्वितीय वर्ष यानी आपके थर्ड सेमेस्टर में UP, में स्पेशली मैथ में क्या पढ़ना है आगे बढ़े चलो मैथमेटिक्स है ये आप सबको पता है गणित दिख रहा है ना कोई दिक्कत नहीं ठीक है थोड़ा सा रुक जाओ मुझे भी कुछ देखने दो कि आप ही देखोगे चलो बढ़िया है ओके चलिए अब हम आपको आ, सिलेबस दिखाते हैं ओपन करके सिलेबस पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है किताब तो यही है ना क्यों भाई यही बुक है ना कंटेंट पे चलो कंटेंट पे देखिए विषय सूची आपको क्या क्या पढ़ना है हम पहले आज यही डिस्क्राइब करेंगे ठीक है भैया आगे सभी दिख रहा है एकदम क्लियर बोल दो एक बार हाँ यस दिख रहा पे चलो, पे। है ठीक है चलिए तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पढ़ना क्या क्या है उसके बाद बाद में सारी चीजें होती रहेंगी चल भैया तो पढ़ना है सबसे पहला चैप्टर अनुपात और समानुपात ठीक है इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे बाकी लंबा चौड़ा बाद में पढ़ेंगे ठीक है भैया सभी को मस्त आ रहा दिख रहा है तो एक बार आप सभी शेयर कर दो दबा के खूब खूब शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा बच्चे आने चाहिए तभी मजा आने वाली है तभी अंदर से एक जोश जुनून आएगा वैसे भी खाना पीना नहीं खाया अभी बहुत देर हो रही है तो थोड़ा सा तो एनर्जी मिलनी चाहिए ना चलो अनुपात इसको इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं जानते हो इनके बारे में एकदम छोटी सी बात बताऊंगा फिर मैं आपको आज सिलेबस दिखा रहा हूं जैसे अगर कहीं तीन बटा पांच लिखा है ना भैया तो इनको हम लिख सकते हैं थ्री रेसियो फाइव तीन अनुपात पांच इसका ही मतलब होता है ठीक है ये एकदम बहुत छोटी सी बात है बाकी डिस्क्राइब करेंगे आगे चल के समानुपात जानते हो समानुपात का सिर्फ चिन्ह बताऊंगा जैसे ऐसे लिखा है सेवन ऐसे मान लो यहां फाइव तो बीच में ऐसे चिन्ह लगता है ठीक है बाकी जब पढ़ाऊंगा तो इसको विस्तार से पढ़ाऊंगा तब वहां पे सारी चीजें क्लियर होंगी आगे बढ़े अगला चैप्टर है समानुपाती राशियों में वाह पदों और मध्य पदों के गुणनफल में संबंध ठीक है यह भी उसी समानुपात के चैप्टर पर ही आधारित है ठीक है क्या क्या पढ़ना है अभी सिर्फ ये देख लो बस तीसरा चैप्टर है भैया आपका घातांकी धारणा क्या है घातांक की अवधारणा जो लोग बेसिक मैथ वाला अभी इस समय क्वालिटी बैच देख रहे हैं क्वालिटी बैच में ये घातांक की चीजें कुछ स्टार्ट की गई हैं ठीक है जैसे घातांक की अवधारणा में ऐसे समझ लो कि भैया अगर दो का घात कहीं पांच लिखा है ना तो इसका मतलब ये होता है दो गुणा दो दो और दो कितनी बार पांच बार दो दूना चार दुना आठ दुना सोलह दूना बत्तीस ठीक है छोटी छोटी बातें बता रहा हूं मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ बस चौथे सिलेबस में चैप्टर में क्या पढ़ोगे चौथे में ये पढ़ेंगे हम्म घातांक के भी बहुत सारे नियम होते हैं पता है क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ नहीं तो आप कहोगे सिलेबस देखने से फायदा क्या है ये तो हम किताब में भी देख ले रहे हैं लेकिन थोड़ा एक डेमो देख लीजिए पूरे सिलेबस का अच्छा रहेगा ये आपके लिए ठीक है क्या क्या पढ़ेंगे कितनी तकलीफ होगी इसको पढ़ने में कितना मजा आएगा ये सब तो आपको पता रहना चाहिए ना चलो कहते हैं कि घातांक का नियम होता है गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती हैं जब बेस समान हो जैसे ये दो ऐसे यहां पर तीन ऐसे यहां पर सात तो इसको फाइनल में किया जा सकता है घातांक के नियम के अकॉर्डिंग फाइव थ्री और सेवन ठीक है दिख रहा है यानी फाइनल में दो का घात पंद्रह ये आपका आंसर होगा समझ में आया किसका आंसर है ये इस वाले का इतने का पूरे का क्या है वो आंसर है समझ गए ना कोई दिक्कत नहीं किसी को आगे बढ़े चलो अगला जो चैप्टर है कोई लिखेगा नहीं इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं सब पढ़ाऊंगा सिस्टम से तो आगे मजा आएगा ठीक है अगला है पूर्णांक संख्याओं घातांक के रूप में लिखना यानी रेफनल नंबर मान लीजिए मुख्य टॉपिक इसका रहेगा और पूर्णांक पूर्णांक मतलब इंटीजर ठीक है पूर्णांक जानते हो क्या होता है नहीं जानते हो अरे यार पूर्णांक का मतलब एक छोटी सी बात में इसे समझ लीजिए भाई खुल जा तू खुल जा खुल जा रुको पूर्णांक को एक छोटी सी बात ऐसे समझ लीजिए ये होता है एक संख्या रेखा हम्म जानते हो यहां पर बीच में होता है जीरो मैं थोड़ा सा बता रहा हूं इसका एक पार्ट बस इसके बीच में मूल बिंदु होता है इधर साइड में सभी नंबर प्लस होते हैं बहुत ही छोटी सी बात बता रहा हूं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा इसमें इधर साइड क्या होता है माइनस होता है इधर होता है क्या देखो सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना चाहिए अंक फिर संख्या फिर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हम्म भाज्य भाज्य फिर उसी में पूर्णांक भी आता है ठीक है यानी पूर्णांक किसे कहते हैं जानते हो पूर्ण संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक मान को पूर्णांक कहते हैं संख्या कैसे होती है प्राकृतिक संख्या के परिवार में जीरो को शामिल कर लेने पर क्या बनती होल नंबर संख्या। सही बोल रहा है लेकिन उसमें समझ रहे हो ना आगे बढ़े चले आगे जिनका इंटरनेट सही नहीं चल रहा उनको क्लियर नहीं दिखेगा इंटरनेट अपना सही करो इंटरनेट सही करो भैया अपना चलो अगला इसमें टॉपिक क्या है अगला टॉपिक है मेरे भैया इसमें परमेय संख्या रेशनल नंबर क्या होती है इसके बारे में बिल्कुल छोटी सी बात करूंगा ठीक है रेशनल नंबर के बारे में बिल्कुल छोटी सी बात करूंगा सुनो सुनो क्या परमेय संख्या के बारे में क्या करना है पता है परमीय संख्या क्या होती है कोई भी संख्या जिसे पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो परमीय संख्या होती है ये बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा होती है लेकिन लेकिन वह संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर में होती हैं, वो परमीय संख्याएं नहीं होती हैं। ये क्या रेफनल नंबर नहीं है हा? लेकिन ये भी पूरा सही नहीं है क्यों क्योंकि कुछ संख्याएं रूट के अंदर की भी परमीय संख्याएं हो सकती है हुँ? कैसे जैसे अंडर रूट अगर हम 25 की बात करें तो ये रेफनल नंबर है क्योंकि इसका वर्गमूल पूरी तरह से एक पूर्ण संख्या मिलेगा और पांच क्या है संख्या है तो ये सब क्यों होता है कैसे होता है जैसे देखो एक और 2.35 ये क्या है रेफनल है कि नहीं बोलो ये रेफनल है कि रेफनल है जल्दी बताओ कमेंट करके बताओ रेफनल है कि रेफनल है हा? अच्छा अगर मैं कहूं फोर पॉइंट नाइन टू वन थ्री अब ये डॉट डॉट है याद रहे अब ये खत्म नहीं हो रहा है तो ये रेफनल है कि रेफनल है भैया इसका कुछ अता पता है नहीं कहां तक जाएगा ये ये अपरमीय संख्या बाबू ये परमीय संख्या ठीक है समझ में आ रहा है सबको आगे बढ़े चलो डन तो ये आप पढ़ेंगे परमीय संख्या के बारे में विस्तार से चैप्टर नंबर चार में और चैप्टर नंबर चार के बाद क्या पढ़ेंगे उस पर बात करते हैं जब इसको पढ़ाएंगे एक तरफ से अगली क्लास में कल से तो बढ़िया से आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे अगला आप पढ़ेंगे भैया सरल व चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना सरल व चक्रवृद्धि ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सिंपल सी बात बताऊं क्या पता है कैसे होता जानते हो इसके बारे में ब्याज का मतलब ऐसे समझो आ, सरल ब्याज साधारण ब्याज ब्याज क्या चीज है देखो यहां पे जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया इसमें वार्षिक और महीना वाले बाद में बात करेंगे सिर्फ मोटी मोटी बात करेंगे बस आज ठीक है जैसे मान लेते हैं कि हमने क्या किया सौ रुपया उधार लिया किसी से ठीक है या आपने लिया क्या लिया सौ रुपया उधार लिया क्या लिया सौ रुपया उधार लिया और ब्याज की जो दर है वो क्या है दस परसेंट है समझ ना ब्याज की दर क्या है दस परसेंट है वार्षिक है कि क्या है इसके बारे में बात बात करेंगे पढ़ाएंगे तो पहले मोटी मोटी बात समझ लो तो जब समय बीत जाएगा तो क्या होगा जानते हो मान लो कि दस परसेंट एनुअल थी साल भर का तो साल भर बाद जो ब्याज होगी वो सौ रुपया तो आपको मतलब ये देना ही देना है क्योंकि मूलधन था और इसका दस परसेंट सौ का यानी दस बराबर एक सौ दस रुपया आपको क्या करना पड़ेगा देना पड़ेगा यानी इसमें क्या है दस रुपये ब्याज है ये क्या मेरे भैया ये प्रिंसिपल अमाउंट है जिसे मूलधन बोलते हैं ठीक है बाबू क्या बोलते हैं मूलधन ये क्या है ब्याज ये क्या है इंटरेस्ट है इसे क्या बोलते हैं ब्याज ठीक है और हाँ इसमें आप कहोगे तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया चक्रवृद्धि ब्याज कहाँ गई कंपाउंड इंटरेस्ट अरे भैया आजकल किसानों की हालत बड़ी गड़बड़ लो है लोग कहते हैं सही बात भी है हम खुद ही एक किसान है हा? हालत पतली हो गई एकदम से हम तो कहते हैं अपने घर वालों को मत बो खेत बाड़ी छोड़ दो एकदम छोड़ दो वैसे खेत जानवर खाते हैं वैसे खाने दो लेकिन मानते ही नहीं घर वाले चलो फिलहाल बात करते हैं मेन टॉपिक पे तो अब मान लो कि ये एक सौ दस रुपए का ब्याज और मूलधन ना चुका पाया पैसा नहीं है तो क्या होगा अगले साल का होगा पता है सुनो 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 अगले साल का होगा, सुनो 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 अगले साल का होगा भैया ये सौ और ये दस का ब्याज था ना अगले साल दस परसेंट इसकी ब्याज तो फिर जुड़ेगी और इसका भी दस परसेंट होगा भैया एक रुपया साल का होगा चाचा जानते हो अगले साल ग्यारह रुपया ब्याज होगी ग्यारह रुपया ब्याज होगी और पिछलिया साल का कितना एक सौ दस रुपया एक सौ दस और ग्यारह कितना हो जाएगी एक सौ इक्कीस रुपया देना पड़ेगा इसमें जो एक रुपया है ये क्या है भैया ये चक्रवृद्धि ब्याज है क्या है बाबू ये ये चक्रवृद्धि ब्याज है बात समझ में आई हम्म यानी जो ब्याज की ब्याज है वो क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है जैसे जो आपके पिता के पिताजी थे जिन्हें आप बाबा दादा जो भी बोलते होंगे उनके लिए आप चक्रवृद्धि ब्याज हो समझ रहे हो चलो कोई परेशानी किसी को नहीं ना हम्म बोर्ड का कलर चेंज कर दें काहे को भैया का तकलीफ है बताओ क्या दिक्कत है कलर में कोई दिक्कत है क्या इसको भी सफेद कर देगा हम्म इसको भी सफेद कर दें आज सफेद में ज्यादा मजा आती है रुको चलो ये भी सफेद कर दिया मैं डन दूसरे में तो कुछ दिखेगा ही नहीं क्या लिखा था मैं फिर चलो आगे बढ़े तो ये ब्याज के बारे में मैंने आपको एक छोटा सा डेमो बताया कि ब्याज का मतलब क्या होता है बाकी तो मैं जब पढ़ाऊंगा इसको विस्तार से तो मजा आएगी ठीक है अगले में पढ़ेंगे बाबू भैया बैंक की जानकारी बैंक में खाता खोलना खाते के प्रकार ये सब पढ़ेंगे एक बात याद रखना जिंदगी में बैंक अकाउंट जरूर खोलना पैसा भले ना हो फूटी कौड़ी बाजार जाए दौड़ी लेकिन अकाउंट खोल लेना मैं आपको बताऊं जब मैं कक्षा नौ दस में पढ़ता था ना तभी से मैं अकाउंट खोलना शुरू कर दिया था पहले तो हमारे स्कूल से खुला था कक्षा नौ वाला कक्षा नौ में पहला अकाउंट खुला था अभी भी चल रहा है वो उसके बाद फिर मैं कोई ऐसी बैंक नहीं बची जहां मैं जानता रहा हूं हमारे आसपास हमारे ज़िले में जहां मैं रहता था मतलब हमारे शहर में सुल्तानपुर में कि मैं किसी बैंक में खाता ना खुलवाया हूं भले वहां कोई गारंटर पहले पता है आपको ऐसे खाता नहीं खुलता था 2011-12 में 14-15 में अगर बात करें तो चौदह पहले खाता ऐसे आसानी नहीं, नहीं खुलता था उसके लिए एक गारंटर होना चाहिए था गारंटर ऐसा जिसका खाता उस बैंक में पहले होता वो साइन करता है मैं इसको जानता हूँ बैंक नहीं लूटेगा ये खोल दो इसका खाता तब खुलता था तो मैं गारंटर खोज लेता था दस बीस दिन में लेकिन खुलवा लेता था पैसा कौन नहीं रहता था रोज कभी एटीएम आया है पोस्ट ऑफिस से घर पे कभी चेकबुक आया कभी पासबुक आया घर वाले घर आते थे ससुरा इसी का होगा पैसा ना कौड़ी खाता कुल खोल लिया है समझ रहे हो ना और आज ना हर एक खाता चल रहा है ढंग से चल रहा है अच्छे से चल रहा है यूज में भी है नहीं होता तो खुलवाना ही पड़ता समझ रहे हो तो इसलिए कहते हैं ना कोई चीज पाने की पहले भूख पैदा करो और जब भूख लगेगी तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है जैसे कहते ना पढ़ने के लिए मोटिवेट करो मोटिवेट करो आप देखते ना पढ़ने का मन नहीं कर रहा है गुरुजी थोड़ा मोटिवेट कर दो हाँ ये बताओ तुम्हारे भूख लगी है सुबह से कुछ नहीं, मिला पेट में चूहा का सियार कूद रहे हैं तो तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत है बताओ कमेंट करके बताओ अगर भूख लगी किसी इंसान को खाना नहीं मिल रहा है तो क्या उसको मोटिवेशन की जरूरत है कि मोटिवेट करो तो खाना खाएगा नहीं तो नहीं खाएगा नहीं ना तो वैसे जिंदगी में जो आपका लक्ष्य है जो टारगेट है ना उसकी भूख पैदा होनी चाहिए अंदर में फिर आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो पता है आपको मैं इसको तो बता ही रहा हूं लेकिन बहुत काम की जानकारी है क्योंकि जो थर्ड सेमेस्टर में पहुंच गए हैं वो बाईस तेईस साल के हो गए हैं ऐसी अवस्था में है कि जेब खर्च मांगने में घर से शर्म लगती है है ना ऐसा होता है ना बोलो ऐसा होता है ना तो भूख पैदा होने का मतलब मैं आपको बताऊं ऐसे ये सफर जो आज साढ़े पाँच छह लाख बच्चे जुड़े हुए हैं और हमारे साथ आधे दर्जन ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं मैंने इतना कुछ बनाया जो भी चीजें बताऊंगा बाद में इसके बारे में ऐसे नहीं बना भूख इतनी पैदा हुई थी कि अकाउंट खुल गया था उसमें मिनिमम बैलेंस न रहे पैसा कटता था तो मैं ये सोचता था कि सब में क्या करता था पता नेट बैंकिंग चालू करवा लिया अगर एक भी है तो दस दिन इस खाता में रखू फिर उसमें भेज दू फिर उसमें रखू फिर उसमें भेज दू मतलब ऐसे सारे खाता में मैं एक हजार रुपया दौड़ाता था घुमाता रहता था समझ रहे हो ऐसे ऐसे अकाउंट जिंदा रखता था जब पैसा कटने लगा तो ये हो चलो कुछ किया जाए फिर ट्यूशन वगैरह पढ़ाना शुरू कर दिया भाई पैसा कट रहा है कुछ तो रहना चाहिए बैंक में बैंक खाता खुलवाया हूं तो बंद तो कराऊंगा नहीं फिर भूख इतनी बढ़ गई कि भूख ही भूख हो गई फिर यही सब होने लगा बंद हो गया वो सब चीज समझ रहे हो आगे बढ़े फिर तो याद रखना कि जिंदगी में कोई चीज पाना है तो उसकी भूख होनी चाहिए और भूख अगर लगी है तो फिर मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है चले आगे तो बैंक में खाता खोलने की जानकारी जैसे सेविंग अकाउंट होता है हा? एक चालू खाता होता है करंट अकाउंट जानते हो दोनों में, अंतर क्या होता है? सेविंग में बैंक कुछ ब्याज देती है जैसे आप कुछ पैसा रखते हो तो उसका कुछ ब्याज देती है इसमें कुछ लिमिट होती है ट्रांजेक्शन की जैसे आप ज्यादा ट्रांजेक्शन करोगे खूब सारा तो नहीं होगा हम्म कुछ कंडीशन के साथ बहुत सारी अपनी पॉलिसी होती है और कुछ अमाउंट भी फिक्स होता है कि आप एक लाख दो लाख का ट्रांजेक्शन ही डेली कर सकते हो हाँ हर दिन एक लाख दो लाख आपका हो गया है लाख तो मतलब ऐसे भी प्राणी हैं इस देश में जो करोड़ों का ट्रांजेक्शन रोज करते हैं ठीक है, है? करोड़ों का सौ सौ लाख का तो करंट अकाउंट वो लोग खुलवाते हैं करंट अकाउंट अधिकतर किसी कंपनी फैक्ट्री या किसी बड़े पैसा वाले की होती है क्योंकि करंट अकाउंट में पैसे का लेन देन होना चाहिए कंटिन्यू मिलता कुछ नहीं है ठीक है उसके एवेज में करेंट अकाउंट में कुछ चार्ज भी अलग से लेता है बैंक वाला समझ रहे हो ना तो इसके बारे में बात करेंगे जब पढ़ाएंगे तब हम्म इंटरनेट का भी चलाएंगे भाई आगे बढ़े ठीक है भाई किरण भाटी फराना अंसारी अंकिता कुछ लोग तो ऐसा ऐसा गधा पैदा हो जाता कहता लाइव है कि नहीं लाइव है मतलब गरियाने का मन करता सच्ची बताओ तो बस गरिया इतना है तो लो लोग के थोड़ा सा लाज सरम कि, कि कहेंगे पगलाएगा पूछता लाइव है कि नहीं मतलब ऐसा लगता है कि कोई बटन दबाने से ये क्लास रिकॉर्ड हो जाती है और आके यहाँ चलने लगती है लाइव बिना हुए ही हम्म तो ये बैंक के बारे में बात करेंगे उसके बाद ये लघुगणक ला लागरथम पढ़ेंगे भैया इसमें भी घातांक से लघुगणक है इसको कुछ ऐसे लिखते हैं ऐसे लॉग हाँ ये भी वैसे होता जैसे घातांक का नियम होता वैसे लागा... है बोलते क्या उगणक गणक आथिम का रूल होता है इसको पढ़ाएंगे ये थोड़ा सा है मतलब मुश्किल नहीं टफ है थोड़ा सा सीखोगे तो आने लगेगा ठीक है तो इसको यहाँ पे अभी डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है आगे बढ़े हम्म लाभांश और सेयर भी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर नौ में ठीक है समुच्चय की संकल्पना बहुत ही मजेदार चैप्टर है भैया ये रुक जा को भाग रहा है अगला क्या पढ़ेंगे समुच्चय की संकल्पना ठीक है समुच्चय जानते हो इसको इंग्लिश में सेट बोलते हैं सेट थ्योरी सेट थ्योरी मतलब समुच्चय सिद्धांत जैसे कहा जाए कि इसको लिखने की दो विधियां होती हैं। एक होती है सारड़ी विधि एक होती है कौन सी विधि सारड़ी और कालम विधि शायद ऐसे कुछ बोल पंक्ति विधि ठीक है जैसे कहा जाए कि समुच्चय के रूप में व्यक्त कीजिए सप्ताह के सात दिनों का नाम हुं? संडे मंडे ट्यूजडे ऐसे करके तो समुच्चय में मैं बहुत अच्छे से तो नहीं बता रहा हूं अभी फिलहाल लेकिन ऐसे कुछ होता है जैसे सप्ताह के सात दिनों के नाम लिखना हो तो ऐसे कुछ Uh, मुझे अभी क्लियर नहीं आ रहा कि कैसे करते हैं लेकिन ऐसे लिखते हैं ठीक है बताऊंगा अभी संडे मंडे फिर ट्यूजडे फिर कामा लगा के ऐसे ठीक है इसका कुछ नियम होता है आसान होता है मजेदार होता है काफी इंटरेस्टेड होता समुच्चय वाला ठीक है मतलब ये बड़ी बड़ी चीजों को एक में लिखता बना करके समझ रहे हो ना जैसे कहा जाए कि भारत के प्रथम पांच प्रधानमंत्रियों के नाम समुच्चे में लिखिए इनको समुच्चय में व्यक्त कीजिए तो उनको बहुत शार्ट करके लिख देता बातों को बस समुच्चय का मतलब कुल के इतना ही होता है बाकी जब पढ़ाएंगे इसको विस्तार से तो पर चर्चा करेंगे अभी ज़्यादा कुछ नहीं मालूम इसके बारे में नहीं पढ़ना भी नहीं ठीक है हुँ? आगे बढ़े ब्रजेश गुप्ता सीआर और डीआर बैंक में जो होता है सीआर का मतलब क्रेडिट होता है बाबू अगर पैसा जमा होता है तो सीआर आता है सीआर मतलब वो सीआर नहीं हुआ हुआ वाला सीआर मतलब क्रेडिट अगला पढ़ेंगे चर राशियों का गुणनखंड दो वर्गों के अंतर के रूप में गुणनखंड चर राशियां जानते हो भाई चर राशियां चर और अचर वेरिएबल और कांस्टेंट ठीक है वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या पढ़ोगे पता है वेरिएबल और कांस्टेंट में जैसे अगर हम चर की बात करें इन्हें इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे जितने भी लेटर हैं ए बी सी डी ई डॉट डाट डाट जेड तक ये सभी चर राशियां कहलाती हैं वेरिएबल कहलाती हैं ठीक है क्या कहलाती हैं भैया ये सभी वेरिएबल कहलाती हैं। और बाबू भैया जितना गिनती होती है वो सभी कांस्टेंट या आचर कहलाती है कोई भी गिनती अनंत तक ये क्या है ये कांस्टेंट है समझ रहे हो ना तो चर और अचर राशियां का यही मतलब है हम्म बाकी व्यंजक बनेगा कहते हैं ना अभी इसमें दोस्ती प्यार मोहब्बत ब्रेकअप दर्द दिल का और तकलीफ सब दिखाऊंगा सब सिखाऊंगा एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा समझ रहे हो ना काफी टूटे हुए दिल वाले भी इसमें क्लास में जुड़ते हैं और वो काफी परेशान रहते हैं मेरा तो ब्रेकअप हो गया लूट के ले गई सब बताएंगे कौन कैसे ले गया कैसे हुआ बड़ा अनुभव के साथ सिखाएंगे दिखाएंगे एक एक चीज क्लास में रेगुलर आओगे तो बीच बीच में चुप्पे चुप्पे बता देंगे ऐसे बीच में हुआ हुआ नहीं करते ठीक है देखो इधर तो इनको मिला करके जो बनता है ना वो ऐसे बनता है इन्हीं को बोलते हैं बेंजक। इनका भी जोड़ घटाना गुड़ा भाग एल सी पढ़ेंगे समझ रहे हो ना? जैसे देखो दो लोग का शादी होता है तो नौ दस महीना बाद एक आध साल बाद एक आध प्रोडक्ट नया आ जाता है तो दो से तीन हो जाता है समझ रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट आगे बढ़े हम्म तो बीज गणितीय व्यंजक बीज गणितीय व्यंजक में जो बताया अभी वही सब होता है बीज गणितीय व्यंजक यही सब है जैसे वन अपान का प्लस नाइन इक्वल ट्वेंटी एट प्लस वगैरह वगैरह इसमें मान ज्ञात कीजिए समीकरण आ जाएगा उसको हल करना यही सब रहेगा ठीक है ये भी इंटरेस्टेड है मजेदार है बोरिंग नहीं है बहुत मजेदार है बहुत प्यारा है ये अगले चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे आयतन ये आवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यम आंकड़े में क्या पढ़ेंगे आंकड़ा पढ़ेंगे डेटा डेटा जानते हो आजकल आटा भले महंगा हो जाए लेकिन डांटा सस्ता होना चाहिए नहीं तो कच्चा बादाम कैसे देखेंगे मोबाइल में है ना पूरा मोबाइल पूरा देश मोबाइल में लगा हुआ है मोबाइल में घुसा हुआ है सब कुछ मोबाइल में हो रहा है टार्च कैमरा रेडियो और लोगों का चैन और सुकून सब कुछ खा गया मोबाइल हम्म डेटा के बारे में पढ़ेंगे आजकल डेटा का बहुत लंबा खेल हो रहा है आपको पता है पढ़ाएंगे सब बताएंगे जैसे आपने देखा होगा कहते हैं ना भारत में सौ करोड़ दो सौ करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया तो ये क्या है डेटा है आंकड़ा सरकार को कैसे मिला आप सभी ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया जो भी वैक्सीन लगवाया जरूर किया लगभग हाँ जो नहीं भी किया सरकार ने जब जिसको जिसको वैक्सीन लगाया या नहीं भी लगाया फर्जियों में कई एक के एक आधार पर बहुत सारे लोगों के नंबर नाम रजिस्टर हो गए उधर निकला हुआ था अभी काफी बवाल भी हुआ था हम्म तो सरकार ने उसके माध्यम से इकट्ठा किया कितने लोग ने वैक्सीन लगवाया आपके घर में सात लोग हैं भले गिन लिया दस लोग हैं समझ रहे हो ना तो वो क्या है जो बताया कि दो करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया मतलब वो एक डेटा एक आंकड़ा है दो करोड़ क्या है एक आंकड़ा है तो ये आंकड़े के बारे में हम लोग यहां पर अच्छे से पढ़ेंगे विस्तार से पढ़ेंगे इस चैप्टर में हाँ अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना और भी ढेर सारी बातें होंगी लेकिन आंकड़ा क्या है डेटा क्या है? इसके बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताया समझ रहे हो कि नहीं कुछ आप लोग हम्म रिंकी समझ में आ रहा है कुछ भैया रिंकी कंसल आगे बढ़े चलिए आयतन और धारिता की संकल्पना पढ़ेंगे अगले चैप्टर में आयतन जानते हो क्या होता है बैलूम अच्छा एक बात बताओ आयतन किसका निकालते हैं और क्षेत्रफल किसका निकालते हैं आयतन और धारिता जानते हो कोई गहरा बर्तन जैसे ये चीज है मतलब गहरा चीज जो थ्री डायमेंशनल फिगर होता है जैसे बोलो उसका बैलूम या कैपेसिटी दोनों निकालते हैं जो टू डायमेंशनल होता है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं या परिमाप निकालते हैं समझ रहे हो जैसे आपके घर में बल्टी लोटा होगा गिलास थरिया होगी उसमें कोई चीज भर सकते हो तो उसका क्या निकालोगे आयतन निकालोगे बैलूम ठीक है समझ रहे हो जैसे कहा जाए कि इस बोतल में कितना पानी आ सकता है कितना दूध आ सकता है तो वो इसका आयतन है इसका क्या है बैलूम है लेकिन हमारे पास एक चटाई है ठीक है चटाई है तो इस चटाई पर कितने लोग बैठ सकते हैं इस चटाई पर कितने लोग खड़े हो सकते हैं वो इस चटाई का क्या है क्षेत्रफल है एरिया है समझ रहे हो ना अब ये थोड़ी कहेंगे बोतल में कितने लोग बैठ सकते हैं इसमें कितने लोग घुस सकते हैं तो आय आप ये समझ के चलो पहले कि ये होता क्या है हम्म धारिता क्या है धारिता मतलब जानते हो धारिता मतलब वही इसकी क्षमता कि जितना मतलब माल पानी इसमें भर जाए भाई ठीक है इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे जब क्लास में आगे पढ़ेंगे तो चले आगे घन धान और घनाब घन धान और घनाब के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में घन धान और घनाब का अंतर जानते हो नहीं जानते हो रुको दिखा देता हूँ बहुत दिन से रखा हूँ कहाँ गया भाई निकल भाई अरे निकल रुक जा रहा है पता नहीं इतना कूड़ा इकट्ठा कर दिया ये क्या है ये घनाब है क्यूब ये क्या है क्यूब है हम्म ये क्या है क्यूब है कहोगे तो डिब्बा है क्यूब कहाँ है वो धूल लगी इसमें स्क्वायर इस जो होता है ना स्क्वायर जो होता है उसी से क्या बनता है स्क्वायर से ही ये बनता है ठीक है यहां पे शायद फिगर होगा तो मैं दिखा देता हूं आपको घन और घना भी इनके बारे में बहुत इंटरेस्टेड और रोचक फैक्ट है यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे आ, मिल जाता तो अच्छा रहता था तो यहाँ पर लेकिन मिले तब ए भाई रुक जा यार चले आगे बढ़े हम्म हाँ ये देखो ए भाई चल जा यार काहे को नहीं चल रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं इसको जब पढ़ाएंगे तो मज़ा आएगा अभी इसमें समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा क्योंकि ये अभी मैं भी सीख रहा हूँ चित्र कैसे बनाते हैं ठीक है और दूसरा बात आप लोगों ने इसको कलरफुल करवा दिया है ये बात है ये देखो बन रहा है दिख नहीं रहा था ना उस कलर की वजह से ये ये बन रहा है यार का जितनी करवा रहा सबके सामने भाई आ जाए ना इधर मैं खींचा गलत इसको पढ़ाएंगे तो मज़ा आएगा उस समय क्लियर हो जाएगा लेकिन अभी देख लो बस ये मोटा मोटा ऐसे ही ये क्या है थ्री डायमेंशनल फिगर है दिख रहा है कुछ कि नहीं कुछ समझ में आ रहा है आपको थ्री डायमेंशनल फिगर है ठीक है इसके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से जब आप लोग पढ़ोगे तो अभी तो फ़िलहाल दिखा रहा हूं डेमो कैसे उसका क्या निकालते हैं आयरी क्षेत्रफल वगैरह और भी चीजें सब पढ़ेंगे ठीक है इसके बाद अगला वृत्त पढ़ेंगे यानी सर्कल मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मजा नहीं आ रही है जल्दी जल्दी मैं खत्म कर देता हूं उसके बाद आप लोग क्या पढ़ोगे खत्म हो गया ज्यादा कुछ नहीं है वृत्त खंड का कोण एंगल पढ़ेंगे एंगल के बारे में बड़ा मजेदार चीज है आपको पता है कि नहीं पता है ये बताओ सबसे छोटा सबसे छोटा जो है अधिक कोण कितने अंश का होता है सारा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर दूंगा इसी क्लास में आज कोण के बारे में कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये क्लास फालतू फालतूआ इसी लगा। भाई कुछ नहीं मिला इसमें क्या मतलब निकला नहीं ऐसी बात नहीं देखो देखो इस क्लास में बहुत कुछ मिलने वाला आज अरे जा तुम मिट जा मिट जा देखो आज कोण का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं भैया जीरो अंश का जो होता है उसे शून्य कोण बोलते हैं ठीक है जीरो अंश का जो है ये इसे शून्य कोण बोलते हैं नब्बे का जो है इसको समकोण बोलते हैं ये ऐसे कोण हैं जो सिर्फ एक एक होते हैं एक से अधिक नहीं होते हैं 180 अंश का जो होता है इसको कोण बोलते हैं क्या बोलते हैं कोण? इंग्लिश में इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इसको राइट एंगल बोलते हैं इसको जीरो मतलब शून्य और 360 अंश का जो होता है इसको संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल बोलते हैं नोट कर लो चाहे इसी में कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा क्या बोलते हैं कंप्लीट एंगल बोलते हैं ठीक है समझ रहे हो ना ये ऐसे कोण है ये अद्वितीय है मतलब ये पुराने जमाना के बारे में बात करें तो ये पतिवरता नारियां है जिनके हम एक और हमारे एक हैं बस हम्म आजकल क्या है हम एक हमारे अनेक ऐसा केवल पतिवर्ता में नहीं पत्नी वाले में भी है उनका भी होता है लोग बदल गए उनकी जरूरतें बदल गई हैं चीजें बदल गई हैं इंटरेस्ट बदल गया है ना बात करेंगे मतलब मतलब ये, ये अगर कहीं शून्य कोण की बात होगी तो केवल जीरो अगर समकोण की बात होगी तो केवल नब्बे ऐसा नहीं कि समकोण और भी हो सकता है ऐसा नहीं हम्म अगर रिजुकोण यानी स्ट्रेट एंगल की बात होगी तो 180 सिर्फ एक है इसका कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल 360। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल नहीं इसका समझ रहे हो ना लेकिन आप कहोगे फिर ये तो सब में होता है ऐसा यही में काहे को बोल रहे हो देखो भाई ऐसा बात नहीं है सब में नहीं होता है सब में काहे नहीं होता है देखो जैसे अगर मैं न्यून कोण की बात करूं या क्यूट एंगल न्यून कोण तो ऐसी में इनका एक एग्जाम्पल नहीं होता है इनके एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं सबसे बड़ा अधिक न्यून कोण 89 नाइन होता है सबसे बड़ा बिगेस्ट और स्टार्ट ये हो जाते हैं वन से ठीक है मोटा मोटा बताएं तो वन से लेकर के 89 नाइन तक ठीक है वन से लेकर के एट्टी नाइन तक जितने भी एंगल हैं वो सभी न्यून कोण कहलाते हैं क्यूट एंगल। जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डाट 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 एटी नाइन तक सभी हम दस हमलों में बात नहीं कर रहे हैं पॉइंट में मोटी मोटी बात कर रहे हैं ठीक है समझ रहे हो ना हम्म अभी सब दिखा दूंगा टेंशन मतलब सब पीछे है सब दिखाऊंगा अगर कोई अधिक कोण की बात कर रहा है तो अधिक कोण का मतलब सिर्फ और सिर्फ कोई एक नहीं है अधिक कोण का मतलब जैसे मैं बताया ना कि हम एक हमारे अनेक भैया अधिक कोण होता है स्टार्ट नाइनटी वन से बाबू 91 से वन सेवनटी नाइन तक जितने भी कोण है सभी अधिक कोण होते हैं ठीक है बाकी आगे बात करें वन एट्टी वन से लेकर के थ्री फिफ्टी नाइन तक सही जा रहा हूं ना मैं ये होते हैं कोण, क्या होते हैं बृहत कोण रिफ्लेक्ट एंगल बस सारा कोण खत्म कोण के बारे में सारी कंफ्यूजन खत्म तुम्हारी अगर कोई पूछे डेढ़ सौ का कौन सा कोण है बोलो फट से बताओ 150 अंश का अगर कोण है तो उसे क्या बोलेंगे जल्दी बताओ सारी कंफ्यूजन का जवाब दे दिया मैं पूरे कोण का चैप्टर खत्म हो गया इसमें सिलेबस तो दिखाई दिया अब ये मत कहना कि कुछ पढ़ाया नहीं सिर्फ सिलेबस दिखाया अकेले जो लोग नहीं देखे उनका छूट गया ये अच्छा ठीक है चाचा अच्छा, चलो एक और बताओ ये बताओ कि 120 ये किस प्रकार का कोण है हम्म अच्छा 92 टू ये किस प्रकार का कोण है क्या नाम है इसका अंकिता किरण शिरोमणि शर्मा हाँ बोलो ना हाँ जल्दी बताओ फटाफट हम्म यार देखो आज ना ये जो आपको अजीब टाइप का दिख रहा है इसका कलर वालर मैंने कुछ कुछ वो किया है अल, अलग अलग मतलब, अलग मतलब अलग मतलब गड़बड़ किया है ये बैलूम जो छत्तीफ है ना ये इसको बढ़ाने से क्या होता है ये पहले पचास था मैं इसको बढ़ा के कम किया हूँ सब आई केयर अच्छा आई केयर ऑन किया था इसलिए ऐसा दिख रहा था नहीं तो ये और जो है आई केयर की वजह से ना शून्य उन्ने जो है चमक नहीं रहे थे ये देखो अब सही है क्या अब बड़ा चमकीला दिखेगा बहुत साफ दिखेगा क्योंकि आंख पे ना बुरा प्रभाव पड़ता है इसलिए मैंने उसको किया हुआ था जो ये बहुत ब्लैक दिख रहा था आजाक तरह का गंदा तरह का हुँ? आगे बढ़े ठीक है कोई दिक्कत नहीं तो ये सारी चीजें आप लोग समझ गए हैं इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं किसी को दीपक भैया नंबर चल रहे हैं उन उनपे संपर्क करना जो जानकारी होगी बताया जाएगा ठीक है वैसे अपने कॉलेज से संपर्क करो बढ़िया रहेगा अब चैप्टर में आ जाओ देखो बाबू भैया इसमें घातांक की अवधारणा जो चैप्टर है थर्ड वाला इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर को भी मैं पढ़ाऊंगा ये थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड है मजेदार नहीं है थोड़ा सा बाकी पढ़ना तो है ये है कठिन भी नहीं है तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं ठीक है किसी को कुछ कहना है सचिन कुमार भैया पढ़ लो चुपचाप बाकी जानकारी नंबर पे संपर्क करना ठीक है नंबर दिया ना भैया बाबू नंबर पे संपर्क करना चलो घातांक के उदाहरण में क्या क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है पहले मैं आपको बुक का कुछ हिंट्स दिखाता हूं फिर मैं आपको मतलब सिखाऊंगा घातांक होती क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए डेमो जैसे अगर मैंने नंबर लिखा ऐसे नाइनटीन और इसके चुरकी पे बसा दिया इनको तो इसमें जानते हो आधार क्या है बताओ आधार यानी बेस बेबी को बेस पसंद है ना तो पसंद है और घातांक कंपोनेंट इनको पता नहीं क्या अजीब टाइप का इंग्लिश बोलते हैं पावर समझ सकते हो अब ठीक है पावर पावर क्या है इसकी थ्री हिंदी में ही हम बात करेंगे सबको समझ में आ रही बातें हाँ

पेज नंबर थर्टीन पे आगे बढ़ो आ, ये ओके ये है आपका चैप्टर घातांकी अवधारणा अब मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो रहा है थोड़ा सा लाइट कम है ये लो अब अच्छा है बोलो भैया ठीक है ना एकदम मस्त है बाबू चलो इसमें क्या है क्या करना है कह रहा है इस इकाई के अध्ययन उपरांत हमें निम्नलिखित चीजों की जानकारी हो जाएगी यानी इस इकाई में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो बातें यहां पर होंगी ठीक है चलो इसमें क्या क्या पढ़ना है थोड़ा छोटा करने पे बेहतर दिख रहा है इसमें पढ़ना क्या क्या है घातांक में घातांकीय संकेतन में आधार एवं घातांक जो अभी मैं बताया वही पहला घातांकीय संकेतन में आधार और घातांक सीखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल एक और अगर दो का घात तीन लिखा है तो इसका मतलब कितना होता जानते हो बोलो जानते हो कि नहीं भैया जान रहे हो मुझे पता है तुम बहुत कुछ जानते हो जो मैं बोल रहा हूं उससे ज्यादा जानते हो बढ़िया दिख रहा है एकदम मस्त दिख रहा है एकदम मैं खुद देख रहा हूं अपनी शकल लेकिन मुझे ना अपनी शकल अच्छी नहीं लगती चलो गाय को पता है बाद में बताऊंगा क्योंकि मैं ना अपने आप को बहुत परेशान करता इसलिए तो इसका मतलब ये है तीन घात का ठीक है इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं समझना हो चाह चलो कि दू का घात तीन मतलब छा नहीं दू त्याई छा नहीं दो का घात तीन का मतलब उसको दो गुड़े दो गुड़े तीन मतलब तीन बार गुड़ा करना है तो कितना हो जाएगा दो दूना चार दूना आठ समझ रहे हो सभी हम्म सिर्फ पढ़ाई कोई कमेंट नहीं देखूंगा मैं जिनको पढ़ना है प्यार से पढ़ो लास्ट में सबका कमेंट पढ़ूंगा थोड़ा आधा घंटा पढ़ाने के बाद चलो अपने मन में अपने बातों को दबा के रखो दिल में लास्ट में सब बक देना हम सब देख लेंगे चलो तो मुझे एक बात बताओ जैसे मैं ये बताया ना अभी स्टार्ट हो रहा है डेमो है थोड़ा देखें आप एक्टिव हो कि नहीं मुझे ये बताओ कि भैया हो तीन का घात तीन का का मतलब हो चाचा हम्म थ्री का पावर थ्री इसका क्या मान होगा हम्म बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे आएंगे डीएलएड में हो आप एस एस नहीं देने जा रहे हो छोटे छोटे, छोटे चीजें आती बिल्कुल छोटी 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 से बड़ी चीजें बनती है ना चलो पढ़ेंगे क्या उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बात करेंगे घातांकों के नियम पढ़ेंगे घातांकों के नियम जानते हो बताऊंगा थोड़ा सा एक डेमो देख लो फिर मैं इसको बता तो रहा ही हूँ घातांक के नियम में क्या क्या पढ़ोगे ए हट जा देखो घातांक के नियम में ये पढ़ोगे जैसे पहला नियम होता है कि गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती हैं जैसे ए का पावर यम इंटू ए का पावर यन तो गुड़ा करने पर घाते यम प्लस यन हो जाती हैं ठीक है समझ रहे हो ना हम्म मोहब्बत के मारे आसिक समझ रहे हो कि नहीं चलो ये पहला ऐसे पड़ जाएगा तो तुम कहोगे इसका कोई रिलेशन रहा होगा इससे नहीं ये पहला है जैसे एग्जाम्पल तीन का घात दो गुड़ा तीन का घात सात तो ये इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा थ्री का पावर टू प्लस सेवन इक्वल थ्री का पावर नाइन समझ में आया जैसे दूसरा ऐसा पॉसिबल नहीं है इसको देखो तीन का घात पांच गुड़े दो का घात तीन इक्वल ये इस रूल के अकॉर्डिंग संभव नहीं है क्यों क्योंकि इस नियम का पालन नहीं करता है यहां पर बेस इक्वल होना चाहिए चाहे तो ब्रेकट में लिख लो आधार समान है ठीक है या फिर आधार समान होना चाहिए बेस जो है वो इक्वल होना चाहिए तीन है या दो है ऐसा नहीं हो सकता है समझ रहे हो ना हम्म जैसे किसी की किसी के साथ शादी विवाह होता है तो पहले उससे पूछा जाता है कि तो कह पसंद है कि नहीं कहे को तुम्हारी हैबिट क्या है पसंद क्या है अच्छा क्या लगता है बुरा क्या लगता है सोचते कैसे हैं मतलब किसी भी चीज पे आपकी राय क्या है है ना जैसे कुछ लोग ना किसी टॉपिक को बहुत हल्के में लेते हैं कुछ लोग बहुत बड़े में लेते हैं है ना जैसे किसी की पत्नी या गर्लफ्रेंड किसी और से बात कर ली किसी के साथ घूमने चली गई तो कुछ लोग सोचते हैं नए जमाने के लोग हैं चलता है कोई बात नहीं कुछ लोग हैं अरे कैसे चली गई इसकी हिम्मत कैसे मेरे जिंदे जी कैसे चली गई समझ रहे हो तो तो बात वही है लेकिन लोगों का अपना अपना विचार अलग अलग है तो वैसे क्या है सेम होना चाहिए अलग अलग नहीं होना चाहिए यानी ये बेस सेम होना चाहिए ये चीजें मुझे लग रहा है ज्यादा आपको रिलेट कर रही होंगी है ना तो ये सेम होना चाहिए ये पहले के लिए ठीक है आगे बढ़े तो ये क्या हुआ घातांक का पहला नियम चाहे तो लिख लो ये इंपॉर्टेंट है अभी मैं पढ़ाऊंगा तो सारा नियम बताऊंगा अभी तो आ, मैं आपको केवल पढ़ने के लिए तैयार कर रहा हूं ये घातांक का पहला नियम है गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती हैं लेकिन बेस इक्वल होना चाहिए या फिर चाहे यहां पर जो है लिखा हूं चाहिए लिख लीजिए चाहिए मैं बहुत कम यूज करता हूं क्योंकि जो चीज हम सोचते हैं चाहिए वो होता नहीं हम्म आधार समान होना चाहिए ठीक है भैया आधार समान होना चाहिए ओके आगे बढ़े चले डन चल भाई तो आगे क्या क्या पढ़ेंगे पहले उसको क्लियर कर लेते हैं फिर पढ़ना तो है ये ठीक है।, है चलो भैया आओ चलो बढ़ो आगे पढ़ेंगे पर शिक्षु संख्या इतना पर विचार करें क्या आप इसको जान रहे हो क्या लिखा है एक बार बताओ कोई पता है क्या ये अच्छा ये नहीं पता तो कई तो पता है कहो भाई हम्म अच्छा फिर ही पता है तो यो पता होए ये पता है ना तो ये पता है तो ये अच्छा अभी अब कहो गया? एक एक ठीक बढ़ावा चला जाता है इसे बेवकूफ समझेगा आका देखो ये चीजों को आसान भाषा में समझने के लिए ही घातांक का प्रयोग किया जाता है ठीक है अभी नो समझ में आ रहा है समरीन हाँ समरीन नौमानी क्या नाम भाई ऐसे कुछ है ना नाम बड़ा कठिन है आगे बढ़े ठीक है इन संख्याओं को सरलता से देखो पढ़ने के लिए ही घातांक का प्रयोग किया जाता है और इस चैप्टर में आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे चल भैया घातांक बड़ी संख्याओं का संक्षिप्त रूप में लिखना आइए इसके बारे गाना वाना सीख के आऊंगा कल से है ना मजा भी तो आनी चाहिए ना क्लास में नहीं तो लोग देखते कहा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। गाना भी पड़ेगा नाचना भी पड़ेगा डांस देखो डांस करना नाचना दोनों वर्ड का लोग अलग अलग मतलब समझते हैं होता है कह चलो तो इसमें क्या है कि जो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं उनको घातांक के रूप में करके सार्ट फॉर्म में संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए भी आ सकता है जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन यहां पर दिया आपको कि इसको संक्षिप्त रूप में लिखिए क्या करिए संक्षिप्त रूप में लिखिए जैसे टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो कोई इसको बताएगा कैसे लिख सकते हैं संक्षिप्त रूप में कैसे लिख सकते हैं देखो बता रहा हूं आ, बता रहा हूं तसल्ली करो थोड़ा सा ए भाई चल, क्या संक्षिप्त रूप संक्षिप्त रूप मतलब साठ फॉर्म बहुत गंदा हो गया यार ये संक्षिप्त रूप मतलब समझ रहे हो यानी साठ फॉर्म साठ फॉर्म में कैसे लिखना है एनी uh, वन कोई जवाब दिया भाई अभिनव दीपक देखो बोला करो आप गलत सही कुछ भी बोला करो अरे कुछ ना होने से अच्छा थोड़ा होना ही अच्छा है नहीं आता कोई बात नहीं आएगा लेकिन लगेगा तो कि आप जाग रहे हो एक्टिव तो हो कम से कम ठीक है इसमें पावर ये जीरो को काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो भैया हो बाबू हो जितना जीरो होता है ना उतना ए पे घात लगा देते हैं बस और एक चीज और है का है पता है नॉर्मल जगह तो लोग ऐसे यूज करते हैं लेकिन एक छोटी सी बात बता रहा हूं जो बड़ी मोटी है देखो का है कि अगर कहीं ऐसे लिखा है ना ऐसे और यहां पर ऐसे लगा है तो इसका मतलब यह भी समझा जा सकता है भ्रम में कि यहां पर जो घात है सिर्फ दो पे है तीन पे नहीं है ठीक है तो लोगों का यह डाउट क्लियर करने के लिए कहीं भी अगर दो या दो से अधिक गिनती है तो अगर सब पे घात लगा रहे हो तो आप ब्रेकअ बंद करके लगाओगे ठीक है कोष्टक के अंदर पैक करके कुछ समझ रहे हो जैसे यहां पर अगर सेवन यक्स का स्क्वायर लिखा है ना भैया तो इसका मतलब यही है का है इसका मतलब यही है सेवन एक्स का स्क्वायर ही है लेकिन लेकिन अगर कहीं सेवन यक्स और बहरे से स्क्वायर लगाया चच्चा ठीक है बहुत बड़ी बात बता रहा हूं इसका मतलब सात का भी स्क्वायर है यानी ये फोर्टी नाइन यक्स का स्क्वायर है तो ये चीज का विशेष ध्यान रखना मेरी बात सभी समझ रहे हो अगर समझ रहे हो तो भैया लाइक वाइक तो करो क्लास ना यार देखो अगर आप लोग शेयर करोगे ज्यादा से ज्यादा तो ये क्लास रेगुलर में चलाऊंगा मैं की एक क्लास बंद करके आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ यकीन मानिए मैं कितना टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ आपके लिए कितनी बड़ी मोहब्बत है आप लोगों से है ना बिन जाने बिन पहचाने बिन देखे वाली मोहब्बत है ये चलो आगे बढ़े तो हम बात कर रहे थे संक्षिप्त रूप की एक एग्जाम्पल मैं और देता हूं चलो नाइन इंटू नाइन इंटू नाइन इंटू नाइन इंटू नाइन इसको सार्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे सार्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे बोलो ना यार काहे को परेशान हो भाई बोलो फटाफट बोलो कैसे लिखोगे सार्ट फॉर्म में देखो बहुत सिंपल है अब जब तक नहीं बताओगे मैं नहीं बोलूंगा तुम लोग कहा मुझको बेवकूफ़ समझ रखा है कुछ बोलता नहीं चुपचाप देखता रहता है कुछ तो रजाई में हाथ डाला है कुछ तो जेबा में हाथ डाला है हाथ निकल नहीं रहा है साला अला का इतना जड़ा रहा है कौन फालतू कमेंट करे मोबाइल छुए ना अबे इतना भी नहीं जड़ा रहा भैया हम भी यहाँ घूम रहे हैं देखो ये कितनी बार है इसको काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव फाइव बार है ना जो नंबर है पहले इसको लिखते हैं नाइन है ये कितनी बार है फाइव बार है तो फाइव बार है तो ऊपर फाइव लगा देंगे सबसे पहला जवाब कोई अगर दिया था तो उनका नाम मैं जरूर बोलूंगा और वो सबसे पहले जवाब देने वाले जो एक महान आत्मा उनका नाम है दीपक दीपक भाई बहुत अच्छे दीपक वेरी गुड चलिए तो ये हो गया डन मुझे उम्मीद है कि आप इतने बड़े समझदार हो लड़के बच्चे नहीं हो बल्कि बच्चे वाले हो गए हो तो आपको ये चीजें पता हो गई होंगी अब इसको बताने की जरूरत नहीं है फिर भी एक और पूछ लेता हूं चल भैया इसका बता दो तो फिर अंतिम कल्याण है चलो कितना आएगा इसका Anyone, कोई जवाब देगा फटाफट आगे बढ़ चले हा? चलो ठीक है डन बहुत अच्छे वेरी गुड इसका जवाब आप लोग देंगे तब तक हम यहां आ जाते हैं ठीक है ओके तो ये चीज हो गया इसमें पहला टॉपिक था कि आपको पढ़ना है बड़ी संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखना जो मैं आपको बता दिया उम्मीद है कि आप इसको सबको समझ गए होंगे लेकिन ऐसे नहीं है इतना आसान भी नहीं है काहे को काहे को मैं बता रहा हूं इसमें एक और होता है जो सीधा सीधा नंबर ना दिखे जैसे कहा जाए कि भैया हो सिक्सटी फोर है ना इसको घातांक के रूप में लिखो किसकी घात के रूप में दो की घात के रूप में बेस आपको बताया जाएगा जब तक कुछ पता नहीं रहेगा का हवा में तीर चलेगी का कुछ तो पता होना चाहिए ना यार ठीक है आओ चलो देखते हैं चलो आओ इस तरह का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं चर्चा करते हैं चलो आगे बढ़े इसका आंसर कौन दिया था का ठीक है भाई बहुत अच्छे रुद्र रावत किरण भाटी अंकिता सिरोमणि रवीना वेरी गुड चलो अब ये मत कहना रिकॉर्डिंग है नहीं गरिया देंगे हम समझ लो बहुत दुख होता है दिल में जब कहते हो रिकॉर्डिंग है भाई रिकॉर्डिंग का बटन दबाने से हो जाती है रोबोट से होती है का मुझे यहाँ आके घूमना पड़ता है चलना पड़ता है चिल्लाना पड़ता है तब रिकॉर्डिंग भी होती, अपने होती है अपने दो चार छह लाख रुपए खर्चा करके पूरा सेटअप बनाया है आपके लिए सब कुछ बनाया है वो वीडियो रिकॉर्ड भी करेगा अपना टाइम भी देगा तो तुमको लाइव नहीं पढ़ा देगा भाई जैसे रिकॉर्डिंग वैसे लाइव बात तो वही है एक्टिंग तो सारी करनी है है ना चलो तो हम चर्चा करने वाले थे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ये तो बीच में आ गया फालतू का चलो हाँ जैसे मैं क्वेश्चन दिया एक मिनट मुझे प्रीव्यू देखने दो भाई रुक जा यार। दिख रहा है ना हाँ ओके यहां दिख रहा है बत्तीस को आधार दो पर घात के रूप में बताओ आधार दो पर घात रूप में लिखिए परीक्षा में ऐसे दो नंबर में आ जाता है एक नंबर में ठीक है घात रूप में लिखिए बत्तीस को ठीक है आधार दो पर घात रूप में लिखिए चलिए बताते हैं आ, सबसे पहले तो मेरे भाई आप क्या करोगे इनके फैक्टर करोगे अगर आपको नहीं पता है अभी आप नए नए हो इस फील्ड में तो आपको छोटी छोटी बातें सब कुछ पता होनी चाहिए तो पहले इनका क्या करोगे फैक्टर करोगे कैसे करोगे देखो सबसे पहले तो आपको छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए जैसे सम संख्या विषम संख्या भाज्य संख्या अभाज्य संख्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कुल मिलाकर नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए अगर ये नहीं आता है स्क्रीन पर नीचे नंबर चल रहा है हम आपको जोड़ घटाना कूड़ा भाग यहां से सिखाते हैं यहां से सिखाते हैं अथवा पकड़ पकड़ के सिखाई थे भैया तो का लोग का समझा था ना हाँ ऐसे इसको जोड़ जोड़ के सिखाते हैं पांच एक छा दू एक तीन 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 छा ऐसे सिखाते हैं

तो हम दो से ही इसको भाग करेंगे भले ये किसी से भी कटे या ना कटे लेकिन हमें करना दो ही से है ठीक है ये सेट कर लीजिए तो पहले देखेंगे ये क्या है भाज्य है क्या भाज्य है सकल सूरत से तो अच्छी लग रही है भाज्य है है ना सम भी है इसका मतलब दो से कट जाएगी हम्म इतना तो आपको आता भी होगा कि अगर दो से इसको भाग करेंगे तो दो एक कम दो घटाने पे एक आएगा दो छंग बारह यानी कितना आएगा भैया सोलह आएगा ना कितना आएगा भाई कितना आएगा बाबू सिक्सटीन आएगा तो दो से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा सोलह अब बार बार नहीं करेंगे फिर वैसे करोगे फिर दो से भाग करोगे आठ फिर से करोगे चार फिर से करोगे दो फिर से करोगे एक आपको क्या मिल रहा है कितनी बार मिल रहा है एक दो तीन चार पांच कितनी बार पांच बार कुछ समझ में आया तब मैं नहीं बताऊंगा ऐसे मैं एक बार बता दे रहा हूं चलो तो ये क्या होगा दो की घात जितनी बार कटा है उतना यह हो गया आंसर पेपर में ऐसे पूछा जाएगा मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं तो इसका आंसर हो जाएगा टू पावर फाइव इक्वल थर्टी टू या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ओके हम समझ रहे हो हम ऐसे खड़े हैं खोपड़ी ऊपर है पैर नीचे है तब भी ठीक है हम ही हैं अगर हमारा खोपड़ा नीचे कर दो पैर ऊपर कर दो तब क्या होगा तब भी हम ही रहेंगे सही समझ रहे हो नहीं हाँ लेकिन हुलिया बदल जाएगा पहचान बदल जाएगी कुछ और भी चीजें चेंज हो जाएंगी उनका पोजीशन चेंज हो जाएगा तो वैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर दो को पांच के खोपड़ी बैठा दोगे भैया तो इसका मतलब बदल जाएगा ठीक है तो इसलिए इनको चेंज नहीं किया जा सकता है इसका जो मान होगा वो इसका मान बराबर नहीं होगा ये बराबर नहीं होंगे तो ऐसा नहीं किया जा सकता इनको ठीक है समझ रहे हो ना हम्म आगे बढ़े कोई तकलीफ नहीं किसी को नो दिक्कत चलो आ, तो हम बात कर रहे थे जो वही बात करेंगे कोई और नहीं करेंगे आगे बढ़ो एक और बताओ फिर क्वेश्चन ये है कि चौसठ को आधार चार पर घात रूप में लिखिए घात रूप में लिखिए कितने लोग कर लोगे आ, मैं सबका कमेंट देखूंगा चलो भैया चौसठ को आधार चार पर घात रूप में कैसे लिखोगे गुंजा सिंह समझ में आ रहा है अंकिता समरीन सबको आ रहा है ना चलो सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे हम और वो भी फोर से करेंगे याद रहे हमें दो से कोई मतलब नहीं क्योंकि हमें पहले टारगेट हमारा क्लियर है हा? गोल क्लियर है। तो होल में नहीं गिरना है गोल पे चलना है चलो समझ गए ना कुछ लोग समझ गए होंगे सब ना समझेंगे ए भाई मैं बोला चार से तो दो से क्या कर दिया चार से करना है तो चार से भाग करोगे चार एक कम चार और चार छंग चौबीस क्योंकि सोलह चौका चौसठ होता है फिर चार से करोगे चार चौक सोलह चार एक कम चार कितनी बार जाएगा भैया हो तीन कटा है बाबू तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्सटीन इक्वल फोर का पावर फोर इसको थोड़ा इसके पास में लिखना नहीं दूरी ज्यादा बढ़ जाएगी तो इसकी मोहब्बत में थोड़ी कमी आ जाएगी तो इसके चुरकी पे लिखना एकदम हम्म समझ गए ना एक और बता दो आप ये याद कर लो ये चीज में से क्वेश्चन जरूर आएगा पक्का एक आता आएगा चाहे एक के नंबर का है और डीएलएड वालों के लिए ना एक नंबर उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना एक दिन आपकी वाली से बात ना हो तब तड़प बढ़ती है ना इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे अभी आगे।, आगे बस हमारे साथ जुड़े रहो आप ही की कहानी बताने वाला हूं तो एक बात बताओ और उका है पता है अगले पेज पे आ जाओ क्वेश्चन uh, है एट्टी वन को आधार तीन पर घात रूप में लिखो घात रूप में लिखिए uh, दिख तो रहा है ना कौन कौन बताएगा इसका आंसर uh, बताओ तब तक मैं पानी वानी ले, ले लेता हूं कहीं रखा हो तो गिर न पड़ू नीचे गपाग दे मैं गरम किया उबाला है आगे बढ़े भाई हम्म भूल गए भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ बस मुझे एक बात जो है अब तक याद उका तो बहुत गदाह लड़का है चलो देखो 81 का क्या सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे और जो दिया है उसी से करेंगे हा? हाँ यहां पर हमें कटने वाला भी दिया है कटने वाला भी दिया दोनों दिया चलो तो तीन से करोगे तो तीन दुना छह तीन सत ये मत पूछना कैसे से आया है नहीं पकड़ के ऐंठ देंगे समझ लो शुरू में बताया हूं कैसे आता है बताया हूँ ना जो अभी अभी जुड़ा है पीछे जाके देख लेना हम चलो तो तो फिर फिर से भाग करोगे तो तीन लिए थे। हिंदी, थोड़ा कमाव था बिहार बहुत भोजपुरी सिखाव रही लेकिन भाग गई पता नहीं कहा अरे मैडम थी भैया तुम और कुछ मत समझना चलो देखो इज्जत से बोल रहा हूँ बेज्जती नहीं कर रहा हूं चलो कर नहीं देखो कितना है भाई तीन बार है ना तो ये कितना हो जाएगा तीन का घाता भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है का नहीं 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 एक यहां भी तो है चार बार है तो तीन का घात चार थ्री की पावर फोर सिरोमणि शर्मा अंकित ठीक है भाई जिनको कोई समस्या हो रही बाबू नीचे नंबर चल रहे स्क्रीन पर उस पर संपर्क कर लेना यहां पर केवल और केवल पढ़ने दो एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है पता है क्या है वो रुका देखा इधर अब ऐसा थोड़ी चले इधर है देखा पता है डेली क्लास की नोटिफिकेशन के लिए आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इस पर हम हर दिन क्लास शुरू होने के पहले लिंक भेज देते हैं इसे मत भूलना कहीं लिख के रख लो टेलीग्राम पर पीवीआर स्टडी सर्च करना है ज्वाइन कर लेना है इसे बिल्कुल नहीं भूलना समझ रहे हो ना अगर भूल गए तो समझ लो कि गड़बड़ तो कर लेना इसे हा? आगे तो डिस्क्राइब कर देते हैं तीन गुड़ा, तीन गुड़ा तीन गुड़ा तीन गुड़ा तीन देखो ऐसा होता कैसे है तीन का तीन में करते हैं तो नौ होता है गुड़ा का चिन्ह इसका इसमें करते हैं नौ होता है नौ का नौ में करते हैं तो क्या होता है बस सभी को समझ में आ गया एक बार यस बोल दीजिए फटाफट इसको भगाओ मार के भगाओ इसको घिर रहा है कि भगाओ इसका का नाम है सचिन इसको भगाओ भाई भगाओ भगाओ, भगाओ इसको इतना गधा पैदा हो जाता है लोल टाइप का का कहे? जब बताता हूं सुनता ही नहीं है कान में गुंडी डाल लिया है तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर के बेस के रूप में कैसे व्यक्त करना है हो गया क्लियर बोलो एक बार हाँ कैसे हो गया इतनी जल्दी चलो थोड़ा सा और कर लो फिर इच्छाओं का कभी समाप्ति नहीं होती है तो कितना भी करते जाओ करते जाओ करते जाओ क्वेश्चन कितने भी करो कोई दिक्कत नहीं है चलो कुछ और कर लेते हैं फिर आ, कैसे चलो वन ट्वेंटी एट को निम्न आधार पर घात रूप में लिखिए घात रूप में लिखिए देखो जैसे पहला पहला आधार है दो दूसरा है भैया चार सर का का है पता है तो का, का हो सकता है आठ भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं कर लोगे ना हम सभी कर लोगे पक्का तो इसको आप लोग कर लोगे इसको करना मैं नहीं बताने वाला हूं और क्वेश्चन लिखो मैं सब बता चुका हूँ नहीं समझ में आया होगा मैं फिर से रिवीजन कराऊंगा उसमें हो जाएगा क्लियर कुछ क्वेश्चन में दे रहा हूं इनको करना आप लोग ईमानदारी से करना प्यार से करना लेकिन करना जरूर हाँ चले चलो ठीक है आ, संख्या सात सौ उनतीस को आधार नौ पर घात रूप में लिखिए कर लोगे ना अब आंसर भी देते जाओ तो मैं यही बोल दूंगा कोई बात नहीं है इज्जत के साथ संख्या रुक जाओ ठीक कठिन वाला दे देते हैं लिख रहे हो सभी ना हा? एक चीज और अपना इंटरनेट हमेशा ऑन रखा करिए शाम के टाइम में जिससे जब क्लास चले तो नोटिफिकेशन आ जाए लिंक का टेलीग्राम पे कुछ लोग का नेटवे बंद रहता है फिर कहता है नोटिफिकेशन नहीं आया देर में आया कहा तुम्हारे मोबाइल में घुस के आग बताएंगे निकलो पढ़ो इंटरनेट चालू होना चाहिए इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए बंद रहेगा तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा हम्म लिख लो लिख लो ए रुक जा सोलह आठ सौ सो सात सोलह आठ सौ सो सात को आधार सात पर घात रूप में बताओ इसका जो अभी तुरंत बता लेगा ना उसे तुरंत सरप्राइज मिलेगा ऐसे डायरेक्ट देंगे ऐसे ऐसे पकड़ाएंगे निकल के मोबाइल समरीन रुद्र अंकिता किरण ठीक है चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा फ्लेवर चेंज होता है इधर से यहाँ पे दिख रहा है घातीय संकेतन में आधार एवं घातांक अरे वही सब है जो मैं बता चुका हूँ तुम्हें एक्सपर्ट हो चुके हो। ये सब लोल का मतलब क्या बोलते हैं इसे कैसे बोलूं मैं कोई मतलब नहीं इसको जानते हो तुम सब जानते हो बहुत अच्छे चलो ये सब बता चुका हूं यही सब है जो अभी बता रहा था मैं अब तक ठीक है भाई फर्स्ट सेमेस्टर वाला कौन है ये कमेंट कर रहा है पहले तो अपना नाम और शकल अच्छी कर लो मुझे समझ में आए कौन हो आप कह रहा कि प्रशिक्षुओं को पूर्णांकों की भांति ही किसी परमीय संख्या के द्वारा कई बार गुणन या घातांकीय संकेतन द्वारा व्यक्त करने के लिए विषय में अवगत कराएं ए भाई आओ अब तक जो सिंगल सिंगल था ना अब इनको डबल करना है क्योंकि इंसान ज्यादा दिन सिंगल नहीं रह पाता है जैसे अब तुम ही लोग को देख लो डबल होने के लिए परेशान हो रात दिन चाहे जो लड़का है लड़की है कोनो है है ना सही बोल रहा हूँ ना कुछ लोग हफ लो रहे होंगे कुछ लोग कह रहे होंगे बड़ा पेशा आदमी है लेकिन दिल में तो वही है तो चलो अब इनको सिंगल सिंगल को डबल करेंगे कैसे ऐसा पेपर में आएगा भी अब डबल वाला देखो कैसे करेंगे अब देखो डबल का मतलब समझो जैसे मैंने कहा कि फोर्टी नाइन एटी वन को घात रूप में लिखिए अब यहां पर कुछ ये नहीं कहा कि क्या बेसोश रहेगा तो कुछ भी कर सकते हो अपने से ठीक है आधार कुछ भी कर सकते हो इसमें कोई फिक्स नहीं है कुछ नहीं कहा तो कुछ भी कर सकते हो बेस समझिए तो इसको पहला तरीका मैं ये कर सकता हूं थोड़ा हैंग करने लगा ये फोर्टी नाइन को मैं सेवन इंटू सेवन लिख सकता हूं इसको मैं नाइन इंटू नाइन लिख सकता हूं तो फाइनल में ये सात बटा नौ इसकी घात दो बन सकती है और हां समझो यहां पर क्या समझना है कि वैसे ये सबसे अच्छा तरीका है ठीक है कौन है ये गधा फोन कर रहा है यार हैं हा? हेलो हाँ जी अभी आप कॉल करिए ग्यारह बजे ठीक है आगे बढ़े चलो इसको एक और भी तरीके से कर सकते हो लेकिन वो कहीं से भी थोड़ा कम अच्छा है जैसे ये देखो सेवन इंटू सेवन कर सकते हो तीन त्रिक का नौ त्रिक सत्ताईस इक्यासी सात का घात दो और तीन का घात चार भी कर सकते हो लेकिन ये थोड़ा कम अच्छा है मेन पॉइंट इसमें ये नहीं था इसमें मेन पॉइंट ये था जो मैं पहले बताया कि भैया वो बेस और जो मतलब घात होगी उनमें ब्रेकट बंद करके घात लगाएंगे दोनों पे सेम घात होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए अलग अलग नहीं ठीक है तो जो फर्स्ट मैंने बताया वही सही था वैसे ही करना है आइए कुछ पहले इसमें देखते हैं क्या है फिर उस पर चलेंगे देखो यहां पर वही चीज समझाई गई है जो मैं आपको स्टार्टिंग में समझा चुका हूं क्लियर विजिबल हो रहा है हम्म क्लियर विजिबल हो रहा है ना ठीक है ए, गुड़ा, ए, गुड़ा, ए तीन बार है तो ए का पावर थ्री बन रहा है तो ए का पावर जो थ्री बन रहा है इसमें ए क्या है ए आधार है और बी क्या है घात है इसे पढ़ेंगे ए की घात तीन या ए का घन तीन पढ़ना समझ लो मैथ की भाषा में हाँ ये ना कहीं ना कि एक ही चुरकी पे तीन रखा है नहीं इमायत का भाषा नहीं है समझ रहे हो ना यार बहुत गंदा खोपड़ा दिख रहा है आज मैं ना आया हूँ फिर भी इतना का गंदा दिख रहा है अच्छा इधर लाइट वाइट रहती है तो चमक उल्टा हो जाती है है ना चलें तो बात क्या हो रही थी पता नहीं सब भूल गया का हाँ यहाँ पर देखिए कुछ चीजें समझाई गई हैं उनको भी देख लीजिए यहाँ पर न कोई प्राकृतिक संख्या होने पर घन पूर्णांक की पावर यन बराबर घन पूर्णांक होता है विषम प्राकृतिक संख्या होने पर ऋण पूर्णांक बराबर ऋण पूर्णांक हो जाता है बहुत अच्छी चीज है यहां पर समझा समझो भैया समझो समझो यन अगर विषम संख्या है यन विषम प्राकृतिक संख्या होने पर ऋण पूर्णांक जो है वो ऋण पूर्णांक हो जाता है धन पूर्णांक धन पूर्णांक हो जाता है तो पहले हम इफ लाइन पे ए रुक जा पहले इस लाइन पर चर्चा करेंगे ऊपर वाली यदि कोई प्राकृतिक संख्या होने पर धन पूर्णांक है प्राकृतिक संख्या होने पर यन क्या है प्राकृतिक संख्या है धन पूर्णांक है तो धन पूर्णांक तो ही रहेगा कहने का ये मतलब है जैसे यह क्या है धन पूर्णांक है मान लो मैंने लिखा दस ये क्या है एक धन पूर्णांक है इसकी घात दो लगा है पहले समझना मतलब समझना यहां पर एक पावर यन लगा था ये एक मानक है इसको मान के इसको कर रहे हैं ठीक है फॉर्मूला इसी मानक पे दिया गया है फिर से देखो यन कोई प्राकृतिक संख्या होने पर अगर अंदर का जो बेस है वो धन पूर्णांक है तो बराबर में धन पूर्णांक आता है अब देखो प्राकृतिक संख्या नहीं पता है तो बेसिक मैथ आपको आनी चाहिए नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में वन से लेकर के अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है धन पूर्णांक क्या होता है ऋण पूर्णांक क्या होता है परमी संख्या क्या होती है सम संख्या विषम संख्या भाजया भाज ये सब आपको आना चाहिए डीएलएड में आने के पहले ठीक है फर्स्ट सेमेस्टर में से पढ़ाया गया होगा ठीक है नहीं आता है तो हमसे संपर्क करना नीचे नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं ध्यान से देखोगे तो इसका समाधान बताएंगे ठीक है तो भैया हमने क्या लिखा वहां पर भी लिख देता हूं मैंने लिखा दस की घात दो तो यहां पर हमने क्या लिखा तीन है ना यहां पर संख्या है दो क्या प्राकृतिक संख्या है कि नहीं दस धन है ना दस धन पूर्णांक है पॉजिटिव इंटीजर है यन क्या है प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर है तो बराबर जो आएगा वो धन पूर्णांक आएगा सीधा सीधा ये कह रहा है कि गाय से जो पैदा होगा वो गाय का बछड़ा होगा समझा कि गाय से कभी भी इंसान का बच्चा तो पैदा नहीं होगा कुत्ते का बच्चा तो पैदा नहीं होगा बिल्ली का बच्चा बंदर का तो पैदा नहीं होगा हाँ विषम परिस्थितियों में कलयुग में कुछ हो जाए वो अलग बात है लेकिन नॉर्मल तरीके से प्राकृतिक तरीके से नहीं होता है यानी वो जो है वैसे होता है ना एग्जाम्पल समझ गए तो कहने का मतलब ये है कि ये के अंदर में अगर रहेगा तो सीधा सीधा घात अगर प्राकृतिक संख्या है तो वो पूर्णांक ही मिलेगा यानी जो सौ आएगा वो क्या है पूर्णांक है ना बोलो समझ में आया क्या ये? धन पूर्णांक है ना बस लेकिन अगला थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है अगला इतना सीधा नहीं है हर जगह ऐसे थोड़ा सीधा होता है एक फार्मूला से सारे सवाल नहीं लगते हैं कह रहा है यन विषम प्राकृतिक संख्या होने पर यन जो है वो विषम प्राकृतिक संख्या होने पर अगर ऋण पूर्णांक है तो ऋण पूर्णांक ही रहेगा हुँ? ये भी वही से कह रहा है इसका भी मतलब वही है यहीं पे समझ लो ज्यादा बढ़िया रहेगा विषम प्राकृतिक संख्या होने पर अगर अंदर में ऋण पूर्णांक है ऋण पूर्णांक मतलब मान लो अंदर मैंने तीन लिखा यन विषम विषम का मतलब जो घात होगी वो वन थ्री फाइव सेवन नाइन ऐसे कुछ होनी चाहिए सम नहीं होना चाहिए ठीक है जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया तीन तो यहाँ पर जो आएगा वो माइनस में आएगा ऋण पूर्णांक ही रहेगा यहाँ पे लिखा है इसके एग्जाम्पल नीचे लिखे गए हैं वही सब है शायद समझो पहले यानी तीन का घात तीन का मतलब जानते हो पहले ही अभी बता चुके हो कि तीन का घात तीन का मतलब क्या होगा सत्ताईस सबको पता है लेकिन यहां से कॉन्सेप्ट सीखना है कि अगर चिन्ह लग गया माइनस वाला तो आपको ठंडी ना लगे सोचो कि है दिया, दिया का होगा अब अब तो यहां माइनस हो गया हम तो ऐसे पढ़े थे तो इसका मतलब यहां से सीख लीजिए कि अगर ये माइनस में है और ये विषम संख्या है तो ये आंसर माइनस में आएगा एक चीज मैं और बता दूं तुरंत झट से अगर ये संख्या ऊपर सम है घात दो चार छह आठ है तो जो आएगा ये प्लस में आएगा कुछ भी आए जैसे 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 का, देखो ना जैसे आ, हम क्या बात कर रहे थे हम ये बात कर रहे थे कि अगर ये सम संख्या है तो जो आएगा वो प्लस में आएगा अगर ये ए भाई इसमें माइनस भी लगाना था थोड़ा सा रुको ना सीधा फीधा थोड़ा करना था भाई मिट जा सब मिट जा देखो जैसे दो का घात चार माइनस में ठीक है तो जो आएगा ये प्लस आएगा क्यों क्योंकि इसकी जो घात है वो सम है याद रखना इस संख्या से कोई मतलब नहीं सम है कि विषम है चाहे कुछ लोग इसमें अगर कंफ्यूज हो रहे हैं भैया ये मैं स्टार बना देता हूं अगर इसमें तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो ना तो ये लो विषम संख्या ले लो अगर ये चार है यानी सम है तो इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा मैं केवल चिन्ह की बात कर रहा हूं क्या आएगा उसकी बात नहीं कर रहा हूं हम्म समझ में आया ना हा? आया समझ में बायोलॉजी कॉन्सेप्ट सिखावा इनका है? इरसाद ये बोल चुक से आएगा गिर गया अचानक अब क्या आएगा वो भी बता देता हूं सात का घात चार का मतलब जानते हो सात को चार बार ऐसे गुड़ा करो अब जो आएगा यहां लाके लिख देना एक बड़ा फगिनती आएगी प्लस में आएगी बस ये समझिए यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा वो भी प्लस में ही आएगा ठीक है क्योंकि ये घात सम है क्या है घात सम है इसे याद रखना इवन नंबर है लेकिन दूसरा चीज समझिए यहीं पर यहीं पर दूसरा पहलू भी समझ लीजिए अगर यही नंबर सेम हम रखता हूं टू इसकी घात तीन हो गई तीन क्या है विषम संख्या है चिन्ह की बात कर रहा हूं मैं याद रखना बाकी चीज तो तुम पहले सीख चुके हो तो जो आएगा वो माइनस में आएगा हम्म समझ रहे हो जो आएगा क्या आएगा यहां पर माइनस में आएगा एक चीज और समझ लीजिए अभी इसी में एक चीज और समझ लीजिए जैसे ये सात वाला बताया था ना यही नंबर मैं ले लेता हूं सात ही अगर ऊपर विषम संख्या आ गई मान लो कुछ भी तो जो आएगा ये माइनस में आएगा बस मतलब आएगा क्या वो तो तुम पहले से जान रहे हो शुरू से पढ़ रहे हो इतना देर तक मैं में को तो नहीं कर रहा हूँ सिखाई रहा हूं तो इसे लिख लो फट से देखिए जिनको कैलकुलेशन तेज करना है उनके लिए ना ये संजीवनी है इतना काम करेगी दूसरे हम समझ लो जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है कल उनकी नई सेटिंग हो गई जुगाड़ हो गया तो जितना वहां पे फायदेमंद होता है ना उतने फायदेमंद यहां भी होगा मतलब तकलीफ तुरंत दूर तो वैसे जिनका कैलकुलेशन वीक है ये उतना ही फायदा करेगा चलो समझ गए ना तो अब हम बात करते हैं फिर क्वेश्चन पे देखो यहाँ पे जैसे मान लो कि मैंने लिखा माइनस तीन बटा सात ए भाई चल जा यहाँ पर घात मैंने लगाया तीन अब देखो गौर से देखो प्यार से देखो मगर बताओ कितना आएगा कितना आएगा हम्म ये थोड़ा सा गंदा लग रहा है इधर साइड में ए चल इधर चल तुम घुस जाता है ये थोड़ा जगह दे इधर भाई चल ओके आगे बढ़े चल भैया कौन है गरियार आए। ए फलाने बचपन में ना गाली दिए हमें अवार्ड मिला रहा अपने एरिया में तो तुम ऐसा तो ना करो मेरी आवाज रिटर्न तो नहीं हो रही ना इसी चीज को मैं फिर फिर लिख रहा हूं यहां पर जो घात है वो एक सम संख्या है देखो दोनों में आंसर में अंतर आएगा थोड़ा बहुत अमन कह रहे हैं देखें माइनस दो का पावर चार ठीक है जो भी है चलो देखो इधर तो भैया इसकी घात क्या है ये विषम संख्या है इसको अपने दिमाग जेहन में रख लो मैंने पहले बताया कि बाबू अगर घात विषम संख्या है और यहाँ पे माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा तो यहाँ पे आंख बंद करके तुम माइनस लगा लो बाकी जो आएगा वो तुम्हें पता ही है तीन की घात तीन का मतलब होता है तीन त्रिका नौ त्रिका सत्ताईस और सात सत्ता उनचास सत्ते होता है तीन सौ तिरालीस ये हो गया आंसर फटाक दे हो गया तीन का घात दो है मतलब ये नौ होगा ठीक है और ये फोर्टी नाइन होगा आगे बढ़े व्हाइट वाला दिख रहा अच्छा घातांक के नियम दिख रहा सही ना बता देना अगर कुछ गड़बड़ होगा तो बढ़िया दिख रहा है सोनाली वर्मा उत्कर्ष विनायक कुमार मोहित कुमार अंकिता यादव शिरोमणि सबको दिख रहा है बढ़िया एकदम मस्त है ना भैया चलो फिर आओ आगे बढ़ते हैं फर्स्ट रूल क्या कहता है यहां से देखना नियम नियम नंबर एक, नियम नंबर एक क्या कहता है आ, मैं आपको पीडीएफ दिखा दूं या फिर पहले बता दूं पहले मैं बता देता हूं फिर पीडीएफ में आपको दिखा दूंगा उसकी डेफिनेशन चाहे तो लिख लेना चाहे नहीं मैथमेटिक्स में लिखने का कोई वैल्यू नहीं है मतलब वो पैराग्राफ वाला कॉन्सेप्ट सीख लीजिए बाकी चीजें तो आप सीख ही जाओगे भैया अगर आपको जानना है फलाने घर उस शहर के उस गांव में उस गली में में उस मकान में है तो याद करोगे तो भूल जाओगे लेकिन अगर आपको पता है आपका पुश्तनी रिश्ता है कई बार आप गए हो तो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम क्या करेंगे आपको कई बार ले जाएंगे इस रूल से फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा देखिए कैसे फर्स्ट रूल कहता है मेरे भाई कि ए का पावर यम इंटू ए का पावर यन यानी जब बेस इक्वल हो तब मल्टीपल करने पर पावर आपस में एड हो जाती है जिन्हें सीधा सीधा बोले कि गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती हैं ठीक है इसको लिखने की जरूरत नहीं है इसका मैं सारा पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दूंगा ठीक है कलर चेंज कर दीजिए सब बोल रहे हैं क्या मतलब क्यों मजा नहीं आ रहा है इसमें सही नहीं लग रहा है ब्लैक uh, बोर्ड कर दें अच्छा ठीक है ठीक है एक रूल तो हो जाने दो अब इसको अब चेंज करेंगे तो सब ये फिर लिखना पड़ेगा हमें इसको हो जाने दो कर रहा हूँ ठीक है चलो चलो भैया ठीक है जैसे जो तुम कहो बस वही सही है तेरे बिन तो कुछ भी नहीं है है ना चलो देखो गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती हैं इसका उदाहरण ये बड़ा गंदा लग रहा है यार इस पर इसका एग्जाम्पल देखो जैसे अगर तीन का पावर पांच है इन टू तीन का पावर सात तो क्या होगा मल्टीपल करने पर ये घाते आपस में जुड़ जाएंगी तो तीन का पावर ये हो सकता है पांच और धन सात बराबर तीन का पावर बारह ठीक है ये आंसर हो गया ये सिर्फ यहीं पर लागू नहीं होता है इसकी और बड़ी कहानी होती है छोटा सा मैं आपको डेमो दिखाया हूं समझ रहे हो ना छोटा फटे मो दिखाया हूँ बाबू ठीक है चले आगे ओके डन चलो ठीक है आ, मैं खुद देख रहा हूँ अपनी शकल ऐसा नहीं कि बहुत खराब दिख रहा है अच्छा है मैं देख रहा हूं. चलो तो ये हो गया दन? आगे बढ़ते हैं चलो आ, अब मैं वही कलर कर लेता हूँ जो आप लोगों की इच्छा है लो बढ़िया है चलो ब्लैक पे वाइट आपको ज्यादा मजा आता है ना उसमें चलो ठीक है इसमें कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए उदाहरण बिल्कुल वाइट है ना ये ठीक है थोड़ा ज्यादा ही ऊपर हो गया ये क्योंकि कैमरा जूम किया गया है रीजन क्या है पीडीएफ भी दिखाना है जैसे पहले नियम लिखवा दूं या एग्जांपल और कराऊं और ढेर सारे एग्जांपल कर लेते हैं पहले देखिए जैसे x का पावर मतलब x का स्क्वायर x का क्यूब और x तो बराबर ये क्या होगा जानते हो घातांक के पहले नियम से ये हो जाएगा यक्स का पावर देखो यहां पर पहला टू है फिर थ्री है और फिर इस पर कुछ नहीं है तो हमेशा जो भी वेरिएबल्स होते हैं उस पर वन घात मानी जाती है ठीक है वन पावर मानी जाती है जेके क्यों के है है के ना जो लोग सुल्तानपुर से होंगे रिलेट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा आ, एक्स का पावर सिक्स समझ में आया ना ये आप किसी भी टाइप में बढ़ोगे आगे सबके लिए रहेगा बढ़िया ठीक है चलो तो अन्य एग्जाम्पल कुछ और एग्जाम्पल ले लो उदाहरण नंबर तीन चलो भैया बताओ आ, नौ का स्क्वायर इंटू नाइन का पावर माइनस थ्री इंटू नाइन का पावर सेवन और इंटू नाइन का पावर माइनस का टू आप बताओ ये कितना आएगा अगर कोई बता दे तो हम जान जाएं कि आप ये पहला नियम सीख गए हो जल्दी करो अगला मैं बढ़ता हूं तीन यक्ष का स्क्वायर इंटू तीन यक्ष का पावर माइनस वन इसे इनवर्स भी बोलते हैं है ना और ये आप ले लो नाइन भैया कुछ भी नहीं ले सकते लज्जा इसमें क्योंकि बेस इक्वल होना चाहिए हा बेस अगर चेंज कर दिया तो फिर ये रूल नहीं लगेगा फिर ये रूल के बाहर चला जाएगा संविधान का उल्लंघन कोई बताया इसका आंसर नेहा ब्यूटी बहुत अच्छे भाई किरण फराना अंसारी और कोई अनी चलो ठीक है बहुत अच्छे वेरी गुड मैं इसको बताता हूं देखो पहले तो जो बेस है उसको लिख लेंगे वैसे प्यार से एकदम इज्जत के साथ फिर क्या करेंगे मेरी आवाज तो सही आ रही ना हम्म फिर जो पावर है उनको आपस में लिखेंगे प्लस चिन्ह लगा के जैसे हैं जिस स्थिति में हैं वैसे ही अलग पटक देंगे नंगे उघार देखो कैसे इनका घात दो है ना तो इनको दो लिखेंगे फिर प्लस ये माइनस का थ्री है यहां रखना माइनस का थ्री है तो आप पहले वहाँ पे प्लस लगा दोगे हुँ? फिर यहाँ पर माइनस का थ्री इनको अंदर में ठीक है इज्जत इनकी बची रहे फिर ये सेवन को लिखेंगे लेकिन प्लस लगा के दिख रहा है ना फिर माइनस का टू है इसको प्लस लगा के माइनस का टू पूरा दिख रहा है वहां तक माइनस का टू है जो लोग बाद में देखेंगे उनको थोड़ा कंफ्यूजन होगी बहुत छोटा हो गया है अब उससे बड़ा होगा भी नहीं जगह नहीं उधर चलो ठीक है अब मेन पॉइंट हमारे पास इसको हल करना है इसको मैं समझाऊंगा आपको कहां अगले पेज पे समझा देता हूं दो तीन सात दो देखो इसको समझ लो पहले दो तीन सात दो यही तो था हाँ, दो तीन सात दो ठीक है जिसमें से तीन और दो माइनस है दो तीन सात और दो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना है क्योंकि जो कमजोर बच्चे हैं वो इसी में गड़बड़ाए जाते हैं समझिए पहले तो ये दो है इसको ऐसे इज्जत से लिख लेंगे फिर प्लस और माइनस जहां इनकी टक्कर होती है ना वहां माइनस ही आता है जैसे इसका ताजा एग्जांपल देख लो अगर घर में हसबैंड वाइफ में लड़ाई होती तो जीत हमेशा वाइफ की होती है समझ गए वैसे भी पॉजिटिव और निगेटिव आप समझते हो है ना बस अब नहीं बोलना इसको तो क्या होगा प्लस और माइनस में कभी भी जब मल्टीपल होता है तो आंसर क्या आता है माइनस आता है और चाहे माइनस और प्लस का हो या प्लस और माइनस का हो देखो एक चीज यहां समझ लो चाहे ये प्लस का मल्टीपल ये माइनस में हो या फिर माइनस का प्लस में हो आता माइनस ही है वैसे समझ लो चाहे गलती हस्बैंड की हो चाहे वाइफ की जीत वाइफ की ही होगी इसको याद कर लेना कभी भूलना नहीं अगर ऐसा कहीं सिचुएशन होती है स्थिति होती है तो सही बोल रहे हैं कि नहीं हम्म नहीं बोलोगे ना पक्का ठीक है तो यही गड़बड़ कर जाते हो आप लोग अगर इसको प्लस कर दोगे माइनस नहीं करोगे तो फिर आंसर गड़बड़ हो जाएगा फिर आगे चल के मुसीबतें हो जाएंगी इसमें अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा माइनस का थ्री और फिर ये मैं सही बोल रहा हूं ना प्लस का सेवन और प्लस माइनस फिर ये माइनस का टू बस अब देखो अब यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे देखना है जो प्लस प्लस साइन है वही जुड़ेगा देखो भैया ये दो है ये प्लस है ये भी प्लस में है तो सात और दो नौ ये माइनस में है ये भी माइनस में है इनके पहले के चिन्ह देखे जाते हैं तो ये तीन और दो पांच इस तरह से आपका फोर आंसर आएगा फाइनल में सब कुछ करके निपटने के बाद कितना आएगा फोर हम्म कितना आएगा फोर तो आप समझ गए ना ये बात समझ गए तो फिर आओ ना देखो कितना आया था फोर ना तो यहां पर मैं फाइनल में लिख सकता हूं नाइन का पावर फोर इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं ना लेकिन लेकिन इनको जब आप ऐसे देख रहे हो प्यार से तो क्या आपको लग रहा है कि नाइन का पावर फोर आएगा नहीं लग रहा है ना इसलिए पढ़ना जरूरी है घातांक का नियम आना जरूरी है घातांक के नियम के साथ साथ आपने इसमें यह भी सिखाइए ये।, ये कम जरूरी नहीं था जिंदगी में बहुत जरूरी है ये सब इसके साथ जो एग्जाम्पल बताया वो भी काम का है याद रखना अगर सुलह समझौता चाहते हो चलो आगे बढ़े इसको मैं मिटा देता हूं बाकी मैं जो भी ये पढ़ा रहा हूं ये सब सेव है सब पीडीएफ में टेलीग्राम पे भेज दूंगा स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे सब भेज दूंगा ठीक है भैया ये फिर से से, आ गया भाग, चल निकल ले आगे बढ़े सभी को समझ में आया आया तो एक बार यस बोल दो कहे शर्मा फिर कुछ ना कुछ बोलो ना हम्म खुल जा बेजती करवा रहा सबके सामने इसकी बहुत बड़ी बीमारी पकड़ी इसको पता है आपको अभी मैं इसको केवल इन्वर्टर पर यूज़ करता हूँ मेन पावर ऑन नहीं करता क्योंकि जब पावर चली जाती तो रूट जाता है इसका दिल टूट जाता है फिर ये बंद हो जाता है अभी हैंग कर रहा मुझे लग रहा है मैं क्या हो गया इसे चल खुल समझ रहे हो कि नहीं आप लोग पता नहीं क्या हुआ है आ, चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है देखते हैं खुल जाए तो अच्छी बात है बाकी तो आप लोग जान ही रहे हो ये देखो खुल गया ना अरे कभी कभी नाराज हो जाता है थोड़ी देर के लिए ठीक है तो आप सभी क्या करेंगे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेंगे बाबू जिससे टेलीग्राम पे हम रोज क्लास शुरू होने के पहले नोटिफिकेशन आपको दे देते हैं कि क्लास शुरू होने जा रही है जाग जाओ और चले आओ जल्दी से क्लास में ठीक है तो इंपॉर्टेंट है ये बहुत जरूरी है आगे बढ़ते हैं घातांक का दूसरा नियम सिकेंड रूल ए भैया खुल जाना देखो घातांक का दूसरा नियम ये सब हो चुका है इसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ाओ तो अभी हम ये बात कर रहे थे पहला नियम सभी को क्लियर हुआ बोलो एक बार हाँ एक बार वाइट कलर एक बार ब्लैक हो रहा होगा आपकी आंखें थोड़ा थोड़ा डिसमिच कर रही होंगी लेकिन कोई बात नहीं चलो खोपड़ी पे अपना कंट्रोल रखो आइए तो ये पहला नियम हो गया पहले साथियों घातांक का पहला नियम हो गया अरे वाह गुरु आज समझ में आया मतलब वहां से जितना मोटा पेन बनाए रहोगे यहाँ उतना ही मोटा चलेगी धीरे धीरे जिंदगी में ना कहते हैं अनुभव बहुत जरूरी होता है अनुभव के साथ जिंदगी आसान हो जाती है चले तो पहला नियम हो गया चलो सेकंड नियम पे चलते हैं सेकंड नियम क्या कहता है यही तो हम लोग पढ़ चुके ना दूसरा है एक ही आधार वाली घातांकीय संख्याओं का जो विभाजन है उसको करने पर घाते घट जाती हैं मोटा मोटा यह समझो बाकी कैसे होता है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा देखो यहां पे चलो आगे बढ़े चल भैया अच्छा नियम नंबर सेकंड डालो सभी लिखो नियम नंबर दो घातांक का दूसरा नियम भाग करने पर घाते घट जाती हैं चाहे तो लिख लो चाहे मत लिखो भाग करने पर घाते घट जाती हैं जैसे एक अ पावर यम डिवाइड बाई एक अ पावर यन इक्वल हो जाता है यम माइनस यन बहुत आसान है ये बहुत जी है पांडे जी समझ में आ रहा भैया हम्म चलो अब क्या करेंगे आ, इसके एग्जाम्पल अब हम गिन चुन के देंगे ऐसे हवा में नहीं ये पहला उदाहरण हो गया भाग करने पर घाते घट जाती हैं जैसे छोटा सा एक लवली लवली सा एग्जाम्पल ले लो ये इसकी पावर नाइन है इसको डिवाइड कर रहे हैं हम थर्टीन और ये फाइव ठीक है भैया तो भाग करने पर इस नियम के अनुसार घाते घट जाएंगी तो ये हो जाएगा नाइन माइनस का फाइव इक्वल थर्टीन का पावर नौ में से चार्च गया चार सबको समझ में आया किसी को कोई तकलीफ नहीं एक बार हाँ बोल दो सभी को आ गया तो यस और सेशन को लाइक कर दो बाबू जोरदार और शेयर करना नहीं बोलना अगर क्लास को रोज शेयर करोगे तो मैं एप्लीकेशन की एक बैच बंद कर दूंगा आप लोगों के लिए और मैं यहाँ पर पूरे पूरे एक घंटे पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा लेकिन बिओ जाना चाहिए यार देखो मजा नहीं आती कहते हैं ना सब कुछ छोड़ करके अपना वैसे भी मैं घर परिवार छोड़ चुका हूँ बीबी बच्चे हैं नहीं है ना एक सन्यासी जैसे जिंदगी हो गई बस अंतर यह है कि इधर चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे हुए हैं और यहाँ कोई नया आदमी प्रवेश करता है उसको लगता नहीं कि गोदाम में घुस गए हैं कि फिर कहा घुसे हैं कोई स्टूडियो है ऑफिस है क्या है कभी कभी देखते होंगे आप लोग लाइव में ना तो इसी में मैं रहता हूँ इसी में उठना बैठना सोना खाना बस बाथरूम थोड़ा जाता हूँ बगल है बस समझ रहे हो तो बाकी बीबी बच्चे है नहीं तुम्हें पता ही है तो फिर जब मैं सब कुछ इसी में कर रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा तो समझो ना इस तकलीफ को शेयर करो खूब दबा के ठीक है आगे बढ़े कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है नौ में से पांच जाएगा तो चार ही तो बचेगा ठीक है तो ये दूसरा नियम हो गया कुछ और उदाहरण यहां तक दिख रहा है मैं यहां तक लिख सकता हूं उदाहरण नंबर सेकंड जैसे नाइन यक्स का पावर फाइव डिवाइड भाई अभी मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा ये होता कैसे है बस थोड़ा सा सबर रखो तो इस घातांक के नियम के अनुसार भाग करने पर ये घाते घट जाती हैं मतलब ये फाइव माइनस का टू इक्वल नाइन यक्स का क्यूब फाइनल में अगर इसे एक लाइन और बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं नौ नवा इक्यासी नवैया सात सौ उन्तीस होता है तो सेवन टू नाइन एक्स का क्यूब इसके आगे अब इसका कुछ नहीं हो सकता है लास्ट स्टेप है समझ रहे हो जैसे इस पर एक मजेदार बात बताऊं अभी मैं कहीं पढ़ा था देखा था एक मैडम मोहतरमा गई दवा लेने डॉक्टर ने पूछा कितनी एज है उन्होंने कहा बस अट्ठारह अच्छा ठीक है दवा तो मैं लिख दे रहा हूँ लेकिन दवा थोड़ी तगड़ी है और अगर उम्र में थोड़ा गड़बड़ हुआ कम ज़्यादा तो फिर नुकसान कर देगी हम जिम्मेदार नहीं होंगे तो बोली अच्छा डॉक्टर जी रुको 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 बाईस मतलब अठारह नहीं बाईस साल ठीक है तो उसने कहा तुम गड़बड़ बोल रही हो मुझे अब लग रहा है क्योंकि तुमने एक बार झूठ बोला अगर दवा गड़बड़ मतलब एज में गड़बड़ हुआ तो तुम्हारी जान भी जा सकती है समझ रहे हो लास्ट में झल्ला के बोली अब एक भी वर्ष नहीं बढ़ाऊंगी अट्ठाईस समझ रहे हो क्या समझा कुछ तो समझा ना बस अब जो समझ रहे हो बाकी उसको बारे में आ, बाद में हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे मैंने इसलिए बताया कि लास्ट स्टेप वो था ना उसके आगे नहीं बढ़ने वाली चाहे जान चली जाए तो वैसे अब इसके आगे कुछ नहीं होने वाला इसमें हाँ यहां तक गुंजाइश थी यहां भी गुंजाइश थी तो तीन स्टेप हम आगे चले गए उसके आगे नहीं जाने वाला ये तो ये दो नियम हो गया घातांक का तीसरे नियम पे आगे बढ़े चलो भैया तो ये दो नियम हो चुका है ए चल जा भाई हाँ लेकिन मुझे इसको डिस्क्राइब करना था अभी कि ये होता कैसे है इसे कैसे होता है इसे कैसे हो गया इसको डिस्क्राइब करना था ना चलो डिस्क्राइब कर देता हूँ पहले एक नया एग्जांपल के साथ इसको हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम करके आपको दिखा देते हैं दिख रहा ना यहाँ तक ठीक है उदाहरण नंबर तीन आ, तीन बटा पांच नहीं छोटा एग्जाम्पल ले लो जिससे इन लोग के थोड़ा दिमाग बुद्धि में घुस जाए यक्स। ठीक है? इसका स्क्वायर इंटू सात बहुत ही आसान सा लेंगे छोटा सा लेकिन यहां इंटू नहीं भाग का चिन्ह लगना चाहिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं भाग वाले में ठीक है भैया चलो कहते हैं कि भाग करने पर घातें घट जाती हैं यहाँ पे कोई पावर है नहीं तो वन माना जाता है कोई घात नहीं होती तो वेरिएबल्स में तो ये हो जाएगा सेवन एक्स इसकी पावर घटती कैसे है वो समझो ये दो बार लिखा जाएगा क्योंकि इस पर स्क्वायर है ठीक है भैया ये भाग का चिन्ह है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नीचे ला इसकी घात एक थी तो इसको एक एक बार लिखेंगे ये दोनों आपस में निपट सकते हैं कट मर सकते हैं जिन्हें बोलते हैं तो बराबर ये सेवन एक्स बचेगा ये तो आपका वो हो गया जो किसी नियम का नहीं है नॉर्मल तरीके से मैंने हल किया है एक बार सभी कमेंट कर दो तो यस कुछ ना कुछ बोलते रहा करो मैं जानूगी जा कर रहे हो ठंडी का महीना बीच में ढंग जाओगे तो मैं कहां से जानूंगा कि पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो मतलब सो जाओगे ढंग जाने का मतलब अब उल्टा उल्टा मत समझ लिया करो समझ गए ना आ, तो जो लोग इसको देख लिए ठीक है इसको मैं अगले पेज पे आपको क्या बताऊं कुछ बहुत नहीं बताने का ठीक है देखो मैं ये बोल रहा था कि नॉर्मल अगर सूत्र से करोगे तो भाग करने पर घाते घट जाती हैं है कि से दो माइनस एक करोगे क्यों क्योंकि भैया इसकी दो है, इसकी घात है है तो फाइनल में क्या बचेगा? सेवन का पावर वन बचेगा वन चाहे लिखो चाहे ना लिखो उसकी कोई वैल्यू नहीं है समझ रहे हो ना हम्म अगर किसी बात पर लेकर के बहस हो रही है मिया बीबी की तो वहां बीबी की चलती है उनकी अगले की कोई वैल्यू नहीं होती समझ रहे हो मैं आज इस टॉपिक को काहे लिया हूँ पता है लास्ट में बताऊंगा अच्छे से आप कहोगे हर बात में काहे को उसको जोड़ रहे हो इसकी वजह है और वो कौन है वजह वही बताएंगे शिरोमणि शर्मा आराधिका वर्मा नेहा सोनाली धवन त्रिपाठी फारूक अंसारी मुकेश सुरेश पूजा सिंह सभी को आ रहा है ना एकदम बढ़िया से आगे बढ़े फिर तो ये दोनों आंसर है ये दोनों तरीका है चुनना आपको है ये भी सही है इसमें कोई नियम नहीं लगाया इसमें सिर्फ कैलकुलेशन किया है और ये इतने में आ गया भैया हो जब दू अक्षर में आवत रहा तो इतनी बड़ी ओझाई करने का जरूरत है इसीलिए ये नियम का प्रयोग किया जाता है समझ रहे हो जैसे आपको सौ किलोमीटर की यात्रा करनी है तो आप पैदल भी जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है कोई गाड़ी घोड़ा पेट्रोल की जरूरत नहीं है लेकिन यह है कि अगर आपको सौ किलोमीटर पैदल जाना है तो हो सकता है एक हफ्ता दस दिन लग जाए लेकिन अगर वहीं कार बार फिर चले जाओगे तो आधा घंटा पहुंच जाओगे तो चीजें आसान हो जाती हैं वैसे मैथ में सूत्र का प्रयोग करने से भी आसान हो जाती हैं, कहीं कहीं ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं बिना सूत्र के भी आ जाते हैं लेकिन थोड़े कठिन हो जाते हैं तो यह आपका हो गया डिस्क्राइब भी मैंने कर दिया है ना आ, अच्छा थोड़ा भैया मजा नहीं आई थोड़ा और डिस्क्राइब करते हैं क्योंकि चीजें जो है ना वो एकदम जब तक दिल में नहीं बस जाए तब तक मजा नहीं आती ना चलो देखो अब दिल में बसाते हैं कैसे यहां तक मैं ऐसे ऐसे करता हूँ देखता हूं दिख रहा है नहीं वहां तक आ, जैसे देखो यहाँ पे समझो भैया समझो जैसे पांच का पावर सात भाग करने पर घाते घट जाती हैं कैसे डिवाइड बाई पांच का घात तीन अब अगर इसको मैं नियम से करूं सूत्र से तो भाग करने पर घाते घट जाती हैं यानी पांच की घात सात माइनस तीन पांच का घात चार ठीक है ये नियम हो गया सूत्र के अकॉर्डिंग आगे बढ़ूं चलो ठीक है बहुत अच्छा वेरी गुड ये तो आपका सिंपल सा एक तरीका हो गया अब मैं इसको पोस्टमार्टम करके दिखाता हूं डिस्क्राइब करके दिखाता हूं कैसे और क्यों देखो भैया पहला नंबर तो ये समझ लो आप अपने दिल आत्मा में बसा लो कि चाहे दुई बटा पांच लिखा है हा? चाहे ऐसा पांच लिखा है अनुपाते में ठीक पक्का और चाहे ऐसा लिखा है ऐसा वाला एक बात बताओ तुम मैं वो नहीं पूछने वाला हूं जो तुम सोच रहे हो कि तीनों एक है कि नहीं है ना तरीका अलग अलग है बस हुँ? जैसे 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 क्या इनके रूप अलग अलग हैं बस ना है तो वही ना जैसे एक इंसान है नॉर्मल अपने घर में कहते हैं ना घर की मुर्गी साग बराबर डीएम साहब भी एसपी साहब भी है फिर भी घर में उनकी नहीं चलती है पूरे जिले में चलती है अलग बात समझ रहे हो ना हम्म और दोस्त की पार्टी में गए तो दोस्त है, कब है? मतलब हर तरीके से हो सकता है बात क्योंकि अपने लेवल के लोग हैं और जनता के सामने तो बड़े यानि है वही, लेकिन जगह जगह पर पोजीशन अलग अलग तरह से है वैसे क्या है ये है वही लेकिन ये अलग अलग रूप में दिख रहे हैं आपको समझ रहे हो ना कौनों कह रहा है कि दिल लगा के पढ़ो भैया जिनके पास दिल है वही तो लगाएंगे कुछ लोग तो लगा चुके हैं पहले से ही वो कायज पढ़ेंगे तो ये सब बात ना करो दिल उल की यहां पे चलो तो अब मैं बात करने वाला हूं इनको डिस्क्राइब करके कि ये आता कैसे है बिना सूत्र के बिना जिनको घातांक का नियम नहीं पढ़ा वो कैसे करेंगे देखो इनको मिटा दो चलो पांच का घात सात का मतलब ये है मेरे भैया कि पांच को आपको सात बार लिखना है देखो चार बार हो गया पांच सात देखो सात हो गया ना सेवन टाइम हो गया ऐसे खींच दो लंबा सा ये तीन घात है इसका मतलब पांच को तीन बार लिखना है ये बिना किसी नियम के है सूत्र भूल जाओ सब फेंक दो उधर देखो पांच एक से एक निपट गया दूसर का दूसर का निपट गया तिफर का तिफर, तिफर का निपट गया ही बचा बटोल बस का समझा भैया कुछ समझा ना है हम्म भैया सभी समझ गया ना हो हम्म तो कितना फोर टाइम फाइव बचा है तो ये हो जाएगा फाइव का पावर फोर तो चाहे तो वो सूत्र लगा के और चुपके से ऐसे लिख लो ऐसा लिख लो ऐसा और चाहे तो इतनी बड़ी ही करके ऐसा लिखो जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो बात समझ में आ रही सभी को भाई विनायक मिश्रा जी आ रहा समझ में सबको समझ में आ रहा अच्छे से कोई डाउट किसी को धवल त्रिपाठी ठीक है रुद्र आगे बढ़े तो उम्मीद है कि आप ये चीज समझ गए होंगे अगर हम गुड़ा करने वाला बात करें गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती हैं जो उनको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं कैसे क्योंकि चीजें जो है ना एकदम जेहन में बस जानी चाहिए जैसे मैं कहता हूं कि गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती हैं तो वैसा ही होता है वो भी कैसे देखो वैसे कैसे अगर इसको नियम से करें तो ये हो जाएगा दो का घात ये तीन दो पांच पांच दस बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना भैया हम्म चलो देखो ये तो हो गया बिना मतलब इसको निचोड़े तोड़े मचोड़े हाँ अब इसको तोड़ मरोड़ के देखते हैं कैसे देखो समझो इसको मिटा हटाओ यहां पे समझो देखो ये तीन बार है ना भैया तीन बार है ना बाबू तो इसको तीन बार लिखोगे इनका काम हो गया निपट गई ये अब इनको पकड़ो ये दो बार है तो इनके लिए दो बार लिखो इनके नीचे लाइन खींचती जाओ एक पहला जो है ये इनके लिए था इनका नीचे दस लाइन ये इनके लिए था ठीक जिस कलर में है उसी कलर में और इनके, आ, रज्जा के लिए इन रज्जा के लिए इस कलर में चलो इनको ही देता हूँ लेकिन पांच बार जगह है क्या लिखो नहीं जगह है तो एक दो तीन चार पांच समझ रहे हो अब इनको आप गिन लो प्यार से गिनो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन कितना बार है दस बार है ना दस बार है ना भैया दस बार है ना बाबू तो कितना हो जाएगा ये का पावर टेन तो बताओ ये नियम वाला फही था या ये ओपन वाला चलो एक सर्वे करवाते हैं आप लोग के ऊपर फटाफट बताओ जो लोग कह रहे हैं कि ये लंबा वाला फही था जिसमें सब कुछ दिख रहा है साफ साफ क्लियर दिख रहा है अच्छा सा वो लोग पी लिख के कमेंट करेंगे जिनको लग रहा नहीं मुझे साठ वाला चाहिए वो क्यू लिख के कमेंट करेंगे जो अभी इधर बताया था तो क्या कह रहे हो और क्यों कौन सा सही है अंकिता सत्यम शिव अमुकेश सब कह रहा क्यों वाला पता है कहे को कह रहा है क्योंकि आजकल का बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है कहे को पता है तुम्हें वो कहता है गुरुजी पढ़ा तो तो ठीक है इसका पीडीएफ दे देना हमें लिखना ना पड़े और इतना ही नहीं पीडीएफ तो दे दिया ठीक है अब लास्ट में सर जी कोई ट्रिक बता दो क्वेश्चन बड़े बड़े मजा नहीं आ रही है इसे हाँ फिर ये तो अभी यहीं पर नहीं अभी बाकी है पेपर होने वाला है अब सर जी पढ़े नहीं है टाइम मिल नहीं पाया हा? टाइम मिल नहीं पाया कोई जुगाड़ बताओ कैसे पास हो और फिर इससे आगे भी कौन कौन निकल जाता है फोन करता है पता जब पेपर ऊपर रहता है हमारे पास बहुत सारे फोन आते हैं हमारे साथी लोग बताते हैं मजा लेते हैं कहते हैं सर आप पी स्टडी से बोल रहे हैं ना आपके पास तो लाखों लोग जुड़े हैं आपका कहीं ना कहीं से कोई ना कोई, कोई लिंक होगा जुगाड़ होगा सर प्लीज लगवा दीजिए ना पास करवा दीजिए जितना पैसा लगेगा दे देंगे कोई बात नहीं समझ रहे हो ना इतना सुविधा चाहता है यानी खाना भी चाहता है प्लेट में भी चाहता है मुंह में भी चाहता है कोई रखे और ठूस भी दे कोई अंदर मतलब मुंह ना चलाना पड़े इतनी सुविधा चाहता है आजकल का बच्चा समझ रहे हो कि नहीं हम्म बाकी वो सब फिलहाल बात थी मजाक की हम दे देंगे आपको सब कुछ जैसे रोगी का मन भाव है और वही वेद बतावे चलो कोई बात नहीं तो ये टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन कर लेना इस पर पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना पी वी आर स्टडीज पे सारा पीडीएफ भेज दिया जाता है देर सवेर ठीक है भैया सत्यम आगे बढ़े कार्तिका सिंह अगुंजा सिंह सबको समझ में आ रहा ना एकदम चलो ठीक है ठीक है फिर चलो काहे को रुक रहे हो अरे भाई चलो आगे बढ़ो ना ये थोड़ा थोड़ा हैंग वैंग कर रहा है ए भाई खुजा हो, हो, हो जा बस 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 कुछ मिनट तो नहीं किया ज्यादा नहीं काम की चीज हो गई है चलो यही था तो हम क्या पढ़ रहे थे हम आपको बता रहे थे एक्सप्लेन करके कि क्वेश्चन जो मैंने दो नियम बताया घातांक का गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती हैं भाग करने पर घाते घट जाती हैं वो क्यों घट जाती हैं और क्यों जुड़ जाती है मैंने ये भी बताया है ना बात समझ रहे हो कि नहीं जैसे आपने सुना होगा लोग पढ़ाते हैं कहते हैं ना ऐसा होता है भैया ऐसा होता है तो ये ऐसा हो जाता है लेकिन वो क्यों हो जाता है आपने कभी सोचा ये सोचा करिए मन में आपके एक जिज्ञासा उठनी चाहिए सवाल उठना चाहिए समझ रहे हो ना आसमान में प्लेन उड़ते हुए देखते हो तो आपको सोचना चाहिए क्यों उड़ रही है ये नीचे कहा नहीं गिर रही है हमारे छत पे आके गिर जाए हमारे घूर पे आके गिर जाए समझ रहे हो हम्म घूर जानते हो कितने लोग जानते हैं वो घूर के देखना नहीं देखता है तो घूर घूर के वाला नहीं इसका मतलब जानते हो घा है ये घा से घर कितने लोग सुने तो ये सब मैं बताऊंगा बताऊंगा इनकी जब कहते हैं ना इनके भी दिन आएंगे तब तो बताऊंगा अभी इनके दिन नहीं आए चलो फिर ठीक है आगे बढ़े तो यहां पर यह सब होने वाला है यहां पर हम सिर्फ पढ़ाते नहीं है सिखाते हैं और दिल में भी बसा देते हैं मुझे पता है कि इसको बसाया हो दिल में कोई बात नहीं थोड़ी जगह रखना इसके लिए भी ज़रूरी है चलो आगे बढ़े फिर आ, इसमें थोड़ा सा अलग कर देते हैं जब है तो दिखना चाहिए चलो तो अब ये दोनों नियम तो हो गए अब मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम भी हो गया है क्या हाँ यार एप्लीकेशन में भी क्लास है दस पैंतालीस से तो मैं थोड़ा बहुत और पढ़ा देता हूँ अगला भी दिखा दें चलो ठीक है अगला भी थोड़ा देख लो इन लो देखा जाएगा जो होगा आप लोग का मन बना है तो मैं तोड़ना नहीं चाहता हूं दिल आप लोग का चलो यहाँ पर देखो एक अच्छी चीज है पता है क्या है बहुत ही अच्छी चीज है आपको ये कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है जैसे देखो आप कहोगे कि भैया दुई का घात जो दुई है इका कहते हो कि गुरुजी जी चार होता है लेकिन क्या जीरो का पावर जीरो क्या होगा तो जीरो का पावर जीरो कुछ लोग कहेंगे कहा जीरो होगा हा? जीरो का पावर जीरो होगा नहीं रे बाबा नहीं होगा ये जीरो के बराबर नहीं होता है ये अपरिभाषित होता है मतलब जो निश्चित नहीं है इसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती कहा नहीं जा सकता कि क्या होता है समझ रहे हो ना मोटा मोटा ऐसे समझो आप क्या क्या समझा आपने ये परिभाषित नहीं है बाकी इसके बारे में चर्चा यहां पर ज्यादा नहीं करेंगे फिलहाल अभी जो चल रहा है वही चलने दो हाँ एक चीज और लेकिन यहीं पर देख लीजिए काम का है एक चीज काम का देख लीजिए कि अगर कोई वेरिएबल्स है अगर कोई वेरिएबल्स है या कांस्टेंट है जैसे मान लो वेरिएबल में यक्स का पावर सुन्य है तो इसका मान हमेशा वन होगा याद रखना कभी बोलना नहीं अगर ए है इसका पावर जीरो है तो हमेशा वन होगा बोलना का नहीं हम्म कोई भी गिनती है ओ सॉरी गिनती नहीं मतलब हाँ गिनती में भी होता है वेरिएबल्स या कांस्टेंट अच्छा कितने लोग ये वेरिएबल कांस्टेंट आज पहली बार सुन रहे हो ऐसा लग रहा है गांव पहली बार ऊँट आया है हाँ यहाँ तो पतला चल रहा है यहाँ क्या मोटंगर चल रहा है यार ये कहाँ यहाँ से पतला होगा पता नहीं क्या यार मोटा हो गया मैं समझा नहीं पाया इसको देखो जितने भी ए से लेकर के जेड तक के लेटर होते हैं ए बी सी डी एफ जी एच आई ओ जो वो वो सभी चर या वेरिएबल्स कहलाते हैं ठीक है क्या कहलाते हैं हिंद, हिंदी में चर या इंग्लिश में वेरिएबल स्पेलिंग सही है ना कहलाते हैं ये ए से लेकर के जेड तक होते हैं सभी जो भी होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं वन टू थ्री डॉट 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 अनंत तक सिर्फ सौ तक नहीं अनंत तक ये कांस्टेंट कहलाते हैं देखो एक इनकी अच्छी बात है पता है क्या इनके मान कभी भी अनिश्चित मतलब अनिश्चित होते हैं हर समय कभी निश्चित नहीं होते हैं वेरिएबल्स के वक्त के साथ बदल जाते हैं ये ये थोड़ा बेमान टाइप के होते हैं बेवफा टाइप के होते हैं जरूरत के अकॉर्डिंग अपने फायदा देख करके निकल लेते हैं ठीक लेकिन ये बेचारे एकदम सती सरता का बोलते हैं उसे यार सती सावित्री पार्वती होते हैं क्या समझे आप अभी दूसरे भाषा में राजा हरीश्चंद होते हैं कभी नहीं बदलते हैं इनका मान जितना होता है उतना ही रहता है कहीं बदलता नहीं है ये कहीं कहीं आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसके मान स्थिर होते हैं चर अचर इनमें से कोई नहीं तो स्थिर जिनके मान होते हैं वो अचर पद होते हैं कांस्टेंट होते हैं ऐसे समझ लो ना कि जो बिल्कुल मुर्दा होते हैं इनको जहां जैसे रख दिया वैसे रखे रहते हैं बदलते नहीं है लेकिन दूसरे वाले ना बहुत ही स्पीड में बदलते हैं और उम्मीद है कि आज आपने काफी कुछ सीख लिया और अगर आपके मन में कोई डाउट है कुछ कहना है तो आप जरूर उसे हमें मैसेज कर सकते हैं अच्छा दिख रहा है तो भैया आज घातांक का ये वाला नियम पढ़ेंगे बाबू पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का गुणन मतलब मोटा मोटा बात ये बोले कि इसमें बेस जो है वो अलग अलग है जैसे मेन अगर इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म बताएं तो ऐसे बेस अलग अलग है लेकिन इनकी जो पावर है वो एक समान है समझ रहे हो तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं पता है आपको ऐसी स्थिति में मेरे भाई मेरे बाबू इन दोनों को एक में मिला लेते हैं हुं? कैसे जानते हो इनका बेस जो है वो अलग अलग है लेकिन इनका घात एक है जैसे देखो आपको एक बात आपने कहीं सुना होगा अगर आप दूसरे जिले में रहते हो कोई मिल गया हमारे जिले से, से है भैया हम सुल्तानपुर से हैं तुम भी सुल्तानपुर से हो अच्छा तो फिर हम लोग तो साथ ही हैं फिर हम्म होता है ना लेकिन अगर दूसरे राज्य में हो मान लो आप महाराष्ट्र में हो दिल्ली में हो और यूपी बिहार वाले मिल गए या एम वाले कहीं और अच्छा तुम भी यूपी से हो तब तो फिर तुम हमारे बहुत ही करीबी हो होता है ना ऐसा अगर आप दूसरे देश में हो और कोई इंडियन मिल गया तब तो एकदम करे जवा मिल गया जिसे समझ रहे हो मतलब तुम भी हमारे इंडिया से हो ऐसा होता है ना मतलब एक लगाव एक फीलिंग ऐसा कुछ होता है तो वैसे क्या है इनमें भी है कुछ ये एक में आ जाते हैं एक छतरी के नीचे अगर इनका बेस अलग अलग हो सिर्फ और सिर्फ और घातें समान हो घात का मतलब आप जो जिला राज्य बताया देश ये जान लो ठीक है तो ये ऐसे हो जाते हैं ये ऐसे हो जाता है इनका आपस में मल्टीपल हो जाता है घात बाहर लग जाती है ये कहता है चौथा नियम जो आपको दिख रहा है हुँ? फराना अंसारी समझ में आ रहा है सोनाली वर्मा सिरोमणि सभी को मेरी बातें समझ में आ रही ठीक है भैया चलो फिर तीसरा नियम है चौथा है लिख लो आप लोग मुझे तो लगता है ये नियम नंबर चार या पांच है बाकी कुछ भी डाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता लिख लो नियम नंबर चार अफसोस की बात है कि प्रयागराज में गंगा जी के किनारे ही रहते हुए भी हम गंगा नहाने नहीं जा पाए होता है वैसे भी गंगा जी का ही पानी आता हम लोग के यहाँ तो मन चंगा तो कटौती में गंगा और दूसरी बात भी अगर सुन के सोच के संतोष करें तो कौन सी बाद में बताएंगे वही चलो आगे बढ़े तो आ, इसमें क्या पढ़ना है आज घातांक का नियम पढ़ रहे थे ना हेडिंग डालो घातांक का नियम और दूसरा बात रियलिटी बताएं तो बड़ा ठंडी लग रही थी वो कौन जाए फालतू सुबह सुबह हम्म चले घातांक का नियम नंबर चार लिख लो चाहे तो आधार असमान आधार असमान व घाते समान होने पर आधार का आपस में गुड़ा करके घाते लगा देते हैं दिख रहा ना उधर ठीक है आ, इसका सूत्र देख लो इधर साइड में जो मेन पॉइंट वाला सूत्र है वो देख लो आधार अलग अलग ऐसे ठीक है भैया बस हो गया यही रूल है यही सूत्र है कोई दिक्कत नहीं किसी को इसमें आगे बढ़े नहीं ना चलो डन ठीक है नेक्स्ट पेज पर आ जाए फटाफट अब इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवाएंगे बहुत से बच्चों का शिकायत होती है कि सर मुझे क्लास नहीं मिल पाती नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है कैसे जाने कैसे जुड़े तो बाबू देखो अगर डेली फ्री क्लास पढ़ना चाहते हो ना तो पी स्टडी को आज ही टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो क्योंकि टेलीग्राम पे हम सारी क्लास का नोटिफिकेशन भेजते हैं रोज कोई क्लास चलेगी नहीं चलेगी हम कहीं आए हैं बिजी हैं क्या सिचुएशन है सारी अपडेट इस पे देते हैं यूट्यूब पर नहीं देते हैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना हर समय आसान नहीं होता है हमारी मोबाइल में नेट नहीं फिर भी इस पर नोटिफिकेशन दे देते हैं एक मैसेज भेजना होता बस तो सब कुछ टेलीग्राम पे मिलता है टेलीग्राम पर पीवीआर स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा ओके चलिए तो इस रूल पर कुछ एग्जाम्पल्स हो जाए जो अभी दिया एग्जाम्पल देखो उदाहरण नंबर वन जैसे इसका मतलब क्या था कि बेस समान ना हो अलग अलग हो और घाते समान हो तो घाते समान मान लो इस पे हो गया भैया पांच और दो का घात पांच ओके ये क्वेश्चन है तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो अभी आपने देखा पहले रूल देख लो घातांक का रूल यह कहता है कि जब ए का यम इंटू बी का यम हो तो इक्वल ए इंटू बी का पावर यम हो जाता है ब्रैकेट में लिख लो घातांक का नियम घातांक का नियम ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपको पता है मेरे भाई अगर इसको हम यहां पर लाके रखें, तीन का घात पांच लाके रख लो तीन का घात पाँच इन दो का घात पाँच इसके अकॉर्डिंग करोगे तो तीन गुणा दो और पावर जो है वो सेम है तो सेम ही रहेगी फाइनल में इनको नीचे हल कर लो एक लाइन तीन गुना छः का पावर पाँच हो जाएगा चाहो तो इनको और आगे कर लो ना चाहो तो ऐसे छोड़ दो सभी को समझ में आ जाए तो एक बार यस बोल देना और देखो जिनको सीखना है भैया क्लास को पूरा देखना अगर केवल फार्मेलिटी अदा करने आए हो तो याद रखना जिंदगी में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता मेहनत करनी पड़ती है अगर तुम सोचते हो कि हम कोई जुगाड़ लगा के परीक्षा पास हो जाएंगे टी सी कर लेंगे तो फिर बेरोजगारों वाले धरना प्रदर्शन में शामिल होना समझ रहे हो ना अगर बिना पढ़े लिखे जुगाड़ से पैसा वैसा देके अच्छा विधायक हैं करके निकलवा लोगे तो आगे जॉब वॉब तो नहीं मिलेगी और उसमें भी अगर जुगाड़ लगा लिए तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी आगे ठीक है इसलिए जानकारी भी होना एक अपना अलग मतलब रखता है आपको नॉलेज होना चाहिए आगे बढ़ रहे हैं ना चलें ठीक है इनके कुछ और एग्जांपल देखिए इसलिए क्लास को पूरा देखिए क्योंकि अब आप छोटे बच्चे नहीं है कि आपको जबरदस्ती पकड़ पकड़ लाए कोई पढ़ाएगा सेवन का पावर फाइव इंटू सेवन का पावर का है का सेवन फाइव का पावर फाइव इसको घातांक के नियम से करेंगे तो कैसे होगा देखो ए का पावर यम इंटू बी का पावर यम बेस अलग अलग होना चाहिए पावर सेम होनी चाहिए यह कहता है घातांक का नियम चाहे तो यहां ऐसे सूत्र लिख लो ये ज्यादा अच्छा रहेगा सबको सुंदर लगेगा सूत्र है ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा घातांक के इस नियम के अनुसार सेवन इंटू फाइव ये घात बाहर से फाइनल में थर्टी फाइव पावर फाइव कोई डाउट किसी को अंसारी जी समझ में आ रहा है अंकिता यादव नंद कुमार अदीपक राजभर रिंकी कंसल हाँ यूपीटेड का फॉर्म भी तो अप्लाई कर सकते हैं मतलब हाँ डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं जो लोग बीटीसी कर रहे हैं कर सकते हैं लेकिन सिर्फ फार्म फॉर्म डालने से कोई मतलब नहीं अगर पढ़े लिखेंगे नहीं तो क्यों क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हद हाँ तक बढ़ चुका है गुंजा सिंह आपको भी आया समझ में कुछ पक्का आया चल भैया उदाहरण तीन जैसे यक्स का पावर थ्री वाई का पावर थ्री जेड का पावर थ्री ये सूत्र से कैसे करोगे इस नियम से मैं इसको सूत्र लिख रहा हूं घातांक के नियम को बस याद रखना आप ठीक है ए का पावर यम बी का पावर यम मान लो मैंने जेड ले लिया पावर यम कुछ भी ले लो तो ये सूत्र होता है एक प्रकार से आपका इसी आधार पर कि ए बी जेड जो भी है इनको एक में करके अंदर में बाहर से ताला लगा लो समझ रहे हो ना जैसे मैंने कहा कि तुम भी यूपी वाले हो तो हम भी यूपी वाले हैं हाँ तो हम लोग में दोस्ती हो गई अगर गए दूसरे राज्य में और कहीं दूसरे देश में गए हैं बाहर तो हम लोग इंडिया वाले हैं भाई कम्युनिटी है आपस में मतलब एक छतरी के अंदर आ जाएंगे एक अंदर में समझ रहे हो तो वैसे ये क्या है इनका सबका बेस्ट अलग अलग है लेकिन घाते एक है समान है तो ये सब एक में आ जाएंगे ऐसे चले आगे बढ़े चलो डन अब इसी अकॉर्डिंग इसको करेंगे तो x का पावर थ्री वाई का थ्री इंटू जेड का थ्री इक्वल ये आपस में सब मल्टीपल हो जाएंगे यक्स वाई जेड बाहर से थ्री इसमें अब कुछ नहीं हो सकता है इनको ऐसे चाहे तो कर लो बस और कुछ नहीं हो सकता इससे ज्यादा इनका कुछ नहीं हो सकता आंसर ये जेड है लास्ट में थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा आपको ए रुक जा ये जेड है भैया चलो सभी को समझ में आ गया यस चंद्रकला सिंह समझ में आ रहा है पक्का आ रहा है चलो फिर अब देखिए बात करते हैं ये घातांक का नियम हो चुका है ख़त्म इस पर मैंने एग्जाम्पल्स भी कई करवा दिए इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर आगे काफ़ी लेट हो जाएगा ना तो आगे बढ़ सकते हैं हुँ? चल भैया ये नियम हो चुका है इस पे मैंने अच्छा अभी ये नहीं करवाया क्या प्रथक का आधार किंतु समान घातांक ये हो चुका है हाँ इसके पीछे का जो रीजन है शायद वो मैं आपको नहीं बताया ना एक मिनट रुको मैं वो भी बता देता हूँ भी सूत्र सूत्र बताया हूँ इसको लिख लीजिए देखिए कितना नियम पढ़ाना है आज ये चलेगा एक और जब घात के ऊपर घात हो अब इसके बाद उसको पढ़ेंगे ठीक है जब घात के ऊपर घात हो ये चीज शायद मैं कल भी पढ़ाया था क्या एक मिनट रुको असमान आधार व समान घात कल शायद पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था कल इसमें और क्या कर सकते हैं हम लोग जो नियम लगाया इसके अनुसार तो कर लिए क्या कुछ और कर सकते हैं बिना नियम फार्मूले के चलिए एक ट्राई करते हैं बिना नियम और सूत्र के कुछ इसमें कर सकते हैं क्या देखिए जैसे क्वेश्चन है मान लीजिए कि उदाहरण नंबर फोर अगर बेस अलग अलग है यही बात हो रही है ना भैया ये तो बिना नियम के अगर हम करेंगे तो क्या कर सकते हैं तीन का घात दो का मतलब तीन गुड़ा तीन कर सकते हैं चार के घात दो का मतलब चार गुड़ा चार कर सकते हैं यही ना हम्म हाँ बात वही बनेगी इनका सबका आपस में गुड़ा कर लेंगे फिर तीन त्रिका नौ और चार चौका सोलह तो सोलह नविया कितना होगा नौ छ चौवन और नौ नौ पांच चौदह एक सौ चौवालिस ये हो गया बिना किसी नियम से बिना किसी सूत्र का और वहीं इधर घातांक के नियम को लगा के देख लो बगल में कितना मजा आता है देख लीजिए इधर नियम वाले में नियम में होता है मेरे बाबू इनका आपस में मल्टीपल कर लेते हैं बाहर से घाते लगा देते हैं तो ये हो जाएगा बारह का घात दो और ये भी वही हो जाएगा आंसर वही आएगा ये है एक मैथमेटिक्स का रूल लग रहा है इसमें और इसमें कोई रूल नहीं लग रहा है ये सिंपल तरीके से हो रहा है आप मुझे कमेंट करके ये बताओ मैं आपको यही बताना चाहता था मैथमेटिक्स में आप ये जान सकते हो क्यों कब कैसे समझ रहे हो ना इसमें बाप से बेटे का बेटे से बाप का पता लगाया जा सकता है जैसे साइंस में होता है ना हम्म चलो आप सोच रहे हो ये कौन सी बात है ये इंडिया में नहीं बाकी देशों में होता है बाकी देशों के लोगों को नहीं पता होता है मेरे पिताजी कौन थे क्योंकि उनके मम्मी के हस्बैंड हर छः महीना दो चार छः महीना दस महीने बदलते रहते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर पता लगाया जाता है समझ रहे हो लेकिन अपने यहाँ का कल्चर नहीं है लेकिन कुछ मॉडर्न जमाने में यहाँ भी लोग चाहते हैं चलो ये हो गया अच्छा एक बात बताओ अगर इसको हम Q से दिखाएं इसको R से तो Q और R में आपको कौन सा ज्यादा पसंद आया किसको आप लाइक करते हो कैसा होना चाहिए हम्म Q और R दोनों में कौन ज्यादा पसंद आया जॉन डिसूजा बताओ ठीक है आगे बढ़े तो ये हो गया हाँ हो गया ही हो गया हो गया बेस अलग अलग और घाते समान अब अगले पे बढ़ेंगे ऐ भैया रुक जाओ एक मिनट जब घात के ऊपर घात लगी हो तब पृथक आधार किंतु समान घातांक जब घात के ऊपर घात लगी हो तब इसको दिखाएं रुक जाओ थोड़ा दिखा रहा हूं एग्जांपल यार बहुत सारे एग्जाम्पल यहां ऐसे भी दिए इनको भी दिखा दें पहले ये बता देता हूं फिर मैं इसको दिखाऊंगा पीडीएफ वाला अभी इसमें मुझे कम समझ में आ रहा मजा नहीं आ रही अगला नियम लिखिए नियम नंबर चार है पांच लिखिए नियम रूल फाइव जब घात के ऊपर घात के ऊपर घात लगी हो लगी हो लिखो है नहीं लगी हो तो घातों को आपस में गुड़ा कर लेते हैं ठीक है भैया हम्म पक्का जैसे a का पावर यम इंटू एक का पावर यवल तो हो जाता है a का पावर यम इंटू एन ये आपका हो जाता है इस रूल के अकॉर्डिंग फार्मूला सबको समझ में आया एक बार यस बोल दो फटाफट अगर ये बात समझ में आई तो एक बार हाँ बोलो नहीं कुछ बोलोगे ना तो मैं इतना उल्लू नहीं हूं बड़बड़ाता रहूंगा किसी से तुम बात भी करते हो फोन में कम से कम हम्म हाँ हम्म कुछ तो बोलना पड़ता है ना वैसे ये मैं करता हूँ ऐसा क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलने में मज़ा नहीं आता है बस हाँ हा, 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 हाँ 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 हम्म 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 ऐसे हम भोजपुरी ऑफिसर ए बाबूआ तुम चश्मा लगा लेना एक ठीक ऐसी चश्मा लगा ले डबल बैटरी कब दिखने लगेगा कि क्या है अंकिता दीपक नंद शिरोमणि अब बाकी लोग का यहां तमाशा देखे आया का हो तो वो लोग कुछ बोला कुछ बकूरा मुझे से, कि हाँ सुनाता है दिखाता सुना है, दिखा है, है? चलो फिर आगे बढ़ा जाए वही के बाद पूरी रहे ना कुछ अधूरी तो अब इस पे हम लोग क्या करेंगे एग्जाम्पल अब इसके लिए उदाहरण नंबर एक जब घात के ऊपर घात लगी हो मतलब नारियल देखो, नारियल में तो थो थोड़ा कम समझ में आएगा प्याज देखो प्याज प्याज में देखो कटोरे के अंदर कटोरा कटोरे के अंदर कटोरा जितना परत छीलो उतना निकलता जाता है है ना और एक से एक गोरा उसके अंदर और गोरा उसके अंदर और गोरा बाकी उसके बारे में बात बात करेंगे चलो देखो जैसे पांच का घात तीन इसमें लगा है दो ठीक है ए भाई कुछ ज्यादा ऊपर चला का हो ही जिंदगी में इतना ऊपर भी ना जाओ कि लोगों को दिखाई ना पड़े नहीं तो कोई मतलब नहीं है नीचे आ जाओ तुम थोड़ा सा चलो तो उस नियम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं अब मैं यहां इसको सूत्र लिख देता हूं ठीक है फालतू इतना बड़ा लिखूंगा तो अच्छा नहीं है यम इसका यन इक्वल हो जाएगा ए का यम इंटू एन घातों का आपस में क्या हो जाएगा गुड़ा हो जाएगा तो नीचे इसको लाके रखेंगे पटक देंगे यही छटकने ना पाए बस पटक तो दो यहाँ पे चलो नहीं तो पड़ेगा तो पांच की घात तीन गुड़ा दुई ठीक है हो राजा बाबू भैया चलो ये क्या होगा आंसर अच्छा एक बात बताओ एक बात बताओ तुम कि पांच की घात छह का मान क्या होगा प्यार से बताना इज्जत और ईमानदारी के साथ दोनों साथ में देखो जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि भैया हो तीन का घात दुई का मतलब ना होता है वो काहे को होता तुम्हें अच्छा लगता है तो वैसे मुझे पाँच का घात छः का मान बता दो और मैं चुप्पे से लिख दूँ और जिससे मुझे लिख, इसको जोड़ना घटाना ना पड़े हाँ चलो बताओ मैं लिख रहा हूँ क्या आएगा सबरीन खातून बहुत अच्छे भाई वेरी गुड दिनेश कुमार बंद गोभी भी एग्जाम्पल है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही एकदम चवचक जवाब दिया हो देर से आया लेकिन धूम मचा दिया आ, 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 कैमरे की मैं बैटरी चेंज करूँगा मुझे आप लोग बस आधा मिनट देना कैमरे की बैटरी चेंज करूँगा जाना नहीं कहीं बोल दो एक बार हाँ यस कंफर्म कर दो मैं बढ़ जाऊँ आगे हम्म अरे कुछ तो बोला कहे शर्मा हूँ हाँ वाली बात थोड़ी होती है क्या और सुन ले बोले रहो बोले रहो चलो ठीक है बहुत अच्छे बरे गुड बरे गुड, गुड पंद्रह हजार छः सौ पच्चीस पंद्रह हजार छः सौ पच्चीस अधिकांश लोगों ने बताया है और गुड़ा कितना बार करना था वो भैया जब भी करना था छह बार करना था ठीक है तो कितना आएगा पंद्रह हजार छह सौ पच्चीस पंद्रह छ दो पांच ये हो गया आंसर ये तो हो गया सूत्र के माध्यम से अगर इस पर हम सूत्र ना लगाते तो क्या होता आइया फिर दूसरे भाषा में कहें कि इसका अच्छा स्वरूप दिखाओ ये तो सूत्र हो गया तो ऊपरी उपरी जिंदगी हो गई जैसे देखो मुझे आप कैमरे में देख रहे हो मैं बहुत अच्छा इंसान महसूस हो रहा हूं पढ़ा रहा हूं प्यार से सीधा साधा लग रहा हूं छोटा सा मासूम सा बोला भाला है ना लेकिन क्या रियल में मैं ऐसे हूं कैमरे के सामने ऐसा दिख रहा हूं ना तो वैसे क्या है इसकी इंटरनल लाइफ क्या मैं वो दिखाने वाला हूं आपको इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखो कैसे मैंने क्या क्वेश्चन दिया था पांच का तीन और एक का दो यही दिया था ना अब एक मिनट के लिए मानो मुझे कोई सूत्र नहीं पता है हमें कोई फार्मूला नहीं पता है तो इसको कैसे करेंगे बिना फार्मूला के देखो बिना फार्मूला के देखो देखो ना नहीं नहीं तुम देखो ना तुम देखो ना देखो अगर भैया हो, होता इत का होता तब तो तुमको अच्छे से पता है कि पांच का घात दुई का मतलब पांच गुणा पांच तो तुम्हारी पूरी घर परिवार फैमिली को भी पता है कि पच्चीस होता है हु? थाई, 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 मतलब थाई, पक्का? चलो अब इसको देखो तो इसमें क्या है इस पांच की जगह पे पांच का घात तीन है एक मिनट के लिए मान लो एक मिनट के लिए मान लो कि ये पांच की घात तीन नहीं है सिर्फ पांच है इनको ऐसे पैक कर लो हा तो इनको हम ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं भैया दुई घात है तो मतलब इनको दुई बार पटक दिया बोलो एक बार हाँ यस लिख सकता हूं पक्का अब नहीं बोलोगे ना हम गरिया देंगे जान लो चलो देखो मजाक कर रहे नहीं गरियाएंगे ऐसा नहीं हम इतने गंदे नहीं तो पाँच की घात तीन गुड़ा तीन ना अब अगर ये तीन घात का मतलब समझें जैसे यहाँ पर दो घात का था तो ये पाँच गुड़ा पाँच गुड़ा पाँच है ना अब इनको अगर हम दूसरे कलर में दिखा दें तो ऐसा हो जाएगा कहो भैया अब ये तीन बार ये तीन बार ये ए, रुक ना ये तो फाइनल में कितना हो जाएगा पांच के घात छः और पांच की घात छ का मतलब का हुआ हो भैया लेकिन हम इात में काहे बदले हमें आंसर लाना है तो हटा ना इसको चल निकल ले पचम पच्चीस पंचे एक सौ पच्चीस पंचे छः सौ पच्चीस पंचे इकतीस पच्चीस पंचे पंद्रह हजार छः सौ पच्चीस बताओ ये समझ में आया ये इसका अफली रूप था वो वाला अंदर वाला बिना किसी सूत्र के अगर समझ में आया तो मुझे ये बताओ अगर आपको हमारी इस क्लास को दस में से नंबर देना हो मैक्सिमम पूर्णांक दस हो तो यह बताओ दस में से कितना नंबर दोगे जिनको बहुत अच्छे से आया वो दस देंगे बोलो दस कमेंट करो जिनको थोड़ा सा कम आया वो नौ देंगे जिनको और कम आया वो आठ देंगे हाँ इससे कम मैं नहीं लूंगा और अगर तुम्हें लग रहा है कि बिल्कुल कंधेला पढ़ा रहा है एकदम तो तुम जीरो या वन बता दो चलो देखते हैं क्या आपके दिल में है मेरे लिए चल भैया जल्दी से यस नंबर केवल पांच नाम बोलूंगा फर्स्ट के बस अरे हर राजा तुम तो बहुत अच्छा है पूरा पूरा पूर्णांग दे दिया सब लोग अंकिता यादव समरीन खातून एसबी गेमिंग गुंजा दीपक तब क्या आएगा एकदम झूठ ना बोला बिल्कुल झूठ जिन बोला ठीक है चलो आगे बढ़े फिर पक्का ऊपर ज्यादा नहीं हो रहा है मैं नीचे खिसका दे रहा हूं ऊपर कुछ गया नहीं है तुम टेंशन नहीं लेने करे बाबा ये देखो ना ये कुछ नहीं ऊपर 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 वाला है उसको रहने दो वहीं आराम से चलो देखो कुछ और एग्जांपल्स देखो उदाहरण नंबर इसमें का हमें लगता है दुई ले लो अच्छा यक्ष की घात तीन फिर और ऊपर ले जा रहा है नीचे आ नीचे आ यक्ष की घात तीन एक खोपड़ी पर घात दुई चल भैया बताओ क्या आएगा क्या आएगा ये हम्म कितना आएगा आगे बढ़े बोलो एक बार कुछ तो बोलो ना यार बोलो ना कुछ तुम एक बार तो बोलो चलो ठीक है तो इस नियम के अकॉर्डिंग पहले हम इसको लिख देते हैं कि जब पावर के ऊपर पावर हो तो इनका गुड़ा कर लेते हैं ये आपका सूत्र है ये आपका नियम है तब तो फलाने का शर्माता फिर ये का पावर तीन था हो। ये पे दुई था तो ये का पावर थ्री इंटू टू फाइनल में का पावर सिक्स अब का तुमको लगता है कि के पावर छह सौ पचीस लिख देंगे ऐसा तो, तो ना ही होगा ना कुछ लोग ना हमको कहता है कि बिहारी हम बिहारी नहीं है हम, हम कट्टर यूपी वाले बस ऐसे हमारे ऐसे कुछ लोग जुड़े हैं बिहार से काफी अच्छी फ्रेंडशिप है बिहार वालों से तो थोड़ा थोड़ा ढल गए हैं बस बहुत अच्छे वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छे बहुत अच्छे कितने अच्छे हो यार आप लोग मुझे तो विश्वास नहीं था तुम तो हमारे उससे भी ज्यादा अच्छे निकले चलो हम्म कितना मिनट हो गया काफी ज्यादा हो गया तो ये इस तरीके के बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स ले लो और इनको रख लो समेट के कर लेना उदाहरण नंबर है सही लिख दो का डॉक्टर वाली भाषा लिख रहे हो मैथ वालों को ऐसा नहीं लिखना चाहिए उदाहरण नंबर चार पांच कुछ भी मान लो तीन का घात दो इसकी घात पाँच ये पहला हो गया सात का घात पाँच इसकी घात दो ये दूसरा हो गया ये नंबरिंग है बारह इनका आंसर करके मुझे अभी मैं ईमेल आईडी दूंगा उस पर भेजोगे ठीक है या फिर वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो कोई बात नहीं माइनस दो इसकी घात पांच चार नंबर क्वेश्चन है सेवेंटी वन माइनस सात कुछ अलग तरह के भी क्वेश्चन है इसमें लेकिन ट्राई करोगे मैं देखूंगा कि तुम सोच कहां तक सकते हो मेरे भाई कौन है दांत निकाल रहा है रात के टाइम डर आ रहा है हाँ अरे दांत वाँत ज़्यादा मत निकालो भाई किसी को डराओ मत बेचारे का दिल धड़क जाएगा तो चलो ये हो गया इसको कर लेना आप आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाते हैं इसमें यार इसमें ना जो भिन्न वाला था मैं वो नहीं बताया ना आपको एक भी ए भाई आवाज़ ना करो आप फ़ोन अब ए, मिस्टर पड़ोसी मजा रहा है। जाओ इसको करिया दें थोड़ा सा ए, बंद ये आला हो गया नियम पेज पर इसके बाद इसके बाद एग्जाम्पल्स हैं ये तो आपको समझे में आ रहा कहो तो मैं समझा देता हूं इसको समझा दूं क्या देखिए क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है इसको समझाऊं क्या हम्म समझाऊं इसको देखो बता देता हूं थोड़ा सा ये भी एक क्वेश्चन है आ, ये ऐसे लिखा था एट का पावर सिक्स एट का पावर सिक्स डिवाइड बाई नाइन का पावर सिक्स ठीक है ऐसे था समझ रहे हो ना हम्म देखो समझो यहां पे तो ये चिन्ह का मतलब होता भाग ये तुम्हें पता होना चाहिए देख लो पहला ये कि जैसे अगर कहीं लिखा है ए डिवाइड बाई बी या दूसर का ए बटा बी या तीसर का ए अनुपात बी तो भैया हो ये तीनों का मतलब एक ही होता है याद कर लो जैसे किसी का नाम स्कूल का अंकिता है घर का नाम शिरोमणि है अब पता नहीं है गर्ल्स का नाम है बॉयज का मुझे नहीं पता लेकिन अलग अलग हो सकता है आजकल तो लड़कियों का नाम पंकज भी होता है संतोष भी होता है मोहित भी होता है जब लड़कियों के नहीं लड़कों के कपड़े भी लड़कियां पहन सकती हैं तो लड़कों के नाम भी लड़कियों के रखे जा सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है तो इसलिए मैं बता दिया तो यानी इंसान तो देखिए नाम अलग अलग है समझ रहे हो ना मेरा घर का नाम सोचो क्या होगा मेरे घर का नाम आर जे यू है सब लोग पहले बुलाते थे छोटे थे रजुआ ओए, सुन रहा है मम्मी आती थी ना आगे नहीं बताएंगे अपनी बात नहीं बतानी चाहिए चलो समझ गए तो इन तीनों का मतलब क्या है एक ही है ठीक है तो अब इसका अगर समझ गए तो तो फिर फिर मैं जल्दी से इसको खत्म करता काहे को देर तो यहाँ पर देखो भाग का भी चिन्ह लगा है ना हम्म लगा है तो ये घात छे का मतलब इसको छह बार लिख दिया इसको घात नौ है मतलब घात नौ नहीं है वो भी है ये भी छह बार लिख दिया अब इनमें क्या हो सकता है इनको अलग अलग कर दिया अब ये में कुछ नहीं हो सकता ये छह बार था तो इसकी घात छह लगा दिया नौ बार था तो नौ घात लगा दिया बस आगे क्या किया इसमें कुछ नहीं किया समझ रहे हो ना आप लोग इसी प्रकार या इसको भी कर लिया है अलग अलग इसको भी मैं बताऊं क्या चलो इसको मैं बता ही देता तो तुम लोग कहोगे क्या फालतूगा इसी में धकेल गया कुछ समझ में नहीं आया इसको बता देता हूं चार बटा तीन और पांच बटा छे चार बटा तीन और पांच बटे छे देखो चार बटा तीन और पांच बटे छ चार बटा तीन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पांच बटा छ इनकी घाते क्या क्या थी पता है तुम्हें हम्म पता है भाई रूपेश जी बहुत बहुत वेलकम है आपका आ, इनकी घाते तीन तीन थी क्या थी बाबू तीन तीन थी चलो यार बार बार ऊपर ज्यादा चला जाता है दिख रहा है ना तीन तो देखो समझो पहले तो भाग का चिन्ह अगर लगा हुआ है तो इनको हम ऐसा लिख सकता हूं चार बटा तीन और एक बड़की लाइन खींचो चाहे बड़की ना खींचो इनको दूसरे कलर में कर लो रुक जा देखो इनको बड़के कलर में कर लो पांच बटा छे ए रुक जाए यार मैं कुछ और दिखाना चाहता हूं ये थोड़ा अलग दिखे तो इनकी घात क्या थी तीन इनकी घात भी क्या थी तीन मैं आपको यही दिखाना चाहता था अंतर दोनों में ठीक है अब इनकी तीन घाते हैं साथियों तो ये हो जाएगा चार बटा तीन गुड़ा चार बटा तीन और गुड़ा ये चार बटा तीन ठीक है भैया नीचे इनकी घात पांच बटा छ वाले को ले लो पांच बटा छ और पांच बटा छ और ये पांच बटा छे ठीक है इसमें कोई डाउट किसी को हम्म नहीं ना आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं नीचे हमारे मेंबर बन सकते हैं मेंबर मतलब हमारे दिल के टुकड़ा बन जाते हैं आप लोग समझ रहे हो फिर आपको कुछ अलग व्यवस्था मिलती है बताएंगे उसके बारे में बाद में नीचे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन लिखा होता है आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो ठीक है भैया चले आगे बढ़े चलो तो ये फोर अपान जो भी है इतना लिख दिया मैंने अब आगे आपको दिखाते हैं इसको देखिए यहां आइए मैंने क्या किया यही तो किया जो यहां लिखा है यही तो लिखा ना फिर नीचे इन्होंने क्या किया उसी चीज को फिर से नीचे लिख दिया हम्म ये देखो इनको सबको एकम एक अर्झा दिए एकम लिख दिए फिर क्या किए फिर इनको हल करे हैं कितना लंबा खींच के करा यार ये मैं भी ऐसा लगाऊ क्या हम्म फिर कह रहा पर इसको स्वयं हल करने की कोशिश करें गजब क्या कर भैया इतना खराब आदमी ये लोग चलो मैं बता देता हूँ जाने दो मैं अपने पर से कहा मेहनत कराऊ मैं ही कर देता हूँ ना चलो ठीक है तो आप क्या करेंगे इसको तो मैं आपको डिस्क्राइब करने के लिए दिखा दिया इनको एक काम कर सकते हो पता है क्या मिनट इससे कंपेयर करके दिखा दूं पहले जैसे इसमें बताए यहां पे देखो आप लोग समझो इन्होंने इसको ऐसे काहे किया इसी को मैं समझा रहा हूं ना ये पहली बात तो घात में लिखा था फिर इसको उन्होंने घात से ओपन किया और फिर उसके बाद इसको सब अलग अलग फ्लोर पे कर दिया बीच वाला इनका पोर्शन तोड़ दिया पता है कौन सा तोड़ा क्या देखो यहाँ पे आपको समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बताया तो मैं भी वैसे बताऊंगा ये यह लाइन यहाँ पे देखो तो डायरेक्ट मिल रही है डायरेक्ट मिल रही ना हम्म लेकिन यहाँ पे देखो तो ये छोटी छोटी कर दिया सबको अलग अलग कर दिया ये सबको अलग अलग कर दिया अलग अलग कर दिया जिससे इनका कोई इनसे उम्मीद ना रह जाए चलो देखो तो हम भी ऐसे करेंगे अब हम इतना बड़ा लफड़ा काय को करेंगे छोड़ो सीधा फिदा तुम करो ना इनको सीधा फिदा यही कर लेना था इधर ना लिखते तब भी चल जाता कोई बात नहीं है ये समझाने के लिए ऐसा किया गया बाकी इसको लिखो या ना लिखो तब भी इसका कोई मतलब नहीं है उतना तो आप लोग समझदार हो ना तो इनको मैं डायरेक्ट ऐसे भी तो कर सकता हूँ चार बटा तीन और बड़की लाइन खींच के नीचे वाला भी लिख लो पांच बटा छः ठीक है इनकी घाट टोटल लगा दो तीन बोलो कुछ समझ में आया कि नहीं थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसमें बस सिर्फ थोड़ा सा बाकी कोई दिक्कत नहीं अब एक चीज समझो उसको करने के लिए अगर कहीं ए बटा बी है और सी बटा डी है भैया समझना यहां से एक सूत्र तो आपको इसका ऐसे मल्टीपल करना होता इसका ऐसे यानी ए का डी में करना होता है और बी का सी में बस यही सूत्र होता है ये भी आप याद कर लीजिए चाहे तो।, तो इसी तरह का जब हम इसमें जुगाड़ लगाएंगे तो ए का डी में इसमें करेंगे हम्म और इसका इसमें करेंगे बस यही कर लेंगे बस हो जाएगा फाइनल आगे दिख रहा है चलो तो चार का छह में ये हो जाएगा चौबीस और तीन का पांच में हो जाएगा पंद्रह इसकी घात हो जाएगी तीन अच्छा एक काम हम और कर सकते हैं पता है क्या इसमें थोड़ा सा एक जुगाड़ कर सकते हैं इसको थोड़ा बैक करो देखो इनको चार का छे में गुड़ा ना करो चार गुड़ा लिखो इनको तीन गुड़ा पांच लिखो देखो अभी बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया बाहर से तीन लगा दो अब तीन से काट दो तीन दुना नीचे केवल पांच बच रहा है ऊपर आठ बच रहा है चार दुना आठ देखो क्या ऐसे बनाया इन्होंने नहीं बनाया तो इन्होंने क्या किया वो देख लो फिर इन्होंने करा ही नहीं है गादा कहीं का कह रहा है कि परशिक्षु इसी प्रकार का उदाहरण लेकर के खुद करें करें या ना करें बाढ़ में जाए चलो हम तो लगाई दे रहे हैं ठीक है ये हो गया इसको अभी फाइनल आंसर नहीं हुआ फाइनल कर लो आठ का आठ बार कूड़ा करो आठ ढाई चौसठ अट्ठे पाँच सौ बारह होता है क्या हम्म पाँच सौ बारह होता है भैया होता है ना तो ये हो जाएगा पांच सौ बारह और ये एक सौ पच्चीस ये आंसर हो गया सभी को समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं किसी को कोई परेशानी तो कमेंट करके बता दो तो एक बार कि क्या गड़बड़ है एक बार बोल दो समझ में आया सभी को हम्म आदि जी के वीडियोज प्रतिमा यादव समझ में आ रहा है सभी को समझ में आ रहा है तो एक बात याद रखना अगर आप लाइव देखोगे तभी ये क्लास मिल पाएगी इनके सारे भाग आपको यूट्यूब पर बाद में नहीं मिलेंगे जो लोग अभी देख रहे होंगे शुरू के चार छह क्लास यूट्यूब पर मिल जाएगी बाद में ठीक है फिर आप लाइव आओगे अगर डेली दस से ग्यारह के बीच में तभी पढ़ पाओगे तो थोड़ा रात का चैन सुकून आराम थोड़ा सा त्यागिए जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है कहते हैं अगर स्वर्ग भी चाहिए तो उसके लिए मरना पड़ता है बिना मरे स्वर्ग भी नहीं मिलता है सही बोल रहा हूं ना हां तो तो अगर आपको मैथ सीखना है बीटीसी डीएलएड पास करना है पास करके अपने उनके यहाँ जाना है वो सपना आपने देखा है हां अधिकतर लोगों का सपना बीटीसी वालों का ही होता है नॉर्मली मुझे पता है है ना तो तो मतलब समझ रहे हो ऐसे ऐसे मैं देखा हूँ केस मैं जानता हूँ ऐसे ऐसी लोगों की अंदर की बातें नाम नहीं बोलूंगा किसी का कि उनके घर वाले बी टी इसलिए करवाते हैं कि शादी हो जाएगी आराम से हाँ गर्ल्स की स्पेशली बात करें हाँ बेटिया बी टी कर करे है सीटर की तैयारी कर दिया है हुआ है ना हुआ वो अलग बात है पढ़ रही है नहीं पढ़ रही अलग बात है बैक लग रहा है हर बार चच्चा पापा जाके जुगाड़ लगवा के पास करवा दे रहे हैं वो अलग बात है लेकिन हाँ बी सी कर रही है तो अगर आपकी ये कंडीशन है तो कोई मतलब नहीं है सब करने का हाँ अगर आपके अंदर जोश जुनून है कुछ करने का, का भविष्य बनाना है, तो है। है? तो अधिकतर ऐसे भी होते हैं लिखिए घातांक का नियम नंबर छ जो हमने नियम अपने हिसाब से काउंटिंग किया है कहीं बुक में आपको नंबर नहीं मिलेगा इस तरह से रूल नंबर ठीक है रूल नंबर छ या फिर हिंदी में अब तक लिख रहे थे ना घातांक का छठवा नियम घातांक का छठा नियम घातांक का सिक्स नंबर रूल क्या कहता है जब घातांक में जब घात समान और आधार असमान हो हाँ यही था ठीक है ओके लिखिए परिभाषा लिखवाऊं क्या परिभाषा लिखाने से कोई मतलब नहीं है केवल मेन पॉइंट लिखाता हूं ना जब ए की पावर एम बी का पावर यहां पर क्या है इसका शायद एक पहला वाला पार्ट आपने देखा था जब गुड़ा वाला में था है ना मतलब जो बेस है वो अलग अलग हो पावर सेम हो तो मल्टीपल वाले में आपने देखा इसको मैं बता चुका हूं पहले ना हम्म तो इसमें क्या होता है जानते हो मेन मेन पॉइंट क्या होता है इसमें इसमें मेन पॉइंट कुछ नहीं बस यही होता है कि इसको ए बटा बी और इसकी पावर बहरे सेन कर देते हैं बस यही इसका कुल मिला के फाइनल रिजल्ट है ठीक है यही कहता आपका घातांकर नियम नंबर छे इसमें साथियों उल्टा भी हो सकता है अथवा यह भी लिख देता नहीं कुछ लोग कंफ्यूजन में रहेंगे भैया जिंदगी भर ये उल्टा भी हो सकता है इसमें कोई बुरी बात नहीं है आगे लिख दूं क्या अथवा यहां लिख लो अगर यह बी का पावर n है ए का पावर n तो बी अपन ए का पावर n ये भी हो सकता है ये भी पॉसिबल है दोनों मतलब एक है कुछ अलग नहीं है ठीक है कोई दिक्कत नहीं किसी को एनी वन कोई परेशानी चलो लिख लो किरण भाटी दीपक राजभर काब्या फारूक अंसारी हाँ ठीक है आप लोग सेशन को लाइक भी कर दो भैया बाबू सेशन को लाइक तो करना आपकी जिम्मेदारी है ना हम्म चले आगे नेक्स्ट अब एग्जाम्पल देखेंगे इस पर हो सकता है कुछ एग्जाम्पल पहले हुए हों लेकिन हम आज फिर से उन्हें लेंगे बहुत ऊपर तो तक जगह मैंने बना लिया है अब इस पे क्वेश्चन नंबर पहला आठ का पावर सिक्स डिवाइड बाई ग्यारह का सिक्स ध्यान रहे घाते समान होंगी और बेस अलग अलग होगा ठीक है तो फाइनल में इसे हम कर सकते हैं आठ बटा ग्यारह इसका पावर छ क्यों यही ना ये क्यों होता है कैसे होता है इसको चाहे तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं नहीं तो कोई जरूरी नहीं है समझ रहे हो ना चलो एक बार मैं बता देता हूं आखिर क्यों और कैसे इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं क्योंकि जानना जरूरी है आपको है ना आ, ये आंसर है इसको थोड़ा अलग कलर में लिखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि थोड़ा अलग दिखना चाहिए इसको ये समझ में आया सभी को तो एक बार यस बोल दीजिए फिर मैं आगे बढ़ जाऊं इसको ना कुछ करूं और चाहते हो तो मैं इसको कुछ बताऊं आगे एक्सप्लेन हम नहीं बोलोगे रहे हो चलो देखो फिर देखो भैया एक्चुअली में बात यह है कि आठ का घात छे हम्म बारे में सबसे पहले ऐसे देखो जैसे भाई साहब अगर कहीं टू डिवाइड बाई थ्री ऐसे लिखा है ना समझ लीजिए तो इसको हम दो बटा तीन लिख सकते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है ठीक है और इतना ही नहीं इसको हम बराबर में दो अनुपात तीन भी लिख सकते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है मतलब मोटा मोटा ये समझे मेरे भाई लोगों तो ये तीनों एक है चीज हैं। बोलो एक बार हां यद समझ में आया ये कुछ नहीं है सभी को समझ में आया ना तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ठीक है आइए बात करते हैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं बिना मतलब की चीजों पर भी थोड़ा सा क्योंकि हर चीज समझना चाहिए थोड़ा मोटा चलेगा तभी दिखेगा तो इसमें एक काम कर सकते हैं पता है आ, सबसे पहले ईमानदारी के साथ हम इसको आगे हल करेंगे वहां पर अब इसको छोड़ दीजिए जो हल यहां पर बताया था इसका कोई मतलब नहीं है अभी आता कैसे है हम इसको देखेंगे देखिए आठ की घात छ थी तो इसको हम आठ की घात छऐ ऐसे लिखेंगे और ग्यारह का घात छ था तो इसको ग्यारह का घात छे ऐसे लिखेंगे ठीक है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे आता है और देखो भैया जैसे मैंने कहा था कि बाबू दुई और ऐसा तीन लिखा है तो एक का हम दुई बटा तीन लिख सके थे ना ये बताया था तो जैसे हम इसको लिख सकते हैं वैसे इसको मैंने कर दिया इसमें घात वात में कोई हेरा फेरी नहीं करा चलो अब आगे क्या होगा देखो आठ की घात छ का मतलब यह है कि इसको आठ और गुड़ा आठ छह बार लिखा जाए कितने बार छे बार चार एक पांच एक छे कितना बार छे बार ठीक है कोई दिक्कत नहीं किसी को नहीं एक बड़की लाइन खींचो ये भी छह बार हो गया ठीक है अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वो लाइन जो मैं लिखा था कैसे और क्यों कर सकते हैं अब इनको अलग अलग तोड़ोगे अलग अलग तोड़ोगे अलग अलग तोड़ो चलेंगे फिर वहीं कहीं और नहीं जाएंगे बस ये सारी नौटंकी करके ठीक है डन अब देखो समझो यहां पर ये जितनी बार है एक दो तीन चार पांच छह जितनी बार है फिर आठ बटा ग्यारह घात छह हो जाएगी मतलब आया आंसर वही अरे भाई सिंपल सी बात है अरे बाबा देखो इधर साइड में तुम चुप्पे से समझ लो आगे पेज पे या ऊपर है बता दूपरे देख लो इसी में देखो सीधी सी बात यह है कि जैसे आपको पता है लिखा है तो एक मतलब होता है कि दुई का घात तीन हर किसी को पता है ना इसका मतलब पता है ना या ऐसा हो सकता है ना तो इसलिए ये छे बार था इसलिए छे लिख दिया तो ये हुई इसके पूरा एक्सप्लेन करके कहानी अब मैं थोड़ा थोड़ा बीच में रुक जा रहा हूं ये मत कहना कि आवाज नहीं आ रही ठीक है थोड़ा थोड़ा मैं सबर कर लेता हूं बीच में अब मिटाना है यह हो ना बात ओके चलो तो ये हो गया बस खत्म सबको समझ में आ रहा है ना ये कौन हाँ का है अच्छा है? तो हम कुछ नहीं बोले तू लोग की कर रही हुआ। आगे बढ़े तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड सेवन अपान नाइन और एटीन अपान फिफ्टीन लिखो कितना एटीन अपान फिफ्टीन इनकी पावर टू यार घात समान रहेगी ना भैया हाँ ऐसा सूत्र में ही कहा था पीछे आ जाओ और पीछे आ जाओ ये पावर इक्वल रहेगी सब में पावर समान रहेगी केवल बेस अलग अलग रहेगा बस ठीक है आगे बढ़े समझ में आ रहा सबको साहिल समझ में आ रहा है अफान चलो ठीक है देखिए इनको भी हमें क्या करना है वही करना जो अब तक करते आए हैं एक चीज़ आपको पता है गुड़ा करने पर भाग करने वाला जो पहले की समस्या थी वैसे ही चलेगा आइए पहले आंसर बताएं कि एक्सप्लेन करें क्या कह रहे हो पहले आंसर बताएं ठीक है।, है देखो भैया सिंपल सी बात है सिंपल सी बात तो सब कुछ है लेकिन सिंपल लगता कहां है जैसे बटा... ए, बटा 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 ए जैसे ऐसे लिखा है ना ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये होता है ना बोलो ये ये इसका मतलब चचा इतना ना ही होता है एक आगे भी एक होता है इसको दो अनुपात तीन कह सकते हैं इन तीनों का मतलब एक कह है ये सब मौसेरे भाई आपस में है ये लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए बस ये थोड़ा पतला इसको भी थोड़ा हेल्थी बना देते हैं लो ठीक है ये समझ रहे हो ना तो इसको भी अभी हम ऐसा कुछ करेंगे तो फिर आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए इसीलिए इसीलिए इसको दिखा रहा हूं पहले नहीं तो कहो कि चॉकलेट दिखा के मिर्चा खवा दिया तो ये हो जाएगा सेवन अपान नाइन इसकी पावर टू एक के नीचे आके घुस जाएगा ये एटीन अपान फिफ्टीन एक के पावर टू ओके ठीक है अब क्या कर सकते हैं अब आगे देखो इसकी घात दो है तो भैया हो इसको हम दो बार लिख सकते हैं ये भी दो बार है अभी तो इनको हम झेल रहे हैं ज्यादा देर नहीं झेलेंगे इनको इनको अभी देखो निपटा देते हैं यही निपटा देगा इनको हाँ? इनको यही निपटा दें पीछे दें वे दे। का लेके आवा इतना दूर देखो इसको तीन से डिवाइड कर सकते हैं तीन अठारह तीन पची पंद्रह तो ये छः बटा पांच और गुड़ा ये छः बटा पांच हो जाएगा ठीक है डन कोई दिक्कत परेशानी किसी को तकलीफ बताओ ना चलो बोलो दीपक राजभर अनुष्का पांडे थर्ड वाला इतना मतलब कितना फर्स्ट सेमेस्टर वालों को बोलने नहीं देते हैं थर्ड वालों को खोपड़ी चढ़ाए हैं इनका ही कहने का मतलब है नहीं इतना दुभेद नहीं होता यहाँ पे सब लोग ऐसे हैं बराबर है चलो आगे चलें तो अब क्या करना है इसमें भैया अब तो हम नहीं पता है क्या करे क्या हो चले आगे बढ़े आप देखिए इसमें अगर कुछ कट पीट सकता है तो काट पीट दीजिए नहीं कट पीट सकता है तो कुछ मत करिए भैया घात वात लगी थी ना हमें हम एक का गुड़ा रहे हैं ना तो इनको अलग अलग बीच में ब्रिज तोड़ दीजिए ये कर सकते हो अब आगे ठीक है मतलब आगे दिखेगा ना अभी जगह तो है ठीक है देखो अब इसका क्या करेंगे सेवन अपान नाइन और ये आपका हो जाएगा सिक्स अपान फाइव ये अलग अलग हो जाएंगे अब अपना अपना ले लेके सब समझ रहे हो ना बीच में गुड़ा का चिन्ह आंसर वही आएगा जो था पहले बस केवल ये वजह ही हो, हो रही फालतू एक बीच में इतना ठीक है कोई दिक्कत नहीं अब क्या करना है इसमें अरे भाई घात लगा लो बस लेकिन कुछ गड़बड़ ना हो जा भैया अब गुड़ा कर लोगे कि नहीं यार क्या क्या था ये क्या से क्या हो गया एक मिनट रुको 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 हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब इसकी घात क्या करेंगे दो लगा देंगे देखो जैसे समझो इसमें थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा मुझे भी हो रहा है वही तुम्हें भी हो रहा है मुझे पता है देखो देखो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे पहले समझो थोड़ी सी बात जैसे अगर कहीं एक बटा दो कूड़ा एक बटा दो लिखा है न, तो इसको हम एक बटा दो का घात दो कर सकते हैं ऐसा कर सकते हैं ना इसको सिर्फ इतना देखना बाकी और एक्स्ट्रा मत देखना ऐसा कर सकते हैं ना तो हम इसको पूरा पूरा एक भिन्न मान रहे हैं लंबी वाली इतना इसको मान लो एक भिन्न है और ईद की उसकी पड़ोसन है समझ रहे हो तो क्या करेंगे जब दोनों सब एक के समान है इनके खोपड़ी इनके हाथ इनके पैर तो उनके स्क्वायर कर देंगे बस सिंपल सी बात है चल भाई बैक आ आगे जगह है ना ए भाई चल तुम भी एक लाइन और लिख जा बस सेवन अपान नाइन और ये फाइव फाइव नहीं था सिक्स अपान फाइव इसकी घात दो बस ये क्या हो जाएगा फाइनल हो जाएगा और क्वेश्चन क्या था ये था ना तो इसको एक लाइन और हल कर सकते हो जानते हो कि नहीं भुलाया गया हो का देखो समझा देता हूँ पहले इधर लाइन में आ जाओ साइड में इधर आ जाओ तब जैसे अगर ए बटा बी है सी बटा डी है तो ए में तुम लोग का बताए रहे कि आई से कह लिया ना मतलब बहरे का बहरे और अंदर के अंदर गुड़ा कह लिया तो कितना हो जाएगा ए का डी में ए गुड़ा डी और बी का सी में बी गुड़ा सी यानी कि बाहरे का बहिरे अंदर के अंदर घर एक बात घर मरा है। समझ रहे हो चलो फिर यानी इसमें क्या होगा सेवन का फाइव में नाइन का सिक्स में ठीक है तो दिख तो रहा है ना यहाँ पे थोड़ा मैं छोटका छोटका लिख सकता हूं ना छोटका छोटका लिख लेंगे सात का गुड़ा पांच में हो जाएगा पैतीस और नौ कक्षा अच्छा में नौ छंक चौवन एक एक घात दुई अब चाहे तो इसको स्क्वायर करके आंसर के ऊपर डिपेंड करता है अगर फाइनल में कहीं हल करना रहेगा तो स्क्वायर करके मान भी लिख सकते हो और या फिर अगर ऑप्शन में है क्वेश्चन तो ऑप्शन में आ जाएगा सही हो जाएगा ठीक है बस यही छोड़ देते हैं किसी को कोई डाउट किरण भाटी कुछ समझ में आ रहा है युवराज फराना अंसारी मिस्टर साहिल अलवे मिस्टर साहिल अलवे इनका दो 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 तीन तीन नाम है ए भैया जिनको कुछ चैटिंग वैटिंग करनी है कुछ सेटिंग वटिंग करनी है पटना पटाना वाला काम ना एक लाइव में चौबीस घंटे चला रहा हूँ जाके उसमें खूब करो क्योंकि अगर तुम बर्बाद होना चाहते हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है समझ रहे हो ना ये लाइव जो डायरेक्ट वाले में मैं आता हूँ इसमें नहीं चलेगा ये सब इसमें तो हम लतिया मारी अब कुछ लोग गरिया रहे होंगे करें होंगे क्या बोल गया ये अभी भी तीस लोग उसमें देख रहे हैं मैं कभी कभी कमेंट देखता हूं लेकिन नहीं बोलूंगा नहीं तो तुम कमेंट है नहीं करोगे उसमें चैटिंग है नहीं करोगे चलो ठीक है आगे बढ़े सभी को आ गया तो चलिए अब आगे क्या करना है भैया ये सब हो गया कुछ क्वेश्चन और भी इसमें करना है क्या आ, किसी संख्या के घातांक भिन्न के रूप में इसको भी देख लो का मुसीबत है वैसे मैं इसको शायद बताया हूं चलो देखो किसी संख्या के घातांक भिन्न के रूप में हेडिंग डाल दीजिए किसी संख्या के घातांक भिन्न के रूप में के घातांक भिन्न रूप में देखिए इसमें छोटी सी बात है मगर मोटी सी है समझना है जैसे आपके शायद बुक में भी दिया होगा ये अगर कोई नंबर का स्क्वायर है हा? जैसे ये उनचास है ना तो मेरे भैया हो इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ तो कब पता है कि हो जेका जेका पता है बोला जेका ना पता है चुप्पे बिठा कुछ बोला नहीं बताओ हम्म यस इसको आप जानते हो तो भैया हो ए में से एक ठीक सूत्र निकले अब देखा कैसे अब देखा सूत्र कैसे निकले जैसे अगर ए का पावर एक बट दो है तो एक मतलब है कि ये अंडर रूट में ए है क्या समझा पक्का और अगर ए का पावर ए रुक जा रहे भैया तीन है तो इसका मतलब मूल में ए, रुक 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 हाँ ये सही है इन मूल में क्या है तीन है यहाँ पे तीन लिखे हैं खोपड़ी पे इसके चुरकी पे क्या है तीन है एच तीन है बोलना नहीं अगर ये एक बटा चार है तो e रूट का चिन्ह लगेगा लेकिन एक नक्की के ऊपर चार रहेगा समझ रहे हो ना हम्म पक्का समझ गए ना चला फिर डन लेकिन कहोगे ये सब का बवाल है ये सब बवाल आपको एक नया चीज दिखाने के लिए वो कहा है एक चीज सूत्र है यही सूत्र के लिए इतनी नोटंकी हो रही है भैया हो इनका थोड़ा छोटा करके दिखाया दें तो फिर हम जगह के लिए सकेतम संध्यान देखो दिख रहा ना अभी ठीक है अब देखो हम ये दिखाना चाहते थे मेन बात ये। कि अगर A का पावर वन अपॉन यन है तो ये अंडर रूट ए और यहां पर यन हो जाता है ये घातांक का एक नियम है इसको लिख लो भैया ठीक है ये मैं समझाया इसीलिए दिखाया हम्म का हो समझा जैसे देखो अगर कहीं दुई का घात अरे घात तो छोड़ो ऐसे लिखा है ना तो इसका मतलब ये है याद रखना कहीं अगर वर्ग मूल लगा यहाँ पर दो छुपा होता है इसकी चुरकी पर जैसे सज्जन पुरुष की सज्जनता उसमें छुपी रहती है और धोखेबाज बाद मक्कारों बेमानों बेवफाओं की जो क्या बोलते हैं यार मतलब क्वालिटी है वो दिखती नहीं है वो भी छुपी ही रहती है दीपक कह रहे हैं हाय रुचि क्योंकि इनकी पढ़ने में कोई रुचि नहीं है इनकी रुचि बस उसी में है और जो ये चाहते हैं आगे हम बोलेंगे तो फिर हम खराब हो जाए अच्छा हो जाइए चल रहे अरे हम पूछ कबो का हाल बा कहते हैं का हाल बा और का हाल बा मतलब हमें सबसे खराब है हमसे कौन ने पूछा का हाल बा आगे बढ़े हो गया ना ये चलो भैया यार कैसे कैसे लोग पैदा हो जाते हैं ये लॉकडाउन वाले तो है नहीं फिर भी ये हाल है चलें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है आ गई भैया विज्ञापन वाली इसमें बीच बीच में बड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए दिखा रहा हूँ आपको इस बैच के विंटर बैच के सारे भाग नहीं मिलते हैं तो राजकुमार यादव सर मैथ्स इस चैनल पर इसके सारे भाग लाइव होंगे आप इसे अभी तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लेना चुप्पे से ठीक है और बेल आइकन घंटा दबा देना जिससे कि इस पे लाइव सेशन हो तो आपको मिले क्योंकि इसके सारे बैच मतलब जो चल रहा है अभी आगे कुछ दिन में हमारा प्लान इस चैनल पे जाने का है क्योंकि जहां पर हम हैं यहाँ पर हम खुफ़ नहीं हैं समझ रहे हो ना आगे बढ़े फिर हम कुछ बोलते हैं सब दांत चियार दे थे और ये लोग चार जवान बोल रहे हैं सब सब चलता है एकद देख लिया कहा देखा में तो और कुछ पढ़ाना था कि सब हो ही खत्म हाँ कुछ क्वेश्चन अब अभ्यास प्रश्न प्रैक्टिस कहते हैं ना प्रैक्टिस जरूरी है आजकल का बचवा क्या चाहता है पता है कि दिए क्वेश्चन भी दे दिए हाल भी कह दिए और अगर कहा जुगाड़ लग जाए ना तो परीक्षाओं में सेटिंग कराए दिए मतलब पेपर वो जाए पढ़े ये चाहते हैं आजकल के प्राणी अभ्यास प्रश्न लिखो पहला है दो सौ तिरालीस इसकी घात है भैया तीन बटा पांच हो एक ऑप्शन देख लो जल्दी से फट से आंसर बता दो झट से बाहर आ जाए आंसर ट्वेंटी नाइन ये लिखना ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी वन डी है टू फोर थ्री चलो कितना आएगा ये भैया सुनो ना ये बड़ा गंदा कलर दिख रहा है यार ये पीला है मुझे दिख रहा है तुम लोगों का पीला नहीं दिख रहा है का रुको ना इसमें मैं आई का सुरक्षा कवच लगाया हूँ इसलिए ऐसा दिख रहा है इसको हटाओ मेरी आंख भले चली जाए लेकिन तुम लोग को ढंग से दिखे चलो लो वैसे आप लोग का इतना प्यार है जाने नहीं पाएगी चलो अब वाइट दिखा ना ये ए आयस सुधर और राजा सुधर जाना है बहुत कहता है हमें आपसे फ्रेंडशिप करनी है तो आ कब दुश्मनी रही उनसे हाँ हम कमेंट देख रहे हैं चुपे चुपे बात ना करो चलो आगे बढ़े इसका कोई आंसर बताया देखो इतना गदाह लोग है ना एक का आंसर नहीं बता रहा है कह रहा है फलानी हमें तो सिर्फ फ्रेंडशिप करेगा फलानी फलानी जोन चलता है ना हम सब देखा तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्वेंटी सेवन ये वाले पढ़ेंगे ना ही चलो ठीक है ट्वेंटी सेवन कैसे हो जाएगा देखो आ नहीं रहा है उसके लिए थोड़ी शर्म नहीं लग रही एक बेसरम हो चुके हैं लेकिन अभी मतलब का, का काम देखो तो उसको ना ही करेंगे चलो ठीक है थोड़ा थोड़ा बेसरम होना भी जरूरी है जिंदगी में ना सही बोल रहे हैं ना हाँ तुम्हारे सपोर्ट में बोल रहे हैं और हो जाओ तुम तो देखो इसको क्या करेंगे दो को हम लिख सकते हैं तीन का घात पांच बोलो किसी को कोई तकलीफ नहीं ना ए भैया जैसे ना हम फोर का दू का घात लिख दुख सकी थे ना ठीक और सोलह का हम लिख सकी थे चार का घात दुई तो वही तरीका से हम दो सौ तिरालीस का तीन का घात पांच लिख सके ठीक अब एक का घात पहले से कहा है तीन बटा पांच अब समझना गुड़ा करने पर अरे वो वाला घातांक का नियमों याद है क्यों का देखा सुना इधर भाई इधर सुना इधर कहाँ का कहा का रुक जा रुक जा, ये, ये। आ, क्या था? ए, रुक जा। एक पावर यन एक के खोपड़ी पे यम तो हो ही जाता है एक का पावर यम इन यन ये घातांक का नियम में बताया हूं जिनका नहीं आवत लिख लट से बताया ना हम्म युवराज कह रहे सर आपकी जी है अरे गधा अगर हमारे जीएफ होता है तो हम ले किया इतना बगलिया हमें ऐसे खड़ी ना होते का हाल आएगी दिखाएंगे लाइव दिखाएंगे कोई बात नहीं सब कुछ लाइव दिखाएंगे टेंशन मत लो जो जो तुम सोच रहे हो मैं सब दिखाऊंगा चलो ये हो गया ना देखो अब क्या करेंगे तो घात क्या होगी गुड़ा हो जाएगा तो तीन एक घात पांच एक घात तीन बटा पाँच और ये पाँच से पाँच कट जाएगा तो ये हो जाएगा तीन का घात तीन और बराबर हो जाएगा सत्ताईस अब जी का यो नहीं समझ में आवत कि तीन का घात तीन सत्ताईस कैसे तो फिर भगवान है मालिक है थोड़े अंकित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जो नंबर दिए गए पर संपर्क करिए ठीक है आगे बढ़ें नहीं नहीं जी अप नहीं है वैकेंसी खाली है जिनको अप्लाई करना है संपर्क कर सकते हैं लेकिन हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है सिर्फ टाइम की कमी है बस और जी अप सबसे ज़्यादा टाइम ही खाती है आपको पता है कि नहीं अब कौनों तो घड़ी आ रही होगी अंदर अंदर कोनों बाहर से घर आएगी सबसे ज़्यादा टाइम जितना टाइम हो उतना खाएगी कुछ नहीं चल रहा है फ़ोन पे सांस ले रहे हैं केवल सांस ही जा रही इधर से उधर ऐसे भी मैं देखा हूँ मेरे एक दोस्त हैं उनका नाम मैं बताऊंगा नहीं Uh, मुझे तो बहुत मजा आती है समझ रहे हो रात में बात ऐसे ही होती है अरे भाई ये बताओ रोज रोज जिनसे बात हो रही चर चर पच पच घंटा क्या बात करेंगे कितनी बात है कि जो खत्म नहीं हो रही कोई बात ही नहीं होती है फिर भी फोन होना चाहिए फोन चलना चाहिए तुम्हारे आसपास जितनी आवाज निकल रही है सोते समय सब उधर की उधर जानी चाहिए बस हाँ होता है ना ऐसा देखो कुछ लोग सोच रहे हैं तो मेरी बात बता रहा है गजब लूंगी खोल रहा है क्लास में है ना चले आगे बढ़े तो ये हो गया डन आगे बढ़े अरे भाई क्वेश्चन करने दोगे कि बस इस समय तो इतना मजा आ रहा है कि पढ़ाने का कुछ मन नहीं कर रहा सच्ची में हम ना पढ़ाना चाहे ना तुम पढ़ना चाहो जो तुम सुनना चाहो वही हम सुनाए लेकिन बात ये है ना कि फ्यूचर क्या होगा इस देश का वो तो सोचो बाकी तो हम लोग अपना सोच ही रहे चलिए तो अब हम लोग करेंगे मूल्यांकन प्रश्न दिख रहा है ना मूल्यांकन प्रश्न नहीं नहीं जीएफ की वैकेंसी खाली है नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करिएगा दीपक सर रिप्लाई करेंगे बता दीजिएगा हमसे संपर्क करा देंगे कोई बात नहीं अब बाकी मैं लास्ट में अपना नंबर दूंगा पर्सनल वाला बने रहना जिनको जिनको इंतजार करना है इंतजार करना चलो <laughs> तो ये क्या है मूल्यांकन प्रश्न मतलब कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे पहले मुझे एक बार कमेंट करके बता दो कि ये क्लियर दिख रहा है कि नहीं सुंदर दिख रहा है मतलब हमसे ज्यादा सुंदर नहीं फिर भी काम चलाऊ दिख रहा है दिख रहा है कि नहीं <coughs> चलो ठीक है अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है नहीं दिख रहा था और अच्छी बात है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है अरे भाई चलना यार इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट करके बताओ फटाफट रीमा दिख रहा है आयंस किरण बिबू पंडित सबको दिख रहा है तो ये पहला ऑप्शन है ये सेकंड है ये थर्ड है ये फोर है ए बी सी डी बताओ अगर फर्स्ट में ये सही है आप थर्ड मत लिखना इसको हम ए मान ले रहे हैं इसको बी मान ले रहे हैं ए भाई रुक जा यार उल्टा जात भाई इसको बी नहीं मानो ए खुलना ये सी है ये बी है और ये डी है देखो अगर मैं हल कराऊंगा तो जल्दी हो जाएगा तुम लोग से पूछूंगा तो इसी में कहा कुछ निकलेगा नहीं समस्या का समाधान ना चले आगे बढ़े ठीक है छोड़ो सब जाने तो मैं हल करा देता हूँ काहे को तुम नहीं चाहते हो पढ़ना मुझे पता है मैं ही पढ़ लू बस यही ठीक है चलो तो आ, इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भैया दुई दूना चार दूना आठ दूना सोलह दूना बत्तीस बत्तीस हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा का दो सौ तिरालीस तीन त्रिक का त्रिक बी नंबर सही 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 है वाला सही है है वाला देखो कैसे सही है? अरे यार दो का घात पांच बराबर बत्तीस तीन का घात पांच बराबर दुई चार तीन और घात है विषम इसलिए जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा हम्म घात विषम इसलिए आंसर माइनस में आएगा मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ जैसे देखो आजकल के नेता लोग दूसरे गरिया देते हैं पता है भाषण में और न्यूज में गाली दे देते हैं गंदी वाली फिर बाद में कहते हैं मैं अपनी गाली वापस ले रहा हूं मैंने फलाने को गाली नहीं दिया ऐसा अच्छा देखे हो कि नहीं यस या नो ऐसा अच्छा केवल हमारे देश में होता है बाकी वो नेता के लिए भी सिर्फ लागू है बस सबके लिए नहीं तू करा पड़ोसन का लतिया दे पकड़ के वापस ना लिए दे फिर चलो देखो इधर तो ये माइनस है ना माइनस है अगर ये मल्टीपल होगा ना पांच बार तो जो आंसर आएगा माइनस में ही आएगा यार ये तो बड़ा कंफ्यूजन कर रहा भाई। है भाई ठीक है माइनस में ही आएगा बी वाला ही सही है ठीक है बी वाला ही सही है आगे बढ़े हाँ एक चीज और यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर दें अगर जैसे कोई भी नंबर है ना अगर वो माइनस में अंदर में अगर उसकी घात विषम है तो आंसर माइनस में आता है अगर घात सम है तो आंसर प्लस में आता है ये मैं पहले भी बताया हूं शायद ठीक है पहले भी बताया हूं और अब भी बता दे रहा हूं ठीक है चलिए आगे बढ़े सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बाकी जो होगा बाद में देखा जाएगा दूसरे में बताओ क्या है सही इकतीस पच्चीस भाई ज्यादा क्वेश्चन होना चाहिए कम टाइम में ठीक है दिमाग का दही बनाने की कोशिश ना करना कोई लोग इसको घात के रूप में लिखोगे तो कितना आएगा हम्म अब मैं कितना बार बताऊं यार पचम पच्चीस पांच की घात है ना पचम पच्चीस पंचे एक सौ पच्चीस पंचे छह सौ पच्चीस क्या होगा हुँ? जल्दी फटाफट कर डालो फटाफट कर डालो भाई फटाफट कर डालो ठीक है सेकंड नंबर सही डन आगे बढ़े ये तो कुछ लोग कह रहे होंगे ये तो सब में दूसरा दूसरा लगा रहा है तुक्का लगा रहा है नहीं पाँच की घात जब इसको करोगे ना पाँच बार तो इकतीस पचीस हो जाएगा चलो मिर्जा रे मिर्जा को नंबर क्या कह रहा है कह रहा है कि दो की घात सात का मान दो की घात सात का मान बताओ जल्दी से थर्ड नंबर में यार कमेंट देखता हूँ तो क्वेश्चन छूट जाता है क्वेश्चन देखता हूँ तो कमेंट छूट जाता है मैं क्या देखूं चलो मैं फटाफट भट क्वेश्चन करवाता हूँ देखो यार कहीं फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है मैं क्लियर करूंगा बाद में ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था चिन्ह वाला लोचा लग रहा था उसके बारे में बताऊंगा बाद में चलो थोड़ा सा था वैसे ज्यादा उम्मीद नहीं है कि कुछ गड़बड़ है सही है दो की घात सात का मान एक मतलब ये है ठीक है चाचा दो दूना चार दूना आठ दूना सोलह दूना बत्तीस दूना चौसठ और चौसठ दूना हो तो भैया एक सौ अट्ठाईस और बिना कोनो टेंशन के लगा दो डी वाला ऑप्शन मतलब सी तीसरा वाला ठीक है आप कमेंट नहीं देखेंगे तुम लोग ना बहुत गंदा टाइप के हो चलो चौथा नंबर कहा कह रहा है तीन के बारह और तीन के सात और तीन के पच्चीस चला तीन के बारह और तीन के सात ए रुक ना और तीन के पच्चीस मतलब घात बारह जलावा नहीं कहा चला गुड़ा करने पर घातें जुड़ जाती हैं आप सबको पता है तो ये तीन का घात हो जाएगा बारह धन सात डिवाइड बाई थ्री का पावर ट्वेंटी फाइव तो ये थ्री का पावर उन्नीस डिवाइड बाई थ्री का पावर ट्वेंटी फाइव थ्री का पावर उन्नीस माइनस का ट्वेंटी फाइव और बराबर हो जाएगा तीन का घात माइनस का अच्छा सही बोल रहा हूं ना हाँ पक्का एकदम अच्छा वाला सही चलो हो गया ना कोई दिक्कत नहीं किसी को देखो बच्चों की जो है ना रुचि कम हो रही है सबसे पहले मुझे एक जवाब दीजिए फिर बाकी चीजें तो बीच बीच में होती ही रहती हैं सब कुछ है भैया भैया हो ये बताओ तुम का बताओ पता है यहाँ पे लिखा है सात और यहाँ पर है खोपड़िया पे दो और एक के घात लगी है चार इसका आंसर कितने लोग बता लेंगे ईमानदारी से जिनको आ रहा है वो आंसर दीजिए जिनको नहीं आ रहा वो नो लिख के कमेंट करें चलो बताओ इसका आंसर कितना आएगा हुँ? कितना आए हो? फलाने लोग कोई अगर आंसर दिया है सबसे पहले तो ऐसी महान आत्मा का नाम है आसिके रसुल्लाह भाई नाम गलत बोलूँ तो माफी चाहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा आता नहीं इंग्लिश इंग्लिश पढ़ने में तो थोड़ा नाम अपना आसान आसान रखिए तो इसके आंसर की बात करते हैं सबसे पहले आंसर की बात करते हैं अब सुंदर लग रहा है लाइन गलत हो गई थी इसका आंसर उनचास आएगा मुझे भी ऐसा लग रहा है हा? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि इसका आंसर उनचास आएगा भाई आप लोग शेयर कर दो दबा के खूब ऐसे मजा नहीं आ रही हम्म चलो तो तो। आ, कुछ लोग का लग रहा है कि हम ये अच्छा रख दिखाएंगे इतना मजा तो नहीं आएगी मेरे क्लास में देखो ये रूट टू है ना हम्म भैया हमारे ना भाओ देखो कैसे होगा अंडर रूट का मतलब ये हुआ कि सात का घात है एक बटा दो ठीक जानते हो ना हम्म और एक एक घात बहरे से चार लगी है तो मैंने चार लगा दिया इसमें क्या बुराई है घातांक के नियम के अनुसार घात घात का गुड़ा हो जाता है तो एक बटा दो का चार में गुड़ा होगा तो ये दुई से दुई कट जाएगा दिख रहा है ना फाइनल में हो जाएगा सभी को समझ में आ गया बट्टा दो का चार एंका खाइन का पड़ी है, सुबेरे सबेरे हा कही है लेके पैदा भैया का चलो हो गया डन नहीं कोई बात नहीं है मैं ऐसे बोल रहा हूँ इंसान जो भी अच्छा बुरा कर्म करता है ना वो पेट के लिए करता है चलो हो गया फिर फाइनल इसको ए चल निकल ले तो पढ़ा क्या क्या था पढ़ना क्या क्या आज अभ्यास प्रश्न करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे क्योंकि मजा भी आएगा और कुछ सीखेंगे भी और मुझे लग रहा है कुछ ऊपर से कुछ वाइट हो रहा है ना कुछ ज्यादा ही दिख रहा है ना ऊपर से बात ये है थोड़ा जूम कर देते तो बढ़िया रहता लेकिन हम मोटा मोटा लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है जितना गंदा उसमें मेरी शक्ल दिख रही ना मैं उतना गंदा हूं नहीं मैं इसमें अच्छा दिख रहा हूं अपने वाले में चलो फिर अगला क्वेश्चन अः मोटा मोटा लिखो बस आ, और कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन नंबर सिकेंड चल भैया रेडी 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 टू रूट टू का मान है ऑप्शन ले लो भाई ऑप्शन ले लो ले लो ले लो अंडर रूट टू अंडर रूट फोर अंडर रूट आठ ये आठ है एक ही है ना भैया सोलह है कितना आएगा एनी वन इसका आंसर ऐसे दोगे अगर ए सही है तो टू ए सी सही है तो टू सी सिर्फ ऐसे कमेंट करेंगे बस ये सही तरीका है बाकी सारा तरीका गलत स्टेटस प्रमोद वेरी गुड बहुत अच्छे भाई ब्रिजेश भाई वेरी गुड बहुत अच्छे किरण भाटी समरीन सीमा आज हम पहले खाए ना आएगा समझ रहे हो ना तेज बोलता ही, नहीं तो रोज पानी पी पी के ना धीरे धीरे बोली थी बहुत अच्छे कितने अच्छे मतलब मुझे नहीं पता लेकिन तुम जो भी हो फिर भी बहुत अच्छे चलो ठीक है इसका करेक्ट आंसर हो गया मेरे भाइयों एंड बहनों एंड साथियों सहपाठियों भाइयों भाभियों क्या क्या बोले जो भी सब लोग आप सभी अंकल आंटियों के साथ में आठ पता है कैसे देखिए बताते हैं इसका आठ कैसे हुआ पता है नहीं पता है तो क्या आठ हो गया कैसे पता है चलो आगे दिखा देते हैं पहले कैसे और क्यों देखिए एक्चुअली में क्या होता है ना भैया ये आठ क्या है वर्गमूल इसका निकालना है वर्गमूल में क्या करते हैं जोड़ा बनता है दूध का वैसे चाहिए तो नियम से दुध का लेकिन आजकल लोग ढेर लोग के साथ जोड़ा बना लेते हैं वो अलग बात है तो ए में जो जोड़ा जिनका बन जाएगा ना उनका कल्याण है समझ रहे हो ना बाकी चीज एक्स्ट्रा में समझ रहे हो अलग बात है चलो तो जिनका जोड़ा बनेगा वो बहरे आ जाएगा उनका कल्याण हो गया उद्धार हो गया जिनका नहीं बना वो अभी इसी में रहेगा ये ये क्या हो गया आंसर समझ रहे हो ना जैसे जिन लोग की शादी नहीं हुई है उनको लगता है शादी होने के बाद ही जिंदगी है और जिनकी हो गई है उनको लग रहा है ससुर पहले था यार पालतू को फंस गए तो वैसे क्या है इनका बन गया थे बाहर निकल गए और इनका नहीं बनाते एम रह गए बस आगे क्लियर अगला नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं चलो भैया अगला है रूट तीन 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 अच्छा क्वेश्चन नंबर तीन तीन रूट तीन कहो भैया ऐसे है ना हम का मान है चलो इसमें से अगर कोनो बताएगा तो हम जानेंगे कि हाँ सही बता रहे हो अंडर रूट उनतीस अंडर रूट नौ एंड डी वाला है का लिख दियो जीरो नहीं हमारी शादी वादी नहीं हुई है भैया यही तो हम इतना सुंदर दिखाता ही खुश दिखाता ही ना शादी हुए एक बाद आदमी खुश कहाँ रहा ये कौन है आ गया कह रहा है आप ड्रिंक पीते हो नहीं हम बिना पिए ही नशे में रहते हैं पीने की जरूरत नहीं <coughs> थर्ड वाले का कोई जवाब दिया तीन में ए तीन में बी या तीन में सी कुछ ज्यादा थे तो ना चिल्ला था हम सब्जी मंडी की तरह तीन बी अगर बी सही है अगर डी सही है तो तीन का डी का बनगा तीन का डी मतलब ऐसे आंसर देना क्वेश्चन नंबर के साथ में ठीक है बहुत अच्छे गुड कौन कौन बताया पहले हाथ उठाओ चल 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 उठा उठा, उठा। पता है हमारे स्कूल में ना मारत रह आगे हम का कही तो लोग में से क्यों जाना था नहीं बांस फरकड़ सर पता जाते थे ऊँचार के लेके आते थे जड़िया सहित उचर जा रहे समझ रहे हो वही इतना मारत रहे कि जय पोल हमारे सब टूट जात रहन इतना मार पड़े की हमारे नहीं पड़त रही हमारे साथी लोग के पड़त रही से मैथ में हमें आवत रहन और मैथ के अलावा दूसरा सब्जेक्ट हमारे स्कूल में पढ़ावा जात नहीं रहा सीधा तो बात ही है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्वेंटी सी वाला सही देखो काहे को हो जाएगा यो देख लो आ, देखो सताइस काहे को होगा एक्चुअली में बात ही है हो भैया कि सत्ताइस का क्या करना है वर्गमूल इस चिन्ह का मतलब वर्गमूल है देखो यार आंख मेरी ना आज गड़ रही शाम से पता नहीं जाने वाली एक रहने वाली है देखो यहाँ पे समझो ये जो तीन है ना अगर यहां पर आप ध्यान दीजिए मैं थोड़ा पतलाफ लिखता हूं ये गुड़ा में है इसको थोड़ा ढंग से अगर लिखे इज्जत के साथ तो देखो यहां पर ये ऐसा होना चाहिए ठीक है और एक एक खोपड़ी पे यहां दो है जो छिपा रहता है लिखा नहीं जाता है अगर वहां पे कुछ लिखा है छोटका सा तो फिर ऐसा नहीं छिपा है उसके अंदर दो नहीं लेकिन कुछ नहीं लिखा तो दो माना जाता है ठीक है तो ये रियल में इनका ये मतलब है इनको ऐसा होना चाहिए ठीक है अब चलो आगे आओ तो ये क्या है हम सत्ताइस का निकालेंगे वर्गमूल वर्गमूल में क्या करते हैं भैया दो का जोड़ा बनाते हैं तो सत्ताईस का पहले हम करेंगे फैक्टर तो तीन तरीका नौ त्री सत्ताईस होगा इनका जोड़ा बन जाएगा तो जेके जोड़ा हो जाएगा वो आ जाए और जेक नहीं बना वो अंदर रह जाए ए इतना भी गलत नहीं रुक जा इस तीन का जोड़ा बन गया बाहर आ गया इसका नहीं बना ये अंदर रह गया ये आंसर हो गया यानी कि वर्ग मूल है किसका सत्ताइस का वर्ग मूल है थ्री रूट थ्री समझ में आ गया सबको <laughs> सीमा देवी देखो एक कौनो बहुत परेशान है देखो यार एक चीज मैं बताऊं आपको जिंदगी के अनुभव के साथ जिंदगी में अगर कोई चीज भूलना चाहते हो तो उसको बिल्कुल मत भूलने की कोशिश करो और जिंदगी में कुछ याद करना चाहते हो तो बिल्कुल याद करने की कोशिश ना करो हो जाएगा लेकिन अगर आपने कोशिश किया तो कभी नहीं होने वाला है कहते हैं कि जिससे तुम प्यार करते हो वो दिल में रहता है है ना और जिससे नफरत करते हो वो दिमाग में रहता है और दिमाग में रहने वाला ज्यादा खतरनाक होता है तो इसलिए बोलने बुलाने का लफड़ा छोड़ो अपने काम में लगे रहोगे तो टेंशन फ्री रहोगे ये ज्ञान है लिख के रख लो ठीक है काम में लगे रहोगे टेंशन फ्री रहोगे अरे मैंने भी अजमाया है टेंशन नहीं लेने का चलो अगले सवाल में चलें फोर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर चार या पांच रूट फोर्टी फाइव का मान कितना आएगा थोड़ा रुक रुक के बोलेंगे हम्म पहला ऑप्शन है तीन रूट तीन दूसरा है पांच रूट तीन हो तीसरा का है तीन रूट चौथा अच्छा है ना पांच और पांच चलो बताओ डी कौन सा सही है पूजा यादव जी नमस्ते शीतल कुमारी ए, इतना देर में आवत है तू लोग चुप्पा बैठ जा देर में तो ही है तो भैया हमारा नाम है ई ई नाम है हमारे मतलब ई मतलब का पता है तो का ले देख ला आंसर बताओ फटाफट सभी चलो चलो फटाफट बताओ आंसर हाँ ठीक है ठीक है अभी तक तो ना चिल्लाओ कि गांव वाले सुन जाए वेरी गुड बहुत अच्छा फोर नंबर का अगर कोई आंसर दिया है तो ऐसी महान आत्मा का नाम है आसिक रसुल्ला भाई बहुत अच्छे वेरी गुड नंबर एक पर चल रहे हैं आप बाकी तो गदैया केवल ऐसा चल रहे हैं ऐसा और जिनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में सेटिंग करना है ना चैटिंग वेटिंग करना है चौबीस घंटा लाइव चल रहा है जाके उसमें देखो ना कुछ करो आप सिर्फ देखो बस कमेंट में चल के आ रहा है कुछ ऐसी ऐसी महान आत्माएं हैं वो एक जनवरी से लाइव चल रहा आज सत्रह दिन हुआ ना वो सतारह दिन में सात सात घंटे रोज उसमें लगा रहे सोचिए YouTube में जिसको पता ही नहीं वो इंसान है कि जानवर है कि सैतान है उसके साथ लगे हैं आजकल लोगों की फीलिंग इतनी सस्ती हो गई है समझ रहे हो Facebook पे देखो बात कर रहे हैं पूजा समझ के अब पता चला वो फलाने निकले बाद में समझ रहे हो आजकल लोग ऐसे असमंजस में जी रहे हैं वही है ना कि पल भर के लिए मुझे प्यार कर ले झूठ ही सही और वो चल रहा है अभी भी चल रहा है पचास लोग उसमें भी जुड़े हैं कम से कम सौ लोग वो चैटिंग कर रहे हैं खूब मस्ती से हमारी क्लास चल रही नहीं चल रही उनसे कोई मतलब नहीं तो इसका आंसर आएगा ये ये आएगा ये सी वाला चलो देखो क्वेश्चन है रूट फोर्टी फाइव इसका वर्गमूल निकालना था एक्चुअली में तो भैया हो बाबू हो इसको ना हम लिख सकता हूं तीन गुड़ा तीन गुड़ा पांच किसी को नहीं ना वर्गमूल निकालना वर्ग दो लिखना जरूरी है इनका जोड़ा बन गया और जिनका बन गया उनकी जिंदगी सफल यानी इनका बन गया तो ये निकल गए इस बीमारी से बाहर यानी इस भ्रम से बाहर आ गए और ये अंदर रह गए अभी मैंने जैसे एग्जाम्पल बताया था ना जिनका जोड़ा बन गया मतलब जिनकी शादी हो गई वो इस भ्रम से निकल गए कि शादी के बाद कितना मजा है अब वो रियलिटी में आ गए और जिनकी नहीं हुई अभी उसी में फंसे हैं उसी भ्रम में कि बस वही जी एक चीज़ बाकी है बाकी सारी इच्छा पूरी हो गई और कुछ लोग तो वैसे प्राइवेट में इच्छाएं पूरी कर रहे हैं उनकी तो अलग है मजा है बाकी हम कुछ नहीं कहेंगे ठंडी का टाइम है चलो तो ये समझ में आया आंसर तो यही बताया था ना मैं ठीक है सही है आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर छह या सात या पांच कुछ भी लिख लो चलो अगला सवाल का जवाब उम्मीद है कि आप लोग दोगे पक्का है ना लिखे चलो फिर ए भैया भैया सुनो ना सवाल थोड़ा अलग है सवाल थोर थोड़का अलग है अबे रुक जा यार ये है यहाँ लिखा है तीन का मान बताओ चलो यहाँ पे ऑप्शन ले लो थ्री रूट थ्री थ्री नौ आ, आ, हा हा हीन रूट पांच कितना आएगा विकास जी विकास अभी जिंदगी है अभी देखो बाकी का टेंशन मत लो बाद का में क्या होगा कुछ नहीं पता है छोड़ो बाद में चलो भाई आगे कोई और महेंद्र कुमार आशीष यादव आशी के रसुल्ला बहुत अच्छा भाई अमित बाबू वेरी गुड कहा थे और आ जा तू अब तक हम तो इतना दिन से खोजा ती बिछड़ी प्रेम का की प्रेम जैसे इसका करेक्ट आंसर आएगा तीन क्या आएगा तीन देखो भाई यहां पर तीन लिखा है मतलब इसका घन मूल करना है क्या करना है घन मूल करना है अगर यहां पे कुछ नहीं लिखा होता या दो लिखा होता तो वर्ग मूल करना होता और घन मूल का मतलब तीन तीन का जोड़ा बनेगा तीन तीन का जोड़ा पति पत्नी और वो वो मतलब समझ रहे हो अब कोर्ट ने भी मान्यता दे दिया है कि शादीशुदा जिंदगी में वो रह सकती है कोई दिक्कत नहीं है चलो अब फिर टेंशन में नहीं रहना यहां तीन 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 का जोड़ा बनेगा अब दो दो का नहीं अब दो दो वाला छोड़ो जमाना बदल गया दो दो पुराने जमाने में होता था अब लोगों का तीन तीन जोड़ा बनता है दो दो नहीं चलो तो तीन तीन का जोड़ा बनेगा एक जोड़ा से बाहर आ जाएगा ये आंसर हो जाएगा लेकिन याद रखना ये घनमूल में होता है वर्ग में नहीं बाकी जो भावनाएं में खो रहे हैं उनको खो जाने दो, दो, दो समझ गए ना डन अगला नेक्स्ट सवाल भैया चलो भाई आ जाओ आ जाओ आठ नंबर लिख लो कुछ भी नंबर हो लिखो बस ऐसी कोई संख्या बताओ जो पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग दोनों हो इसके पीछे मैं आपको जिंदगी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताऊंगा आज आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे चलो बताओ ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है चलो फट से बताओ ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है ए सही से लिख है यार दोनों है कोई ऐनी मन ए क्या हुआ आवाज आ तो रही कौन कह रहा नहीं आ रही आराधना बहुत अच्छी आवाज आ रही मेरी आपका कान खराब हो गया तो चलो भैया ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है कौन सी है वो पहला तीन दूसरा पांच तीसरा चौसठ और डी नंबर वाला है आ, दस इनमें से कौन सी संख्या है वो जो पूर्ण वर्ग भी है पूर्ण घन भी है मतलब जो वफादार भी है और बेवफा भी है ईमानदार भी है बेईमान भी है कौन है वो कौन है वो इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आपको मेन पॉइंट बताते हैं इसमें जो ऑप्शन दिया हूं इसमें का ऑप्शन बताओ भैया ए भाई साहब ये मैं चौसठ लिखा था कुछ लोग एकद देख के कंफ्यूजन में जाता है पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन कोई अगर है तो वो सी नंबर ऑप्शन है वो है चौसठ देखिए कोई भी इंसान सिर्फ बुरा नहीं होता है कोई भी इंसान बुरा और भला दोनों होता है कहते हैं ना आपने देखा होगा अक्सर ये आप लोगों को ज्यादा रिलेट करेगी एक हुआ भाई रुक गया का गड़बड़ चल रहा है का क्या हुआ आवाज नहीं आ रही क्या यस गायब क्या हो रहा है आवाज नहीं आ रही क्या यूट्यूब नॉट रिस्पॉन्डिंग कर रहा है मेरा तो आ, ये मोबाइल ना हैंग कर रहा भैया आवाज आ रही तो एक बार यस बोल दीजिए थोड़ा रुक जाइए कुछ सेकंड मुझे लग रहा है मेरा ही हैंग कर, हैं कर रहा है सबका मोबाइल हैंग कर रहा है कितनी अच्छी बात बताने वाला था लेकिन देखो दिमाग कही बना दिया नहीं बताऊंगा चलो हटाओ देखो क्वेश्चन पे आ जाते हैं तो वो संख्या चौसठ है मेरे भाई क्या है वो चौसठ है देखो एक्चुअली की बात ये है कि चौसठ क्या है पूर्व वर्ग भी है पूर्ण घन भी है ये ईमानदार भी है बेईमान भी है दोनों इसके गुण है कैसे देखो अगर हम चौसठ का वर्ग निकालें ये दोनों जगह फिट बैठती है देखो कैसे हो चौसठ का अगर हम वर्ग निकालें तो इसको हम आठ गुड़े आठ लिख सकते हैं और भैया हो दो का जोड़ा बना के आठ इसका आंसर हो जाएगा ये हो गया वर्गमूल की दशा में और एक के अगर हम घनमूल निकालें का निकालें घन मूल तो राजा एक का ना तू चार गुड़ा चार गुड़ा चार, चार लिख सका था ओके तीन तीन का जोड़ा बनेगा तो ये चार हो जाएगा घन मूल की दशा में सबको समझ में आया मैं बात आपको क्या बता रहा था सुन लीजिए ध्यान से दिल से देखिए कुछ लोग का कहते हैं ना कि भाई फलाने हमको धोखा दे दिए बड़ा खतरनाक आदमी है बहुत बेईमान है बहुत मतलब खराब नीच टाइप के हैं पता नहीं कौन कौन सी गाली देते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा है वो दोनों है वो अच्छा भी है बुरा भी है ईमानदार भी है बेईमान भी है वफादार भी है धोखेबाज भी है क्यों आपको धोखा दिया आपको लग रहा है क्या आपकी बात नहीं माना आपके जैसे नहीं किया तो धोखा दिया लेकिन जिसके पास वो गया जिसकी बात वो माना जिसकी बात वो सुना उसके लिए क्या हुआ उसके लिए तो ईमानदार हुआ ना लायल हुआ ना समझ रहे हो ना उसके लिए तो अच्छा हुआ ना तो यानी वो क्या है इंसान तो एक ही है उसका करेक्टर अलग अलग लोगों की नजर में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग है तो कोई इंसान सिर्फ बुरा नहीं होता बुरा और भला दोनों होता है समझ रहे हो ना हम्म समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो तुम बहुत कुछ समझ रहे हो बस इतने बताना जरूरी था चलिए आगे बढ़े फिर ठीक है बाकी ज्यादा चीजें यार कमेंट के चक्कर में ना डिस्टर्ब हो रहा है चलो आगे देखो हम्म तो एक सवाल और भी है कल पता नहीं कहा कट गया था मुझे पता नहीं चला क्वेश्चन नंबर पहला है सात सौ को सात सौ उनतीस को आधार तीन के घात के रूप में लिखिए बताओ आधार तीन के घात रूप में लिखिए चलो कितना आएगा आंसर तीन का पांच तीन का सात तीन का छ कितना आएगा एनी वन कोई बताएगा एनी वन कितना आएगा ठीक है बहुत अच्छे वेरी गुड किसान बाबू वेरी गुड भाई बहुत अच्छे ब्रजेश भाई आ, बहुत अच्छे महाराज शुभम चलो ठीक है तो इसमें अगर हम सात सौ उनतीस की बात करें तो तीन त्रिक का नौ त्रिक सत्ताइस तिया इक्यासी इक्यासी तिया दो सौ तिरालीस और दो सौ तिरालीस का जाता है देखो कैसे नहीं तुम सब कुछ देखो ना काहे को दिक्कत लेने का है ए चल जा बे काहे को करवाता है सबके सामने छह बार ना ठीक है देखो तीन त्रिका नौ तीन त्रिका नौ तीन त्रिका नौ यानी नौ गुड़ा नौ गुड़ा नौ अरे भैया इनका गुड़ा करोगे इक्यासी इनका एमए कर लो तो नौ कम नौ नौ बहत्तर सात सौ उनतीस समझ में आया यानी तीन का घात कितना तीन का घात छक्वल इक्वल वन टू नाइन किसी को कोई तकलीफ कोई दुख दर्द अरे मतलब पढ़ाई वाला वैसे तो बहुत दर्द है जिंदगी में चलो भैया एक सवाल एक सवाल ना नया नया चलो ये दफ नंबर कोड है इसको देख के मुझे गरियाना ना कि कहीं कबो दफ लिखता है कबो सात कबो कबो तीन। चलो आ, एक एक हाथ है तीन का मान बताओ इसका मान बताओ कितना आएगा नौ आएगा सत्ताईस आएगा तीन आएगा इक्यासी आएगा कितना आएगा बहुत अच्छा दो ये तीन लोग का कमेंट आ रहा है बाकी लोग तो अपना जुगाड़े में लगे हैं ज्ञान चंद पांडे और इक्के दो लोग का नाम बोलते बोलते हम परेशान हैं युवराज बच्चा तुम भूत के शकल लगा के आए हो तुमको हम कहा गए रोहित तो अपना काम कर रहे हैं तुम उनको डिस्टर्ब ना करो हाँ और कॉपी पेश ना करो एक बात एक, एक बार में करो और रोहित जी बातचीत करने दो इन लोग को कुछ अपनी भी काम चला ले लोग थोड़ा जुगाड़ कर लेने दो कोई दिक्कत नहीं है जो जो कर रहे हैं करने दो शांति का माहौल बनाए रखो बस चलो तो देखो यहाँ पर तीन घात लगा है ना तीन घात लगा है ऊपर तीन से गुड़ा भी है एक आंसर आएगा तीन कैसे आएगा पता है तो का नहीं पता है रुका ये सी वाला आएगा देखो सी वाला सही है बहुत से लोग गड़बड़ा गए कुछ लोग सत्ताईस बता रहे हैं जो लोग सत्ताईस बता रहे हैं उनकी वही हाल है नीम को आम मान बैठे हैं और कल को फल नहीं लगेगा आम का तो रोएंगे पकड़ के देखो कैसे ये तीन है यहां पर तीन है एक एक घात तीन है ये तो आपको पता है तो भैया जब घन मूल का चिन्ह लगा होता है ना तो एक मतलब है कि एक घात एक बटा तीन है रुक जा ए, सब ना मिट बा रुक जा रुक जा चल ठीक है तो घन मूल का जानते नहीं हो तो सब जानते हो शर्मा रहे हो एके एक घात एक बटा तीन और फिर एक एक घात तीन ये ऐसे बन रहा है देखो एक्चुअली में समझ लो मेरे भैया अगर वर्ग मूल लगा होता है ना यहाँ पर दो होता चुरकिया पे नगर तो मतलब मतलब है, है? घन मूल लगा होता है ना यहां पर तीन होता है ना तो एक मतलब होता है एक बटा तीन अगर चार मूल लगा होता है ना यहाँ पर अगर चार होता है ना खोपड़िया पे करे तो एक मतलब होता है दुई का घात एक बटा ए चार होता है रे बाबा रुक जा ना चार समझ में आया तो ओ का समझे पहले तो आप लोग ई समझाओ भैया पहले ए का समझा पहले ए का समझा का समझा पहले हम्म राधिका वर्मा जी वेरी गुड बहुत अच्छे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छे तो चलो आप तो मुझे लगता है कि आप लोग आंसर निकाल लिए होंगे तीन आएगा कैसे आएगा क्यों आएगा किधर से आएगा किधर को जाएगा सब जान लिए तो ये क्या होगा तीन एक एक घात तीन गुड़ा एक बटा तीन तीन से तीन, तीन गया निपट एक एक घात तीन बराबर आंसर तो तो कोई दिक्कत परेशानी कोई दुख दर्द कोई तकलीफ इस सवाल में सभी को समझ में आ गया तो एक बार यस बोलो ईमानदारी के साथ यस बोलिए कोई बेमानी नहीं चलो फट से ये फलन होता कहने बोला तो अब हाँ हाँ वेरी गुड बहुत अच्छे बहुत अच्छे चलो बुरा नहीं मानना जागते रहो बस हमारी कोशिश ये है सो मत आ, मैं कहीं सुना था यार किसी वीडियो में कहीं किसी मूवी में था कहीं क्या था जागते रहो अच्छा एक बात बताओ आप लोग ईमानदारी से दिल से बताना झूठ नहीं बोलना पक्का प्रॉमिस अरे मैं उसका नाम नहीं पूछूंगा तुम टेंशन मत लो कुछ लोग तो ऐसे धड़कन बढ़ गई ऐसे लग रहा है कि अब दोबारा जिंदगी में मौका नहीं आएगा देखो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज तक आप लोगों ने अपनी जिंदगी में 28 30 साल जो भी आप 22 साल के तो कम से कम हो उससे कम कोई नहीं है हाँ एक होंगे गिने चुने कितनी मूवी देखा आपने कितनी पिक्चर देखा मूवी देखा या फिल्म देखा जो भी आप जानो पहले तो हम लोग फिल्म ही बोलते थे सुनते थे सोचते थे कितना देखा होगा कितना दो चार दस पांच बीस या अनगिनत या पता ही नहीं है कितना चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ मैं आगे बढ़ता हूं अगले कुछ और भी सवाल हैं चार घात में भी हैं वैसे भी हैं <laughs> कौन कह छब्बीस पंद्रह डेढ़ सौ एक सौ पच्चीस और कुछ लोग का तो पता ही नहीं है कितना अनंत कुछ लोग तीन सौ ये मूवी मान रहा हूं मैं वर्ष नहीं मान रहा हूँ जो लोग कमेंट कर रहे हैं मैं ये नहीं जान रहा हूं कि कितना है मैं ये बताना चाहता था कि अब तक अपनी जिंदगी में मैंने चार पांच मूवी देखा है पिछले छब्बीस सत्ताईस साल में लगभग छब्बीस चौबीस साल के तो हो ही गए होंगे हम इतना छोटे नहीं है तब भी पच्चीस छब्बीस साल में जो भी मैंने चार पांच मूवी देखा है पता है कौन कौन सा देखा है ए दिल आसिकाना दीवाना तिरंगा क्रांति और कौन सा देखा था आ, एक और भी देखा था जल्दी में बहुत दिन हुआ बस और ये सब कब देखा था पता है एक साल में देखा था जब इंटर का पेपर हुआ था ज़िंदगी काल में थी करना क्या है जाना कहाँ कुछ नहीं पता था तब देखा था बस तब से उसके अलावा कभी नहीं देखा और जबकि अगर मैं मूवी देखूँ ना तो होम थिएटर बना रखा मैंने इतना बड़ा पैनल लगाया है साउंड है हर चीज़ है लोग हमारे दोस्त लोग आते हैं कुछ ना कुछ देखते हैं कुछ देर तक मुझे बहुत गुस्सा आती है मैं भगा ही देता हूँ लेकिन मैं कभी नहीं देखता हूँ पता नहीं क्यों पता है क्योंकि मेरे दिमाग में ना इतना काम पे काम काम पे काम अगर बाथरूम क्या बोले बाथरूम भी जाना है ना तो मेरे फोन में रिमाइंडर बजता रहता है घर पे जाते तो हमारे घर वाले मजा लेते हैं भैया लोग बोलते हैं देखो एक लगी अलार्म बज रहा जल्दी जा जल्दी जा समझ रहे हो ना क्योंकि होता है ना यार मैं खुद मूवी दिखा रहा हूँ अगर आप यूट्यूब पर जाकर देखे पी study स्टडी में अब तक पांच करोड़ से अधिक दर्शक पी study स्टडी देख चुके हैं और छह लाख से अधिक लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं जिसमें से डेढ़ लाख लोग अनसब्सक्राइब कर दिए हैं और साढ़े चार लाख प्लस अभी तक सब्सक्राइब हैं समझ रहे हो यानी छह लाख लोग अब तक किए थे जिसमें से लाख डेढ़ लाख लोग अनसब्सक्राइब कर चुके हैं है लिए पता है क्योंकि वो मैथ मैथ सीख चुके हैं बेसिक अब उन्हें नहीं पढ़ना है कुछ लोग की शादी ब्याह हो चुकी लड़का बच्चा हो गए घर गृहस्थी बसा रहे हैं क्योंकि हम पिछले तीन चार साल से पढ़ा रहे हैं तो ये चीज है क्योंकि मैं मूवी देखता तो ये बनाता कौन समझ रहे हो ना तो मैं इसलिए नहीं देखता क्योंकि मैं देखता नहीं बनाता हूं चलिए आगे बढ़े फिर वो भी ये मैथ है पढ़ाई सबसे मुश्किल चीज अगर मैं कोई इधर उधर की नौटंकी करता ना तो अब तक ये संख्या दस बीस गुना ज्यादा होती पढ़ने में कितने लोग जुड़ते हैं भाई हजार में दो चार ही लोग जुड़ते हैं पढ़ने वाली क्लास में बाकी तो सब कॉमेडी देखते हैं अचरा सिंह को देखते हैं फलानी फलानी को देखते हैं समझ रहे हो और पता नहीं काका का देखते हैं वही जाने मोबाइल ले लो पता चल जाएगा तो आगे चलें ये बात आपको कुछ सीखने लायक है मुझे उम्मीद है कि आप कुछ सीखेंगे इससे हम ये नहीं कह रहे कि मत देखिए देखिए अगर आपके पास टाइम है लेकिन यह भी डिपेंड करता है कि क्या देख रहे हैं क्यों देख रहे हैं तो चलो भैया एक ही क्वेश्चन और है 49 प्लस 121 प्लस 81 इसका आंसर कितना आएगा बता दीजिए बहुत टाइम ओवर हो रहा है कितना आएगा एनी वन कोई बताएगा यस यस भाई यस कोई बताएगा एनी वन अरे वाह क्या कमाल है गुरु पुरनकी वाली क्लास में 92 टू प्लस लोग देख रहे हैं सौ लोग देख रहे हैं उस क्लास में आप लोग भी जाके देख लो एक बार हंड्रेड पार होने वाले हैं ये ना क्लास गई ट्रेंडिंग में अब पता है क्यों क्योंकि 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 पता है अब उसी में हम चल रहे हैं पढ़ाने अभी उसका लिंक दे रहे हैं क्लास ओवर होने रही है क्योंकि अच्छे बाबू वेरी गुड वेरी गुड तो इस समय डेढ़ सौ लोग लाइव है आज जिंदगी में पहली बार इतने लोग लाइव हुए हैं, बहुत खुशी की बात है चलो भाई नथिंग इज इम्पॉसिबल विंटर सीजन इज द बेस्ट गुड कुछ भी असंभव नहीं है जिंदगी में देखो धोबी का ना बनो खच्चर जैसे लगे रहो लगे रहो लगे रहो स्मार्ट तरीके से काम करो कम काम करो ज्यादा पाओ ये चीज अपनाओ चलो तो इसका वर्गमूल हो जाएगा सात इसका ग्यारह इसका नौ भाइया ग्यारह सात अठारह दूस बीस सात सत्ताईस कितना आएगा सत्ताईस अंशुल वेरी गुड अंशुल बहुत अच्छे भैया शर्मा <laughs> कह रहे हैं कि उसमें फालतू की बातें हो रही हैं ऐसा नहीं है लोगों की जो जरूरतें हैं अब हम वो उपलब्ध कराएंगे सिर्फ पढ़ाएंगे ही नहीं लोगों की जरूरतें सिर्फ पढ़ना ही नहीं है सेटिंग करना जुगाड़ करना चैटिंग करना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना और भी बहुत सी चीजें करना है ये युवाओं की जरूरतें हैं तो मैंने उस लाइव को फिलहे किया सत्रह दिन हो गया वो लाइव चल रहा है आपको पता है सत्रह दिन हो गया लाइव चल रहा है एक बार बीच में बंद हुआ था बस रात में भी नहीं बंद होता है

वो अपना बातचीत करेंगे घर वाले देखेंगे मम्मी देख रही हाँ मैथ पढ़ रहे हैं गुरु जी देखो लिख रहे हैं पापा आगे कोई आगे हाँ मैथ पढ़ रहे हैं मतलब कोई टेंशन भी नहीं है कि हाँ पढ़ रहे हैं हैं कि नहीं पढ़ रहे समझ रहे हो ना अब बाकी का कुछ और देखते तो कोई आया मोबाइल देखा है लौड़े का देखा दे एक सबूत भी है कि देखो मैथ पढ़ रहे हैं और बाकी नीचे कुछ और पढ़ रहे हैं तो ठीक है कोई बात नहीं चलिए ओके ठीक है वेरी गुड आइए बढ़ते हैं आगे आ, कुछ और भी सवाल कर लेते हैं भैया रुक जाओ यार भाई या रुक जाओ नहीं नहीं सब कुछ जरूरी है चलो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जाके वो करो लेकिन अब जो लोग नहीं संभाले संभल रहे हैं उनको कुछ तो दिखाओ कुछ तो दिखाओ उनको मूवी नहीं देखा तो मूवी वाला काम तो करो दिखाओ तो इसका आंसर कितने लोग कर लेंगे एनी कोई बता सकता है क्या इसका आंसर एनी कोई भी कोई बता सकता है भैया जो नहीं बता सकते एक बार बोल दे नो no, मुझे नहीं पता है क्या कर ले चलिए ठीक है इसका आंसर हो जाएगा वेरी गुड देखो भैया इनकी ना कोई भी जुगाड़ नहीं होने वाला है क्या होने वाला है पता तुम्हें देखो ये अंदर में ऐसा बुरा फंसे हैं निकलने वाले नहीं है ये अंदर से ही जुगाड़ लगाएंगे जैसे देखते होगा आजकल का नेता लोग ना जेल में बंद हो जाता है तो निकलता नहीं तो अंदर से ही सेटिंग करता रहता है सब उसका बाहर का दुकान चलती रहती है तो वैसे क्या है ये बाहर नहीं निकल सकता इसमें से बहुत बुरा फंसा है क्योंकि इसका कोई भी पूर्ण संख्या इसका घनमूल होगी नहीं तो ये इसी में रहेगा तो इस क्या करेगा पता है ऐसा ही रहेगा ये ये नौ और ये चार जुड़ जाएगा और ये ऐसा ही रहेगा याद रहे ये इक्वल होना चाहिए सेम होना चाहिए तभी जुड़ेगा तो ये नौ चार तेरा ये आंसर हो जाएगा इसके आगे इसमें कुछ नहीं हो सकता आगे <laughs> कौन कह रहा है हम गलत रास्ते पे भेज रहे हैं हम काहे को किसी को भेजेंगे जिसने ठान लिया कि मुझे बर्बाद होना है उसे कोई नहीं रोक सकता है अब एक बात बताओ आप लोग अगर हम पढ़ा रहे लाइव चल रहा बाबू भैया लाइव चल रहा है उसमें मैथ पढ़ाई जा रही है अब तुम मैथ नहीं पढ़ रहे हो सोना बाबू कर रहे हो राजा रानी कर रहे हो तो हम क्या करें उन्हें हमारा क्या गलती हम तो मैथ पढ़ा ही रहे हैं तुम नहीं पढ़ रहे हो तो क्या करें हो गया ये डन आगे बढ़े अब कुछ नया सीख लेते हैं है ना आज मेरा भी मन है मूड है क्योंकि आज मैं खाना वाना खा के आया हूँ ऐसे में अक्सर वैसे आता हूं तो थोड़ा सा बोलते बोलते ना अंदर से एनर्जी कम हो जाती है तो धीमी हो जाती है तो मेरा मन है ना कि आप लोगों का भी मन लग रहा है तो कुछ सीख ही लेते हैं कुछ भी सीख लेते हैं तो होगी नहीं सब हजम हो जाएगा ना तो चलो ठीक है क्वेश्चन है तीन अंडरवुट पच्चीस रुक जा भैया रुक रुक जा रुक जा अंडर रूट पच्चीस दिख रहा है ना हम्म इसका मान कितना होगा कोई बता पाएगा एनी वन ठीक है वेरी गुड बहुत अच्छे इसका जवाब अगर आपको नहीं पता है तो आप बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए मैं अभी इसका जवाब पटाक दे दे रहा हूं आपको चलो भैया इसका आंसर कितना आएगा नहीं पता है चलिए देखिए मजा आएगा वेरी गुड बहुत अच्छे भाई श्याम कुमार ए और सब देखा कैसे चुप पे बैठा है इतनी सर्दी लागती है ना कि रजाई कम्बल में हाथ डाल के बैठा है के निकाले फालतू कमेंट करे हम्म भैया भैया अरे भैया तू लोग क्या चाहत चाहते बताओ दिल चाहते हो कि जान चाहते हो कि कुछ और चाहते हो जो चाहते हो बता दो चलो आगे बढ़े इसका आंसर आएगा पंद्रह काहे को पंद्रह पता है तो का नहीं पता है रुक जा यहाँ पर दो लिखा था देखिए दो यहां पर लिखा रहे या कुछ ना लिखा रहे इसका मतलब होता है वर्गमूल ठीक है और पहले तो पूरी बात समझ लो पीछे बाद में आएंगे पहले आगे आओ जिंदगी में पहले आगे आओ पीछे बाद में जाना अब मैं ना इससे बोर हो गया हूं थोड़ा सा नया कर लेते हैं चटक मटक थोड़ा कर लेते हैं चलो होता है ना तो जैसे अगर यहाँ पर ये यह लिखा है तीन और यहाँ पर ये यह लिखा है पच्चीस यहाँ पर ये यह लिखा है ना तो पता है का है नहीं नहीं तो करना ही पता है रुक रहा ये है करडीगत क्या है ये करडीगत और ये है गुड़नखंड क्या है गुड़नखंड है इसका और ये जो है ना वो है करड़ी घात क्यों भैया ही तो बोलते हैं इसको कुछ और बोलते हैं बताना मुझे कुछ और होगा तो ये है करड़ी घात सही बोल रहे हैं कि नहीं हम्म कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं नहीं कंफ्यूजन हो तो बताओ ऐसा नहीं है कि तू जो कहे बस वही सही है तेरे बिन तो कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए तू जो कहे वो सब सही नहीं है नहीं होता है लोगों का ऐसा आशिकी में कभी कभी कर जाते हैं कि तू जो कहे बस वही सही है तेरे बिन तो कुछ भी नहीं है आइए चलिए तो इसमें जो गुड़नखंड है ना उसमें जो करड़ी गत है उसको हल करके गुड़ा कर देते हैं ठीक है समझ गए ना तो भैया ये तीन है ऐसे रहेगा पच्चीस का वर्गमूल पांच हो जाएगा फाइनल में पंद्रह आ जाएगा ठीक है आप कमेंट नहीं देखूंगा मैं ना नाराज हूं आप लोगों से इसमें देखो एक सौ इक्कीस इसका वर्गमूल ग्यारह आएगा तो ग्यारह का सात में गुड़ा बराबर सतहत्तर आंसर आएगा क्वेश्चन आपके सामने है जवाब दीजिए प्रैक्टिस मेरी स्पेलिंग जो है सही ही है गलत नहीं है मैं इसे बोल देता हूं। चलो ठीक है सी के बाद ई भी लगा दो चलो प्रैक्टिस ओके इंग्लिश में थोड़ा बड़ी कमजोरी है यार क्या करें कोई मैडम नहीं मिल रही सिखाने वाली अच्छी सी इसीलिए नहीं आ रही चलो आइए ये क्या हो जाएगा फोर ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव इसका स्क्वायर है ना फाइव और ये सिक्सटीन तो पच्चीस का चार में करेंगे सौ ए भैया यहाँ गुड़ा का चिन्ह था यार एक मिनट ए रुक जा गुड़ा का चिन्ह था तो ये गुड़ा ही रहेगा ना गुड़ा का चिन्ह था सोलह पंचे अस्सी एक सौ अस्सी आएगा ठीक है बहुत अच्छे सरेजल जी बहुत अच्छे वेरी गुड एक सौ अस्सी आएगा अर्जुन भाई लवी गंगवार ये पच्चीस पच्चीस का चार में सौ ये चार चौक सोलह सोलह पंचे अस्सी अगला सवाल का कोई जवाब देगा ठीक है शंकर प्रजापति बहुत अच्छे पहला जवाब है इनका और लोग ना अभी देख रहे हैं हमारा खोपड़ी देख रहे हैं देखो भैया गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती हैं जब बेस समान हो आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती हैं तो ये हो जाएगा फोर अपान नाइन ये थ्री प्लस फोर डिवाइड बाई फोर अपान नाइन पावर फाइव भाग करने पर घाते घट जाती हैं तो फोर अपान नाइन ये जुड़ेगा तो सात घात हो जाएगी और ये पांच इसमें से घटेगा फोर अपान नाइन ये घटेगा दो आ जाएगा और फाइनल में हम लिख सकते हैं सोलह बटा इक्यासी कमेंट मुझे नहीं दिख रहा है हमें लग रहा है ये लोग ठंडा रहे नहीं कमेंट करने का सर कितना लुल क्वेश्चन था अरे वाह में कौन कौन टोपा लगाया आज <coughs> कौन कौन टोपा लगा बैठा है देख रहे हैं मत बोलो ऐसा लगता है सारी ठंडी खोपड़ी है मैं से घुस जाती का ठीक है बहुत अच्छे वेरी गुड और कोई एनीवन हमारे ना कमेंट बात चलता है नहीं रहा हम सोचन कि हम सोचें कि हमारे मोबाइल होगी भैया नहीं नहीं लगाना चाहिए अच्छी बात है आजकल के फैशनी लोग कहाँ लगाते हैं एक महाभारत तब हुआ था एक वस्त्र हरण में और एक महाभारत अब होगा वस्त्र कोई पहनाएगा तब कलयुग है दोनों जल समय होता भैया चलो इस पे बात करेंगे तो लोग गरियाएंगे आएंगे मुझे नहीं बोलेंगे चलो आगे बढ़े क्वेश्चन हल किया गया है क्या मतलब है इसका इसको मैं आपको बताता हूं चलिए अगर माइनस में घात दी गई हो तब तब क्या होगा माइनस में घात दी गई हो तो उसको कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं वो पीडीएफ बनाया गया था इसलिए क्वेश्चन हल था यहां पे पीडीएफ बना के आप लोगों को टेलीग्राम में दिया जाता है ना देखो ये चौसठ का घात माइनस दो बटा तीन था ना यहां पे समझना सिक्सटी फोर को हम लिख सकते हैं साथियों फोर का पावर थ्री बोलो कोई दिक्कत नहीं ना कोई परेशानी नहीं चलिए अब इसकी पावर माइनस टू अपान थ्री कर सकते हैं ये क्या है नीचे थ्री अब फाइनल में हम क्या कर सकते हैं फोर और ये थ्री गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती हैं आपने पढ़ा है बचपन से लेके जवानी बुढ़ापे तक तो घाते जुड़ जाएंगी हम्म गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती हैं जब घात के ऊपर घात हो तो गुड़ा होता है घातों का जुड़ती नहीं है तो ये तीन से तीन निपट जाएगा चार का घात माइनस दो आएगा ठीक है भैया चार की घात माइनस दो आएगा इसको हम ऐसा कर सकता है पता कैसा कर सकता है तुम इधर देखना भैया ये ऐसा कर सकता है ये माइनस जब होता है ना तो इसे ऐसे कर सकते हैं, ये सूत्र होता है चाहे तो लिख लो ये घातांक के सूत्र अनुसार होता है एक लाइन में ठीक है अब इसे हम ऐसे कर सकता हूं फिर इसी घातांक के रूल के अनुसार इसको मैं ऐसा कर सकता हूं ठीक है यानी फाइनल में एक बटा सोलह लिख सकता हूं कोई दिक्कत नहीं किसी को जो बार बार कॉपी पेस्ट कर रहा है उसे ब्लॉक कर दो एकदम से कॉपी पेस्ट वाले को ब्लॉक करो के कौन कह रहा है कि लगाऊंगी नहीं कह नहीं लगाओगी मारेंगे पटक के हम ठीक है बिक्की कुमार वेरी गुड कित्तू कितु समझ में आया अब कित्तू के चक्कर में कुत्तू ना बोल दू जाने तो नहीं बोलेंगे चलो हो गया डन सभी को समझ में एक बार यस बोलो भैया कुछ ना कुछ बोलो ना यार चलो आगे नेक्स्ट सवाल यक्ष का पावर इसे बोलते हैं यक्ष का माइनस टू हम्म कितना आएगा ये इसमें ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर फोर है आप लोग बताओ पहले मुझे अगर इसका सी सही है तो आप फोर सी कमेंट करोगे अगर डी सही है तो फोर डी सबसे पहला जवाब अगर कोई दिया तो उनका नाम है पूजा सिंह सालिनी कुमारी ठीक है श्वेता अंजलि लड़कियां लड़कियां कमेंट कर रही लड़का लोग मुंह में दही का अंकिता यादव रंजीत पटेल पूजा यादव धवल त्रिपाठी ए भैया हो का आंसर ना ये डी वाला सही है डी वाला सही है जो सी बता रहा है उसका गलत है गधा, यहां तो खुद माइनस में लिखा है ये ये खुद माइनस में है नीचे आएगा तो माइनस थोड़ी रह जाएगा प्लस हो जाएगा ये ऐसा कभी संभव ही नहीं है कि कुकुर धोए बछिया बन जाए ऐसा नहीं होता है ये और गलत है ये भी गलत है ये सही है ये भैया क्वेश्चन खतरनाक है क्वेश्चन ना गजबे का है चलो कितने लोग कर लेंगे इसको जल्दी से मुझे आंसर बताओ कितने लोग नहीं कर पाएंगे मैं एक फोन लेके आता हूँ इसको वीडियो कमेंट देखने के लिए तो मैं आप लोगों को डील करता हूँ आगे बढ़ता हूँ क्योंकि ये चार्ज नहीं फोन ठीक है ये फ़ोन चार्ज नहीं इसको मैं चार्ज में लगा देता हूँ इसको रख दो यहाँ कमेंट के लिए ओके कोई लगा पाएगा इसको साहिल लगा लोगे भैया चलो इसको अब हम हल करें आइए इनको यहाँ साइड में पहले करो थोड़ा सा जगह दें दिखना चाहिए अब इसको मैं पतला करके ही लिखूंगा इसको मैं लिख सकता हूं टू ए माइनस टू डिवाइड बाई ए का पावर माइनस तीन बटा दो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दो भैया तो क्या है पता है आ, भाग करने पर घाते घट जाती हैं, पता है ना आपको भाग करने पर घाते घट जाती हैं अगर उनका जो है आधार इक्वल हो तो यहां पर आधार इक्वल ही समझो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं दो गुड़े A का माइनस डिवाइड बाई ए का पावर माइनस तीन बटा दो इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं ना चलो ठीक है मैं बता देता हूं कोई दिक्कत नहीं चलो दिख रहा है ना यार लाइट कम है इसमें बोलते है नहीं हो तुम लोग लो अब दिखा ना चौचक तो घाते घटा लो इसमें फटाफट बस हो गया आंसर चलो इसमें एक काम और भी कर सकते हो पता है का इनको गुड़ा कर सकते हो देखो भाग लगा है ना एक चीज आपने देखा होगा कहीं तीन बटा पांच डिवाइड बाई अगर चार बटा नौ लिखा है ना इसको एक चीज और कर सकते हैं हम पता है का तीन बटा पांच गुड़ा का चिन्ह लगा के नौ बटा चार लिख सकते हैं यानी भाग का चिन्ह हटा के गुड़ा लगाते हैं तो पलट जाता है ठीक है समझ रहे हो ना हम्म छाया सिंह समझ में आ रहा है सबको समझ में आया तो ये चीज हम ऐसा कर सकते हैं और जब इसको ऐसा कर सकते हैं तो फिर हम कहा नहीं कर सकते हैं तब फिर हम सब कर सकते हैं तो इनको भी हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर गुड़ा का चिन्ह लगा देंगे और ये हो जाएगा लेकिन ये यहां कंडीशन अलग है माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा बस पलटेगा नहीं ठीक है यहाँ पे माइनस वाली बात थी इसको प्लस बना लिया दोनों में से एक है हो सकता है अब गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाएंगी इनकी और दो को बाहर कर दो साइड में रहेगा ये तो इनकी घाते जुड़ेंगी माइनस दो प्लस तीन बटा दो इनको हल करोगे तिरछा गुड़ा कर लो कितना आएगा दो दुना चार तीन एक, तीन, एक बटा दो आएगा शायद जो भी आएगा देखो ये दो ए दिख तो रहा है ना यार कहा तक दिख रहा है देखो ये चीज मैं हल करके दिखा देता हूं पहले माइनस टू अपान ए प्लस तीन बटा दो इनका तिरछा गुड़ा करते हैं ठीक है तो दो दूना चार और तीन एक कम तीन दो एक कम दो माइनस एक बटा दो आएगा कितना आएगा माइनस वन अ टू समझ में आया माइनस वन अ टू नहीं समझ में आया कमेंट करना इसके बारे में बताएंगे ठीक है तो ये माइनस एक बटा दो देखो भैया इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं तो फाइनल में इसको दो ऊपर छोड़ देते हैं इसको नीचे ले आते हैं नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा जो घात माइनस में है ठीक है प्लस में हो जाएगा ये अर्जुनवा को ब्लॉक कर दो इसको ठीक है कर दो एकदम से तो फाइनल में इसको मैं दो बटा रूट ए लिख सकता हूं बस यही आंसर हो जाएगा देखो एक बटा दो का मतलब ही होता अंडर रूट देखो जैसे अंडर रूट ए है तो इसको लिख सकते हैं ये सूत्र मान लो या कुछ भी मान लो कॉन्सेप्ट नहीं होता है डन। देखो, देखो जैसे अंडरवुड है तो इसको लिख सकते हैं ये सूत्र मान लो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं नौ में सात में हूँ नौ का मैथ लगाता हूँ ठीक है अर्जुन बहुत अच्छे कक्षा अच्छा नौ में हो करके सात में हो करके नौ कमेंट लगाते हो अच्छी बात है शुभकामनाएं बहुत सारी लेकिन बाबू बार बार कमेंट ना करो हाँ एक कमेंट करोगे तो ब्लॉक कर देंगे हाँ जिनके ये सवाल ऊपर से निकल गया उनके नीचे से निकलने के लिए उनको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए तो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आप सीखिए चलिए इसमें कैसे करोगे हुँ? कितने लोग कर लेंगे इसमें आइए चलिए इसको भी करते हैं गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती हैं आप सबको पता है हम्म कर लोगे इसको कि नहीं बताना कमेंट करके वैसे कर लोगे जैसे मैं उसको बताया बिल्कुल वैसे है थोड़ा सा अलग है बस कर लेना ठीक है एक बार बताओ सभी कर लोगे बेसिक आना चाहिए बेसिक आना चाहिए फिर आएगा बेसिक आना चाहिए बेसिक नहीं आएगा तो ये नहीं आएगा बाबू ठीक है तो बेसिक सीख लो पहले अच्छा इसका आंसर कोई बताया नहीं वन सेवन नंबर है अगर ए सही है तो सेवन ए लिख के कमेंट करिए सी सही है तो सेवन सी और डी सही है तो सेवन डी जल्दी हर कोई कमेंट करेगा एक एक लोग कमेंट करेंगे चलो सेवन ए सेवन बी सेवन सी सेवन डी क्या आरपी सिंह नहीं आया बेसिक आपका हमें लगता गड़बड़ है आप लोग का बेसिक नौ बजे से चल रहा है वैसे भी मैं ट्वेंटी फोर इंटू सेवन लाइव चला रहा हूँ बेसिक देखो तब ना पढ़ो तब ना आशीष सबसे पहले जवाब दिए हैं राधिका वर्मा इनका तरीका गलत है राधिका का आशीष का तरीका सही है लवी गंगवार का भी तरीका सही है सिर्फ तरीके की बात कर रहे हैं अभी आंसर की नहीं पीयूष राज यादव ठीक है सेवन में जहां तक मुझे लग रहा है ये डी वाला ही सही है सेवन डी सही है ये देखो भैया एक्चुअली की बात ये है यहाँ पर जीरो से गुड़ा है और जीरो से गुड़ा मतलब अपने पैर कुल्हाड़ीज खुद काटना जीरो हो जाएगा ये सब जीरो हो जाएगा सिर्फ नौ बचेगा जीरो प्लस नाइन बचेगा फाइनल में नाइन आएगा जो लोग जीरो को हल्के में लिए वो गड़बड़ा गए ठीक है आया समझ में प्रैक्टिस सेट हो रहा है इसके बाद नया चैप्टर चलेगा कुछ नया पढ़ेंगे ये खत्म हो गया ये खत्म हो गया ये करड़ी घातांक भी खत्म हो गया अभ्यास प्रश्न करवा दिया इसके अलावा एक प्रैक्टिस सेट पीवीआर स्टडी ऐप में जो बच्चे सब्सक्रिप्शन वाले हैं उनको विशेष रूप से दे दिया जाएगा ठीक है और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ YouTube पे तो आपका काफी प्रैक्टिस हो गया है अब और जरूरत नहीं है अब कुछ नया सीख लेते हैं कुछ नया जो कि इस टॉपिक से संबंधित नहीं है क्योंकि ये टॉपिक बहुत बोरिंग है है ना मजेदार नहीं ना ये टॉपिक क्यों ये टॉपिक मजेदार नहीं है ना है का अच्छा बताओ सेवन यहां पर लिखा है फोर तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं मुझे यह बताओ आ, क्या इसको हम सेवन का पावर फोर लिख सकते हैं ए नंबर या फिर इसको हम रूट सेवन इंटू रूट सेवन और इंटू रूट सेवन का स्क्वायर लिख सकते हैं बी नंबर या सी नंबर में हम इसको लिख सकते हैं फोर्टी नाइन या फिर डी नंबर में हम इसको लिख सकता हूं सेवन का पावर वन अपान फोर क्या लिख सकता हूं इसको मैं बताओ अच्छी चीज है ये सबको समझ में नहीं आएगी मुझे पता है परीक्षा में जो लोग टॉप करते हैं पूरे पूरे नंबर पाते हैं इसको वही पढ़ते हैं हर कोई इसमें टिकेगा नहीं अगर आप पूरा टाइम इसमें रुके रहोगे ना तो यकीन मानो आप बहुत महान हो तभी आप रुके हो नहीं हर कोई रुकता नहीं इस क्लास में इतना लंबा कचोरी भाई कह रहे हैं लफड़े वाले दिख रहे हैं सब अच्छा राधिका वर्मा पूजा कोई सी बता रहा है कोई कुछ बता रहा है कोई डी बता रहा है मुझे तो नहीं पता है का बता रहा है ए भैया भैया तुम लोग ना पीछे वाला पढ़े हो ना पीछे वाला पढ़े हो देखो पीछे वाला जो देख करके कंपेयर कर रहा है उसका ही गड़बड़ हो रहा है देखो ठीक है मैं बताता हूँ समझो यहाँ पे मुझे जहां तक लग रहा है इसका सिर्फ और सिर्फ अगर कोई ऑप्शन सही है तो मैं भी अपनी राय बता रहा हूँ मुझे कंफर्म नहीं अभी हल करके दिखाऊंगा क्योंकि मैं पहले बता दिया तो गड़बड़ है ना ये डी वाला सही है बाकी गलत है ये डी वाला सही है देखो कैसे जो लोग उनचास बता रहे हैं उसकी अलग कहानी थी भैया उनचास कब होता है पता है उनचास ये तब होता है जब ये रूट सात का घात चार होता ऐसी अवस्था पे ये उन्चास होता है ठीक है काहे को होता है क्योंकि हम इसको रूट सेवन का स्क्वायर इसको हम यहाँ स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं कोई दिक्कत नहीं किसी को रूट सेवन का स्क्वायर का मतलब सेवन होता है फिर बाहरे वाला स्क्वायर लग जाएगा फाइनल में फोर्टी नाइन आएगा सम्झा? सम्झा भाई समझा समझा भैया ना हा? लेकिन लेकिन ऐसा बात नहीं है ये फोर का मतलब तू नहीं समझ रहा है भैया देखो मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है इसका मतलब बताता हूं देखो अगर ये कहीं ऐसे लिखा है चौसठ यहां पे घात फोर है ना इसका मतलब यह है कि इसके जो फैक्टर करेंगे उसमें चार चार का जोड़ा बनाएंगे जैसे वर्गमूल में सामान्यता दो दो का जोड़ा बनता है घनमूल में तीन तीन का जोड़ा बनता है तो यह घनमूल, वर्गमूल नहीं है, चार मूल वाला है घोर कलयुग लगा है, समझ रहे हो चर्चर -चर का जोड़ा बनेगा वो के साथ में एक और वो देखो कैसे अगर इसका हम इस तरीके के हल करें तो दो दुना चार दुना आठ दुना सोलह दुना बत्तीस दुना चौसठ समझना यहाँ पे तो यहां पर चार चार का जोड़ा बनेगा इसका ये मतलब है तो इसमें से एक दो बाहर आ जाएगा एक दो बाहर आ जाएगा और ये चार अंदर में बचेगा तो इसे हम ऐसा भी लिख सकता हूं चार लेकिन ध्यान रहे ये दो बगल में गुड़नखंड के रूप में रहना चाहिए यहां पर इसके खोपड़ी पे नहीं रहेगा ये यह दो यहां पे रहेगा यहां पर चार लिखा होना चाहिए समझ में आया ना कि नहीं समझ में आया जैसे घनमूल वगैरह करते हो तीन दिन का जोड़ा बनाते हो वैसे इसका चार घात का ये मतलब है ये चीज आप याद रखना ठीक है कोई दिक्कत किसी को चलो देखो तो ये चीज आप समझ गए तो अब आओ हम इसको बता देता हूं सेवन वाले पे आ जाओ मिटाओ इसको क्या करोगे लिख लिख के अब अलग अलग पेज में जा रहे हो फैला रहे हो देखो ये सेवन का फोर जो है ना देखो इसको लिख सकता हूँ सेवन का वन अपान फोर कैसे देखो भैया एक्चुअली में रूट सेवन अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो टू माना जाता है और आपने देखा होगा कि इसकी घात एक बटन तो ऐसा लिख सकते हैं ठीक है ये सेवन अगर यहाँ चुरकी पे तीन है इसके खोपड़ी पे तो इसको सेवन का वन अपान थ्री लिखा जाता है समझ रहे हो ना लेकिन याद रहे का याद रहे कि अगर कहा ऐसा सेवन लिखा है यहाँ नाइन लिखा है यहां पांच ये चीज आप अंतर समझना जो यहां नंबर लिखा है ये गुणनखंड के रूप में है जो इसके चुरकी पे होता है अक्सर वो छोटा सा लिखा होता है बड़ा नहीं और ये अक्षर जो इसके आगे गिनती होगी हमेशा बड़ी होगी ठीक है ये इसका पटेत है पटीदार इसमें गुड़ा होता है लेकिन ये नकुना पे जो होता है ना वो होता है उसका घात करड़ी घात समझ में आया हम्म बहुत समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा नहीं तो डीएलएड में पच्चीस में पच्चीस नहीं मिलेगा याद रखना अगर इन चीजों को गड़बड़ कर दिए नजरअंदाज कर दिए तो या तो इनको गड़बड़ नहीं करना इन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना तभी पुरांग मिलता है परीक्षा में पूरा पूरा पूर्णांक मिलेगा डीएलएड वालों को अंडरवुड सेवन अगर यहां पर नौ लिखा है ना तो इसका मतलब हो जाएगा सेवन का पावर वन नाइन ये चीज आप याद रखना बस अब इसी तरीके में अगर मैं बोल दू यहां पर अंडरवुड यन है यहां पर ए है तो इसका हो जाएगा यन का पावर वन अपान ए ये सूत्र मान लो या कुछ भी मान लो इस तरीके में ठीक है जो नाम बोलवाने वाले उन्हें ब्लॉक करो फटाफट जो नाम बोलने के लिए आए उनको तुरंत ब्लॉक करो बिना कुछ बोले इसमें क्या क्या पढ़ेंगे दिख तो रहा है ना सभी को भैया एक बार बता दो कि दिख रहा है एकदम मस्त दिख रहा है। चौचक दिख रहा है ना रुको पेनिया थोड़ा पतली कर ले बड़ी मुटकी हो गई है यार कुछ ज्यादा मोटाई है देखो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे परमीय संख्याओं को घातांक के रूप में लिखना क्या पढ़ेंगे रेफनल नंबर को पावर के रूप में लिखेंगे जैसे सिंपल सा बात है रे भैया जैसे अगर यहाँ पे आठ लिखा है ना तो आठ को हम दुई का घात तीन लिख सकी थे बस यही कहानी पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे सबको समझ में आ रहा है ना हम्म अच्छा कुछ लोग का क्लासवा नहीं चल रहा है रुक जाओ इनका लिंक भेज देते हैं कुछ लोग का क्लास नहीं चल रहा यार एक मिनट आप लोग मुझे एक सवाल तब तक बताओ नहीं कुछ लोग का ना में चुल्ल पड़ेगी हैरान हो जाएंगे भागेंगे कहेंगे टाइम बर्बाद करता है देखो मुझे ये बताओ कि संख्या एक को बेस दो पर घातांक के रूप में बताओ बताओ आधार दो पर एक को घात रूप में लिख के दिखाओ रोहित जी लिंक भेज दीजिए क्लास का इसी में इसी क्लास का लिंक इसी में भेजिए वो उस पर क्लिक करके रिफ्रेश कर लें क्योंकि जो बच्चे बहुत पहले से वेट कर रहे थे उनका क्या होता है इंटरनेट स्लो होता है गांव गांव में तो वो रिफ्रेश नहीं होता अपने से स्टार्ट होता नहीं है बताओ कितना आएगा अच्छा एक और बताओ अच्छे सौ पच्चीस को आधार पांच पर घात रूप में बताओ मैं बता रहा हूं बता रहा हूं ये तो सिखाएंगे ही इसके अलावा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाएंगे संख्या पद्धति का जिन छात्रों का क्लास नहीं चल रहा है लिंक पर क्लिक करके रिफ्रेश कर लें चलने लगेगा कमेंट में मैं लिंक दे रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चे पहले से वेट कर रहे थे तो उनका प्ले नहीं हो रहा है चलो भाई बहुत अच्छा कोई जवाब दिया अगर तो मैं उनका नाम जरूर बोलूंगा ईमानदारी के साथ आशिता पांडे बहुत अच्छा सबसे पहला जवाब भाई बिभू ने दिया है और आशिता पांडे ने सेकेंड नंबर पर लक्ष्मी गंगवार इनका आया है थर्ड नंबर पर ठीक है वेरी गुड आइए देखिए देखिए समझिए सीखिए घातांक रूप की सबसे पहले बात करेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फिर हम शुरू से चलेंगे संख्या संख्या अभाज परमीय अपरमीय वास्तविक काल्पनिक इनके दादा परदादा नाती पनाती छनाती तक का पूरा खबर लेंगे समझ रहे हो हर एक पुस्तक का लेकिन पहले कुछ जो बोले हैं पहले उसको पढ़ लीजिए तब आइए देखिए चैप्टर फोर आज शुरू हो रहा है चैप्टर फोर का नाम है पूर्णांक तथा परमीय संख्याओं का घातांक रूप में लिखना घातांक रूप में लिखना ठीक है चलिए कहानी शुरू करते हैं आइए आइए जी आप ही का इंतजार था जैसे अगर यहां पर लिखा है ए यहां पर लिखा है खोपड़ी पे यन तो जानते हो इसको ए को क्या है ये यह बराबर यहां पर आधार है जिसे बेस बोलते हैं ठीक है और यन क्या है यन घात है या घातांक बोल सकते हैं जिसे पावर तो नहीं एक्सपोनेंट ऐसे कुछ बोलते हैं शायद ठीक है एक्सपोनेंट ही बोलते हैं ना इसको घातांक या फिर घात अगर हम बोले तो घात को हम पावर लिख सकते हैं ठीक है तो ये कहानी समझ गए आप तो मुझे एक चीज का जवाब दीजिए फिर अगर आप समझ गए तो मान लेते हैं कि आप समझदार हैं इसमें आधार और घातांक बताओ क्या है आधार क्या है घात क्या है बताओ पहले वाले में क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं हमें बिल्कुल परवाह नहीं कि आपको आता है कि नहीं आता है इसमें आधार और घात क्या है बताओ देखिए हमें बिल्कुल सिखाना है शुरू से एनीवन अक्षिता पांडे नीरज यादव ठीक है नीरज अंशुल शिरोमणि किरण भाटी आशीष पूजा यादव ठीक है नीरज वेरी गुड प्रांजलि सिंह अंकित अनिकेत सर आप आए हैं आपसे कुछ बात हुई थी कि आप कुछ स्पेशल करने वाले हैं आज अगर आए हैं तो बताइए कि हाँ आप आए हैं ठीक है सबको आता है लगभग ठीक है लगभग सभी को पता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं आधार तीन है घातांक क्या है सात है इसमें आधार पांच है घात सात है इसमें मैं कमेंट देख रहा हूं फोन में ठीक है चलो तो ये सबको पता है आइए अब जो नहीं पता है धीरे धीरे उसको सीखते हैं क्योंकि हमारा काम है उद्देश्य है स्टेप बाय स्टेप सिखाना अब किसको आता है किसको नहीं आता हमें इससे कोई मतलब नहीं है मेरे दिल को जो भाता है वो मैं बताता है तेरे को आता है या नहीं आता मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है ये कहां की लैंग्वेज है मैंने सुना है शायद दिल्ली मुंबई लोग बोलते हैं तेरे को मेरे को अपने बाप को भी तेरे को मेरे को बोलते हैं हमारे यहां सम्मान के साथ बोला जाता है आप बोल करके है ना चलिए जैसे अगर मैंने लिखा दो गुड़ा दो गुड़ा दो गुड़ा दो, गुड़ा, दो गुड़ा दो समझना है यहां पे क्या समझना है देखना देखो हमें क्या करना है घातांक सीखना है ना घात मतलब इसका कॉन्सेप्ट सीखना है तो अगर इनका हम गुड़ा करें तो क्या होगा दो का दो में चार दूना आठ दूना सोलह सोलह होगा ना हम एक काम और भी कर सकते हैं आजकल मॉडर्न जमाने में लोग स्मार्ट हो रहे हैं स्मार्ट में ना हर चीज छोटी हो रही है चाहे वो लोगों के कपड़े हो गए चाहे मोबाइल की चिप हो गई पहले का फोन देखते कितना चौड़ा आता था मतलब मोटा भारी आता था आजकल देखो ऐसे ऐसे लैपटॉप आने लगे जेब में लेके घूमो एप्पल का मैकबुक देखो कितना हल्का बना दिया उसकी चिप जो है ना धीरे धीरे छोटी करते जा रहे हैं नैनो मीन मतलब नैनो में आ गए अब मिली में जो थी पहले समझ रहे हो तो मॉडर्न जमाने के हिसाब से अब इसको भी हम क्या करेंगे इतनी बड़ी जगह लिया फालतू का स्याही स्पेस टाइम इसको छोटा करेंगे उसी को घातांक रूप कहते हैं देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम इसको थोड़ी दूर में लिख सकते हैं कैसे एक दो तीन चार बार है ना तो दो जितनी बार है कि खोपड़ी चार और बराबर फोला ये हो गया मॉडर्न जमाने के हिसाब से कम जगह में बताओ हुआ कि नहीं है बात वही इसका मतलब वही है इसके अंदर वो सारी पीड़ा सिमट गई जो यहां इससे फैली हुई थी समझ रहे हो तो चाहे आप इसको लिखो चाहे इसको लिखो मतलब एक है हुआ तो कहीं अगर अब आप ये देखना क्या नया नए पेज में लिखो क्या दिक्कत है जब मिला है तो कहीं अगर अब आप ये देखना यक्ष की पावर सेवन तो इसका मतलब समझ जाना कि इसके दिल में क्या क्या छुपा रखा है समझ रहे हो ना हम्म जान जाओगे ना कोशिश कर लोगे ना कि हाँ, जान जाओगे ना पक्का ठीक है यानी अगर कहीं इसके खोपड़ी इसे घात लगी है या देख लो लो मान का यहाँ पांच लगा है तो ये आपके दिल में तुरंत घंटी बजनी चाहिए कि खोपड़ी पांच लगा इसका मतलब पांच 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 नहीं तीन तीन तीन, 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 तीन पांच बार ठीक है इसका घात पांच है इसका मतलब ये इसका ये मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ ए रुक जा यार मतलब के चक्कर में तू को बोल रही तीन चार पांच छ सात ठीक है डन कोई दिक्कत किसी को सुनीता यादव चौधरी साहब सौम्या ठीक है वेरी गुड बहुत अच्छा आशीष आशिता ठीक है मजा आ रही सभी को ये तुम नीचे आ जाएगा कर जाता है लोग नहीं देख पाता है अब सही है ये इतना बड़ा बनने के लिए पैदा हुआ है इससे छोटा नहीं हो सकता भैया ये मैं सोच रहा था कि मैं चुप्पे से इसको सिलेक्ट कर लूं कोई जान ना पाए लेकिन ऐसा नहीं है उतनी बड़ी दुकान लगाएगा ये अपना चलो ठीक है कोई बात नहीं जाने दो तो ये आप सबको समझ में आ गया पक्का ठीक है अब इसमें कोई बड़ी बात है ये नहीं है इसमें समझना क्या है लेकिन अभी जो मेन चीजें हैं वो बची हैं ये बोल रही का देखिए मेन चीजें क्या समझना है इसमें मैं बहुत ज्यादा गोच दे रहा हूं का कुछ कुछ ज्यादा फैला हो गया ना इसलिए गोच रहा हूँ इनको सबको थोड़ा साइड में लिखिए तो एक जगह कुछ चीजें समझ में आए देखिए जैसे किसी भी नंबर को पहले हम घात रूप में लिखना सीखेंगे मेन वही होता है बाकी घात रूप में लिखा गया है तो उसको नॉर्मल संख्या में लिखना आसान होता है ठीक है एक्सप्लेन करना जैसे किसी भी संख्या को घात रूप में लिखना है तो वो मेन होता है ठीक है जैसे अच्छा एक चीज और बताओ मान लो मैंने लिखा दो का घात एक बटा तीन तो इसका मतलब जानते हो क्या होता है कितने लोग जानते हैं नहीं जानते हो अच्छा अगर तीन का घात यहाँ पर माइनस का पांच लिख दिया तो इसका मतलब जानते हो क्या होता है नहीं जानते हो तो बता रहा हूं देखिए सिंपल वाला जो आप जान गए इसको ये भी चीज समझिए ना मतलब हर चीज का समझ लीजिए फिर उसमें हम लोग घुसते हैं एकदम पूरा टूट पड़ते हैं पहले थोड़ा थोड़ा चिखा रहे हैं आपको समझ रहे हो ना कहते ना एक बार चस्का लग जाए इसका उसके बाद देखो क्या होता है जियो ने क्या किया पहले तो फ्री का नेट दिखाया लोगों ने सब कुछ देखा जो नहीं देखते थे वो भी देखा और फिर ऐसी आदत पड़ गई कि अब बिना देखे रहा नहीं जाता है अब रिचार्ज कराना पड़ता है समझ रहे हो कि नहीं हम्म जो लोग कभी नहीं देखते थे वो भी देखने लगे जियो फ्री हो गया अब क्या देखने लगे मैं कुछ थोड़ी बोल रहा हूं वो अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है कौन क्या देखना चाहता है कोई कुछ वीडियो देखता था कोई कुछ काम की चीज देखता था कोई अपने उसको देखता था लेकिन कुछ ना कुछ लोग देखते थे है ना आइए चलिए तो हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे इसकी देखिए अगर कहीं अंडर रूट लगा है ना साथियों अंडर रूट इसके यहां चुरकी पे कुछ नहीं है खोपड़ी पे यहां तो इसको वर्गमूल माना जाता है सामान्य भाषा में ठीक है तो इसका मतलब ये होता है कि दो का घात एक बटा दो मतलब दो ही जरूरी नहीं है इसके अंदर जो भी गिनती रहेगी उसकी घात एक बटा दो जैसे यहां पांच है तो इसका मतलब पांच की घात एक बटा दो अगर यहाँ अंडर उठ उन्नीस है तो इसका मतलब है वो उन्नीस की घात एक बटा दो यानी वर्गमूल है तो इसका मतलब उसको हम वर्गमूल हटा करके घात क्या लगा सकते हैं एक बटा दो सबको समझ में आ रहा मेरी बात हम्म पक्का ठीक है चलो तो यार अब मैं इसको इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकता थोड़ा अगला पेज में आ जाओ। अगर यहां पर ये लगा है मान लो सात यहाँ पर तीन है मतलब समझना घातांक वाले में पढ़ाया हूं लेकिन वो कोई और बैच थी इसमें किसी की और उम्मीदें हैं हो सकता है इसको ना देखा वो बैच ये लोग तो फिर इसको मुझे बताना पड़ेगा फिर से इसमें ठीक है इसका मतलब है कि सात घात एक बटा तीन समझ रहे हो देखो भैया ये घनमूल है इसमें छिपा होता है चाहे लिखा जाए चाहे नहीं अगर यहां पर तीन लगा लिखा है मतलब क्या ये घनमूल है सात का घनमूल निकालना है मतलब जितना यहां पर नंबर है उतना उतने उतने का जोड़ा बनेगा बस अब जोड़ा का मतलब क्या है बताऊंगा बताऊंगा पहले आप चाहे यादें कर लो इसको ऐसे बस फिर बता रहा हूं बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिख रहा हूं नहीं काम हूँ है ना चल भैया जैसे यहाँ पर वनतीफ लिख दिया ना यहाँ पर चार लिख दिया तो भैया अगर यहाँ पे फोर लिखा ना बाबू तो इसका मतलब ये हुआ कि एक घात हाथ वन अपान फोर होगी ठीक है ये चीज आप समझ लीजिए पहले अगर यहाँ पर सात लिखा है तो इसका मतलब है कि थर्टी नाइन का पावर क्या हो जाएगा एक बटा सात ये चीज समझ गए ना यानी इसके जस्ट यहां होना चाहिए एक चीज और समझना कुछ लोग यही में कन आ जाएंगे देखो अगर हिया लिखा है चाचा कहा सफेद का वाला हिया तब इसका मतलब ये नहीं है देखो पहले थोड़ा समझ लो बता रहा हूं इधर आ जाओ जैसे अगर कहीं ऐसे लिखा है नाइन यहां पर अंडरवुड तेरा तो इसका मतलब ये कतई नहीं है ये कतई नहीं है समझ रहे हो ना? यानी ये नाइन इसके यहाँ जस्ट नाक पे होना चाहिए एकदम चुरकी पे तभी वो घात में है नहीं तो ये गुणखंड में है अगर ये इसके आगे है तो क्या ये गुणखंड में है वैसे थोड़ा और आगे ही रहेगा ये ये क्या है इसका मतलब इसके साथ ये गुड़नखंड में है मतलब गुड़ा के रूप में लगा है समझ में आ रहा है ना हम्म सबको समझ में आ रहा है ठीक है देखो तो ये क्या है गुणनखंड में है ये बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है ये इसके बराबर नहीं है चल भैया चल ना आ रहा है तो चलना तो ये समझ में आ गया सबको ठीक है ये तब पॉसिबल है जब ये अंडरवुड थर्टीन है और ये नाइन इसके चुरकी पे है एकदम यहाँ खोपड़ी चढ़ा है तब ये ऐसा पॉसिबल है ठीक है यहाँ पर नाइन मैंने लिखा है कुछ ज्यादा ही रुक जा ए चल मिट जा तू बहुत ज्यादा मोटा रुक जा ये ठीक है डन तो ये चीज आप लोग समझ गए सभी चल भाई आगे बढ़े फिर नेक्स्ट किसी को डाउट कोई कोई तकलीफ कोई परेशानी पुरुषोत्तम भैया नंबर पर संपर्क करो बाबू ठीक है नंबर दिया गया है ठीक है बिल्कुल वेरी गुड फारूक अंसारी चौधरी साहब भगवान करें कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएं और क्लास में आ जाएं हम्म तो अब हम बात करते हैं घातांक के रूप में लिखना आपने वर्गमूल वाला जान लिया हुँ? जान लिया एक चीज़ और जान लीजिए क्योंकि घात का कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो सब जान लो भैया कुछ ना छूटे जो तो से छूटे वही क्यों दूसर पावे समझा था ना चलो जैसे अगर यहां पर तीन का घात माइनस का दो लिखा है ना माइनस दो यहां पर क्वेश्चन लिखूं क्या लिखूं मैं कुछ ना लिखू यहां पे ऐसे डाल दो ए रुक ना ऐसे तो इसको घात प्लस में कर सकते हैं लेकिन ये यहां आ जाएगा बस समझ रहे हो या फिर जैसे अगर कहीं ऐसे लिखा है वन अपान सेवन का पावर माइनस का थ्री ये समझने वाली बात है तो इसको हम सेवन का पावर थ्री कर सकते हैं प्लस में ऊपर ले जाके ठीक है कॉन्सेप्ट है ये सभी समझना एग्जांपल बता रहा हूं ठीक है आगे चलें किसी भी चर आचर की जो घात शून्य होती है उसका मान एक होता है घातांक के नियम में सब सिखाया हूं अगर आपने बेसिक मैच देखा होगा तो क्वालिटी बैच में सब पढ़ाया हूं और कौन सा बैच चल रहा है संपूर्ण बैच ना अगर आपने वहां पढ़ा होगा तो इसका सब मैं लॉजिक के साथ सब पढ़ाया हूं विस्तार से यहां पर उतना बेसिक में नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये डीएलएड का है आगे बढ़े ठीक है तो जैसे अगर फाइफ है या कोई भी गिनती है उसका अगर जीरो घात है तो हमेशा उसका मान एक होता है किसी भी चर आचर का घात शून्य होने पर उसका मान एक होता है क्यों होता है कैसे होता है इसके लिए आप बेसिक मैथ देखें तो वहां पर विस्तार से आपको पूरा खोल के दिखाया जाएगा ठीक है तो घात रूप वाला आप समझ गए इसका कैसे घात ओपन करते हैं ये भी लगभग मैं बता दिया थोड़ा मोड़ा आपको जैसे मान लो तीन का घात चार है तो इसका मान क्या होगा जानते हो कमेंट करो फट से कितना आएगा कितना आएगा सात का घात दो है तो इसका मान क्या आएगा जानते हो देखिए जितनी बार है उसको उतनी बार गुड़ा करेंगे ठीक है सात का यहां तीन का घात चार है तो मतलब तीन को चार बार मल्टीपल करेंगे ठीक है थ्री थ्री जा नाइन और थ्री थ्री जा नाइन फाइनल में हो जाएगा एट्टी वन कितना हो जाएगा एट्टी वन कोई जवाब दिया वेरी गुड ठीक है सेवन का पावर टू मतलब सेवन इंटू सेवन इक्वल फोर्टी नाइन डन कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना चलो भैया तो ये इनको लेके अपना अलग अलग घेर द भैया चलो अब बात करते हैं घातांक रूप में लिखना किसी भी नंबर को घात के रूप में लिखना परमीय संख्या को घात रूप में लिखना ठीक है पक्का आ गए सभी चलो रेडी हो एकदम जैसे सबसे छोटी संख्या से हम बात करते हैं संख्या चार को आधार दो पर घात रूप में लिखिए इसके लिए सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे क्या करेंगे तोड़ेंगे फोर को तोड़ेंगे दो दो के पार्ट में जैसे कहा जाए कि आपको आलू कट करना है अब आलू ऐसे कट करना है कि उसका बनाना क्या है हम्म आलू तो छोड़ो साइड में रखो मान लो प्याज कट करना है अब कुछ लोग ऐसे होंगे हम आलू हम वो क्या बोलते हैं हम लहसुन प्याज नहीं खाते बाकी छगड़ा बकरा सब खा लेते हैं लेकिन लहसुन प्याज नहीं खाते भाई वैसे तो मैं भी कहूंगा नहीं खाना चाहिए हम भी नहीं खाते ये सब चीज लेकिन लासुन प्याज खाते हैं तो वो एक अलग बात है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो लोग खाते नहीं खाते उससे नहीं मतलब अगर आपको प्याज कट करना है अगर आपको दाल में तड़का लगाना है क्या करते हैं कोई लोग फ्राई करते हैं कोई लोग छौकना बोलते हैं जो भी जानो आप सभी हम्म तो उसके लिए प्याज की साइज क्या होगी अगर आपको सलाद के लिए प्याज काटना है तो क्या होगी है वही लेकिन जरूरत के अनुसार अलग अलग है ना अगर पार्टी में जाना है तो कौन से कपड़े पहन के जाना है और किसी की डेथ हो गई है कोई परम सत्य को प्राप्त कर चुका है तो उसके यहां जाना तो कैसे जाना है मतलब जरूरत के अनुसार चीजें बदलती है ना तो वैसे क्या है चार को आधार दो पर घात के रूप में लिखना है तो हम चार को तोड़ेंगे लेकिन उसी अनुसार जैसे हमें यहां पर चाहिए तो वैसे तो ये छोटी संख्या है इसका एक ही ऑप्शन है बाकी अभी आगे एग्जांपल में समझ में आएगा तो चार को हम लिख सकते हैं दो गुड़ा दो लिख सकते हैं ना यानी हम कह सकते हैं कि इसको आधार दो पर इसको हम दो का घात दो लगा सकते हैं दो का घात दो क्यों लगाएंगे क्योंकि पहले तो दो इसको लिखेंगे क्योंकि ये दो है दो के रूप में तुड़ा है दूसर का दो इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये दो बार है अभी इसमें कुछ क्लियर नहीं होगा जब तक अगला एग्जाम्पल नहीं देखोगे नहीं क्लियर होगा हम्म ठीक है देखो इसमें थोड़ा सा और समझ लो दिख रहा है ना यहाँ पे मैं यहीं दिखाऊंगा सब क्योंकि ये जरूरी है यहाँ पे दिखाना ए भैया तुम खूब जगह ले लो और जगह ले लो फैल जाओ ये में हाथ पैर फैला लेट जाओ नहीं दिखेगा उधर जानो तो यहीं देखो चलिए देखिए आगे अब अगला एग्जांपल में सब क्लियर हो जाएगा अगला जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया संख्या सोलह को आधार दो पर घात रूप में बताओ कौन कौन बता पाएगा आधार दो पर घात रूप में लिखिए कर लोगे देखो मैं बताता हूं सोलह को क्या करेंगे हम तोड़ेंगे कैसे तोड़ेंगे सोलह को आधार दो के रूप में तोड़ने के लिए ऐसे हम गुणनखंड करेंगे इसको कितने से दो से ही काटेंगे क्योंकि हमें दो के बेस पर ही इसको बनाना है ठीक है तो दो से सिक्सटीन में भाग करेंगे एट आएगा फिर से एट में दो से करोगे फोर आएगा फिर से टू से करोगे टू आएगा टू से वन आएगा आप यहां काउंट करो वन टू थ्री फोर टाइम फोर टाइम टू प्राप्त हुआ है तो हम लिख सकते हैं सिक्सटीन इक्वल अब देखो एक बार तो इसका आंसर लिखते समय हम क्या करेंगे एक बार तो ये दो लिखेंगे क्योंकि हमने दो के रूप में तोड़ा है और हमें दो के रूप में लिखना भी था ये एक दो तीन चार इनको गिनेंगे जितनी बार है ये आंसर हो जाएगा ठीक है यानी हम कह सकते हैं कि सोलह जो है सिक्सटीन जो है वो इसके बराबर है किसी को कोई डाउट अब आप जान गए ना इसको करना हम्म भूपेश चतुर्वेदी बहुत अच्छे वेरी गुड मिनी यादव रेखा रेखा गौतम ठीक है अच्छा अभी धोखा दे रही नहीं नहीं दे लो दे लो कमेंट कर रही हमने धोखा दिया कौन कमेंट कर रहा है कि इन्होंने मुझे धोखा धोखा दिया ए, का मतलब जानते जानते हो 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 कि बस लाइन लेते हो। नहीं अभी जिंदगी में बहुत नादान हो अभी मेरे जैसे एक्सपर्ट बनो सीखो सब कुछ चलो अभी बताएंगे बाद में धोखा क्या होता है अधिकांश अस्सी परसेंट लोग को पता ही नहीं धोखा होता क्या है चलो ये हो गया डन संख्या सोलह को आधार दो पर घात रूप में सोलह को हम आधार अगर चार के रूप में लिखें तब कैसे होगा उसको देखो संख्या सोलह को देखो यहां पे समझो इसके फिर से हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे लेकिन अब की बार दो से नहीं अब की बार चार से करेंगे किससे करेंगे फोर से करेंगे अब दो से नहीं करेंगे तो फोर से जब फोर फोर से सिक्सटीन में भाग करोगे ये सबको पता है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है कि फोर फोर जा सिक्सटीन होता है चार चौका सोलह होता है भैया बाबा हम्म तो जब फोर ऊपर गया ना वो नीचे आ जाएगा अक्सर जो ऊपर जाता है नीचे आ जाता है आपने देखा होगा प्यार मोहब्बत में ऐसा ही होता है धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती जाती बढ़ती जाती इतना बढ़ जाती है कि फिर उससे आगे जा ही नहीं सकते समझ रहे हो जैसे मान लो कि मैं इस दीवार के पास जा रहा हूँ धीरे धीरे जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ एक समय आगे जब मैं इसमें सट जाऊंगा ना फिर इसके आगे नहीं जा सकता ना तो फिर क्या होगा फिर कुछ करना तो पीछे आना पड़ेगा वैसे ही होता है फिर उसमें क्या होता है धोखा हो जाता है फिर बहुत दूरी बढ़ जाती है समझ रहे हो तो इसलिए धीरे धीरे जाओ किसी के पास जा रहे हो तो रिलेशन में किसी के इतना नजदीक पहुंच जाओगे तो फिर दूर जाने का एकमात्र ऑप्शन है उसके आगे जगह है नहीं जाओगे कहाँ समझ रहे हो ना चलो उसकी बात करेंगे बाद में कुछ लोग समझ गए कुछ लोग नहीं समझे जो नहीं समझे वही ठीक है तो फोर से इसको भाग करेंगे तो फोर और फिर फोर से इसमें वन ये टू टाइम डिवाइड हुआ है तो इसको लिख सकते हैं फोर इंटू फोर फाइनल में इसको एक बार लिखेंगे इसको गिनेंगे दो बार है तो यहां पर घात दो हम कह सकते हैं कि सोलह को चार का घात दो लिख सकते हैं डन इस टाइम कौन फोन कर रहा है कदा हेलो जी हाँ अभी आप बाद में फ़ोन करिए ठीक है, है? ग्यारह बजे के बाद मतलब ग्यारह तो बज ही गया है आप कल दिन में करिए ठीक है, है? हाँ ठीक है क्लास चल रही ना अभी ओके क्या अब दीपक बोल रहे हैं क्या हाँ ठीक है अभी क्लास चल रही है आज आज काफ़ी लेट तक चल रही है ठीक है ओके तो भैया ये थंबनेल बना रहे थे इन्होंने भेजा हुआ उसे देखना है टाइम आज ऊपर हो गया ना आज अलग टाइम में चल रहा है आ, आगे बढ़े फिर चले चलो ठीक है सब लोग इंटरेस्टेड हो तो ये सिक्सटीन का फोर की घात मतलब बेस पर पर हो गया और यही जो है दो है भैया की घात बताओ वही ना अलग अलग जगह अलग अलग तरह दिख रहा है ना हम्म समझ में आया ना यानी सिक्सटीन है वही यहाँ फोर की बेस पर है यहाँ टू की बेस पर है है वही ना अब जैसे देखो तुम्हारा को फ्रेंड है तो तुम्हारे लोग का बन रही है चल रही है हाँ तुम्हारे लिए बहुत है अच्छा है एकदम अच्छा है भगवान ने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है और हो सकता है किसी का तोड़ के आया हो पहले वो तो उसके लिए तो महानालायक एकदम मतलब का कहे डी है है ना तो है तो वही ना लेकिन अलग अलग जगह उसकी कदर अलग अलग है तो वैसे ये क्या है भैया ये है वही लेकिन ये अलग अलग जगह अलग अलग तरह दिख रहा है यहाँ पर बेस कुछ और है घात कुछ और है यहाँ पर बेस कुछ और है घात कुछ और है इसका एक एग्जाम्पल और देख सकते हो जैसे ये बोर्ड है ना जो है क्लास चल रही एक लाइट हमारे यहां इधर लगी है एक लाइट इधर लगी है नॉर्मली ऐसे ही वही यूज होती जब नहीं चलती जब मैं इधर में खड़ा होता हूं, तो हमें की लाइट को आन करके रखना पड़ता है तो उधर की लाइट ऑन करना पड़ता है मतलब उधरे वाली जिधर रहता हूं क्यों क्योंकि उधर से चमकता है क्यों क्योंकि बोर्ड नहीं हट रहा है ना लाइट हट रही है हम हट रहे हैं हम देख कहा समझ रहे हो ना हमारा नजरिया जो है उसको चेंज कर रहा है तो 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 क्या वैसे यहां पर भी है बाकी इसको इतना ज्यादा समझा देने की जरूरत भी नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं है ना आइए संख्या दूसरा ले लेते हैं सबके समझ में नहीं आएगी बातें जो समझेंगे थोड़ा सा जो केवल लब्ज को लब्ज ही समझेंगे वो नहीं समझ पाएंगे संख्या को आधार दो पर घात रूप में लिखिए लिख लेंगे पक्का चलो भैया 128 को घात दो पर लिखोगे कैसे लिख लोगे चलो देखो बता देता हूँ काफी यार लेट हुआ है। आज क्लास लेट में शुरू हुई तो लेट हो गया सारा सिस्टम क्या करें? क्या करें करें को पहले दो से क्या करोगे फैक्टर निकालोगे गुड़नखंड जिनको गुड़नखंड नहीं आता उनको बेसिक मैथ पढ़ने की जरूरत है क्योंकि आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंच गए हो अब थर्ड सेमेस्टर में हम फैक्टर करना नहीं सिखाएंगे ठीक है वैसे भी लिख सकते हैं दो दुना चार दुना आठ दुना सोलह दुना बत्तीस दुना चौसठ दुना एक यानी दू का घास एक दु तीन चार पाँच छ सात फाइनल में हम लिख सकते हैं दुई का घात सात आपका हो गया ये सात बार काहे को हो गया भैया हो इनको ऐसे काटो फैक्टर करो सात बार कटेगा दो दो से ठीक है कर लोगे ना कोई डाउट किसी को नहीं ना अच्छा ठीक है ठीक है अगर मैंने एक सौ दिया और अगर आधार चार बोलूं तो क्या चार पर इसको घात रूप में लिखा जा सकता है हुँ? लिखा जा सकता है क्या देखो सबको भैया सब की घात मतलब आधार के रूप में नहीं लिखा जा सकता हर एक संख्या को जैसे मान लो मैंने कहा कि ग्यारह को आधार दो पर घात रूप बनाओ तो नहीं बनेगा हर एक संख्या नहीं बनेगी क्यों नहीं बनती है इसका कारण बताऊंगा कल की क्लास में विस्तार से जब आपको संख्या पद्धति का बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे उसमें पूर्ण घन पूर्ण वर्ग और भी चीजें बताऊंगा ठीक है नेक्स्ट क्लास मतलब मतलब जब होगी अगली क्लास देखिए एक के रूप में कौन कह रहा है ऋतु ऋतु कुंटल भूपेश चौधरी साहब आप तो बीमार थे कहा को मुंह बना रहे हो जाओ ना आराम कर लो चार तीन बारह चार दूना आठ चार अठे बत्तीस चार दूना आठ नहीं बनेगा भैया नहीं बनेगा ये देखो लटक रहा है ये ये लटक रहा है हा? अब हस्बैंड वाइफ कह रहे हैं कि चलो कुछ नया करते हैं और का रोने लगा तो क्या करेंगे समझ रहे हो ना तो नहीं करेंगे अरे मतलब घूमने उमने जाए तो ये क्या हो गया ये दो इसमें बच जा रहा है अगर ना बचता तो लिख सकते थे इसे हम फोर के बेस पर नहीं लिख सकते हैं ठीक है क्या आठ पे लिख सकते हैं क्या आठ पे लिख सकते हैं क्या भाग करके देखो मिस्टर राजकुमार अब क्या बोल रहा है यार लिख सकते हैं नहीं होगा मुझे लग रहा है यार आठ से भाग करके देखो तुम लोग बहुत समझदार हो बोलता है कुछ और समझ कुछ और लेते हो आठ से करेंगे तो आठ एक कम आठ आठ छतालीस आठ गुना सोलह नहीं बनेगा ये नहीं बनेगा नहीं बनेगा आठ पर भी नहीं बनेगा हम्म नहीं बनेगा ना तो नहीं होगा ये सिर्फ और सिर्फ दो के आधार पर ही घात रूप में लिखा जा सकता है अद्वितीय घात रूप क्या होता है अद्वितीय घात रूप अद्वितीय मतलब इंग्लिश में इसको यूनिक बोलते हैं सर मुझे जहां तक यही पता है ना इस पहली मुझे पता नहीं सही है कि गलत है लेकिन यूनिक बोलते हैं यूनिक मतलब जो सिर्फ एक हो जैसे सूर्य हमारी जानकारी में चाइना ने एक नया सूर्य बना लिया कृत्रिम अलग बात है बाकी वैसे विश्व में एक है सूर्य है ना हम्म जो मतलब नॉर्मली हम लोग जानते हैं जितना हमारा ज्ञान है चंद्रमा भी एक है हा? हर किसी इंसान के एक है बाप होता है एक ही माँ होती है ऐसा तो है नहीं कि दोनों से पैदा हुआ है सही होगा दोनों का ऐसा तो कुछ होता नहीं है तो कुछ चीज़ें होती हैं जो अद्वितीय होती हैं सूर्य चंद्रमा माँ बाप और क्या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो इसी तरीके से क्या है कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं ए भाई मैं टेक्निकल इतना नहीं जानता हूँ तुम कहाँ भाग रहा है कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो जिनका घात रूप अद्वितीय होता है और कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका घातरूप अद्वितीय नहीं होता है यानी इसको मैं आपके व्यवहारिक रूप में बताऊं तो जैसे मान लीजिए बताएं कि ना बताए पहले नंबर देख लीजिए फिर बाद में बताऊंगा नहीं समझ में आएगा तब नहीं तो लोग कहेंगे फालतू बात ज्यादा बताते हैं मतलब का कम जैसे मान लीजिए मैंने चौसठ लिखा ना तो मैं इसको चौसठ के घात रूप में दो की घात पर लिख सकता हूँ क्या दो दुना चार दूना आठ दूना सोलह दूनो बत्तीस दो चौसठ सात घात होगा ना बताओ एक बार यस होगा ना ये पक्का ठीक है भैया हो ए अच्छा इसको मैं चार की घात में लिख सकता हूँ चार चौक सोलह चौका चौसठ चार।, चार की घात दो बोलो लिख सकता हूं ना यानी पहला ये दूसर का ये तिफर का ये ए इसको भी ऐसे लिखना है भैया तो मुझे एक बात बताओ क्या ये चौसठ जो है ये इसका घात जो है अद्वितीय घात रूप है क्या इसका घातीय संकेतन अद्वितीय है हाँ या नहीं बोलो हां या नहीं बोलो कितना हम्म अद्वितीय है क्या ये? ये नहीं है क्यों कहोगे फिर अद्वितीय का होता है अद्वितीय का होता है अद्वितीय ये होता है सर देखिए जैसे कि आपका ये सेवन है ना सेवन रे बाबा गए? इधर देखो जैसे सेवन है ना तो सेवन को मैं लिख सकता हूं सेवन का पावर वन क्या और कोई है माई का लाल पैदा जो सेवन को घात रूप में लिख के दिखा दे मतलब जैसे इसके तीन चार हो गए ऐसे क्या इसका है ऐसा लिख सकते हैं क्या बताओ हम्म दूसरा एग्जाम्पल जैसे थर्टीन थर्टीन को थर्टीन का पावर वन लिख सकते हैं एक बात बताओ क्या कोई और एग्जाम्पल है यस या नो कोई और संख्या है जिसको हम लिख सकते हैं जैसे इसका तीन ही हो गया इसका तीन है कोई नहीं ना इसको दूसरी भाषा में समझ लीजिए एक ऐसी गर्लफ्रेंड जिसके सिर्फ एक का बॉयफ्रेंड हो वो क्या है अद्वितीय है समझ रहे हो ये दूसरे में भी लागू होता है एक ऐसा बॉयफ्रेंड जिसके सिर्फ एक गर्लफ्रेंड हो वो क्या उसकी है उसकी अद्वितीय है लेकिन जिसके दो चार ऑप्शनल हो बैकअप में हो और पता नहीं क्या क्या वो अद्वितीय नहीं है तो आजकल अधिकांश लोग जो हैं अद्वितीय नहीं होते हैं सिर्फ मुझको छोड़ के बस समझ रहे हो हम तो एकदम अद्वितीय का उससे भी अलग है हमारे तो कौन नहीं है और एक ऐसी जोड़ी जिसमें एक है हस्बैंड वाइफ होते हैं मतलब हस्बैंड के एक है वाइफ वाइफ के एक है हस्बैंड वो क्या है अद्वितीय है अक्सर अद्वितीय ही होते हैं भारतीय विवाह संविधान के अनुसार हस्बैंड वाइफ अद्वितीय ही होते हैं बाकी एक्स्ट्रा में अलग से वो अलग चीज़ है चलें आगे बढ़ें ये आपको ज़्यादा समझ में आया होगा ये आपको कम समझ में आया होगा मुझे पता है एक बार बताओ सही सही बोला ना जो मन करे तो धवल त्रिपाठी जी मेरी बात समझ में आ रही है देखिए व्यवहारिक बातें ज्यादा समझ में आती हैं मतलब की बातें कम समझ में आती है मुझे मैथ थोड़ा कम समझ में आती है ये सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ घर परिवार बीबी बच्चे ये थोड़ा ज्यादा अंदर बसा रहता है दिल में क्योंकि इसी में जिंदगी बीतती है ये सब तो कुछ दिन बाद निकल जाता है डी हो गया इसका काम खत्म आप टीचर बन गए ये थोड़ी बढ़ाना है हम्म टीचर बन गए थे पढ़ाना ही नहीं है आपको तो काका कका कक्षा पांच तक पढ़ा रहे तो वही हो गया समझ रहे हो कि नहीं हूँ चलें आगे बढ़ें चलिए ठीक है तो ये हो गया डन उम्मीद है कि आप लोग अद्वितीय घात रूप समझ गए और जो अद्वितीय नहीं है वो भी समझ गए तो आप मुझे ये बताओ अब 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 हम लोग आगे बढ़ें अभी बार बार वाइट और ब्लैक करेंगे तो आपकी आंखों पे इफेक्ट पड़ता होगा कि कलर चेंज हो रहा है ना तो आप चेंज नहीं करेंगे ये बताओ कि जैसे मैंने लिखा पच्चीस बटा चौसठ क्या ये अद्वितीय घात रूप है इसका या नहीं हां या नहीं इसका अद्वितीय घात रूप है या नहीं यस देखिए आगे बढ़े देखो भैया समझो समझो मगर बात को समझो ध्यान दे जिस संख्या को घात रूप में केवल एक ही प्रकार से व्यक्त किया जा सके या किया जा सकता है उसका घातीय संकेतन अद्वितीय होता है सर समझ गया ना हम्म पक्का ठीक है तो इसका अद्वितीय हो ही नहीं सकता है क्यों क्योंकि इसका पांच ए भैया 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 एक ना पांच बटा आठ लिख सकता था सब जने अच्छे से समझ बस पचम पचीस आठ अठाई चौसठ लेकिन एक का हम एटी और लिख सकी थे पता है का एठी पच्चीस चौसठ एक घात एक, एक ये तो हर किसी का होता है ये तो हर किसी का होता है समझ रहे हो सबको समझ में आ रहा है ना रूपेश कुमार जी मेरी बातें समझ में आ रही रूपेश जी बहुत बहुत वेलकम है आपका रूपेश जी पीवीआर स्टडी के मेंबर हैं इन्होंने चैनल को ज्वाइन कर रखा है इनको स्पेशली काफी चीजें जो हमारी कोशिश है वो मिलती हैं इनको हमारा पर्सनल नंबर भी मिला होगा अगर आप मेंबरशिप वाले सेक्शन में जाएंगे रुपेश जी तो आपको हमारा पर्सनल नंबर भी मिलेगा आप लोग भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन होता है तो ये हो गया समझ गए आगे बढ़े ठीक है भैया चलो ए भाई किसीक जा लेकिन मिटेगा नहीं तू तो, मिट जाना यदि किसी संख्या को भिन्न भिन्न आधारों पर घात रूप में व्यक्त किया जा सके तो उसका घातीय संकेतन जो है वो अद्वितीय नहीं होता है ये तो वैसे मैं बता चुका हूं एक बार फिर बता दूं इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए सबको दिख रहा है स्पष्ट बताओ एक बार देखिए जैसे सात सौ उन्तीस है ना तो इसको ये पहला तरीका है जो घात रूप में लिखा गया आधार यहां पर तीन है तीन पर छे घात के रूप में लिखा जा सकता है मतलब ये हो जाएगा सात सौ उन्तीस इसका एक और रूप है वो कौन सा रूप है कि इसको नौ के बेस पर भी लिखा जा सकता है तीन घात में उसका भी सात सौ उन्तीस होगा सात सौ उन्तीस को 27 के बेस पर भी लिखा जा सकता है घात दो यानी क्या है सात सौ उन्तीस का जो घातीय संकेतन है वो अद्वितीय नहीं है यूनिक नहीं है ठीक है समझ में आया देखो भैया यहां पर ना हम तुमको कोनो गर्मा गर्म चटपटा चीज नहीं दिखा रहे हैं। तुमको एकदम क्लियर क्लियर दिखना चाहिए अरे पढ़ाई वाली चीज है लेटर लिखे अच्छा लिखे तुम्हें लग रहा है कि साथ है भले थोड़ा गंदा दिख रहा है बस इतना है हम्म बाकी कोई ऐसी खतरनाक चीज तो है नहीं कि जो तुमको एकदम स्पष्ट दिखनी चाहिए नहीं समझ में नहीं आ रही चले अब वैसे तो मैं अपनी पूरी औकात लगा लिया इसमें जितना आपके लिए कर सकता था सेटअप में सेकेंड हैंड फोन से लेकर के सारा सेटअप मैंने बना लिया मेरे जितनी औकात नहीं थी उससे ज्यादा मैंने कर्जा ले लिया आप लोग के लिए चलें आगे बढ़े तो ये चीज यहां पर क्लियर हो गया इसमें कुछ बच रहा है तो उसको भी देख लेते हैं एक-एक चीज यहां पर पढ़ेंगे पॉइंट पॉइंट किसी भी परिमेय संख्या को उसके घात एक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है अरे यह तो वही बात है कि जिसका कोई संगी साथी नहीं होता उसके भगवान अल्लाह ईश्वर होते हैं ना जैसे कोई भी नंबर जैसे मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या है जैसे मान लो अगर मैंने लिखा 81 ना, तो 81 कर 9 का स्क्वायर किया जा सकता है नौ है? लिखा तो इसको तीन का स्क्वायर किया जा सकता है लेकिन अगर मैंने सात लिखा तो इसको सिर्फ और सिर्फ सात का घात एक ही लिखा जा सकता है बाकी और कुछ नहीं हो सकता है तो ये यही कहना चाहते हैं इस लाइन में क्या ये उपयुक्त उदाहरणों से हम ये समझ पाते हैं कि किसी भी परमीय संख्या को उसके घात एक के रूप में लिखा जा सकता है मतलब कोई भी परमीय संख्या है कोई भी उसका कोई घातीय संकेतन नहीं बन रहा है अगर घात रूप तो ये बन सकता है एक घात समझ में आया ना एक चीज यहीं पर और समझ लेना आसान भाषा में कि अगर कोई भी नंबर है उसका घात जीरो है तो हमेशा उसका मान वन होता है चाहे वो चर है या अचर है चर अचर क्या है इसके बारे में जानने के लिए आप बेसिक मैथ पहले सीख लीजिए आलक पांडे जी बहुत अच्छा वेलकम गीता सिंह पूरा टाइम लाइव चलती है जी बिल्कुल चलती है हाँ ये सेशन नहीं चलता वाला बाकी बेसिक मैथ वाला चौबीस घंटे लाइव चल ट्वेंटी फोर इंटू सेवन कभी भी पढ़ो कभी भी पढ़ो जिनको पढ़ना है जिनको सेटिंग करना है उनका भी काम चल रहा है उसमें जाके देखो कमेंट में रात के दो दो दु बजे कमेंट करते हैं ऐसा ऐसा बात करते हैं कुछ देर तो हम भी देखते हैं खड़े होके हाँ मजा आ रही गुरु लेकिन यहाँ बोलना ठीक नहीं है नहीं लोग जान जाएंगे कहेंगे मेरी प्राइवेसी में खलल डाल रहा है चलिए कोई बात नहीं मैं नहीं देखता हूं अगला क्या कह रहा है सभी अभाज्य संख्याओं का घातीय संकेतन अद्वितीय होता है भैया ये पहले से पति वर्ता पत्नी वर्ता है तो फिर इसमें कहना क्या वही बात जो पहले मैं बढ़ा चुका हूं अभाज्य संख्या की पहचान ही वही होती है कि जिसका सिर्फ और सिर्फ एक निश्चित गुणनखंड होता है फैक्टर होता है यानी जैसे मान लीजिए ये दो है ना तो इसका फैक्टर सिर्फ वन और टू है यानी वो संख्या एक तो खुद है ये ये खुद है एक मतलब स्वयं है और एक ये तो सबके साथ रहता है ये बिन बुलाए आने वाला मेहमान है ये हर किसी के गुणनखंड में शामिल रहता है जैसे किसी किसी गांव में कुछ लोग होते हैं किसी घर कुछ पड़ा कुछ आया उनको निमंत्रण दिया नहीं दिया उनको खबर लगी नहीं लगी बहनी हम देखें फाला नहीं आ रहे हैं अच्छा तो यही काम से आ रहे हुई है हाँ अच्छा तो फिर तो फिर यो बताए हुई हैं वो बताए हुई हैं समझ रहे हो मतलब पूछेंगे नहीं डायरेक्ट जैसे होता नहीं मान लीजिए आपने कोई नया चीज खरीदा मान लो मोबाइल खरीदा आपका दोस्त आया अच्छा फोन खरीदा अच्छा दस दस हजार तो मिले होगा समझ रहे हो तो यानी अगला बता दे ऐसा अवस्था बनाते हैं समझ रहे हो तो कुछ ऐसे लोग होते हैं कहीं कहीं तो मैं क्या बोला मैं इसको वन के लेके चला आप तुम अपने गांव पहुंच गए ये हर किसी में होता है जैसे भाज्य संख्या मान लो आठ देखो इसका फैक्टर क्या हो सकता है दो चार आठ और वन इसमें भी होता है बात समझ में आ रही यानी इसके कितने फैक्टर हैं अगर बात करें टोटल तो कितने हैं इसके कुल गुणनखंड कितने हैं एक दो तीन चार यानी मतलब तीन है बाकी एक ये भी है तो ये इसलिए क्या है अभाज्य संख्या नहीं है ये भाज्य संख्या है तो मैं आपको बता क्या रहा हूं पहले मैं आपको भाज्य भाज्य बता रहा हूं जब भाज्य भाज्य समझ में आ जाएगा तो ये समझ में आएगी लाइन ठीक है तो एक ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ वो संख्या हो यानी खुद हो और बाकी वन हो बाकी और कोई ना हो जैसे मैं आपको इसको दूसरे भाषा में बताऊंगा अभी थोड़ा सा बर रखिए जो आप सुनना चाहते हो वो ए भाई यहां आ जा तू रुक जाना यार देखो यहां पे समझो पहले भाज समझ लो तब फिर आगे बात करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है ये इंपॉर्टेंट मैटर है भाज्य को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर बोलते हैं ठीक है अभाज्य को प्राइम नंबर बोलते हैं अच्छा कितने लोग इसको जानते हैं एक बार बता दें मुझे यस आप इनको जानते हो का नहीं जानते हो तब जान जाबा। फिर काहे को टेंथन लेने का अच्छी जगह आएगा भैया चला आ, फोर वन टू फोर आ, मुझे एक बार बताओ ये जो मैं इधर लिख रहा हूँ ये क्या है नंबर क्यों इधर लिखे जा रहे हैं इनका इनसे क्या संबंध है हम्म नहीं जानता हाँ समझा 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 रुको रुको बता रहा हूं सही दिशा में जाता है ना भैया देखिए यहां से मुझे उम्मीद है कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा अगर आप इधर साइड में देखें इधर पारी में दक्षिण दिशा में जो भी दिशा हो तो इधर आप देखें तो सिर्फ दुए दुई हैं, हम एक हमारे एक बस और हम एक हमारे अनेक अनलिमिटेड ये कलियुग वाले हैं और ये सतयुग वाले हैं समझ रहे हो कुछ लोग समझ गए काफी लोग नहीं समझे ना जो नहीं समझे वो बाद में समझ लेंगे यानी वो कहने का मतलब पहले तो ये समझ लो लिखा क्या है कुछ लोग तो गरिया आ रहे हैं पता नहीं कहा लिख दिया देखो देखो समझ लो समझ लो भाई समझ लो समझ लो ऐसा मौका ए भाई रुक जाए यार ऐसा मौका दोबारा नहीं आने वाला है रुक जाओ देखो मैं ये बताने वाला हूं ये जो है मेरे भाई ये इनके फैक्टर हैं जो लिखे गए हैं ये गुड़नखंड लिखे गए हैं इधर साइड में ये क्या है गुड़नखंड है ये सभी गुड़नखंड है ये यानी चार के गुड़नखंड वन टू फोर आठ के गुड़नखंड वन टू फोर एट यानी वो संख्या जो इस फलानी संख्या को पूरा पूरा काट सके जीरो से फला सके वही उसका क्या है गुणनखंड फैक्टर ठीक है समझ रहे हो ना बिक्रम सिंह तुम लाइट बंद करवा रहे हो बच्चा कल पढ़ लेना लाइट तुम्हारे यहां चली गई हाँ तो और लोग की बदुआ का है हमारे खोबड़ चढ़ा रहे हो ये लोग तो करिए आएंगे ना जो इतनी प्यारी सी सर्दी की रात में रजाई छोड़ के आए पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा तो सभी भाज भाज समझ गए ना पक्का समझ गए लेकिन नहीं अभी नहीं समझे ये बिल्कुल वैसे होता जैसे कुछ लोग आजकल के जमाने में प्यार करने निकल पड़ते हैं पैदा हुए कक्षा नौ में गए थोड़ा थोड़ा साइंस की दृष्टि से वो काबिल बने थोड़ा हारमोन एक्टिव हुए वो प्यार में डूब पड़ाते हैं मतलब डूब जाते हैं फिर थोड़ा दिन बाद दिल टूट जाता है फिर जिंदगी बर्बाद हो जाती है दुनिया खत्म हो जाती है यहाँ तक कि आज के कलयुग में तो कुछ सुसाइड तक कर लेते हैं कक्षा दस बारह के बच्चे मतलब दस ही नौ में समझ रहे हो उसके बारे में बताएंगे भाई थोड़ा सा इसका उससे क्या संबंध है वो बताऊंगा इसका इस मैथ का संबंध है उससे देखिए आगे आगे देखिए क्या है वो चीज समझिए हम बात क्या कर रहे थे भाज भाजना तो आप मुझे ये बताओ इसमें कौन कौन सी संख्या भाज्य है जैसे मैं जो लिख रहा हूं आ, जैसे मैंने लिखा थर्टी वन थर्टी नाइन फोर्टी वन फोर्टी फोर फोर्टी नाइन इनमें कौन कौन सी भाज्य हैं बताओ बताओ कौन कौन सी है ईमानदारी से हर कोई कमेंट करेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा नहीं तो मैं एक लब्ज नहीं बोलूंगा यही खड़ा रहूंगा इसे दीपक त्रिपाठी मैंने भाज्य वाला पूछा है ओनली भाज्य यानी कम्पोजिट नंबर इसको इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं शायद जहां तक मुझे पता है इंग्लिश हमें कम आवा था लेकिन हाँ उतना आवा था काम चलाऊ हु आर यू ओके आगे और का हाल बाओ। ना? थोड़ा इंग्लिश उंग्लिश गंदी चीज है हिंदी में बोला कुछ लोग तो पढ़ नहीं रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वही कर रहे हैं जिनको नहीं करना चाहिए ए चाचा लोग सुनो ना प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक मैथ में पढ़ाया गया है परेशान ना रहिए चलिए आगे देखिए इसमें कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो असमंजस में डालती हैं जैसे देखिए मैंने कहा ना आजकल के जमाने में आज की इस दुनिया में यहां तक कि मैं भी उसी में इंक्लूड हूं अगर इस धरती को इस समाज को इस देश को इस पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला और खतरनाक कोई जीव है तो वो इंसान है और किसी की पहचान अगर मुश्किल है तो कोई भी पदार्थ है जंतु है पेड़ पौधा है आप आराम से पहचान सकते हो लेकिन सबसे मुश्किल इंसान की पहचान होती है शायद आपको नहीं पता होगी जिनको वो जान जाएंगे अभी थोड़ा देर रुके रहिए चलिए तो इनमें कंपोजिट नंबर जो है वो ये है उनतालीस है चौवालीस है और ये है यानी जिनके खुद और खुद और वन के सिवा कोई और भी है मतलब क्या है गुणनखंड है और क्या है वो क्या है भाज्य है बाकी सब अभाज्य हैं इनमें देखिए कुछ लोग इनको क्या करते हैं अक्सर इनको भाज्य में नहीं गिनते अभाज्य में गिनते हैं भैया हो इनके फैक्टर वन है थ्री है 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 और का है? है। देखा भाई चार चार है इनके तो कहा नहीं है अभाज्य थोड़ी है ये भाज्य है आगे बढ़े अरे वाह आजकल की संख्या इतना लंबा हो गई बहुत अच्छा वेरी गुड काफी खुशी की बात है आइए ठीक है तो सभी को क्लियर हो रहा मेरी बात ये क्या है इनके फैक्टर कितने हो सकते हैं कोई बताएगा भाई फोर्टी फोर के फैक्टर हो सकते हैं बाबू वन टू फोर और और क्या हो सकता है जिससे फोर्टी फोर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन नहीं होगा इलेवन होगा ग्यारह चौक चौवालीस होता है बाईस होगा और चौवालीस होगा और कोई नंबर एनी दूसरा हो सकता है क्या ठीक है बहुत अच्छा वेरी गुड आइए तो ये सभी समझ गए एक बार मुझे बता दो तो यस भाज समझ गए पक्का डन ठीक है चलिए अब कुछ एग्जाम्पल अब मैं उसमें ले चलता हूं जहां पर आप असमंजस में रहते हो जैसे होता नहीं है मैंने बताया कि सबसे मुश्किल है इंसान की पहचान करना और वो पहचान अगर आपके युवा अवस्था में हो रही है किसी की तो एक दूसरे को जानना समझना बहुत ही मुश्किल है इसके बारे में भी थोड़ा आपको हम टिप्स और ट्रिक बताएंगे कैसे समझे कैसे पहचाने बस आप देखते तो रहो मुझे क्योंकि सबसे बड़ी आजकल की युवा यही प्रॉब्लम है अब मुझे ये बताओ इसमें से कौन सी संख्याएं है? अभाज्य हैं? चलो अभाज्य बताना है यानी प्राइम नंबर बताना है बाबू क्या बताना है प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे आप नीट जेई के स्टूडेंट हो टीचर भर्ती के हो एसएससी वाले हो बैंक वाले हो सबके लिए है यही ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं है किसी के सिलेबस में अभाज्य बताना है आपको ओके डन मैं बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ कंफ्यूजन वाला दे रहा हूँ सर चलिए आप आज बताइए थर्टीन ट्वेंटी टू पैंतीस एक दो है इक्यानबे है सतासी है इसमें पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे आधा ज्यादा मुझे पता है बहुत अच्छे से पता है एक सौ एक है और और एक नाइन्टी थ्री भी है इसमें से कौन कौन सी संख्या अभाज्य है मुझे बता दो जल्दी से फट से देखते हैं कौन कौन लोग बता लेते हैं चलो अब बताओ एनी वन सबसे पहला जब आप भाई ठीक है वेरी गुड किरण भाटी आशीष सोनाली दीपक त्रिपाठी धवल त्रिपाठी वेरी गुड इसमें से सब बताओ जितना है एक कमेंट में एक एक नहीं जैसे अगर तेरा है बाईस है उन्तीस है इक्यानवे है तो एक बार में लिखो पूरा एक बार में पूरा एक एक अक्षर नहीं एक से अधिक है सिर्फ एक ही नहीं है भैया एक से अधिक है बाबू चलो ठीक है कोई अगर सही तरीके से जवाब दिया उनका नाम है अब बिपिन देखो बिपिन गड़बड़ हो गए पहली बार में बिपिन धोखा खा गए पहली बार में यही मैं कहा कि सबसे मुश्किल होता क्या है कभी कभी ना कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो देखने में लगती हैं कि वो क्या है वो अभाज्य है लेकिन वो भाज्य होती हैं जैसे सिंपल समय मैं आपको इसको लाइफ से जोड़ के दिखाऊं आजकल के आप जिस अवस्था में हो ज्यादा अच्छे समझ पाते हो आप किसी भी आप लड़का हो किसी लड़की से मिले लड़की किसी लड़का से मिली उसको लगता है बस यही तो मेरी दुनिया है इसी की तो मुझे तलाश थी है ना तू जो कहे बस वही सही है तू जो कहे बस वही सही है तेरे बिन तो कुछ भी नहीं है है ना? ये वाली फीलिंग आ जाती है और फिर फिर क्या जो कल्पना करके रखते हैं जो समझ के रखते हैं जब उसका दूसरा वाला चेहरा देखते हैं कि कल तो भैया रेस्टोरेंट में किसी और के साथ मिली हो तो लगता है वह बर्बाद हो गया मैं टूट गया लेकिन आपको ये नहीं पता आप ये नहीं समझ पाए सर कि वो ऐसा नहीं था जो आपने कल्पना किया था वो पहले से उसका कहीं और चल रहा था वो वो पहले से था सिर्फ तुम्हें नहीं पता था बस बात समझ में आया ना तो फिर ये फीलिंग भी टूट जाती है कि तू जो कहे बस वही सही है यानी तू जो कहे बिल्कुल वही गलत है बाकी सब सही है तो चलिए इसमें भी वही पहचान करनी है आपको देखने में क्या लग रहा है देखने में लग रहा है कि वो अभाज्य है लेकिन वो अभाज्य नहीं है जैसे कुछ लोग बताऊं किसमें कंफ्यूज होते हैं जैसे इसमें अभी एक लोग बताएं इसमें भी कंफ्यूज होते हैं इसमें भी होते हैं कि अभाज्य है है ना लेकिन ये सभी तीनों क्या है जो मैंने चिन्हित किया ये भाज्य संख्याएं हैं, या अभाज्य नहीं है ये देखने में लगती हैं बस ये देखने में लग रही हैं, ठीक है देखो मैं क्यों कारण बता रहा हूं कारण बता रहा हूं मिस्टर इनके जो फैक्टर हैं वो वन है फाइव है सेवन है थर्टी फाइव है क्यों सही लिखाना भैया हो इनके जब चरचट थी तो कहाँ से है मैंने कहा था ना चर्चट थी है मतलब क्या गुड़नखंड समझ गए ना ये भी अभाज्य नहीं है क्यों क्योंकि तेरा सत्तर इक्यानबे होता है कब भैया तो इसका फैक्टर से वन सेवन थर्टीन नाइनटी वन अभाज्य वो होती है जैसे ये है बेचर की ये इसका फैक्टर सिर्फ वन है थर्टीन है बाकी इसके कौनो नहीं है आगे पीछे ये अभाज्य है भैया ये अभाज्य है ये और ये अभाज्य है ये छोटकी ये तो विभीषण है पूरा एकदम, का है? जैसे रावण की नगरी में विभीषण जी थे ना राक्षस नगरी में राक्षस परिवार से होते हुए भी वो श्री रामचंद्र जी के परम भक्त थे वैसे ये भी है क्यों क्योंकि ये संख्या है ये सम संख्या है सर लेकिन सम संख्या होते हुए भी अभाज्य हो ना वो गौरव सिर्फ दो को मिला है ये याद कर लेना एक ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है तो वो एक यूनिक संख्या दो है बाकी और कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ तक कोई नंबर नहीं है कि जो सम भी हो और अभाज्य भी हो ठीक है सभी समझ गए ना सभी को समझ में मेरी बात भाई हम स्पीड से नहीं चलते हैं हम चलते हैं ऐसा सबको लेकर के दोबारा ना कहना स्पीड से चलो नहीं पटक के मारेंगे चलो सभी को समझ में आ गया तो ये क्या है मैं इसमें सिर्फ कंफ्यूजन आपकी दूर कर रहा था बस हाँ इसको भी लोग समझते हैं ये क्या है इसको जानते हैं अभाज्य है या अभाज्य नहीं है सर आपकी कंफ्यूजन है वो जैसे आपने वहां कल्पना कर रखा था नीम के पेड़ को आम मान रखा था आम के फल नहीं लगे तो दिल टूट गया माना ही गलत था आपने कल्पना ही गलत किया था चलिए देखिए ये क्या है इसका फैक्टर वन थ्री थर्टी वन नाइन्टी थ्री और भी कुछ हो सकता है जो भी एक आध शायद समझ में आ रहा है सभी को कोई डाउट कोई तकलीफ कोई दुख दर्द मतलब क्लास से संबंधित हाँ जो लोग काफी डीमोटिवेट हैं जिन लोगों का दिल उल टूटा अंदर से उनको भी हम मोटिवेट करते हैं रियल लाइफ की रियल चीज़ दिखाते हैं अभी लास्ट में अपना नंबर देंगे जो इस चीज से काफी डिप्रेशन में है मैंने समझा हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेल आते हैं मैसेज आते हैं अभी हम आप ही उम्र के आपको लग रहे हैं हैं भी ऐसा नहीं नहीं है लेकिन छोटी उम्र में मैंने बहुत अनुभव लिया है वो सब हम आपसे शेयर करेंगे अगर आपकी तकलीफ है फिर आप बिल्कुल खुश रहेंगे एकदम टेंशन फ्री रहेंगे मैंने पूरे एक साल लगाए हैं कम से कम सात आठ लाख रुपए बर्बाद किए हैं इस चीज को सीखने में जो आपको बता रहा हूं जो अभी बताया आपको कहते हैं ना बातों से ही नहीं समझ में आती जिंदगी की असलियत सर बातों से ही नहीं समझ में आती जिंदगी की असलियत कुछ हादसे भी जरूरी हैं जिंदगी जीने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं तो ये सब क्लियर हो गया आपका चलें उस पी फाइल पे यार ये फोन चार्ज नहीं है लेकिन क्या करें आइए चलते हैं इस पे आ, तो यहां पर सब हो गया क्लियर आद्वितीय द्वितीय हो गया ए भाई रुक जा आगे बढ़ें ये सब हो गया यहाँ यहां पर ए भाई चल जा यार कहे नहीं घूम रहा है घातांक तो शायद आप सीख चुके हैं ना इसमें क्या आगे पढ़ना है मैं वो बताना चाहता हूं धनात्मक और ऋणात्मक संख्या अब ये एक नया पॉइंट है यहां पर मैं वही दिखाना चाहता हूँ देखिए ये क्लियर हो रहा है कि नहीं आ, रूही समझ में आ रहा है रुचि आपको भी आ रहा है चलो भाई धनात्मक और ऋणात्मक घातांक इसको मुझे बंद करना पड़ेगा यार ये लाइव तो मैं चला रहा हूँ लाइव तो चलेगा ये फोन मेरा चार्ज नहीं है कमेंट वाला एक ही इधर और भी रखा है रुक जाओ आप मुझे ये बताओ सभी फटाफट तब तक नहीं कुछ लोग बोर होने लगते हैं कहते हैं बे व कर रहा है ये मुझे ये बताओ कि पांच इसका घात अगर ये माइनस में मतलब अंदर में है और यहाँ पर जो है वो एक सौ इक्कीस है आपको इसका मान नहीं बताना मुझे सिर्फ ये बताओ ये निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा अगर निगेटिव माइनस में आएगा तो ये लिखो और पॉजिटिव आएगा तो पी चलो फट से बताओ क्या आएगा मिस्टर निगेटिव या पॉजिटिव एनी वन? क्लास का टाइम याद रहे रात के दस बजे दस से ग्यारह बाद में नहीं देख पाओगे ठीक है बहुत अच्छा वेरी गुड भाई फारूक अंसारी बिपिन वेरी गुड बिपिन बहुत अच्छे और कोई पूनम सिंह ठीक है आशीष पूजा ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था इसके पीछे आप लोग ध्यान से नहीं देखते हैं मिस्टर यही प्रॉब्लम है ठीक है वेरी गुड बहुत अच्छा लगा आपने कोशिश किया सबसे पहले सुशील यादव ने बताया है सुशील जी बहुत दुख की बात है कि आप नहीं बात को ध्यान दे पा रहे हैं या फिर नहीं समझ पा रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं है आज समझ ना अब या यार ये क्या है ये भा... सम है कि विषम है बोलो अगर ये सम संख्या है तो आप मुझे ई लिख के कमेंट करो ई मतलब ई नंबर अगर ये विषम संख्या है आप ओ लिख के कमेंट करो तो भैया हो चाचा हो अगर आप ये चीज जान गए ई और ओ ना ई जान गए तो फिर सब जान गए देखो समझो क्या पता है अगर इसकी घात कोई संख्या माइनस है उसकी घात अगर सम है क्या है भैया सम है तो मतलब कि ये पॉजिटिव होगा बाबू अगर घात विषम है तो ये निगेटिव होगा मतलब जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा और आप लोग ना अब आज से क्लियर कर लो कि इसका जो आंसर आएगा माइनस में आएगा अब क्या आएगा मुझे नहीं पता है क्यों क्योंकि इसकी जो घात है वो विषम संख्या है अच्छा ऐसा कैसे होता है कुछ लोग कहेंगे ऐसा कैसे होता है ऐसा कैसे होता है ऐसा कैसे, कैसे होता है देखो ना ऐसा कैसे होता है इसके लिए मैं आपको थोड़ा ही टाइम में ज्यादा सिखा देता हूं देखो मैंने कहा सं सं ना हम बहुत छोटी नंबर लेते हैं छोटे में प्रैक्टिकल करते हैं और खेलते बड़े में देखिए जैसे मान लीजिए इसका घात मैंने चार लगा दिया तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि माइनस एक माइनस एक और माइनस एक और माइनस एक बोलो यही मतलब हुआ क्यों भैया यही मतलब हुआ ना और आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि जब माइनस का गुणा माइनस में होता है तो हमेशा प्लस आता है ये चीज फिर से बता दे रहा हूं याद करके रख लो नोट करके जिंदगी में मरते दम तक काम आएगा फिजिक्स जो लोग पढ़े हैं इससे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे और जो नहीं पढ़े वो भी समझेंगे कोई बात नहीं ऐसा नहीं कि खतरनाक चीज है देखो माइनस माइनस है ना अगर प्लस प्लस रहेगा मिस्टर कोई भी दो नंबर अभी बता दे रहा हूं तब भी उसका आंसर प्लस में आएगा अगर एक माइनस है और एक प्लस है तो हमेशा माइनस आएगा और चाहे ये रुक जा यार ठीक है ठीक है जो भी है लेकिन इनको एक कलर में लिखता तो मज़ा आता मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझने में आसानी होती रुक जा यार एक मिनट मैं कुछ बताना चाहता हूँ इसमें मैं कुछ बताना चाहता हूँ सेम ना वाइट वाइट तो होगा ही नहीं ठीक है तुम भी हो देखिए जो मैं येलो कलर में लिख रहा हूँ इसको ध्यान देना जो मैं येलो कलर में लिख रहा हूँ इनको ध्यान देना और जो मैं इसमें लिख रहा हूँ जैसे ये प्लस वन इंटू ये प्लस वन फाइनल में प्लस आएगा यहाँ से आपने क्या सीखा कि जो ये ग्रीन कलर या ब्लू कलर जो भी समझे इसमें जो लिखा है ना इसमें आप देखो चिन्ह सेम है इसमें भी प्लस इसमें प्लस इसमें माइनस यार ये क्या हो रहा है अच्छा सेम वाला तो ये है ठीक है ठीक है ये प्लस ये माइनस होना चाहिए एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ भाई कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है बस मैं वही दो बार लिख दिया ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो गए हैं ये प्लस और ये माइनस यार ये बहुत खराब लड़का है भाई फोन कर रहा है अब थंबनेल के लिए ठीक है आप समझ में यार बात क्लियर हुई यानी जो सेम चिन्ह है माइनस माइनस प्लस प्लस उनके चिन्ह हमेशा प्लस आते हैं ठीक है अगर एक माइनस एक प्लस है तो क्या आता माइनस आता है एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस आता चाहे पहले हो चाहे बाद में हो समझ रहे हो ना बात समझ गए यानी आप इसको ऐसे समझ लो क्या पता है आप इसको ऐसे समझ लो कि क्या बोलते हैं अगर कहीं घर में बहस हो रही ना आपकी वाइफ से या गर्लफ्रेंड से तो जीत उसी की होने वाली है चाहे आप सही हो चाहे गलत हो बस सिंपल सब बात है इसका ये लॉजिक है अब आप खुद को प्लस मान लो उसको माइनस मान लो यानी जहां भी वो शामिल है आप हार जाओगे नहीं जीतोगे जो जज पूरे देश को भी देता है ना अपने घर में नहीं जीतता हो रूप से अपने उससे समझ रहे हो कि नहीं तो बस इतना समझ लो कि अगर प्लस माइनस शामिल है मतलब चिन्ह अपोजिट है बस सिंपल सी बात है तो हमेशा माइनस में आएगा बस अगर दोनों सेम चिन्ह है तो प्लस में आएगा ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया इसमें अच्छे अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं काफी जगह गलत हो जाता है ये चीज ये चीज़ समझना इसका कुछ एग्जाम्पल समझ लो इसको पहले किनारे कर दो अभी जैसे देखो अगर माइनस चार का गुड़ा यहाँ पर पांच में करना है तो इसका आंसर क्या आएगा प्लस में माइनस में बोलो अच्छे अच्छे लटक जाते हैं गड़बड़ हो जाता है ये भैया एक प्लस है, एक माइनस ना देखो प्लस छिपा रहता है लगाओ ना लगाओ जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है तो ये प्लस में है ऐसा माना जाता है कुछ नहीं लगा होता तो तो मैंने बताया देखो माइनस है ये प्लस है क्या आएगा बोलो एनी वन ठीक है वेरी गुड सिरोमनी आशीष प्रांजलि सिंह विक्रम सिंह बहुत अच्छा क्या आएगा कौन माइनस बोल रहा है और कोई पक्का एकदम सोच समझ लेना अच्छे से अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं अब नहीं दिखाऊंगा दोबारा ठीक है इसका आंसर क्या आएगा निगेटिव आएगा माइनस का ट्वेंटी होगा अगर किसी ने सबसे पहले जवाब दिया है तो उनका नाम है धवल त्रिपाठी पूजा यादव दूसरे नंबर पर है रूपेश तीसरे नंबर पर है आशीष भी है उसी तीसरे नंबर में वेरी गुड भाई बहुत अच्छे क्योंकि ये अलग अलग है बबुआ भैया तो ये क्या आएंगे माइनस में आएंगे मैंने कहा ना अगर आपकी बहस होती है तो आप ही हारोगे देखो अब आगे बढ़े देखो यहां पर इसी को फिर से पलट के देख लो अगर ये आगे है भैया ये पीछे है तो क्या आएगा माइनस की प्लस मैंने अभी अभी बताया जस्ट अगर दोनों चिन्ह हाँ अपोजिट हैं तो हमेशा माइनस ही आएगा बस तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है दिमाग बंद करके लगाओ अगर दोनों चिन्ह हाँ अपोजिट हैं जैसे देखिए यक्स का स्क्वायर है यहां पर गुड़ा हो रहा है माइनस का वाई में तो क्या आएगा माइनस या वाई कुछ क्या आएगा ये क्वेश्चन नंबर मान लो नौ डाल लो ऐसे नौ no नंबर लिख लो बस इसका आंसर आप ऐसे दोगे नौ no, अगर निगेटिव आएगा तो यन माइनस आएगा तो नो यन अगर प्लस आएगा तो नो पी पी मतलब पॉजिटिव ठीक है वेरी गुड बहुत अच्छे वेरी गुड वेरी गुड वसीम अली बहुत अच्छे भाई अच्छा एक चीज है हम लोग ना प्रैक्टिस सेट करेंगे तो मजा आएगा ऐसे मजा नहीं आता मेहनत ज्यादा करनी पड़ती तस्वूर निकलता कुछ नहीं इसमें प्रैक्टिस सेट में तुम भी खुश हम भी खुश जैसे रोगी के मन भाव है वैसे बहुत बतावे है ना प्रैक्टिस में बहुत मजा आता है ऐसे खिसकाते रहो देखा बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट वाले ऐसे खिसकाते हैं ऑप्शन बताओ बताओ बता देते बता, बता, बता हैं मतलब बहुत खुश रहते हैं सब ऐसे हम बड़बड़ बड़बड़ बोल रहे हैं ठीक है भैया हम यन बोले हैं तो कुछ गधा यम लिख रहा है भाई कहा पैदा हो गए तुम चलो तो ये प्लस है ये माइनस है चिन्ह अपोजिट है इसलिए क्या आएगा माइनस में आएगा यक्स का स्क्वायर वाई आएगा ठीक है बात समझ गए तो जहां पर समान चिन्ह है वहां पर जो आंसर आएगा प्लस में आएगा जैसे मान लो माइनस का टू इंटू माइनस का ट्वेंटी तो माइनस में क्या आएगा प्लस में आएगा मिस्टर क्यों क्योंकि दोनों चिन्ह सेम है माइनस माइनस में है तो जो आएगा वो प्लस में आएगा और ये फोर्टी एट आएगा हम्म पक्का आज का टाइम हो गया ओवर हम लोग शुरू का करे थे कुछ और था क्या एक मिनट रुको ऐसे ओवर नहीं होने वाला हाँ अच्छा ये आ, घातांकार थ्रिड़ात्मक धनात्मक हो गया मुझे लग रहा है कि कुछ बचा है और आज के लिए एक सूचना आप लोगों के लिए डीएलएड वालों के लिए स्पेशली सूचना क्या है सुन लीजिए मैं ना इस समय कोरोना में जितना ज़्यादा हैरान नहीं था उससे ज़्यादा इस समय प्रॉब्लम है क्यों क्योंकि होता नहीं है जैसे मान लीजिए आपसे उठ रहा है इतना आप उठा ले रहे हो इतना तो क्या होता है थोड़ा तकलीफ होती है ना तो मैं वैसे कुछ किया हुआ आजकल क्योंकि मैंने इस स्टूडियो को बनाने में सेटअप को बनाने में इतना ज़्यादा लगा दिया है कि अब लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर करके मांग रहे हैं चाहे वो बैंक वाले हो चाहे दोस्त हो चाहे यार हो आप लोग उस तो कह नहीं सकते भैया दे दो कर दो ये सब वो सब आप लोग को तो सिर्फ पढ़ना है वो भी फ्री चाहिए है ना तो होता क्या है बहुत सारी चीज़ें एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं इसी लिए अप्लीकेशन में मैंने कई बैच लॉन्च किए हैं उसमें मैं बहुत टाइम बिजी रहता हूँ टाइम निकल नहीं पा रहा है और भी कुछ लफड़े चल रहे हैं जिंदगी में वो सबको आपको पता है है ना बाकी मैं आपको अपना नंबर देने के लिए बोला था जिन लोगों की आपसी प्रॉब्लम है अंदर की पर्सनल वाली उसके लिए अभी नंबर दूंगा तो मतलब की बात ये सुन लीजिए जो सब सबके काम की है बाकी लोग जा सकते हैं इसको सुन के कि आज कितना तारीख है बीस है ना इक्कीस बाईस तेईस चौबीस आपकी क्लास बंद रहेगी अब पच्चीस जनवरी को नेक्स्ट पार्ट आएगा ठीक है पच्चीस जनवरी को अगला आएगा यानी लाइव नंबर तो यही आपकी छुट्टी रहेगी माफी चाहते हैं यूट्यूब पर टाइम में बहुत कोशिश दबाव बना के निकाल रहा हूं एप्लीकेशन की क्लास छोड़ करके तो मैं सोच रहा हूँ उसको किसी और टाइम पे एडजस्ट कर दूं तो फिर अच्छा रहेगा चल सकेगा आपका ठीक है भैया तो ये चीज आप लोग याद रखें और 25 को जरूर आना और हाँ रुक जाओ अभी मिल जाओ मिल लो मिल लो मतलब प्रसाद ले लो कहे पहले जा रहे हो 25 को पता कैसे चलेगा ये सारी इंफॉर्मेशन हम वॉइस रिकॉर्डिंग में मैसेज में पी स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर देते हैं देखिए जो साथी हमारे ग्रुप में जुड़े हैं व्हाट्सएप में एक मिनट हेलो हाँ जी दीपक सर अभी क्लास चल रही है अभी पांच मिनट में आप फोन करिए ठीक है, है? आइए देखिए तो बात क्या बोल रहे थे कि टेलीग्राम में हम सारी अपडेट खुद भेजते हैं मैसेज खुद ही लिख के भेजते हैं फिर उसको हमारे जो साथी लोग हैं असिस्टेंट लोग हैं वो लोग सारे ग्रुप में भेजते हैं क्योंकि पचासों ग्रुप हैं व्हाट्सएप वाले तो हमारे साथी लोग ना थोड़ा अपने मन के हैं क्योंकि वो फ्री में भेजते हैं उनका वर्किंग टाइम नहीं होता है वो मेरे प्यार की वजह से भेज देते हैं अलग टाइम में ठीक है तो कभी कभी वो ग्रुप में नहीं भेजते हैं जब अपने उसके साथ बिजी रहते हैं तो फिर अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के भरोसे हो तो आपको रोज नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी टेलीग्राम पे पीवीआर स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको डेली अपडेट मिलती रहे ठीक है भैया तो टेलीग्राम पे आप लोग हमें ज्वाइन कर ले मैथ सिखाने की गारंटी होती है के ले लो, 101%, अगर आपको मैथ नहीं आती है और आप मेहनत करने को तैयार हैं अगर आपको मैथ नहीं आती मेहनत करने को तैयार है तो मैथ सिखाने की पूरी 101 परसेंट गारंटी होती है कि हम आपको मैथ सिखाएंगे बिल्कुल जीरो से एकदम जीरो से हीरो बना देंगे तैयार हो ना अच्छा लास्ट जाते जाते एक ही सवाल बता के जाओ चलो जब जा ही रहे हो तो बताओ जैसे देखो क्वेश्चन मैंने लिखा कि 1280 का 50 परसेंट बिना दिमाग का सवाल है ये साठ परसेंट लिख लो कितना आएगा बहुत ही आराम से निकालने वाला सवाल है ये चलो जवाब दो कितना आएगा भाई चलो बताओ संख्या बढ़ रही है मेरे जाने का मन नहीं कर रहा है अगर आप लोग संख्या बढ़ाओ ना शेयर करो ना हम सब कुछ छोड़ के पढ़ाएंगे आपको गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो वैसे छोड़ देंगे भाग गई गई किसी के साथ निमुन मना रही चलो, चलो 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 कोई गया क्या नहीं गया ना सौ के पार कर दो फटाफट कितना आएगा आइए कुछ मजेदार चीज कर लेते हैं जिससे हर किसी को मजा आए है ना आजकल जिंदगी में लोग मजा ही खोजते हैं क्योंकि इतना दुख है लाइफ में क्या करें मजा ही खोजते हैं चलिए इसका आंसर पटाख दे आप बता सकते हो आधा मिनट के अंदर कैसे देखिए जो नंबर दिया है उसको लेना है इसको फट से गुड़ा करना है जो नंबर दिया है इससे और सौ से भाग दे देना नीचे चुप्पे से दो जीरो से दो जीरो निपटा देना है ऊपर एक सौ अट्ठाईस गुड़ा छा बचा है गुड़ा कर लो भैया छह अठे अड़तालीस का आठ हासिल चार छो बार चार सोलह हासिल एक छम छत सही है क्या बोलो एक बार फटाफट यस सही है एनीवन शिरोमणि, अनिल कुमार विक्रम सिंह कह रहे किसी को फ्रेंड बना ले नहीं नहीं बना लो बना लो बेटा तुम बिल्कुल बना लो जिंदगी इतनी नीरस है इतनी दुख भरी है कि बिना किसी और के खुश रह ही नहीं सकते हो और जिस दिन खुद के भरोसे खुश रहना सीख लोगे उसी दिन जिंदगी का असली मतलब समझ जाओगे आप ही के अंदर सब कुछ है सर जो किसी दूसरे के ऊपर दूसरे के भरोसे खुश रहते हैं ना वो वास्तव में खुश नहीं रहते हैं आपको पता है बताऊंगा अभी सात सौ अड़सठ आएगा इसका आंसर लिख लो फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ बताता हूँ आपने कुत्ता देखा है कुत्ता डॉग वो कभी कभी सूखी हड्डी चूसता रहता है देखे हो नहीं सूखी हड्डी चूसता है कोई दूसरा कुत्ता छीनता है लड़ाई करता है उससे मार कर लेता है बिल्कुल जी जान से लग जाता है जबकि वो हड्डी सूखी है ना उसमें मांस लगा ना खून लगा कुछ नहीं निकल रहा कुछ नहीं मिल रहा है क्यों चूसता है पता है कुछ देर तक चूसता है उसके मसूड़े कट जाते हैं उसके मसूडों से निकला खून उसके अंदर जाता है उसे लगता है कि हड्डी से माल निकल रहा है समझ रहे हो खुश रहता चूसता रहता है लेकिन वास्तव में अपना ही खून चूसता रहता है यही यही सिस्टम लागू होता है लाइफ पे जो दूसरे के ऊपर खुश रहता है दूसरे के भरोसे चाहे वो आपकी जो आप लोग कमेंट करो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले हैं चाहे हस्बैंड वाइफ वाले हैं चाहे जो घर परिवार वाले रिश्तेदार नाथ वाले हैं सबकी वही हाल है कि हाँ वो नहीं रहेगा तो हम खुश नहीं रहेंगे उसने मेरी दुनिया उजाड़ दिया चला गया धोखा दे दिया ऐसा कुछ नहीं होता खुश आप अपनी वजह से ही हो समझ रहे हो ना आइए इसके बारे में अभी बात करते हैं विस्तार से जरूरी है ये अगला सवाल एक बात बताइए तेरह पचासी का पचहत्तर परसेंट कितना आएगा एनी वन कोई बताएगा परांजलि सिंह बहुत देर में कमेंट आ रहा है आपका सिरोमणि और कोई एनी वन बिपिन ठीक है वेरी गुड अरुचि सिंह ठीक है बहुत अच्छा देखो ठीक गुलाब भेज रहा है मतलब कितनो तो बता ये कह रहे हम नहीं सुधरेंगे चलो ठीक है कोई बात नहीं कर लो कर लो तुम भी कर लो मैंने कहा नहीं कि बातों से कहाँ सुधरती है जिंदगी मतलब बातों से कहाँ समझ में आती जिंदगी की हकीकत कुछ हादसे भी जरूरी है जिंदगी जीने के लिए है ना जैसे छोटा बच्चा होता है ना वो जाता है कोई चीज छूता है बार बार छूता है बार बार छूता है मना करो नहीं मानता है घर वाले ना लेकिन जैसे होता नहीं कहीं पानी वानी गिरा छोटा बच्चा बार बार जा रहा, रहा है रोक रहे भैया ना जा बाबू गिर जाएगा ना जा गिर जाएगा एक बार गया गिरा वहाँ पे आया कुर तक पहुँचा रोया चिल्लाया फिर दोबारा नहीं जाएगा वहां क्यों क्योंकि बार बार जब घर वाले समझा रहे तो नहीं मान रहा था लेकिन जब एक बार मिल गया तो समझ गया तो वही हाल है आप लोगों की भी तेरह सौ पचासी कूड़े पचहत्तर बटे क्या करेंगे इसको हटा के परसेंटेज सौ से भाग करेंगे बस तो ये हो गया आपका डन चलो भाई काट दो पच्चीस थी पचहत्तर पच्चीस चौका सौ कितना आएगा एनी वन एक हजार उनतालीस ठीक है 1039 आएगा आ, बिल्कुल भैया ये कटेगा का हो? तीन पचहत्तर पच्चीस चौका सौ सही तो लिखा मैंने ये चार से कटना चाहिए फिर चार तीन बारह नहीं कटेगा तो फिर कैसे आएगा वो अच्छा इसको गुड़ा करेंगे तब आएगा ठीक है तीन पचे पंद्रह यार फिर कैसे आएगा इसे चलो करके देखते हैं फिलहाल सही किया हूं ना मैं मुझे नहीं लग रहा उतना आएगा कैसे आएगा इसे देख लेता हूँ पचहत्तर लिखा था मैंने सेवेंटी फाइव बोलना नहीं पच्चीस चौका सौ ही होता है ना तीन पच्चे पंद्रह पाँच तीन अठे चौबीस एक पच्चीस हासिल दो तीन नौ दो ग्यारह हासिल एक तीन एकम एक, तीन एक चार यार कहाँ से आएगा भाई अच्छा ये चार था एक मिनट ये चार से कटेगा कहाँ अच्छा ठीक है जो लोग कह रहे हैं कि एक हजार उनतालीस आएगा ना इनके उत्तर की जांच कर देते हैं पहले बिना आंसर निकाले एक हजार उनतालीस वालों का पता है अगर एक हजार उनतालीस इसका पचहत्तर परसेंट है ना तो एक हजार उनतालीस को सौ से गुड़ा करके इससे भाग दे दो देखो आ जाएगा यार चार से ये कटेगा नहीं इकतालीस पचासी अब ज्यादा टाइम हो गया मैं कहे को फालतू मेहनत करूं यार एक सौ छियालीस दशमलव पांच आएगा लगभग ये कौन इसको कहा कितना आएगा एक लोग बता दिए सब बता दिए वही हुँ? बोलो कैसे आएगा देखो ये तो मैं सही बोल रहा हूँ ना कि इसको आप तेरह सौ पचासी का ही नंबर चेंज तो नहीं किया ना मैं वही लिखाऊ ना इसको आप पचहत्तर से कूड़ा करोगे ठीक है मैंने वही किया ये मैंने क्या किया इसको पचहत्तर से कूड़ा किया ये जो नंबर यहाँ था हाँ? और मैंने पच्चीस से काटा पच्चीस दूना पचास पच्चीस तीन पचहत्तर होता है और पच्चीस चौका सौ होता है तीन का इसमें गुड़ा कर दिया तीन पचे पंद्रह हासिल एक तीन अठे चौबीस एक पच्चीस हासिल दो और तीन त्रिका नौ दो ग्यारह हासी ले तीन एक कम तीन एक चार इसको भाग करोगे तो एक हजार छियालीस समथिंग आएगा ना बहुत गदाह लोग यार तुम लोग कहाँ गलत का बता रहे हो हाँ एक हजार उनतालीस का बता रहा है एक हजार उनतालीस होगा ही नहीं दशमलव में आएगा ठीक है तो पचपन हाँ लगभग में आएगा समथिंग आप लिख सकते हो एक हजार अड़तीस पॉइंट सेवन फाइव आ रहा है तो सेवन फाइव को अनदेखा नहीं कर सकते हो आप ऐसी अवस्था में यहाँ पे ठीक है तो ये हो गया आंसर बस आज ये जो है आप लोग इजाजत दीजिए यहीं तक मिलते हैं फिर कल की क्लास में यार कभी कभी संख्या जो है बीच बीच में आज बहुत ओवरलैप हो रही बढ़ रही घट रही बढ़ रही घट रही मतलब क्या है चलें फिर डन कोई सवाल है आपके मन में तो बताइए नहीं ना निम्न में से कौन सा अनुपात संभव नहीं है साथियों मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से बताया था कि देखिए आपकी दोस्ती और प्यार जो है ना वो आपके जैसे लोगों में होता है जिनको आप पसंद करते हो है ना ऐसा तो है नहीं कि कहीं अम्मा जी से हो जाता है वो तो एक अलग वाला होता है लेकिन जो तुम चाहते हो वैसा वाला तो वही होता है जहां तुम चाहते हो तो वैसे जो अनुपात है ना वो बिल्कुल सिमिलर चीजों में ही होता है निकाला जा सकता है विभिन्न अलग अलग प्रकार की वस्तुओं में या किसी जीवो में अनुपात नहीं निकाला जा सकता जैसे दस रुपया और आठ सौ पैसा ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है ना तो इनमें हम रेशियो निकाल सकते हैं ठीक है ये पहले में अनुपात हो सकता है दूसरा भी एक ही कैटेगरी का है ग्राम और किलो इसमें भी अनुपात हो सकता है भैया ये के में अनुपात नहीं हो सकता ये आम है ये क्या है बॉयज है आम और लड़का दोनों अलग अलग दिशा ना ये दूध और पानी इनका तो जन्मों जन्मों का साथ है ये तो अनुपात संभव है इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है एनीमन कोई बताएगा ठीक है बहुत अच्छा अगर इनके मैं नाम दे दू देखिए इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है ए ये बी ये सी कौन सा बड़ी है भाई देखो चुटकी में बताना है खट से एकदम पेपर में तभी कुछ अच्छा होने वाला है कुमार गौरव ये जो पागल नाम का कमेंटर है, इसको ब्लॉक करो फट से ब्लॉक करो इसको एक से एक इडियट आ जाते हैं पता नहीं कहां से पैदा हो जाते हैं ये अपना नाम रख के आना तुम बच्चा अपना नाम रख के आना नहीं भागो यहां चलो अरविंद ठीक है वेरी गुड सबसे पहला जवाब अरविंद देखो मैं बता देता हूँ देखो बाबू सिंपल सा क्या करते हैं ना इनके दिए गए हरों का एल्सियम लेते हैं ये बेसिक तरीका बता रहा हूँ डीएलएड के लिए बाकी ट्रिक नहीं बता रहा हूँ क्योंकि डीएलएड वालों को ट्रिक नहीं लगाना है डीएलएड वाले ट्रिक लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ठीक है चलो तो ट्रिक नहीं लगाना आपको सेवन नाइन और एट का एल्सियम निकाल लो तो देखो सेवन नाइन और एट ये दोनों तीनों एक दूसरे से कहीं भी संबंधित नहीं है तो इनका एल्सियम निकालोगे कि तो कितना होगा भाई आठ नवा बहत्तर बहत्तर का सात से गुड़ा करो सात दूना चौदह सात सता उनचास पचास पांच सौ चार आएगा कि नहीं एक बार मुझे कमेंट करके बता दो इनका एल्सियम कितना आएगा इतना आएगा ना एक तो यह तरीका एल्सियम वाला एक दशमलव वाला है दशमलव वाले में मैं अगर बात करूं अगर इनको भाग करोगे तो लगभग जीरो पॉइंट चार जाएगा चालीस पैसा लगभग इनको भाग करोगे तो नौ नवा इक्यासी नहीं नौ दो नौ अठारह अगर नौ से भाग करोगे पचास में तो कितनी बार जाएगा जरा देखो नौ पचे पैंतालीस ना बाबू तो जीरो पॉइंट फाइव के लगभग जाएगा दस हम बढ़ाओगे जीरो उतार लोगे तो नौ पचे पैंतालीस इनको भाग करोगे दस में तो कितना जाएगा जीरो पॉइंट वन यानी सबसे मोटा मोटा यही बड़ा है यार फिर बिना कुछ करे निकल गया ये तो क्यों नहीं बी वाला सबसे बड़ा है ये पचास पैसा के लगभग है है ना? सभी समझ गए नहीं समझे तो बेसिक मैथ देखिए हो जाएगा दूसरा तरीका एलसीएम वाला है एलसीएम में क्या करेंगे सबका एलसीएम पांच सौ चार कर देंगे इनको भाग करेंगे जिनका हर बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा ठीक है तो ये हो गया आपका आंसर बी नंबर अगले में आ जाओ इनमें जीरो पॉइंट तीन है इनमें सबसे बड़ा कौन सा है जल्दी बताओ देखो भैया सबको आना चाहिए रीमा ठीक हाँ है वेरी गुड सुजल केसरवानी जी बहुत बहुत थैंक यू सी एच एस एल निकल गया जी बहुत बहुत बधाई हो आपको ठीक है आगे बढ़े और एनी वन कोई ठीक है बहुत अच्छा सबसे पहला जवाब इसमें जिसका है उनका नाम है आशीष बहुत अच्छा आशीष वेरी गुड इनमें कौन सबसे बड़ा है देखो भैया सबसे पहले अगर आप ध्यान दो तो इनमें इकाई अंक सबका इकाई नहीं दहाई अंक इकाई अंक तो अलग है दहाई अंक सबका जीरो है दहाई अंक सबका जीरो है लेकिन इसका पांच है तो सबसे पहले हम दहाई अंक पकड़ेंगे सबका जीरो इसका पांच है ये सभी एक से कम है दशमलव में है सभी लेकिन ई क्या है दशमलव से बड़ा है. है ना ओके अगला नेक्स्ट प्रश्न बत्तीस की घात निम्न में से किस आधार पर संभव नहीं है नहीं नहीं संभव है बताओ जल्दी फट से मजा नहीं आ रही क्या इसमें हम्म आ रही मजा चलो देखो बाबू ठीक है बहुत अच्छा आ, पंकज कुमार अग्रहरी ठीक है पंकज वेरी गुड बत्तीस की घात इनमें से जो संभव है वो सिर्फ दो पर है मुझे लग रहा है दो दूना चार दूना आठ दूना सोलह दूना बत्तीस यानी बत्तीस को दो का घात पांच कर फकते हैं ना बाबू बाकी मुझे नहीं लगता कि और किसी पर जो है बत्तीस बनेगा घात में लिखने पर पांच की घात दो लगाओगे पच्चीस हो जाएगा तीन लगाओगे एक सौ पच्चीस हो जाएगा चार की घात दो लगाओगे सोलह हो जाएगा तीन लगाओगे चौसठ हो जाएगा तो होगा ही नहीं सिर्फ दो पर संभव है ठीक है अगला इनमें यक्ष का मान बताओ इनमें थोड़ा सा शुद्धि कर देते हैं इनमें का मान बताओ क्या होगा जानते हो एनी वन ठीक है वेरी गुड बहुत अच्छे भूपेश ठीक है बच्चा बहुत अच्छा श्वेता कुमारी बहुत अच्छा वेरी गुड चलिए देखो ये अनुपात में है समानुपात में भी है ऐसे में क्या करते हैं जानते हो बाहर का बाहर में गुड़ा करते हैं बाबू अंदर का अंदर में करते हैं और बराबर कर देते हैं यानी तीस का गुड़ा यक्स में करेंगे बराबर करके पैंतालीस का गुड़ा सोलह में करेंगे ये तरीका होता है यक्स बराबर करोगे तो इतना हो जाएगा तीस से भाग हो जाएगा पंद्रह दूना पंद्रह अबे यार रुक जा पंद्रह तीन पैतालीस पंद्रह दूना तीस दुई से काटोगे आठ आएगा यक्ष का मान कितना आएगा भैया चौबीस आएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी सही है पूजा सिंह का सबसे पहला सही था ठीक है वेरी गुड रूहानी तुम्हारी खराब हो जाएगी कहानी अभी हम तुमको कर देंगे ब्लॉक चलो निम्न में से कौन सा नियम गलत है चलो बताओ कौन सा नियम गलत है वेरी गुड बहुत अच्छा सबसे पहला जवाब है, सा है।, है साहिल केसरवानी का ठीक है साहिल वेरी गुड बाबू देखो ये घातांक का पहला नियम गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती हैं जब आधार समान हो भाग करने पर घाते घट जाती हैं जब आधार समान हो मतलब बेस इक्वल हो लेकिन चचा ये ना तो बेस अलग अलग है घात एक है तो क्या ये क्या लफड़ा है ये तो वैसे भी गलत लिखा गया है एक यम है एक यन है अगर दोनों का जो बेस है अगर बेस अलग अलग है घाते समान है तो ये लफड़ा नहीं होता जो यहां लिखा गया है यानी यही वाला गलत है अंकितावा का सही है भैया अगला क्वेश्चन अब हम लिखेंगे क्योंकि अब लिखा नहीं है चलो बताओ क्या होगा पहला ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है तीसर का ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है पहले ऑप्शन ले लो तब ए रुक जा बे चलो बताओ क्वेश्चन नंबर सात या आठ नंबर है जो भी है चार की घात पांच का मान बताओ डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में जो सिलेबस है उसके अनुसार प्रैक्टिस करवा रहा हूं बोलो फट से ए बी सी डी ऐसे बताना बाबू आठ है ना तो आठ ए अगर सी सही है तो आठ सी डी सही है तो आठ डी इस तरीके का लिखना तो मैं जान जाऊंगा कि आठवां का बता रहे हो ठीक है वेरी गुड बहुत अच्छा वेरी गुड भाई सबसे पहला जवाब अंकिता यादव बिंदास छोरा ठीक है बिंदास छोरा बहुत अच्छा साबास, one, zero, two, four, इसका करेक्ट आंसर काहे को पता चाचा ए चाचा के चाची देखो ना ये ये चार चौक सोलह चार चौक सोलह सोलह का सोलह हमसे ना बोला चार का गुड़ा कर लो बस पंद्रह पंद्रह में दो सौ पच्चीस सोलह का वर्ग याद कर लो चार से गुड़ा कर लो एक हजार चौबीस आएगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन पहले ले लो चाचा नौ माइनस नौ माइनस वन अपान नाइन दिख रहा है कहो वन अपान नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन है इसका माइनस टू का मान इनमें से कौन सा सही है चलो बाबू फट से बताओ अगर बी सही है तो आप बोलोगे ऐसे नौ बी सॉरी नौ बी क्योंकि क्वेश्चन नंबर नौ है और बी अगर डी सही है तो आप बोलोगे नौ no डी क्योंकि क्वेश्चन नंबर देखना है इससे नौ से नहीं मतलब ठीक है समरीन सबसे अच्छा जवाब फारूक अंसारी बिंदास छोरा लात पड़े तो मुंह टेण हो जाए क्या समझा समझ गया ना चल आगे अब देखो यहां पर ये माइनस घात है ना तो भैया बाबू मैं आपको बताया था अगर इसकी घात माइनस है इसका मतलब क्या है इसका मतलब जानता है इसका मतलब ये सूत्र पढ़ाया था ऐसा वाला इसका मतलब ये होता है ये ठीक है समझ रहे हो कि नहीं तो कहने का ये मतलब है कि अगर घात माइनस में है इस तरीके का तो वो बटा में आ जाता है विन्न के रूप में यानी वन अपान थ्री का पावर नाइन टू सॉरी थ्री का पावर टू प्लस में हो जाएगा और इसको हल करोगे आगे कुछ करोगे तो वन अपान नाइन ना आएगा इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर जो आ रहा है गीता सिंह का बी नंबर आ रहा जो कि गलत है और भोलू राजिया वेरी गुड तो कौन सा सही है बाबू इनमें प्लस में आएगा डी नंबर सही है डी नंबर सही था कौन सा सही था भैया डी नंबर सही था ये करेक्ट आंसर है ये गलत था यह भी गलत था यह भी गलत था क्वेश्चन नंबर दस पहला ऑप्शन है इसमें देख लो वन अपान फोर्टी नाइन दूसरा है वन अपान माइनस का फोर्टी नाइन का है सिर्फ फोर्टी नाइन चौथा है जीरो माइनस वन अपान सेवन का स्क्वायर मान बहुत छोटा सा है बहुत आसान है लेकिन डीएलएड वाले ना बड़ा गदहिया गोल है ये पढ़ते वढ़ते नहीं बस लुच्चाई करत रहा था ये लाइव क्लास में बातचीत नहीं ये दूसरी क्लास है वाइट बोर्ड वाले पे खूब बकैती करो तुम चैटिंगे करो सेटिंगे करो रात भर हम उसी लिए लाइव कर देते हैं कभी कभी वो चैनल नंबर उस पर करते हैं ना राजकुमार यादव सर मैथ वाले पे जाके बात करो ना रात भर दिन भर बात करो खूब लगे रहो उसी में तुम बर्बाद होना चाहते हो तो कोई नहीं रोक सकता हो जाओ लेकिन इसमें नहीं चलो इसका करेक्ट आंसर कोई बताया भूपेश चतुर्वेदी ठीक है भूपेश देखो बाबू ये क्वेश्चन नंबर दस है अगर इसमें बी सही है तो आप दस बी लिखेंगे अगर डी सही है तो 10 डी लिखेंगे इस तरीके का कमेंट करेंगे ठीक है तो ये देखो यहाँ पर माइनस है घात सम संख्या है तो जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा ये पहले से याद कराया हूं तो आंसर जो आएगा प्लस में आएगा वन अपान सेवन का मतलब स्क्वायर का मतलब ये वन का वन में वन और इसका हो जाएगा फोर्टी का नाइन तो ये फाइनल में ए नंबर हो जाएगा फाई शिल्पा केसरवानी जी जय माता दी बहुत जल्दी आ होती है जय माता दी कर था क्लास खत्म हुआ वाली है चलो सेवन अपान सिक्स क्यूब का मान है फटाफट इसमें से आप लोग मुझे आंसर दो कितना आएगा कौन सा सही है भैया ग्यारह नंबर है तो ग्यारह ए ग्यारह बी या ग्यारह सी क्या होगा नी मन कोई जवाब देगा कोई महान आत्मा इसमें है ऐसा पैदा हुई बिल्कुल सही जवाब सात का क्यूब क्या होगा बाबू सात सता उन सत्ते तीन सौ तिरालीस छत्तीस छोला यानी इसमें सबसे पहला जवाब है रूहानी का है रूहानिया का नहीं है ये तो पगला रही है डी बी एस अरिमा का सही है ठीक है तो ये सात सता उनचास तीन सौ तिरालीस और दो सोलह सी वाला सही है ग्यारह सी करेक्ट आंसर है यह सबर गलत है यह सबर सही है ठीक है भैया ठीक है बाबू ग्यारह नंबर के बाद बारह नंबर में आ जाओ चलो चाचा इसका जो बताएगा वो इनाम पाएगा अजीना बताई बत कहीं करीब लती आ आई चला भाई चला लग जा फिर एक बार और ए के मान कितना आए हो साथी वन यक्स जीरो या नॉन ऑफ दी इनमें से कोई नहीं ठीक है ठीक है भैया माहिर सिद्धि की वीरेंद्र सर आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं मैं शादी में नहीं गए नहीं नहीं तुम शादी ना करा बिल्कुल ना करा पढ़ ले पढ़ ले तब शादी हुए ना सदियों ना हुए ऐसे रह जाबा जैसे देसी भाषा में का रड़ुआ चलो तो भैया गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती हैं तो यक्स का पावर फाइव इसको हम लिख सकता हूं यक्स का पावर माइनस वन है ना तो इंटू यक्स का पावर माइनस देखो चाचा गुड़ा करने पर सारी घात जुड़ जाएगी तो ये पाँच प्लस माइनस वन प्लस माइनस फोर ये सब माइनस माइनस हो जाएगा फाइनल में ये पाँच माइनस पाँच हो जाएगा यानी यक्स का पावर जीरो हो जाएगा चचा और किसी भी की संख्या की चर अचर की घात जीरो का मान वन होता है अरे भैया ये सही है ना बोलूँगा समझ में आ रहा है एक का नाम है लवकु ये तो मतलब मैं क्या कहूँ बा कर रहा है कर लो कर लो कर लो कर लो कोई बात नहीं कर लो कर लो यही तो टाइम मिला है नहीं तो कहाँ पाओगे टाइम दोबारा जिंदगी में यही तो टाइम है जब तक क्लास चले तब तक बतिया लो आजकल का लड़का लड़की पढ़ने थोड़ी जाता है बढ़िया परफ्यूम लगा के आधा कपड़ा इधर फाड़ के आधा उधर फाड़ के बस दिखाने जाता है समझ रहे हो आपको एक चीज पता है कि नहीं आप लोग सीनियर हो गए हैं कोई चीज जितना छुपी है उसको देखने की लालसा उतना ज्यादा होती है और जो खुल्लम खुल्ला है उसको कोई नहीं देखता है समझ रहे हो बाकी विस्तार से बताऊंगा बाद में पहले अभी क्वेश्चन देख लो तो इसलिए इसलिए क्या इसलिए ज्यादा ज्ञान बाद में पहले काम अनुपात बताओ चलो इनमें अनुपात क्या क्या हो सकता है दो और पांच का हो सकता है पांच और दो का हो सकता है वन और टू का हो सकता है या नौ ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं हो सकता है तुम यही दिखाने आई हो तो लोग देख रहे हैं क्या करें हम का कहें इनकी क्या गलती है तुम्हें देखे मेरी आंखें इसमें क्या मेरी खता है है ना यही तो लिख रहा है ना वो हाल क्या है मेरे दिल का ये तो बस वीरेंद्र को पता है चलो तो पांच रुपया और दो सौ पैसे में अनुपात सबसे पहले इनको एक जैसे करेंगे तो पांच रुपया में भैया पांच सौ पैसा और दो सौ पैसा तो पहले से निर्लज बना है इनमें अनुपात ऐसे निकालते हैं तो पांच और दू आ जाएगा है ना ये हो गया आंसर यानी करेक्ट आंसर हो गया फाइव और टू का तो मेरे बाबू मेरे भैया मेरा बेबी भी वाला है अब कुछ लोग कहेंगे का बोल रहा है ये ये सब नॉर्मल सी बात है कोई गड़बड़ बात नहीं चलो सभी को समझ में आया हि समझ में आया चलो भाई क्वेश्चन नंबर अगला मस्त क्लास चल रही है बाबा चल पंद्रह सोलह नंबर भाई चल चल चल, चल रेडी 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 है भैया क्वेश्चन में खत्म होगा हो और लवा हो फे चलो देखो अगला अगला देखो 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 अभी नहीं जाने का नहीं किसी को क्वेश्चन ही है कि भाई इसमें रामू काका एक कमेंट कर रहे हैं ना ये फेल होने वाले हैं ठीक है ठीक है अभी इनकी मैं घोर बेजती करने वाला हूँ आज इनको नंगा करने वाला हूं सबके सामने रुक जाओ कर लो कर लो जो तक कर रहे हो कर लो क्वेश्चन देखो यदि हिल 600 की मतलब 600 अंकों की परीक्षा में 180 अंक पाया तो कितने प्रतिशत अंक हुए बताओ फट से बताओ 180 अंक क्या किया प्राप्त किया अब यहाँ पूजा के आंख देखा था है, कमेंट मत का 180 ज्यादा थोड़ी पाई है हा? तो कितने प्रतिशत अंक मिले ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आजकल अड़ोसी पड़ोसी के लोग ना परसेंटेज निकालने के लिए सोचते हैं हम लोग का मतलब समझ रहे हो फलन वाग लड़का अस्सी परसेंट पाया है कहा शर्मा जी शुक्ला जी के लड़के पर नाइनटी फोर गदाह निकला यार खाई कर रहा पढ़ नहीं रहा है ना कितना परसेंट पाया कैसे निकालेंगे पता है देखो इसमें तुम्हें दो चीज देखना है मैं आज सिखा दे रहा हूँ पहला तो ये देखना है पूर्णांक दूसरा कितना पाया है बस 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 लेके भागा जितना पाया चलो देखो कैसे कैसे निकालना है देखो जरा देखो मगर प्यार फे देखो मगर प्यार फे जितना मिला है उसको गुड़ा करोगे सौ से और जितना था पूरा उसको उससे भाग कर दोगे बस ठीक है भैया बाबूआ एक एक जीरो से एक जीरो से निपट गया दुसर के दुसर को निपट गया छ से ये निपट गया थर्टी परसेंट पाया बिया हो ना हुए तो आए हो जान लिया आप पढ़ ले कम से कम अच्छा एक बात बताओ तुम एक बात बताओ तुम यादों में मरते हो कि नहीं मरते हो मर तो रहे हो सब लोग बस जिंदा ही हो चलो देखो सुनो वो क्या है कि अगर इसको 80 परसेंट नंबर पाना हो तो कितने अंक पाना चाहिए चलो बताओ अगर इसको 80 परसेंट अंक की चाहत है तो 600 में से कितने अंक मिलने चाहिए फट से बताओ देखते हैं कौन कौन बता पाता है अगर इसको 80 परसेंट अंक की चाहत है तो कितने मिलने चाहिए ये डीएलएड वालों के लिए आती इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना और हाँ जो बेसिक सीखना चाहता है उनके लिए तो एकदम ब्रेकअप में नई सेटिंग की बराबर होगा ये उतना अच्छा समझ रहे हो ये कौन मास्टर जी कह रहा है कब है फ्रेंड आज अंजलि नहीं आई का ये लिख रहे हैं वो तो का कह रही है नहीं आज उ गई है अपने वो करे घरे ठीक है ठीक है तू लिखे रहा हम पढ़े रहा, चलो कितने अंक मिलना चाहिए मालती देवी कह रही कि चार सौ अस्सी आशीष एंड बेबी इनका नाम है ये पूजा चार सौ अस्सी ठीक है देखो भैया ये जुगाड़ है जुगाड़ का है वो कि 600 सौ का पूर्ण अंक था अस्सी परसेंट पाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 600 सौ का अस्सी परसेंट कितना होगा तो 600 को 80 से गुड़ा करके 100 से भाग कर देंगे जीरो। भाई आ, लोग सही बता बता दो हाँ। जीरो से दो जीरो निपट गया छे अठे अड़तालीस चार सौ अस्सी तो ए चाचा जो नंबर तू प्रिया पूजा का आंख देखा था कमेंट में ना तो एक सौ अस्सी नंबर मिले पेपर में यानी 600 में से तो का 180 सौ मिले अगर आंख देखवा तो आंख छोड़ के पढ़ाई देखे लग तो फिर 480 मिले समझ रहे हो ना नहीं नहीं तुम खुद बकेले ली कर लो नहीं नहीं ब्लॉक नहीं करेंगे ब्लॉक नहीं करना इसको बर्बाद हो जाने दो तो इसे कोई दिक्कत नहीं चलो हो जा बेटा हो जा तुम कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम ठान लिए हो कि तुम्हें बर्बाद होना है तो कोई नहीं रोक सकता है चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहो भैया अगला क्वेश्चन में आगे बढ़े हम्म चलो आपकी बताई दो फिर तुम चलो 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 तीन बीस का सत्तर परसेंट का तिहाई बताओ कितने लोग बता लेंगे तीन सौ बीस के सत्तर परसेंट का तिहाई बताओ हम्म बता लोगे पक्का एनी वन कोई और सिखवा नहीं किसी फे, किसी फे गिला नहीं नसीब में नहीं था जो हम कहेगा ये, ये कमेंट कर रहे हैं कुमार उनका कमेंट में पढ़ रहा था ये मत सोचो हमारा कुछ टूट रहा है हमारा टूट नहीं रहा है हम बहुत मजबूत बना चुके हैं चलो आगे बढ़े तो इसमें कोई बताएगा बिद्धि सेरावत कह रहे कि कर दी गई थी वही है जी चलो ठीक है तो 320 का 70 परसेंट सबसे पहले निकाल लो 320 का 70 परसेंट निकाल लो कितना आएगा देखो 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 देखा हो तो 320 सौ बीस गुड़ा बटे सौ एक जीरो से एक जीरो निपट गया दूसरे काट दो सोलह आएगा दूस से काट दो पांच आएगा पांच से काट दो चौदह पंचायत सत्तर होता है सोलह गुड़ा चौदह का गुड़ा कर लो सोलह चौका चौसठ हाफिल छह सोलह कम सोलह सोलह छह बाईस दुई सौ चौबीस कितना आएगा दुई सौ चौबीस और इसका क्या कह रहा है कि तिहाई तिहाई मतलब जाना था तिहाई मतलब एक बटा तीन कहा भैया तिहाई का मतलब एक बटा तीन यानी इसका एक बटा तीन मतलब की बात ये है कि दुई दू चार को तीन से भाग दे लो तो भाग दे लो भैया ऐसे दुई, दुई दुई चार को तीन से भाग दे लो तीन सते इक्कीस घटाओगे एक चार तीन चौका बारह घटाओगे दुई दशमलव दशमलव बढ़ा के जीरो उतार लोगे तीन छंग अट्ठारह यानी सेवनटी फोर पॉइंट सिक्स लगभग आएगा समझ में आया सभी को समझ में आया भैया पक्का आया ना मजा आ रही कि नहीं थोड़ा बहुत नहीं आ रही ना ऐसे काहे को मजा आएगी मजा तो उसमें आती है किसमें तुम समझ गए अब आगे ना पूछो किसमें अब वही कर रहे हो कि बस कहीं जुगाड़ लग जाए फिर सांसों का आदान प्रदान हो फोन कॉल में चल भैया क्वेश्चन नंबर अठारह उन्नीस नहीं कहेंगे जाने दो कहना तो बहुत कुछ है लेकिन नहीं कहेंगे चलिए आगे क्या पढ़ रहे थे हम लोग में बहुत कुछ पढ़ना है लेकिन मैं क्या क्या पढ़ाऊँ इनको मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए ना अच्छा सभी फटाफट लाइक कर दो एक बार तब फिर तब तक हम और कुछ देखें फटाफट सेशन को लाइक कर दो देर ना करो भैया लोग चलो चलो एनी कोई एक बहुत पुराना सवाल है इसको बता दो तीन बटा पांच इसका मान कितना आएगा हो साथी इसका मान बताओ कितना आएगा कितना आएगा हम्म ठीक है वेरी गुड बहुत अच्छा बच्चा वेरी गुड कितना अच्छा हो तुम लोग देखो भैया जो दो है ना बाबू इसको तुम लिख सकता हो का पता है इसको लिख सकता हो तीन का घात पांच ऐसी घात लगाओ कि इनसे संबंधित हो जाए और इनका रिलेशन बन जाए इनसे तो घातों का क्या होता है ऊपर नीचे रहती हैं ऐसे तो गुड़ा हो जाता है तो तीन का गुड़ा हो जाएगा बाबू तीन बटा पांच में ए तीन का गुड़ा इसे कैसे बहे रुक जाए एक मिनट इसकी घात पांच थी ना तो ये पांच रहेगी और ये तीन बटा पांच का इसमें गुड़ा हो जाएगा पांच से पांच निपट गया तीन का घात तीन मतलब सत्ताईस है ना कितना अच्छा सवाल सबसे पहले ये सवाल है क्योंकि बहुत कुछ आप लोग पढ़ चुके हो पढ़ा चुका हूं मुझे ये बताओ भैया बहुत छोटा सा सवाल है इसका मान बताओ कितना आएगा सभी कर लोगे ना पक्का हम्म पक्का कर लोगे ना उम्मीद है कि आप कर लोगे क्योंकि बहुत छोटी चीजें हैं ये सब पढ़ चुके हो ये सब पढ़ चुके हो सब पढ़ चुके हो लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूं नहीं आता तो मैं बता दूंगा कोई बात नहीं। एकदम पानी चल रहा है अब उस क्लास में तो हैंग कर रहा था ये। कुलदीप कमेंट आ रहा है एनीवन कोई आंसर बताएगा भूपेश जी बता रहे हैं Uh, रोनी भी बता रहे हैं भाई और कोई मन हम्म ठीक है वेरी गुड वेरी गुड मतलब अच्छा चलो तो इनके बहरे घात लगी है दो हमें बहरे से कौनो मतलब नहीं अंदर में पहले हिसाब करेंगे तो भैया दुई का घात तीन का मतलब तुम सबको पता है कि दुई का घात तीन का मतलब दुई दूनो चार दूनो आठ होता है यानी आठ का घात दुई इसका मतलब तो यही हुआ ना क्यों सही लिख रहा हूं का मैं अगर इनका हल करोगे तो वही होगा चौसठ हो जाएगा और तीन की घात पांच का मतलब भी तो चौसठ है होता है छह घात चाहे तो इनको ऐसे कर लो चाहे इनका इसमें गुड़ा कर लो तब भी तीन दुना छे। तो तीन दुना छह मतलब दुई का घात छे ये भी तो चौसठ हुआ क्या मैं सही बोल रहा हूं या सियानो राज किशोर समझ में आ रहा कुछ थोड़ा बहुत दिमाग में घुस रहा है कि नहीं कहो बुझाता है कि नहीं बुझाता है चलो फिर अब हम बात करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में थोड़ा मोड़ा बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा सा बात करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में बस अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऐसे कुछ बोलते हैं इंग्लिश में आइए सभी साथी सेशन को लाइक कर दो बाबू आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारियां हैं रात बिरात में मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके लिए आया हूं ना आप तो नहीं छोड़ रहे हो कुछ भी सब पकड़े हो लेकिन क्लास को तो लाइक कर दो ना आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी है आइए बात करते हैं अब इज्जत के साथ थोड़ा सा अच्छे से चलो आगे नेक्स्ट डन चलो अब क्या करना है ये चीजें तो आप लोग समझ ही गए हो पढ़ना क्या है यार वो देखो अब हाँ गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स दिख रहा है यहां तक गुणात्मक प्रतिलोम मैं इसको हिंदी में पढ़ा रहा हूं इंग्लिश मुझे कम कंफर्म है इसका आप लोग मुझे बता देना इंग्लिश अगर किसी को पता है तो हम्म कमेंट कहीं देखना जरूरी है यार तीज़ीड़ी तीज़ीड़ी तीज़ीड़ी। तुँँगे तुँँगे क्या थोड़ा सा रुको हम्म 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 रुक जाओ थोड़ा चलो आगे बढ़े मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आइए इसके बारे में बात करते हैं ठीक है ठीक है ठीक है चलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आवाज़ आ रही तो कोई दिक्कत नहीं देखने की जरूरत नहीं मैं सोच रहा था देखना जरूरी है लेकिन कोई जरूरी नहीं चलिए देखिए जैसे मेरे हाथ में ये पाठ्यक्रम है सिलेबस है जो पढ़ना है उसी में से लेकर चलेंगे अगर एक पावर माइनस यम है तो एक पावर जो यम है ये क्या है एक दूसरे के इन मतलब गुणात्मक प्रतिलोम है ठीक है गुणात्मक प्रतिलोम है इसी आधार पर आप इसे समझ लीजिए क्योंकि इसमें एकात नंबर का एकात प्रश्न परीक्षा में जरूर आ सकता है ठीक है जैसे मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं आ, कि भैया ये बताओ द्वि का घात माइनस पांच का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा देखो योगात्मक प्रतिलोम की कहानी अलग है इनका गुणात्मक प्रतिलोम कितने लोग बता लोगे बोलो फट से हम्म ठीक है वेरी गुड बहुत अच्छे चलो तो आगे बढ़े थोड़ा सा कुछ सेकंड रुक जाना मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा फिर मैं मोबाइल लेके आऊंगा कमेंट जाना देखे ना मुझे तफली नहीं है इसका बाबू गुणात्मक प्रतिलोम सिर्फ घात प्लस हो जाएगी बस दो की घात पांच जैसे तीन बटा सात इसकी घात अगर माइनस का तीन है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताओ गुणात्मक प्रतिलोम बताओ इसका क्या होगा चलो ठीक है भाई वीरेन्द्र सिंह कमेंट आ रहा है देखो बार बार कमेंट ना करो तुम्हारे ज्यादा कमेंट आ रहा है बाकी लोग का तो नहीं आ रहा है तुम पढ़ नहीं रहे हो सिर्फ कमेंटे कर रहे हो ये बात है सही बात है ठीक है अच्छा है तुम यही करो बिल्कुल सही जवाब है क्या होगा सिर्फ माइनस हट जाएगा बस अर्जुन कमेंट आ रहा है अर्जुन ठीक है राजू कुमार राहुल कुमार देखो आंसर पूछे तब बोला करो ऐसा नहीं तब भी ना बोलो आंसर पूछने पे तो बोला करो नहीं मजा नहीं आती जवाब लक्ष्मी गंगवार ठीक है ठीक है देखो ये तीन बटा पांच है दो बटा पांच नहीं है तो ये चीज़ें यहाँ पर लगभग क्लियर हो गई अच्छा एक चीज़ ये बताओ जैसे ये तो मैं आपको बताया हूँ अभ्यास प्रश्न भी होता रहे वो भी सब होता रहे जैसे मैं आपको बताया हूँ कि पांच का घात जीरो इसका मान क्या होगा हाँ अगर यक्स है इसका पावर जीरो है तो इसका मान क्या होगा ये मुझे बताओ और इसमें एक चीज और मुझे मिला है आज कुछ नया क्या आपको पता है जीरो का पावर माइनस यन इसका मान क्या होगा जानते हो प्रियांशु सिंह सॉरी प्रियांशी सिंह ठीक है भूपेंद्र चाची का है कोई सा बोल रहा भाई ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे प्रतिलोम मीन्स इनवर्स जहाँ तक मुझे पता है ठीक है बेटा हिंदी पढ़ लो इसके लिए हिंदी पढ़ो यूपी बिहार वाले से मिलो सिखा दिए हैं हिंदी ये लोग ठीक है, ठीक है चलो तो ये परिभाषित नहीं है मतलब यानी इसको आगे कुछ करना संभव नहीं है इसका कोई मान नहीं कह सकते आप ये होगा ही नहीं ठीक है इनके सभी के मान वन होते हैं ये कॉन्सेप्ट सिखाया हूं चाहे वो चर है या आचर है अगर उसकी घात जीरो है तो मान उसका वन होता है ठीक है भैया ठीक है बाबू क्या होता है वन होता है तो गुणात्मक प्रतिलोम आप लोग कर लोगे थोड़ा सा रुको यार ठीक है गुणात्मक बदलो में आप लोग कर लोगे अच्छा एक बात बताओ इसमें काफी लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं कि तेरा बटा उन्तीस ठीक है इसे हल करके भिन्न के रूप में कैसे निकालोगे बहुत छोटी बात है यहां पे क्यों करवा रहा हूं बताऊंगा अभी इसे हल करेंगे आप लोग राजिया समझ में आ रहा है राजू कुमार दिनेश कुमार ठीक है बेउत्क्रम जानते हो उल्टा बेउत्क्रम मतलब उल्टा जैसे देखो आइए बेउत्क्रम के बारे में बात करते हैं इसको हल कर लेना फिर मुझे बताना नहीं आएगा तो मुझे बता देना इसको बताऊंगा आ रहा भैया जैसे एक बटा तीन का बेउत्क्रम व्युतक्रम ऐसे लिखते हैं क्या होगा व्युतक्रम मीन्स होता है अपोजिट जहां तक मुझे पता है ऐसा आपको एक नंबर में परीक्षा में आ सकता है ये बहुत छोटी चीज है ठीक है बाबू ठीक है तो इनका व्युत्क्रम क्या होगा इंग्लिश तो मुझे नहीं पता हिंदी में बता दूं देखो इनको तीन बटा एक लिखा जा सकता है बेउत्क्रम का मतलब उल्टा कर देना उलट पलट देना जैसे मैं ऐसे चल रहा हूं पैर नीचे सिर ऊपर है ना तो सिर को नीचे पैर को ऊपर कर लो ये बेहत्क्रम हो गया ठीक है इसे ऐसा ना लिख करके ऐसा भी लिखा जा सकता है नीचे वन लिखना कोई जरूरी नहीं है ठीक है बात समझ गए ना आप लोग कोई तकलीफ नहीं किसी को तो ये क्या है बेउत्क्रम है जैसे अगर मैंने कहा कि चार बटा सात का बेउत्क्रम बताओ इसका बेउत्क्रम क्या होगा कर लोगे सभी ठीक है तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इसमें कुछ छोड़ना नहीं हमें सब कुछ लेके चलना है अब ये चैप्टर आपका जो है खत्म हो गया है इसमें अभ्यास प्रश्न हम लोग करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन दो दिन से कर रहे हैं लेकिन आज लास्ट प्रैक्टिस होगा इसके बाद फिर ये हम खत्म करके आगे बढ़ेंगे ठीक है भैया इसका भी उत्क्रम क्या होगा इसको पलट देंगे सेवन अपान फोर यह आंसर हो गया ठीक है भाई आशीष वेरी गुड बहुत अच्छा ये गिर रहा बार बार गद्दाह कहीं का गिर जाना लायक ठीक है चलो तो अब हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्न की प्रैक्टिस क्वेश्चन तीन की घात माइनस दुई तीन का घात पांच का मान क्या होगा चलो सभी बताओ फटाफट पहला ऑप्शन होगा मेरे भैया दूसरा का ऑप्शन होगा रज्जा तीसर का ऑप्शन भी होगा मेरे भाई एक ही चौथा ऑप्शन भी होगा इसका आंसर फटाफट बताओ ये आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्रैक्टिस वाले में मान लो क्वेश्चन नंबर वन है चलो अगर इसका आंसर सत्ताईस है तो आप लिखोगे वन ए अगर इसका आंसर नौ है तो आप लिखोगे वन बी क्योंकि बी ऑप्शन सही है प्रियांशी सिंह वेरी गुड थर्ड सेमेस्टर में चैप्टर है बिल्कुल है ये थर्ड सेमेस्टर का ही चैप्टर है विक्रम सिंह बिल्कुल फ्रेंड बनेगी सब कोई तुम्हारा फ्रेंड ही बनेगा दुश्मन कब था चलो देखो भैया इसका आंसर क्या आएगा तीन की घात माइनस दो का मतलब जानते हो बाबू तीन की घात माइनस दो का मतलब है एक बटा तीन का घात दो ठीक है माइनस जो है वो प्लस हो जाता है तो वन अपान नाइन हो जाएगा ठीक है हम कह सकते हैं इसकी जगह पे वन अपान नाइन तो वन अपान नाइन इन टू क्या हो जाएगा तीन की घात पांच देखो इसको हल करना है आंसर निकालना है और नियम अनुसार लगाना है तो मैं तुम्हें नियम अनुसार बता देता हूं देखो सबसे पहले क्वेश्चन के बाद बराबर करेंगे तीन की घात माइनस दो को हम लिख देंगे वन अपान तीन का पावर दो ठीक है गुड़ा तीन की घात पांच फाइनल में इसे आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर गुड़ा करने पे घाते जुड़ जाती हैं दोनों तरीका बताऊंगा सब बताऊंगा बिना किसी तरीका का देख लो पहले घात दो का मतलब दुई बार गुड़ा पांच घात है बाबू इसका मतलब ये पांच बार गुड़ा ठीक है एक तीन से एक तीन निपट गया दूसर फरके दूसर फरका निपट गया बचा टोटल तीन थी सिर्फ सत्ताईस आंसर आएगा कितना आएगा भैया सत्ताईस आएगा सभी को समझ में आ गया इसका एक और तरीका है, वो भी देख लो एक और तरीका है बताता हूं अगले पेज पे तीन के घात माइनस दो तीन के घात पांच ये घातांक के नियम से सिकेंड तरीका है गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती हैं तो माइनस दो और प्लस हो जाएगा पांच तो मेरे भाई तीन का कहा तीन बचेगा फाइनल में सत्ताईस आंसर आएगा ये साठ फॉर्म में है किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ आगे बढ़ू भैया बाबू क्लास का टाइम रोज निश्चित रहता है रोज नहीं बदलता है कल कितना बजे पढ़ाएंगे कल कितना बजे पढ़ाएंगे ऐसा नहीं है कभी कभी बीच में छुट्टी हो जाती है अलग बात है लेकिन टाइम वही रहता है रोज डीएलएड रोज रात दस बजे बीटीसी यानी डीएलएड दस बजे रोज रात को और बेसिक मैथ रात नौ बजे टाइम नहीं बदलता कभी 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 छुट्टी हो जाए अलग बात है लेकिन जब चलेगी उसी टाइम फिर चलेगी क्वेश्चन नंबर तीन या चार एक बटा दो ये दो हजार अठारह में बीटीसी में पूछा गया सवाल है यूपी बीटीसी में पूछा गया सवाल है डीएलएड में इसका मान क्या होगा चल मेरे भाई बता दे बता दे तू बाबा बता दे चल इतना तो रहम कर दे अर्जुन पढ़ाई भी ध्यान दो राजू कुमार विक्रम राजिया शिरोमणि भूपेश ठीक है भैया वेरी गुड चलो धवल त्रिपाठी प्लस माइनस माइनस होगा हाँ प्लस माइनस माइनस होगा ठीक है चलो लेकिन ये हर जगह नहीं होता प्लस माइनस माइनस जो है गुड़ा में ही सिर्फ होता है सिर्फ गुड़ा में होता बाकी जोड़ने घटाने कांसेप्ट अलग है उसमें जो संख्या बड़ी होती चिन्ह उसका लगता है ठीक है हाँ इसमें कुछ इनका कंफ्यूजन था कि प्लस माइनस यहाँ माइनस होगा ना देखो एक मिनट ये क्लियर कर लो भाई ये हमारे बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट है इन्होंने सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है तो इनका कहना यह है कि यहां माइनस होगा क्यों आपका यही कहना है तो बताओ हाँ यही कहना है देखो भैया कॉन्सेप्ट समझो बाबू शादी भले हुई है तुम्हारी हाँ किसी के साथ तो जिसके साथ हुई है उसी के साथ तुम रह सकते हो ऐसा नहीं कि सबके साथ चलेंगे ऐसी बात नहीं है ये बात समझो तो नियम बताया गया जिसके लिए उसी के लिए है हर जगह के लिए नहीं है देखो कैसे जैसे अगर ये माइनस दो इसका गुड़ा होता धन में तो माइनस दस आता आंसर माइनस में आता ठीक है लेकिन अगर ये माइनस दो और ये प्लस में पांच है तो आंसर प्लस में तीन आएगा काहे को जोड़ने घटाने वाले में बड़ा जी जो संख्या है मतलब उसके साथ जो चिन्ह है जैसे पांच है दो से बड़ा है तो ये चिन्ह लगेगा देखो अगर माइनस सात और धन तीन रहता तब माइनस चार आता माइनस में क्यों आता क्योंकि ये माइनस वाला गिनती बड़ी है समझ रहे हो ना? तो ये चीज आप याद रखना भूलना नहीं सभी को समझ में आ रहा है प्रियांशी समझ में आ रहा है हाँ गुड़ा का सिस्टम अलग है भाग सॉरी गुड़ा भाग का कुछ सिमिलर है जोड़ घटाना का अलग है तो ये माइनस होगा कब जब ये गुड़ा होगा ये कॉन्सेप्ट बताया हूं पिछली क्लास में अब फिर नहीं बताऊंगा लेकिन अगर ये वाला कंडीशन है तो यहां पे अलग सिस्टम है ठीक है सभी समझ गए कोई तकलीफ दुख दर्द नहीं ना किसी को अब भाई काये को काय को इतनी गड़बड़ी किया चलो तो ये सभी समझ गए इसकी आंसर कोई देगा लल्लू प्रसाद आया चलो देखो देखो भैया इसको देख लो बाबू चलो ही ना करो मुंह नहीं धोले चार दिन से देखो इसका घात क्या माइनस दो है ना ऊपर माइनस लगा है ना तो क्या होगा भैया घात माइनस हो गई क्या होगा हा इसका दो का घात दो है तो क्या कर सकते हैं इसको हम इसको हम एक काम कर सकते हैं देखो किसी की घात अगर माइनस लगी है तो उसको का करते हैं जानते हो सिंपल सा सोचो मुझे कंफ्यूजन एक बार हो गया कैसे बताएं? हाय दैया छोड़ दें, का करें देखो सुनो जैसे अगर तीन का घात माइनस दो लगाए ना तो इसको प्लस करने का एक ही तरीका है प्लस करने का एक ही तरीका है कि इसको एक बटा तीन की घात दो कर दें मतलब छतरी के नीचे ले आए जैसे आपने राजनीति में देखा होगा है ना अगर कोई कितना भी चोर है बलात्कारी है डाकू है माफिया है, लेकिन अगर वो अगर वो उस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाए जिसकी सरकार है किसी का भी हो तब वो दूध का धुला हो जाता है समझ रहे हो आज शाम को उसी को गरिया रहा है वो उसी महफिल में उसी जनता के सामने कल कहेगा फलाने बहुत अच्छा है ऐसा काम कर रहे हैं ऐसा कोई नहीं करेगा और जनता ससुरी एकदम है बेवकूफ उसको नहीं पता समझ रहे लेकिन जो नेता मंत्री लोग है ना ये इकट्ठे होटल में बैठ के खाना खाते हैं इंजॉय करते हैं टीवी में देखते हैं देखो ससुरा कैसे मर रहे हैं देखो समझ रहे हो ना तो ये क्या समझा आपने मैंने ये बताया कि कितना भी गड़बड़ हो शामिल हो जाओ उसमें बस तुम दूध के दूल्हे हो जाओगे सही बात है ना आगे बढ़े चलिए तो इसको नीचे लाया जाता है तो वैसे हम इनको करेंगे लेकिन भैया घती है तुम आइनफ है ना हो हाँ ठीक है कोई बात नहीं चलो पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तो इनको हम क्या करेंगे इनको हम ऐसा कर लेंगे एक बटा एक बटा घात दुई क्यों सही है समझ पाए ना हा? इनको ऐसा कर लेंगे ठीक है फाइनल में अगर हम इनको कुछ और करना चाहें तो और इनका क्या कर सकते हैं वन अपन फोर कर सकते हैं भैया देखो इनका जोड़ा पहले बना है तो इनको कोई टेंशन नहीं है और का जोड़ा नहीं बनना उसी को टेंशन है और जब तक नहीं बना तब तक टेंशन है बन जाने के बाद फिर दूसरी टेंशन है कुछ समझने लगे मैं इसकी बात करता हूँ देखो तो इसमें कुछ नहीं करना है ये वन है अकेला ना तो एक काम करते हैं इसको ऐसा लिखते हैं थोड़ा जगह दे करके जैसे देखो वन लिखा इनके थोड़ा बीच में जगह चाहिए अकेले हैं जगह दे सकते हैं ये लोग सटे रहेंगे जोड़ेदार हैं चलो तो इनके नीचे क्या करते हैं वन छिपा देते हैं ठीक है अब इनको हल करते हैं बाहर का बाहर का कूड़ा अंदर का अंदर का कूड़ा कर लेते हैं तो ये चार गुड़े एक हो जाता है मतलब चार कुल मिला के क्या आता है फोर यानी इसका पूरा मान क्या है फोर है सभी समझ पाए ना इसका मान क्या है फोर है क्या है फोर है भैया समझ में आया हम्म इसकी जगह मैंने फोर लिख लिया इसको दुई का घात दुई लिख लिया तो फाइनल में अब नहीं समझाऊंगा कैसे आया मैं इसको फोर लिख दूंगा इसको फोर लिख दूंगा बराबर का सोलह लिख दे बस खत्म बात खत्म चलो सबको समझ में आया एक बार हाँ बोल दो राज संजीता भैया छोटकवन बचपन से ना मैं बहुत परेशान हूँ उनकी माताओं से निवेदन है कि उनको संभाल के रखें हाँ अपने मेहनत का फल अपने पास ही रखें मुझे ना परेशान करवाए बोल नहीं पाते है अभी फोन मिलवा देती हैं बगल से फुसुर फुसुर करेंगे बोलना 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 सर जी खाली है बोलना। इतना फोन करेंगे इतना मैसेज करते हैं ना वो कहते है, पता है छह सात क्लास में रहेंगे पांच छे में रहेंगे कौनो -कौनो तीन में भी रहता है एकदम बोल नहीं पाता है फिर वो फोन मिलवा देती हैं ये नई नई मॉडर्न जमाने की माताओं का अब इनको फिर बताना पड़ेगा क्लास बाद में अभी चल रही बाद में आना हो लल्लू दुई बटन तीन घात दो चार बटा नौ इसकी घात है दो अब रुक जा रहे दिख रहा है ना मेरी आवाज आ रही क्या हुआ बंद हो गया कहा बटा तीन इसकी घात है माइनस चार क्यों चल नहीं रहा है क्या यस बंद हो गया था शायद शायद में भी बंद हो गया था बताओ चल रहा है ना बिक्रम चल रहा है यस सभी एक बार यस बोल दो मैं जान जाऊं कि हो आप ठीक है ठीक है ओके डन गया था चलो एक बार नेट जो है ना थोड़ा थोड़ा क्या बोलेंगे अंदा जाने दो नहीं बोलेंगे बोलने का तो मन कर रहा था मेरा इसको अरे भाई जो लोग सुबह सुबह करते हैं वही कर रहा है चलो देखो आ, इसका आंसर क्या आएगा फोर फोर सिक्सटीन डी नंबर आएगा नॉन ना ऑफ दीज बताओ क्या होगा इसका आंसर क्या आएगा इसमें से ट्राई करो एक बार कोई बता लेगा एनिवन? पूजा कुश ठीक है ठीक है वेरी गुड चलो तो दो बटा तीन को क्या करेंगे भाई साहब दो बटा तीन को बाबू लिख लेंगे इसे दो बटा तीन इसकी घात दो है तो क्या करेंगे देखो ये काम कर सकते हैं यार इसमें तो आसान है कैसे देखो आसान तरीके से करूं काय लंबा चौड़ा करोगे देखो टू अपान थ्री तो ठीक है जो भी है हम इसको भी टू अपान थ्री कर सकते हैं इसको हम टू अपान थ्री का घात दुई कर सकते हैं और बाहरे से इसकी दुई घात लगा सकते हैं क्यों दो दूना चार तीन त्रिकनो दुई बटा तीन का घात माइनस का चार समझ ना इनकी घात दो थी तो ये दुई बटा तीन का घात क्या हो जाएगा दुई घातों का आपस में गुड़ा हो जाता है घातांक का नियम पढ़े हो तो तो दो दुना चार हो जाएगा ना तो ये हो जाएगा गुड़ा दुई बटा तीन घात चार और दुई बटा तीन का घात माइनस का चार भैया ये माइनस माइनस निपट जाएंगे माइनस प्लस घात जुड़ जाएगी जीरो हो जाएंगे और ये क्या होगा दो जीरो में दो जोड़ोगे दो आएगा मतलब चार बटे नौ आएगा क्या आएगा फोर अपन नाइन सभी को समझ में आया संजीत कुमार क्या आएगा बाबू फोर अपान नाइन ट्वेल्व नंबर क्लास कहा गया ट्वेल्व नंबर क्लास कल हुआ था कल चलो हो गया कोई डाउट नहीं किसी को इसको लिखना पड़ेगा क्या लिख देता हूं लो. इनको थोड़ा छोटका कर लो देखो जिनको अगला भाग वाग नहीं मिल रहा बाबू टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे मैं भेजता हूं तो गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती हैं घाते जुड़ेंगी दो धन चार धन ऋण चार ठीक है फाइनल में दो का घात दो बटा तीन का घात दो आएगा चार बटा नौ आएगा बस ठीक है हो गया डन कोई दिक्कत नहीं चलो आगे बढ़े नेक्स्ट जो फालतू कमेंट कर रहा इसको है इसको बोला करिए आई डी मांग रहा है यहां पे बकैती नहीं हो रही भागो यहां चलो डिस्टर्ब ना करो ना लतिया मारेंगे करने से रोहित कुमार हो गए क्वेश्चन देखो अगला तीन बटा पांच के घाट जीरो तीन बटा पांच की घात एक तीन बटा पांच की घात दो डिवाइड बाई सेवन अपन फाइव इसकी स्क्वायर का मान चलो भैया दिख रहा है ना ऊपर ज्यादा नहीं लिखाऊ ना अरे ऊपर ज्यादा नहीं गया है यार वो थोड़ा फल्ला कर रहा है बाकी ऊपर नहीं गया ठीक है आगे बढ़े डन फालतू कमेंट वालों को पांच पांच मिनट ब्लॉक करो इन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें एक भी सेकंड नहीं इस क्लास में बातचीत बिल्कुल अलाउ नहीं है बातचीत वाला लाइव होता है जो ट्वेंटी फोर इंटू से बनवाला उसमें खूब पकतीटिंग करो सेटिंग करो जो तुम्हारा मन करे वो करो लेकिन यहां नहीं चलो तो इसका आंसर कितना हो सकता है कोई बताएगा ऑप्शन दे दू चलो हल करते हैं छोड़ो ऑप्शन ऑप्शन छोड़ो ये पहले ऐसे लगा लेंगे तीन बटा पांच का घात जीरो है देखो मैंने बताया था किसी भी नंबर या पद जो भी चीजें हैं उनकी घात जीरो होता है। लेकिन पहले अभी हम घाते बराबर करेंगे तो तीन बटा पांच घात जीरो तीन बटा पांच इसकी घात क्या है एक तीन बटा पांच की घात दो तो यार मतलब क्या हो रहा है इसमें भाई इसको आप अगर एक में कर लो कुछ भी हो इसको गुड़ा का चिन्ह करके पलट दोगे तो पलट दोगे तो क्या हो जाएगा पच्चीस बटा उनचास इनको हल करोगे कितना आएगा सभी में प्लस प्लस लगा है भैया कोई और उपाय नहीं इनको जोड़ना एकमात्र उपाय है, एक है। कितना आएगा जोड़ लोगे कोई उनसठ बटा उनचास चलो कर लेता हूं जो भी है जैसे भी है देखो इसका घात जीरो का मतलब एक हो जाएगा तो ये तीन बटा पांच और ये तीन बटा पांच हो जाएगा तीन तरीका नौ बटे ये नौ बटा पच्चीस ये पच्चीस बटा उनचास ऐसे लिख लो भैया इनका एलसीएम ले लो नीचे का पांच और पच्चीस पाँच का एलसीएम क्या होगा पच्चीस होगा अभी बड़ा करके दिखा दूंगा टेंशन नहीं लेना इनका एल्सियम पच्चीस होगा बाबू पांच और पच्चीस का पच्चीस में एक से भाग करोगे तो पच्चीस आएगा ऊपर गुड़ा करोगे तो पच्चीस पच्चीस में पांच से भाग करोगे पांच आएगा पांच का तीन में पंद्रह पच्चीस पच्चीस भाग एक आएगा नौ चालीस कितना हो जाएगा चालीस और नौ उनचास ठीक है यार सेटिंग बन गई गुरु सेटिंग बन गई वही वाली जो तुम सोच रहे थे है ना बन गई ना देखो कैसे बन गई ये हो गया उनचास बटा पच्चीस और ये हो गया पच्चीस बटा उनचास ये तो प्लस माइनस मिलके दा होगा सब हा ये कट गए आपस में निपट गए सब वन आएगा क्या आएगा वन आएगा फालतू बात वालों को बिल्कुल सख्त मना है क्लास में आने की तुम मत पढ़ो मैं दो ही लोग को पढ़ाऊंगा जो ढंग से पढ़ेंगे रात वाली क्लास डिस्टर्ब ना किया करो क्योंकि रात में ना दिमाग में बहुत आगे नहीं बोलेंगे बहुत कहा है जाने दो छोड़ो समझ में आया सभी को एक बार यस बोल दीजिए जिनको नहीं आया वो नो बोल दें ईमानदारी से और जो सेशन को लाइक नहीं किए थोड़ी सी शर्म लिहाज करें और लाइक कर दें अभ्यास प्रश्न की मैंने बात किया था और रिवीजन की तो पहले मैं अभ्यास प्रश्न में दस क्वेश्चन दिखाऊंगा इनमें से परीक्षा में एक पक्का आएगा नोट करके रख लो साइड में ठीक है आज की क्लास से दो नंबर परीक्षा में पक्का मान लो चलो बाबू देखो निम्नलिखित में से कौन संख्या पूर्णांक नहीं है जवाब दीजिए फट से सबसे पहले कोई बताएगा एनिवन? सबसे पहला जवाब बताया है पंकज कुमार शुक्ला जी ने बहुत अच्छा शुक्ला जी वेरी गुड देखो बाबू निम्नलिखित में से जो पूर्णांक नहीं है वो संख्या है जीरो जीरो क्या है ये ना तो धन पूर्णांक है ना है ये बिल्कुल जीरो बीच में रहती है ऐसे आ, यही वाली है ना हो देखो ये क्या है ये नंबर लाइन है संख्या रेखा ना आ, रुक जा रे बाबा देखो यहां पर भैया क्या होता है जीरो बीचों बीच पे होता है ना शून्य बीचों बीच पे होता है इसके राइट साइड इधर साइड में जो नंबर होते हैं सभी प्लस होते हैं बीच में सुन्ना होता है इधर माइनस होता है इधर प्लस मतलब सॉरी सब माइनस होता है यानी ये बॉर्डर है ये आपका इंडिया या पाकिस्तान समझ रहे हो बस समझाने के लिए बताया है कोई सीरियस मत लेना दिल पे मत लेना चलो आगे बढ़े पूजा यादव जी कमेंट आ रहा है आशीष हाँ आपका भी कमेंट आ रहा भैया चलो तो निम्नलिखित में से वो संख्या जो पूर्णांक नहीं है वो जीरो है किसी के मन में कोई दर्द तो बता दो इसमें आंसर क्या आएगा देखते हैं सबसे पहला नंबर किसका जाता है पिछले में तो भाई पंकज ने बताया था मैं थोड़ा रुक रुक के बोलूंगा बक 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 नहीं ये बात जो कर रहा है इसको मार के भगाओ लतिया भगाओ इसको गिर रहा के चलो बात नहीं होगा यहां पे बिल्कुल निकल लो यहां से बेटा पढ़ना है तो पढ़ो नहीं चलो यहाँ से पिल्ला भर भर के हैं बस सेटिंगे करने में लगे रहते रात दिन है जुराग मूंगफली भाव का नहीं देखा था चलो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुझे जहां तक लग रहा है अभी जो पहले पहली बार लग रहा है वो सात बटा दूसो बावन इसमें स्वाति सिंह का सबसे पहला जवाब था बहुत अच्छा वेरी गुड ठीक है राहुल कुमार ठीक है देखो बाबू अच्छा है सात बटा दो सौ बावन देखो कैसे इसका स्क्वायर करोगे तो ये उनचास बटा इक्यासी हो जाएगा ये गुड़ा का चिन्ह लगेगा भाग का हटके तो पलट जाएगा तो ऊपर तीन का स्क्वायर हम गुड़ा नहीं कर रहे हैं इसको नीचे फोर्टीन का स्क्वायर देखो भैया इनको काट दोगे नौ से ये नौ कम नौ 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 इक्यासी ठीक है मैंने इनको गुड़ा करा तो नौ हो गया नौ निकासी सात से काटो सात दूना चौदह सात सता है भैया सात दूना चौदह एक मिनट जा रहे बाबा कुछ गड़बड़ हो रहा है का? ये दुई कैसे आ गया भैया सात से काटोगे तो सात दूना चौदह सात सता उनचास ठीक है अब कुछ नहीं कटेगा ऊपर सिर्फ सेवन बचा है तो सेवन और नीचे आपका चार दूना आठ आठ नवा बहत्तर कुछ और आ रहा है क्या यार ठीक है जो भी आ रहा है फिलहाल तो कोई ऑप्शन सही नहीं होगा इसमें से देख लो ए भाई एक मिनट यहाँ पर तो चौदह रहेगा यार राजा एक मिनट यहाँ पर तो फोर्टीन रहेगा थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था ना ये फोर्टीन का स्क्वायर होगा ना फोर्टीन था हमने इसको पलट लिया है तो चौदह दुना अट्ठाईस अट्ठाइस को नौ से गुड़ा करो नौ अठे बहत्तर और नौ दूना अठारह अठारह सात पच्चीस ठीक है वेरी गुड ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अभिषेक ठीक है अगला सवाल देखो बाबू ध्यान दो ऐसे बताना नंबर क्वेश्चन है अगर किसी को लग रहा है इसका बी नंबर सही है तो आप थ्री बी ऐसे लिखोगे तो मैं जानूंगा कि आप सही जवाब दियो ठीक है अगर डी सही है तो आप थ्री डी लिखोगे ऐसे ए सही है तो थ्री ए तब मैं समझ पाऊंगा कि आप हमारा ही सवाल बता रहे हो मेरी आवाज लौट तो नहीं रही ना ठीक है बहुत अच्छा सबसे पहला जवाब इसका किसी ने दिया है तो भूपेश चतुर्वेदी ठीक है भूपेश रीमा वेरी गुड इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे भाई ये पलट जाएगा एक बटा अठारह हो जाएगा मुझे लग रहा है कि एक बटा नौ आएगा डी वाला सही है सबसे सही जवाब जो सही तरीका था भूपेश का था फिर दीपक त्रिपाठी का था मैं तरीका सही बता रहा हूं और भूपेश ने आंसर भी सही बता दिया ठीक है बाबू वेरी गुड बहुत अच्छे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आज अभ्यास प्रश्न हो रहा शनिवार है रेगुलर में मैं पढ़ाता हूं तो इसको बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर करके समझाता हूं गोल के पिला देता हूं पूरा कैसे कैसे होता है सब बताता हूं लेकिन आप रेगुलर पढ़ोगे तब आज तो प्रैक्टिस हो रहा है ठीक है अगला फोर का अगर ए सही है तो आप लिखोगे फोर ए अगर बी सही है तो फोर बी इस तरीके के बताओगे आंसर में चलो भैया हो इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछ रहा है बाबुआ का होगा प्लस हो जाएगा बाकी कुछ नहीं होगा हुँ? सिर्फ चिन्ह प्लस हो जाएगा बस तो सी वाला होगा ना बता देना कमेंट करके मुझे सी और डी बी में जो लोग कंफ्यूजन में है देखो नॉर्मल तरीके से इसको ले जाते हैं तो ऊपर ले जाते हैं बी हो जाता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में ऐसा नहीं होता है का मुझे बताना जिनको कन्फ्यूजन है फिलहाल मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा चलो आगे सही तरीका अगर कोई बताया सबसे पहले तो इसमें भूपेश का है फिर हिमांचल का है और अंकिता गीता सिंह ठीक है आगे बढ़े तो इसमें कौन सा आंसर सही है देखो कल मैं आपको एक नियम बताया था कि a का पावर जो माइनस यम है वो एक का पावर यम का क्या है गुणात्मक प्रतिलोम है गुणात्मक क्या है प्रतिलोम है कल मैं आपको बताया था ना बताया था ना भैया तो देखो एक तो, ये माइनस में था ना तो इसको प्लस में कर दिया उसी दशा में वैसे का वैसे अगर इसको ऐसा करना होता तो नीचे ले जाके प्लस ना कर देता ऐसा नहीं ना तो ये चीज जो है इसका ये आंसर हो सकता है ये ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो चेंज कर रहा है उसको अलट पलट के तो इसमें सी वाला आंसर है फाइनल में जो मैं बोल रहा हूं चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुंदन जी बाबू कमेंट आ रहा है ठीक है राजिया सात सौ उनतीस को हम कैसे लिख सकते हैं इसका जवाब जो देगा उसको एक सरप्राइज मिलेगा अभी तुरंत चलो फाइव नंबर है अगर सी सही है तो फाइव सी लिख के कमेंट करोगे अगर फाइव डी सही है तो फाइव डी लिख के कमेंट करोगे मेरे राजा जी बाबूजी चलो भैया ठीक है वेरी गुड इसका सबसे पहला आंसर है लबी गंगवार वेरी गुड चलो चलो एनी वन एनी वन इसका करेक्ट आंसर है ट्वेंटी सेवन का स्क्वायर क्योंकि चाचा लोग मैं आपको पढ़ाया हूं कि ट्वेंटी सेवन का जो स्क्वायर होता है वो सात सौ उनतीस होता है कहो भैया है ना हम्म अच्छा एक बात बताओ एक बात बताओ तुम वो का है, पता है देखो 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 अगर हम कहें कि सात सौ उनतीस को हम तीन की घात के रूप में लिखें तो इनमें से कौन सा सही है चलो बताओ इनमें से कौन सा सही है अगर हम तीन की घात के रूप में लिखें सात सौ उनतीस को BTC आर्मी वेरी गुड बहुत अच्छा मनोज गुप्ता जी का सबसे पहला आंसर है फर्स्ट uh, आंसर कोई दिया है तो मनोज जी ने दिया है इसका सही जवाब है बाबू ये सी वाला ये मैं बता चुका हूं और मुझे लग रहा है कि इसका हो जाएगा तीन का घात तीन तीन दो छः तीन का घात छः वाला सही है इसमें ठीक है चलो कैसे सही है इसके लिए रेगुलर क्लास में आओगे तो सब मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगर इसमें का A सही है तो आप लिखोगे छे ए अगर डी सही है तो छे डी इस तरीके का आप कमेंट करोगे चल भैया लग जा लग जा लग जा लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है और अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है मेहनत से ही मिलता है इस जहां में सब कुछ इन हाथों की लकीरों में कुछ नहीं लिखा है ये बहुत ही मस्त सवाल है गजब का है एकदम देखो मैंने बताया था कि अगर किसी भी संख्या की घात विषम संख्या है अंदर में वो माइनस में है तो उसका आंसर पक्का माइनस में आएगा सिंपल सी बात है अगर आप मुसीबत में हो किसी से कर्जा मांगोगे तो वो पक्का नहीं देगा पहले रोएगा वो समझ रहे हो ये लॉजिक आपकी लाइफ से मैच करता है बस सिंपल सी बात तो अगर संख्या विषम है और मतलब उसकी घात विषम है अंदर में माइनस है यानी कर्जा में है तो इसकी घात अगर विषम है और एक कर्जा में है तो फिर वो कर्जा में ही रह जाएगा यानी इसका आंसर माइनस में ही आएगा तो ये हो माइनस वन डिवाइड का चिन्ह ऐसे डिवाइडर रहेगा यह भैया विषम है तो माइनस आएगा ये चाचा लोग बहुत डरवा रहे हैं इनको लिखने का एक और तरीका है हम इनको ऐसा लिख सकते हैं इनसे हमारा पहचान ही है हा? सब लोग के पहचान या है इनसे माइनस माइनस नीचे ऊपर का हो जाएगा प्लस हो जाएगा वन अपान वन फाइनल में वन आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर है बी वाला सिक्स का बी जो बताया उसमें से कोई प्राणी अगर है तो उनका नाम है चतुर्वेदी जी हैं अंशुल यादव अंसारी जी बरे गोड कुछ तो ऐसा गधा बैठा है ना बोल नहीं रहा मुंह में दही जमा कर बैठा है ये थप्पड़ मारे ना लाल पीला हो जाए मन का दबा हमें अरे बोले जाओ कुछ ना कुछ चलो मैं प्यार से बोला ऐसी बात नहीं है टेंशन नहीं लेने का सॉरी चलो आगे बढ़े तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे बाबू मेरे भैया मेरे भैया भैया भी वाला नेक्स्ट सवाल मुझे भी नहीं आता है तुम्हें भी नहीं आता है जैसे तुम वैसे हम कोई दिक्कत नहीं चलो कुछ भी बता दो मजाक किया ऐसी थोड़ा है हम उलट के पलट जाएंगे कैसे नहीं आएगा चलो राहुल ऐसे ऐसा नाम रख लेते हैं कि इनका नाम लेते समय भी मुझे सोचना पड़ता है नहीं बोलेंगे जाने दो ठीक है वेरी गुड हिमांशु रीमा अंजलि वर्मा कमेंट नहीं पढ़ूंगा नहीं अब तुम्हें कसम खाएंगे तभी बंद होगा कमेंट पढ़ना चलो भैया इसको मैं पढ़ा चुका था बाबू पढ़ा चुका था मेरे भैया जहां तक मुझे लग रहा है इसका संभावित आंसर ये सी वाला है क्योंकि मैं इसको पढ़ाया था मुझे इसका आंसर याद है है ना क्या करेंगे देखो यहां पर ए है यहां पर भी ए है ये जो टू ए है ना चाचा इनको मैं ऐसा लिख सकता है ऐसा लिख सकता है ना और ये तो घातिया पहले से है तो क्या होता है भाग करने पर घाते घट जाती हैं तो क्या करोगे इनको टू को ऐसे लिख लोगे एक ऐसे लिख लोगे घातों को घटा लोगे तो माइनस तीन बटा दो और माइनस आपका ही दो हो जाएगी माइनस ब्रिकट में माइनस ठीक है समझ गए ना भाईवा इनको हल कर लेना तो आपका नीचे अंडर रूट दू आ जाएगा बाकी ज्यादा जानकारी मैं बताऊंगा जब आप रेगुलर क्लास में आओ गीता अगला सवाल एनी वन हम्म मैं हूं यही हूँ यही हूँ चलो इधर आ जाता हूँ उधर साइड में हुआ था क्वेश्चन देखिए आपको कोनो बताएगा एक को कहो तू लोग कब पढ़बो पढ़ावो करा था कि बस ऐसे चला आवत है मुंह बोझ के हम्म बतावा हो भाई लोग हमें भाषा वासा पहचानता है ना तू लोग ना पहचानता चला ठीक है इसमें भैया हो कौन सा सही है नहीं सही है अगर आपने घातांक का नियम पढ़ा था तो आपको पता होगा बहुत अच्छे से पता होगा मैंने घातांक का नियम पढ़ाया था चाचा कि जब घात के ऊपर घात हो घात के ऊपर घात हो तो सब आपस में गुड़ा हो जाता है हा ठीक है क्वेश्चन छोटा लिखा है का है पर रख लिखा है काम निकाल के ठीक है इसका जो करेक्ट आंसर है इनका मल्टीपल हो जाएगा घातों का बेस के ऊपर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला आठ ए ठीक है चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन नंबर आपके सामने आ चुका है मेरे भाइयों जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट 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 फट, फट, क्या होगा इसका आंसर प्राकृतिक संख्या होने पर इनमें से क्या होगा इसका नियम पढ़ा चुका हूं चलो नाइन में ए बी सी डी बता दो नाइन ए या नाइन बी या नाइन सी या नाइन डी क्या होगा एनीवन बता लो भैया चलो चल 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 ना बता दो ना एक मजा आता है लिखने में स्याही नहीं खत्म होती यार दो सौ रुपया की इतनी सी स्याही मिलती थी देखो कहते हैं ना वक्त के साथ बदल जाना बहुत जरूरी है वरना बर्बाद हो जाओगे उड़ जाओगे इस दुनिया से जो लोग कहते हैं ना मेरी वाली ने मेरा तो दिल तोड़ दिया उजाड़ दी मेरी दुनिया गदाह वो बदल गई टाइम पे तुम नहीं बदला वहीं बैठा रो रहा है सिंपल सी बात है मेरे डिजिटल बोर्ड जैसे पता है एक छोटी सी स्याही की जो डिब्बी है ना वो दो सौ रुपये की आती थी सौ एम एल दो सौ रुपये की आती थी लास्ट में ढाई सौ हो गई थी और देखिए वक्त ऐसा पलट गया कि डिजिटल बोर्ड आ गया डिजिटल बोर्ड आ गया अभी एक दर्जन ये स्याही रखी है दो हज़ार की ये इसका कोई काम नहीं ये बेरोजगार हो गई ख़राब हो गई दो सौ रुपया की आती थी शुरू में फिर दो सौ बीस तीस पहुँच गई थी ये डिब्बी समझ लो अब इसकी कोई कदर नहीं है कोई कीमत नहीं इसकी महीना में चार पांच छह लग जाती थी अब तो चाहे इतना मिटाओ रगड़ो समझ रहे हो ना तो दिल तोड़ने वाले रो नहीं बैठ के वक्त के साथ चेंज हो जाओ वरना ऐसे किसी काम के नहीं रहोगे कोने में पड़े रहोगे तो चेंज होते रहो टाइम टाइम पे ये आपको सिखाने के लिए बताया बीच में काम की चीज है चलो है ना सही बोला ना तो इनमें क्या है बाकी कमेंट में बाद में देखूंगा सम प्राकृतिक संख्या होने पर अगर एक मतलब ये है कि जैसे पांच है ना इसकी घात अगर सम है मतलब सम है जैसे मान लो आठ है कुछ भी है अभी जैसे एक मिला था तो भैया अगर घात सम होती तो हमेशा उसका मान प्लस में होता है यह बी वाला सही है कौन सा सही है बी वाला सही है सभी को समझ में आया फटाफट मुझे बता दो तो एक बार यस पक्का आया हम्म पक्का एकदम चलो आगे बढ़े डन आगे तक कच्छो ना ही है अच्छा आगे मैं एक सवाल पूछता हूं इन लोग से चल भैया आगे तो कच्छो नहीं है लेकिन हम कच्छो ले आएंगे एक ठीक रुको देखो देखो ना तुम देखो ना भैया चलो ये या, ए रुक जा भाई ये क्या है एक त्रिभुज है लेकिन ये गंदा बना है क्योंकि मैं इसको हाथ से नहीं बनाया चल निकल ले आ, ये क्या है एक त्रिभुज है बहुत ही छोटा सा सवाल है एकदम छुटकौ सा है इनके अगर नामकरण करें तो ये ए बी सी है ध्यान देना ठीक है भैया अब देखो यहां पे अगर मैं बोला कि मेरे भाई ये चार सेंटीमीटर है बाबू ये तीन सेंटीमीटर है तो ए सी कितना होगा फट से बता दीजिए मुझे तीन सेकंड में चलो एसी कितनी होगी कक्षा चार का सवाल है बेजती ना कराओ पचास लोग के सामने चलो शिल्पा केसरवानी रीमा मोहित कुमार पंकज धवल त्रिपाठी एनी वन कोई और एनी वन एनी वन एनी वन एनी कोई बताएगा एक गदा नहीं तो कौनों कह रहा है कि दुई होगा पागल है अगला बार बाद में कौन कोर्स के लिए अंजलि ने सबसे पहले बताया है बहुत अच्छा अंजलि वेरी गुड ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर जहां तक मुझे लग रहा पांच होगा क्यों क्योंकि ऐसी स्थिति में जब ये एक यहां पर नब्बे होता है तो भैया ओ इसके सामने का कोण जो है वो करड़ होता है नीचे आधार ये लंब होता है और एसी का स्क्वायर होगा

दिख रही मिर्ची भी बहुत अच्छी स्वाद महसूस करती है जब अपने मुंह में पड़ती तो लगता है कितना तकलीफ कर रही है वही हाल है इनका अभी इनको कुछ टेस्ट नहीं मिला है लाइफ का है ना इसीलिए तड़फड़ा रहे हैं चलो तो सभी कर लोगे इसको पक्का ठीक है अच्छा यह दस नंबर सवाल था अरे इसको लिख लो गधा रुक जा रुक जा रुक जा पी बनेगा इसको देना पड़ेगा इसका नाम ए है एक का बी है एक का फी है एक का चार सेंटीमीटर है तीन सेंटीमीटर है तो ए सी बराबर करिए क्वेश्चन नंबर ग्यारह मजा आ रही खूब मटकाऊ मटकाऊ लिख रहे हैं ना आप दिख रहा है ना ठीक है क्वेश्चन नंबर ग्यारह ये है बहुत ही अच्छा है सुंदर सा है मुझे यह बताओ भैया हो भैया हो मुझे ये बताओ तुम लोग जैसे मैंने ये बनाया ना ये क्या है यहां पर अगर हम मान लेते हैं नब्बे है ये हा? तो नब्बे अंश के कोण को सम कोण बोलते हैं आप जानते हो ना क्यों नहीं नब्बे अंश के कोण को क्या बोलते हैं सम कोण बोलते हैं उसी तरह से अगर हमने एक लाइन खींचा मेरे भैया मेरे बाबू और इस पे मैंने कहा कि क्या बना इस पे मैंने कहा कि इस पे 180 अंश का कोण बन रहा है क्या बन रहा है भाई साहब एक सौ अस्सी अंश का कोण बन रहा है तो जैसे नब्बे अंश को सम कोण कहते हैं वैसे एक सौ अस्सी अंश का नाम क्या है ये मैं अक्सर बहुत से बच्चों से पूछता हूं जो हमें फोन करते हैं कहते हैं हमको बेसिक सब आवा है बस तूस अस्सी को पढ़ाया दे गुरु जी और हमें सब आवात है हमारा उलट के पलट जा ना और मोटा लिखिए अच्छा और मोटा लिखिए जो ना बाहर निकल जाए लेकिन सही है मोटा दिखता बढ़िया ना आंख नहीं खोलनी पड़ती आँखिया बंद करने भी दिखता है आशीष भूपेश चतुर्वेदी अंजलि राइट एंगल ट्राइंगल वेरी गुड बहुत अच्छा भाई सभी सही सही बता रहे हो अच्छी बात है बढ़िया है चैप्टर नंबर पांच पढ़ना है चैप्टर नंबर पांच आज ब्याज पढ़ना है ब्याज बात जानते हो कि नहीं आजकल हमारी जिंदगी ब्याज में ही गुजर रही है अभी जैसे जैसे आप समझदार हो ना इसी में जिंदगी कटती है चैप्टर नंबर फाइव पढ़ना है जिसका नाम है सरल व चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज क्या आप लोग के बारे में जानते हो मिनी यादव पता है इसके बारे में नहीं पता तो मैं बताऊंगा टेंशन नहीं लेने का बस पढ़ने का भैया देखिए सरल व चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं क्या बताओ ठीक है वेरी गुड चलो समझो मतलब की बात देखिए अक्सर आपने लोन वगैरह सुना होगा सभी ने सुना है अगर मेरे केस में देखो तो मेरे पास लोन ही लोन है खजाना है लोन का आ, कहो तो मैं दिखा दूं, लेकिन कोई मतलब नहीं अभी दिखाने का फिलहाल है तो होता क्या है भैया ना होता ये है कि जो जाने तो क्या मतलब है आइए जैसे मान लेते हैं कि मोहित एक व्यक्ति का नाम है यहां पर काल्पनिक मैंने लिया है ये एक व्यक्ति से एक अपने दोस्त से या किसी से सौ रुपए उधार लिया ठीक है क्या लिया सौ रुपए उधार लिया और दोस्त ने क्या किया इसको दस परसेंट ब्याज की दर पर पैसा दिया दस परसेंट क्या है ब्याज की दर है और मान लो कि हर मंथली दस परसेंट दिया वो चलो वैसे मंथली तो फिलहाल अभी समझ लो मंथली मान लो चलो कितना दिन का समय दिया एक महीना ठीक है ब्याज दर क्या है मंथली है याद रखना ब्याज दर यहां मंथली है ब्याज समझा रहा हूं क्या है ठीक है तो दस परसेंट की क्या लेगा वो ब्याज लेगा इंटरेस्ट लेगा इस पर तो भैया सौ रुपया का दस परसेंट में पहले ऑलरेडी बता चुका हूं कि परफेंट निकालना सौ गुड़े दस बटा सौ मतलब दस यानी वो क्या करेगा एक महीना बाद दस रुपया का ब्याज लेगा यानी मोटा मोटा अगर हम बोलें एक महीना बाद दस रुपए का ब्याज लेगा यानी एक महीना बीतने के बाद वो मोहित जो है सौ रुपया प्लस दस रुपया एक सौ दस रुपया उसको वापस करेगा ठीक है समझ रहे हो कितना वापस करेगा बाबू भैया एक सौ दस रुपये वापस करेगा समझो यहां पे तो जो सौ रुपये है ये क्या है मूलधन है प्रिंसिपल अमाउंट है मूलधन है जो ये दस रुपए लगा ये ब्याज है जिसे इंटरेस्ट बोलते हैं और मूलधन धन, धन ब्याज मिला करके ये क्या हो गया मिश्रधन धन क्यूं? यही तो बोलते हैं सही लिखा हूं कि नहीं मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है तो बता दो कि गड़बड़ है ये समझ में आया फिलहाल इसमें हमें इससे नहीं मतलब अभी सिर्फ ब्याज से मतलब है तो आप सभी को समझ में आया तो एक बार यस बोल दो कि जो एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ा यहां पर लिया तो सौ था लेकिन देना पड़ा एक सौ दस तो वो क्या है ब्याज ठीक है क्लियर कोई दिक्कत नहीं किसी को ठीक है भाई ट्रोल एफ एफ सभी एक बार यस बोल दो फटाफट यस आशीष समझ में आया वर्षा ठीक है तो सभी ब्याज समझ गए ब्याज बोल रहा हूं प्याज नहीं हम्म ठीक है तो पढ़ना क्या क्या है सरल ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज तो ब्याज पढ़ने के लिए आपको छोटा मोटा परसेंटेज आना चाहिए परसेंटेज प्रथम सेमेस्टर में पढ़े हो चलो आगे बढ़ते हैं तो ब्याज समझ गए आप लोग अब चलिए देखिए ये ब्याज क्या है ये इसके टाइम पे मेन डिपेंड करता है एक चीज यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा इसमें बैंक अकाउंट के बारे में भी पढ़ेंगे अगर आगे भैया क्रेडिट कार्ड कभी भूल के मत लेना आप कहोगे काहे को क्रेडिट कार्ड लो तो अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो बहुत ज्यादा समझदार हो तब तो ठीक है क्योंकि क्रेडिट कार्ड क्या करता है ब्याज के बारे में बात कर रहे हैं ना क्रेडिट कार्ड में फोर्टी टू परसेंट तक या फिर फिफ्टी परसेंट तक ब्याज पड़ती है मंथली तीन परसेंट चार परसेंट ब्याज पड़ती है मंथली मतलब साल भर में अड़तालीस पचास परसेंट जाती है समझ रहे हो चार परसेंट लगभग पड़ती है मंथली क्रेडिट कार्ड में यानी अगर आपने एक हजार रुपया लिया भैया ना तो उसका पचास परसेंट 50%, यानी पांच सौ रुपए ब्याज पड़ेगा ठीक है कर्जा में डूब जाओगे मर जाओगे कभी नहीं पड़ने वाला क्रेडिट कार्ड का बिल होता क्या है क्रेडिट कार्ड ऐसा ऐसा लोन देंगे ऐसा ऐसा ऑफर देंगे अगर आपका थोड़ा क्रेडिट स्कोर बढ़ गया ना पागल हो जाओगे इसका एक वीडियो बनाऊंगा मैं लाऊंगा अलग से इस समय हमारे क्रेडिट कार्ड पे नौ तीन बारह लोन है बारह क्रेडिट कार्ड पे ठीक है मैं बहुत अच्छे समझ चुका हूं मतलब समझ चुका हूँ ठीक है कितना ब्याज पड़ता है ब्याज का मतलब क्या होता है ब्याज ही ब्याज चुकाते रह जाओगे मूलधन का भी नहीं दे पाओगे और फिर मूलधन क्या बनेगा मिश्रधन बन जाएगा फिर ब्याज का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा समझ रहे हो ना तो ये ब्याज के बारे में पढ़ाएंगे इसमें सब क्लियर होगा क्योंकि आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप समझदार हो चुके हो ठीक है क्योंकि आप समझदार हो छोटे नहीं हो तो कहीं ना कहीं लपड़े में पड़ जाओगे आइए बात करते हैं अब क्या क्वेश्चन uh, देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं उसी अकॉर्डिंग चलेंगे किताब देखो इस इकाई के अध्ययन उपरांत आपको निम्नलिखित की जानकारी हो जाएगी साधारण ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की हाँ चक्रवृद्धि ब्याज की जानकारी नहीं हुई अभी आपको मैं ब्याज बता चुका हूँ चक्रवृद्धि ब्याज समझ लो यहाँ पे दिख रहा है सबको चक्रवृद्धि ब्याज समझा देता हूं देखो यहां पर एक बार ब्लैक एक बार व्हाइट होगा आज क्योंकि मजबूरी है एक मिनट रुकना भाई चक्रवृद्धि ब्याज एक बार समझ लो फिर बताता हूँ रुको इसको मोटा कर लो मोटा चला ये नहीं चला आओ बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पहले आपका परिचय करवाते हैं सबसे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज की ब्याज जैसे अगर अभी आपने देखा होगा मैंने कहा था कि सौ रुपये फलाने लोन लिए थे और फिर दस रुपया वो ब्याज दिए थे है ना ये बताया था अब मान लो खुदा ना खास्ता उनकी किस्मत खराब थी कोरोना आ गया और वो अगले बार में क्या करे ब्याज और लोन जो उनका हुआ टोटल एक सौ दस इसको ना चुका पाए इसको नहीं चुका पाए यानी एक महीना के लिए लिया था और फिर वो चुका नहीं पाए एक सौ दस रुपया हो गया लिया तो सौ था उन्होंने तो अब क्या होगा अब इसका दस परसेंट लगेगा भैया इसका दस परसेंट तो इसको थोड़ा सा समझो विस्तार से इसको अगर मैं अलग अलग कर दूं सौ प्लस दस तो बाबू इसका दस परसेंट कितना होगा दस होगा इसका दस परसेंट एक होगा यानी फाइनल में फिर अब उन्हें ग्यारह रुपया ब्याज लगेगा कितना लगेगा ग्यारह ब्याज लगेगा ये जो एक रुपया ब्याज का ब्याज पड़ रहा है ये चक्रवृद्धि ब्याज है समझ रहे हो ना ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी पहले सौ रुपया कर्जा लिया फिर दस परसेंट उस पर ब्याज लगा मंथली तो एक महीना बाद दस रुपया ब्याज और सौ रुपया दस रुपया हो गया अब अगर इसको नहीं चुका पाया तो अगले महीने के लिए ये सौ रुपया का दस परसेंट तो लगेगा ही दस रुपया और फिर जो दस रुपया ब्याज हुआ था उसका भी दस परसेंट यानी एक रुपया लगेगा टोटल ग्यारह रुपया लगेगा और अगले महीने में चच्चा एक सौ दस धन ग्यारह बराबर एक सौ इक्कीस रुपया हो जाएगा समझ में आया फिर अगले महीने में इसका भी दस परसेंट फिर ऐसे ऐसे ये सौ से बढ़ता हुआ कई सौ हो जाएगा समझ में आया तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है बाबू भैया चक्रवृद्धि ब्याज क्या है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ये एक रुपया है सभी को समझ में आया जो फालतू कमेंट कर रहा है इनको ब्लॉक करो रोहित जी इनको आप होल्ड करिए पांच मिनट के लिए फालतू कमेंट वाले को होल्ड करिए चुप पे भाग ले यहाँ से मुझे बर्दाश्त नहीं है जिनको पढ़ना है सिर्फ वही रहो चलो ये कौन है हेलो हाय कर रहा है एक थप्पड़ मारेंगे ना मुंह से निकल जाएगा भाई रे गधा है पता नहीं कहाँ पढ़ना लिखना नहीं है बकैती करता रहता है समय भाग यहाँ से चलो ठीक है तो ये क्लास का टाइम है भैया दस बजे रात से ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस पर संपर्क कर लीजिएगा सभी को समझ में आ गया तो चलो ये बताओ इसको निकालने का तरीका बताऊंगा लेकिन किताब में आ जाओ यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है ये 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 जो ट्रोलैक्स है हाय हाय करता बार बार इसको भी होल्ड करो पाँच मिनट इसको भी होल्ड करो पाँच मिनट ये भी डंडा किया है ये कॉपी पेस्ट करता है कॉपी पेस्ट अलाउ नहीं है अब चलो यहां पर इसको विस्तार से पढ़ते हैं एक बार मुझे बता दो दिख रहा है कि नहीं ब्याज के ऊपर कितना ब्याज लगता है लक्ष्मी जी देखिए ये ब्याज के ऊपर कोई अलग से ब्याज नहीं लगता है ठीक है जहां तक मुझे पता है जो ब्याज आपका मेन रहेगा मूलधन का वही ब्याज ब्याज के ऊपर भी लगेगा उसमें अलग ब्याज नहीं लगेगा जैसे मान लीजिए कोई लोन आपने लिया है एक लाख का उसमें दस परसेंट का ब्याज पड़ रहा है तो जो उसकी ब्याज बनेगी एक साल बाद या जितना भी मतलब ब्याज का जो सिस्टम हो मंथली या एनुअल वो वही लगेगा उसके ब्याज पे ब्याज भी कुछ अलग नहीं होगा ठीक है जो भी बात करे या कॉपी पेस्ट करे इनको सबको ब्लॉक करो फटाफट ये क्लास सीरियस चलनी चाहिए सिर्फ पढ़ना है ना उठा उठा फेंक देंगे इनको हम चलो पांच मिनट होल्ड करो दोबारा आए मुंह पहुंच के अगर पढ़ें तो ठीक है नहीं एक थप्पड़ मार्ग फिर भगाओ इनको फिर घरिया आएंगे मुझे पता है दोबारा ये कोई बात नहीं चलो इसमें क्या कह रहा है परशिक्षुओं से भैया सही पढ़ रहा हूँ परशिक्षुओं से निम्नलिखित प्रश्न हल करवाएं एक गांव में देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है सुनो एक गांव में मोहन ने साहूकार से सौ रुपया उधार लिया दिख रहा है कि नहीं सभी को बहुत छोटा दिख रहा है यार रुको जूम करता हूँ यहाँ पर कोई है भी नहीं गा पता नहीं कहाँ चले गए सब रुको रुको जूम करता हूँ रुक जाओ कैमरा स्मार्ट नहीं है मेरा पुराने जमाने का है मेरे मेरे उम्र का है ये ये जूम नहीं होता अपने आप रुक जाए थोड़ा सा रुक जा आया आया मैं यार रुक जा रहे भाई या गिरना नहीं नहीं बेजती हो जाएगी ए घूम जा ये सब ना मेरा कैमरा गिर रहा गिर रहा के ना इसका दिशा उसा मोड़ देते हैं दिन में इडियट मुड़े मुड़े मोड़ा लग गया लग गया लग गया बस 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 बस, 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 बस बात बन गई बात बन गई चल भाई चलो आगे बढ़े डन अब जूम हो गया ना अब दिख रहा होगा अच्छा सुंदर दिख रहा होगा आप चलो एक बार सभी बोल दो यस क्वालिटी चेंज कर लो बढ़िया दिखेगा एकदम मस्त दिखेगा सुंदर दिखेंगे हम भी इसमें क्वालिटी बदल लो थोड़ा सा चलो आगे चले क्वालिटी चेंज कर लो मस्त दिख रहा है कह रहा है एक गांव में मोहन ने साहूकार से देखो मैं मोहन ने नाम बोला था ना शायद सौ रुपया उधार लिया उसे पांच हर महीने अतिरिक्त धन देना होता है ये परसेंट या कोई चिन्ह लगाया जो भी ठीक है इस अतिरिक्त धन का दूसरा नाम ब्याज है यदि महीने में सौ पर पांच रुपया का ब्याज देना पड़े तो एक वर्ष में सौ पर साठ ब्याज देना होगा अर्थात इसका अर्थ है कि ब्याज की दर जो वार्षिक है वो साठ परसेंट हुई ये ऐसे है जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं तो वो का कहते हैं कि भैया देखो तुमको हम सौ रुपया दे तो देंगे लेकिन शर्त ये है कि तुम मुझे हर महीना पांच रुपया दोगे उसके बदले ठीक है समझ रहे हो ये समझाने वाले को फटाफट फिर होल्ड करो इसको हाइड करो परमानेंट वाला करो ये जो मुझे ज्ञान दे रहा है कि चैनल का ग्रोथ रुक जाता है तुम्हारे से खच्चर पालने से अच्छा है क्या मतलब है चैनल ग्रोथ करके हा? बकलोली करोगे आके यहां पे चलो देखो आगे बढ़े समझिए मतलब समझिए उसी ब्याज के बारे में बात कर रहा है वैसे आप समझ गए हो तो बता दो एक बार सभी समझ रहे हो ना हा? देखो सुनो आ, ब्याज के बारे में यहां पर बात हो रही है लेकिन मैं विस्तार से समझा देता हूँ इससे आपकी बातें जो है दिमाग में बैठ जाएंगी यदि कोई बंदा सौ रुपये उधार दिया और उस पर पांच जो है वो हर महीने एक्स्ट्रा ले रहा है ठीक है तो इस तरीके से अगर हर महीने पांच रुपए ले रहा है साल भर में बारह महीना होता है तो इस तरह से साल भर में साठ रुपए एक्स्ट्रा जाएगा क्या जाएगा साठ रुपए एक्स्ट्रा जाएगा रुपया लिया था सौ और जा रहा साठ रुपया एक्स्ट्रा तो भैया जो सौ का साठ है ना ये ये इसका साठ परसेंट है तो हम कह सकते हैं कि ब्याज की दर जो थी वो क्या थी साठ परसेंट थी यहां पर बिना कुछ दर बोले ही क्लियर हो रहा है समझ में आ रहा सभी को ना क्लियर चलो रोहित जी खुला छूट है जो फालतू का कमेंट कॉपी पेस्ट करे या इधर उधर करे उनको होल्ड करो दो तीन बार और फिर लास्ट में एकदम से अलविदा कर दो यहां से चलो आगे बढ़े समझते चलते हैं धीरे धीरे ठीक है यहां पर कुछ फार्मूले दिए गए हैं हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहे हैं कि आप यहां देखते चलो वैसे मैं इसको बता चुका हूं अभी जो होता है वो मूलधन धन ब्याज मूलधन धन ब्याज मिलाकर के सौ रुपया ब्याज दस रुपये हो गया तो फाइनल में बाबू कितना हो गया एक सौ दस रुपया हो गया तो जो एक सौ दस रुपया हुआ ये क्या है ये मिफ्र है मिफ्र है क्योंकि इसमें मूलधन यानी ये सौ रुपया शामिल है और ब्याज यानी ये दस रुपया शामिल है सभी को समझ में आ रहा है ना किसी को कोई डाउट नहीं नहीं ना चलो ब्याज बराबर क्या होता है ब्याज निकालने के लिए मूलधन गुड़े दर गुड़े समय से गुड़ा करके सौ से भाग करते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे चलो करवा देता हूं जिससे आपका थोड़ा प्रैक्टिस बन जाए सभी को सूत्र दिख रहा है क्लियर ठीक है चलो बाबू आओ चलो 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 एक काम करते हैं इसको भी वाइट कर देते हैं जिससे आपकी आंख पे कोई इफेक्ट ना पड़े बार बार है ना बार बार वाइट और वो होगा तो थोड़ा सा आंख पे जो है वो हो रहा होगा दिक्कत ना तो ऐसा ना हो चलो सूत्र लिख लीजिए मैं कभी वाइट कलर पे पढ़ाता नहीं हूं आज ही पढ़ा रहा हूं इसको मैं थोड़ा कलर कम कर दे रहा हूं लो क्लियर बताना ये लाइट कम रहेगा सही रहेगा ना चमक नहीं रहेगी ज्यादा चलो लिखो ब्याज बराबर मूलधन गुड़े दर यानी प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम यानी समय अपान हंड्रेड ये सूत्र होता है क्वेश्चन लिख रहा हूं ध्यान दीजिए ठीक है आगे बढ़े चलो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुड़े दरगुड़े समय जैसे एक क्वेश्चन देखिए यदि यदि एक किसान ने क्वेश्चन लिख लो जिनको लिखना है ध्यान से यदि एक किसान ने यदि एक किसान ने एक साहूकार से एक साहूकार से एक हजार रुपया उधार लिया एक हजार रुपया एक हजार रुपया एक वर्ष के लिए उधार लिया एक वर्ष के लिए उधार लिया जिसकी ब्याज दर दस परसेंट है जिसकी ब्याज दर क्या है दस परसेंट है तो ये बताइए कि एक वर्ष बाद किसान साहूकार को कितने रुपए वापस करेगा चलो बताओ बातचीत बिल्कुल नहीं बातचीत अलाउ नहीं है लतियाग मारते हैं होते लेकिन दूर हो चलो सभी कर लोगे मैं बताता हूँ चलो देखो ध्यान दो मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना भैया एक हजार रुपया है दर कितना बाबू दस परसेंट है समय कितना है एक वर्ष है ठीक है और कौन दहा कह रहा है यूट्यूबर है अरे बेवकूफ यूट्यूबर वो होते हैं जो नंगा नाच दिखाते हैं यहाँ पे नंगा नाच नहीं दिखाते हैं पढ़ाई हो रही निकल रहे हैं यहाँ से यहां यूट्यूबर वाली बात नहीं हो रही यहाँ पढ़ाई हो रही है यहाँ पे बच्चे और टीचर हैं चलो आगे बढ़े सूत्र लगाओगे ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे सौ ठीक है मूलधन कितना था कितना था मूलधन एक हजार है कोई बता नहीं रहा देखो सबसे पहले राज ने बताया वेरी गुड राज बहुत अच्छे और कोई नीवन? देखो कुछ पूछे तो बताओ उसको मूलधन कितना था अभी? अभी अभी आपने देखा एक हजार रुपया था दर कितना था भैया दर टेन परसेंट था बाबू समय कितना था एक था अभी सिर्फ सिर्फ, सिर्फ वार्षिक बात हो रही है जब मंथली ब्याज की बात होगी तो यहाँ पे थोड़ा लोचा होता है बताऊंगा उसको ठीक है नीचे सौ सौ का दो जीरो इससे दो जीरो से कट गया ऊपर दस गुड़े दस बच रहा है बराबर सौ रुपया ये क्या आया ब्याज आया ठीक है सभी को समझ में आया मेरे भाई भूपेश समझ में आया वर्षा देवी राधा सिंह वेरी गुड बहुत अच्छे देखो सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे बचे हैं देखो जब चौबीस घंटे लाइव होती रोहित जी आप समझ लो जब चौबीस घंटे लाइव होती है उसमें ये कुछ भी करें सेटिंग करें या अपने सेट हो जाएं या कुछ भी करें जो इनका मन करे मत बोलो कुछ मत बोलो लेकिन जो क्लास इस तरीके की होती है उसमें सिर्फ पढ़ाई ठीक है वेरी गुड दिव्या मिश्रा सिर्फ पढ़ाई ध्यान प्रियंका सैनी भूपेश वेरी गुड चलो सभी को समझ में आ गया तो अब आप एक सवाल का जवाब बताओ जल्दी से चुप्पे से अगर ब्याज की दर अगर इसमें जो ब्याज की दर है ये किसान को जो लोन दिया ना उधार ये बहुत बेमान टाइप का हो जाए और कहे कि दस नहीं हम बीस परसेंट ब्याज लेंगे तो यह बताओ एक वर्ष में कितना ब्याज पड़ जाएगा जल्दी फट से कितना पड़ जाएगा कितना पड़ेगा बहुत सिंपल है आइए ट्वेंटी परसेंट हो गया ब्याज दर तो मेरे भाई मेरे बाबू यहां पर क्या करोगे आप ट्वेंटी रख दो यहाँ पर ट्वेंटी रख दो तो दर की जगह पर अब देखो ये टेन तो बचा है ठीक है इसकी जगह पर ये ट्वेंटी हो जाएगा तो ये हो जाएगा टू हंड्रेड कितना हो जाएगा ब्याज टू हंड्रेड रुपए बहुत अच्छे ठीक है सभी समझ गए ना अच्छा तक तो बहुत अच्छे बता लिया तुम लोग एक मिनट सुना पहले रुका सवाल ना ऐसे बहुत तरह का आता है अगर ब्याज की दर तेरा परसेंट होता वो अब इसको बताओ तब जाने ब्याज की दर तेरा परसेंट हो थर्टीन परसेंट अब बताओ कुलदीप चौहान धवल त्रिपाठी वेरी गुड ठीक है बहुत अच्छे तेरह परसेंट हो जाएगा बाबू भैया तो क्या हो जाएगा सिंपल में वही यहां पर तेरह रख दोगे थर्टीन यहां पर थर्टीन रखोगे फाइनल में दो जीरो से दो जीरो कट गया दस गुड़े तेरह बराबर एक सौ तीस रुपया कितना हो जाएगा एक सौ तीस रुपए सबसे पहला इसका सही जवाब दिया है वेरी गुड भूपेश जी ने धवा त्रिपाठी श्रीकांत राधा वर्षा सबका सही है चलो डन बहुत अच्छा वेरी गुड चल भाई तो ये हो गया अच्छा एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और क्वेश्चन है यदि यदि एक किसान भाई किसान की बात बार बार होती है क्योंकि किसान लोन लेता है ज्यादातर हम भी किसान परिवार हैं अभी तक लोन पटे रहे हैं होता क्या पता आपको एक बात बताऊं दिल वाली अगर बाप कमा के रखा होता है तो उसकी आने वाली संतानें उसका मजा लेती हैं है अगर कर्जा रहता है तो उसको पूरा करता है तो कुछ ऐसा ही होता है किसान में जो भी किसान परिवार में जन्म लिया अक्सर कर्जे में ही वो उसको सौगात में कर्जे मिलते हैं है ना और अगर संयोग उसका भी कहीं कुछ सिस्टम नहीं बना तो वो जिंदगी भर कर्जे में रह जाता है तो इसलिए किसान और कर्जे की बात कर रहे हैं आइए ये नेता भी इस पर बात करते हैं सिर्फ चुनाव टाइम पे चलिए तो क्या है एक किसान किसी साहूकार से अठारह हजार उधार लिया अठारह हजार रुपए और 18 परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से और तीन वर्ष के लिए उधार लिया तो यह बताओ कि तीन वर्ष बाद कितना ब्याज देगा बताओ बताओ बोलो फटाफट कितना देखो बहुत सिंपल है बाबू भैया देखो ध्यान से समझो मूलधन अठारह हजार रुपया है हा? इसको मैं छोटा करके इसी पे हल कर दूं क्या नहीं अगले पेज में हल करता हूं चलो देखो ब्याज निकालना है ब्याज बराबर क्या होता है सूत्र ए फार्मूला कहाँ का बाय सूत्र लिखा था ना मैं कहीं अभी ये लिखा था देखो ये सूत्र है ना ब्याज बराबर मूलधन गुड़े दर गुड़े समय बटे सौ ये क्या है भैया ये सूत्र है बाबू ये फार्मूला है ये फार्मूला है इतना ये 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 क्या है सूत्र है चलो तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा मूलधन गुड़े दर मूलधन अठारह हजार दर कितना है कोई बताएगा दर कितना है श्वेता सिंह वेरी गुड बहुत अच्छे पहला जवाब वेरी गुड दर अठारह परसेंट था तो अठारह समय कितना था समय तीन वर्ष के लिए था तो कितना जो कुछ था समय ने रख दिया सौ से भाग कर दीजिए हो गया जीरो से जीरो निपट गया ए रुक जा गलत है जीरो से दो जीरो ना ऊपर 18 नहीं 180 बच रहा है 18 बच रहा है गुड़ा तीन बच रहा है इसका गुड़ा करके मुझे आंसर बताओ इसका मल्टीपल करके मुझे आंसर बताओ कितना आएगा ये गौरांश को रोको भाई दिख नहीं रहा आपको रोहित जी इनके कमेंट देखो ध्यान से क्या कर रहा है ये नंदी ने सबसे पहले जवाब दिया है और कोई शिल्पा ये, ये कभी जवाब नहीं देती कभी कभी लास्ट में आती देखने बस हाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है अच्छा सब पढ़ रहे हैं ठीक है जय माता दी करके चली जाती बस आंसर नहीं कभी कोई नहीं ठीक है कितना आएगा इसका आंसर भैया चौवन आएगा चौवन का गुड़ा कर लो अठारह में बबुआ ठीक है चौवन गुड़ा अठारह आएगा सत्तानबे दुई यानी नौ सौ बहत्तर और नौ सौ बहत्तर के पिछवा एक्टी लगा दो के सुनना हो गया इतना आंसर आएगा चलो हो गया डन सभी समझ गए अच्छा एक बात बताओ एक बात बताओ तुम इसी में अगर मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर दूं और मैंने कहा कि इसमें जो ब्याज की दर है ना भैया वो चेंज कर दिया जाए ब्याज की तरह अठारह परसेंट की जगह दस परसेंट कर दें तो अब इसका आंसर कोई बताएगा जल्दी से जितनी जल्दी बता लोगे मैं जान जाऊंगा कि आप बहुत अच्छे हो चलो कोई कह रहा है इसके आगे नहीं काट सकते हैं इसके आगे अपनी खोपड़ी पटक सकते हैं बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं ये बताओ इसके आगे क्या काटेंगे किससे काटेंगे किसको हाँ बताओ अरे लड़ाई झगड़ा होता है अपोजिट पार्टी में होता है आपस में थोड़ा होता है देखो नीचे क्या था सौ था ये पहले खत्म हो गया इसका जीरो जीरो कट गया नीचे वन बचा है तो जो कुछ बचा ही नहीं तो काटेंगे कहाँ काटेंगे क्या ये हवा में कट जाएगा क्या भाग देते हैं वास्तव में कटता पिटता नहीं कहीं जब कुछ बचाए नहीं नीचे तो कहाँ से भाग करेंगे वन बचाए वन से कुछ होगा नहीं उससे वैसे नहीं कुछ होता है उसकी घरवाली कहती है पहले से ही चलो अनुपम मौर्य अच्छा चौवन सौ आएगा वेरी गुड बहुत अच्छे ये दीक्षा को ब्लॉक करो फिर से इसको करो फट से इसको जितनी आईडी बदल बदल के आए इनको क्या लगता है हम बेवकूफ़ हैं तुम्हारे जैसे बहुत लोग को मैनेज करते हैं तुम्हें लग रहा है कि तुम दस बना लिए हो तो यही करोगे हा? चलो तो चौवन सो आएगा ठीक है दस परसेंट कर देंगे तो और आसान हो जाएगा भैया देखो दस परसेंट करने पे क्या होगा दस परसेंट करने पे ये हो जाएगा अठारह हजार गुड़ा दस तीन वर्ष के लिए चाहिए सौ दो जीरो से दो जीरो ए भाई अठारह यही चौवन हो जाएगा एक जीरो इसका एक जीरो इसका ये हो जाएगा चौवन सौ तो एक बात बताओ अगर दस परसेंट ब्याज है तो किसान को तीन साल बाद कितने रुपए वापस करने होंगे बताओ कितने रुपए वापस करने होंगे बहुत अच्छा ठीक है वेरी गुड देखो यही सब तो पढ़ रहे थे ना अब तक कितने रुपए वापस करने होंगे मिश्रधन हो जाता है ना जो मिश्रधन हो जाएगा यानी जो वापस करना होगा वो होगा मूलधन यानी अठारह हजार धन ब्याज यानी चौवन सौ फाइनल में कितना करना होगा कोई बताया तेईस सौ चार तेईस हजार चार सौ रुपए भूपेश वेरी गुड भैया बाबू कोई भी कमेंट करो आंसर दो लेकिन कॉपी पेस्ट ना करो बस कोई कह रहा सर आज इतना गुस्सा है आज इनकी वाली फिर लड़ाई हुई है अरे गधा रहेगी तब लड़ाई होगी ना मैं लड़ाई वड़ाई का लफड़ा रखता ही नहीं हूं ना रहेगा बांस ना बजे की बांसुरी चलो जीरो जीरो चार आठ पाँच तेरह दो तेईस हजार चार सौ ठीक है सभी को समझ में आ गया किसी को कोई तकलीफ दुख दर्द नहीं ना तो आज हमने शुरुआत कर दिया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की ठीक है इसमें होमवर्क दे रहा हूं इसे करके आना थोड़ा मैं जूम करूंगा स्क्रीन क्योंकि स्क्रीन में जगह नहीं है मैं लिखते लिखते परेशान हो जा रहा हूं चलो अलग पेज पे दे देता हूं ठीक है देखो क्वेश्चन देखो और आगे ये होमवर्क है होमवर्क लिखो ब्याज ज्ञात कीजिए पहला पहला क्या है देखो समझो भैया मूलधन रुक जाना मूलधन ये दर ये समय अगली क्लास में मंथली ब्याज होगा तब उसका बताऊंगा ठीक है देखो यहां पे पहला है मूलधन बारह हजार रुपया है और ब्याज दर सत्रह परसेंट है वार्षिक और समय दो वर्ष है तब ब्याज बताओ कितना होगी इसमें दूसर का देखो दूसर का मूलधन तेईस हजार रुपये है ब्याज दर इक्कीस परसेंट है और समय सात वर्ष है तो आपको ब्याज बताना है सबको करना है इसको ठीक है सी नंबर बहुत अच्छा लगा सुन के आज की क्लास अच्छी गई सत्ताईस हजार दो सौ रुपये मूलधन है ब्याज दर तेईस परसेंट है तो चार वर्ष के लिए ब्याज बताओ कितना रुपया हो जाएगी इसका स्क्रीनशॉट ले लो वैसे मैं टेलीग्राम में क्वेश्चन भेज दूंगा लिख लो बाबू फटाफट इसको लिख लो डी नंबर देखो अगला अभी इसको मैं टेलीग्राम में क्वेश्चन भेज दूंगा डोंट वरी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो जो मेरी बात मानते हो जिनको पढ़ना है रियल में व्हाट्सएप के भरोसे ना रहो व्हाट्सएप में हम कुछ नहीं देते हैं अगला मूलधन तेरह हजार सात सौ रुपया है ठीक है यहाँ पे लिख देता हूँ नहीं तो गदैया गोल मारेंगे हमारा ना ए रुक जा अच्छा लिख देता हूँ नहीं लिखूंगा अभी जो पढ़ रहा है क्या उसके दिमाग में को अकल नहीं है कहा हजार तीन सौ पचास रुपये मूलधन है दर है सत्रह पॉइंट पांच परसेंट इसमें देखो नानिक माइक मौसी आ जाएंगी निकालते निकालते हैं टाइम है दुई वर्ष सत्रह हजार एक सौ पचास रुपया मूलधन है ब्याज की दर है ग्यारह पॉइंट सात परसेंट समय है अच्छे वर्ष ये क्वेश्चन है इनको करना है अगर पढ़ना है तो करना है सभी चाहो तो लिख लो इनको फटाफट अगला ग्यारह हजार सात सौ तो अस्सी रुपया मूलधन है ब्याज दर तेरा परसेंट है तो पांच वर्ष के लिए ब्याज निकालना है जब के बाद जी आएगा भैया जी से हम बड़ा डरते हैं हम उसके आगे नहीं जाने वाले इतना क्वेश्चन बहुत है ठीक है तो इसको सभी करेंगे जिनको लिखना चाहे लिख लें स्क्रीन शॉट ले लें ले। और एक बात अगर आप मेरी मानते हैं पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे हमें जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि टेलीग्राम पर हम पूरा क्लास देते हैं कंप्लीट और कौन सी क्लास कब चलेगी इसकी अगला पार्ट कब आएगा इसके लिए आपको हर एक क्लास देखना होगा कोई शेड्यूल नहीं है क्लास के लास्ट में बताता हूं कि अगली क्लास कब चलेगी ठीक है ठीक है भैया क्योंकि एप्लीकेशन में बहुत सारी क्लासे हैं टाइम नहीं बच पाता बाबू ठीक है तो टाइम निकाल के मैं एप्लीकेशन वाली क्लास से यहां पे आता हूं तो मैं पहले से कुछ नहीं कह सकता हूँ कि कब क्लास चलेगी पहले मैं सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाता था तो फिर क्लासे आपकी चाहे जब चलती थी दिन भर यही भरोसा था लेकिन अब कहने से काम नहीं चलता है अगर आपको लाखों का सेटअप बना के पढ़ाना है हा? आपको मोटा मोटा बता दे कहोगे कोई मतलब नहीं है ना YouTube पे पढ़ाने से कुछ होता नहीं है रियलिटी सच्चाई ये है ठीक है समझ रहे हो बाकी अगर हमारे साथ आधा दर्जन से ज्यादा लोग जुड़े हैं उनका घर परिवार हमारे ऊपर निर्भर है और ये जो पैनल आप देख रहे हो ढाई तीन लाख रुपए लगा के इसको लिया इसका भी कर्जा किया कैमरा लाखों का आता है लैपटॉप सिस्टम लाखों के आते हैं अगर कोई चार छह दस लाख रुपए लगा रहा है तो नहीं लगाएगा तो क्या करेगा अब वो जमाना नहीं रहा ना वो स्टूडेंट रहे कि पीपल के पेड़ के नीचे बोरिया बिछा के पढ़ेंगे नहीं अब सब ए में पढ़ना चाहते हैं व्हाइट बोर्ड मार्कर पे मिटाने में जो टाइम लगता है उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं डिजिटल बोर्ड में पढ़ना चाहते हैं वास्तव में पढ़ना कोई नहीं चाहता देखना चाहते हैं सब आजकल है ना ठीक है तो मुझे सबसे पहला सवाल का जवाब दीजिए कि वो सबसे छोटी से छोटी संख्या बताइए जो सम होते हुए भी सम होते हुए भी अभाज्य है जवाब दीजिए वो छोटी से छोटी संख्या जो सम होते हुए भी अभाज्य है ये मैं पीडीएफ के लिए सेट कर रहा हूं जिससे मैं पीडीएफ में इसको सेव कर सकूं वो छोटी से छोटी संख्या जो सम होते हुए भी अभाज्य है ठीक है सबसे पहला जवाब पूजा देवी वेरी गुड राजू कुमार एस बी कुलदीप आशीष सौरभ मोहित ठीक है ये सब आना चाहिए आपको जो पूछ रहा हूं अगला सवाल का जवाब दीजिए अगला सवाल का जवाब संख्या पचास यानी फाइव जीरो फिफ्टी को रोमन अंक में कैसे लिखते हैं कौन से लेटर से संख्या पचास को रोमन अंक में किस लेटर से लिखते हैं जवाब दो फटाफट ये गुणात्मक प्रतिलोम है यहां पे लिख दो यार फटाफट बताओ आगे बढ़े अब आ रहा है कहा ठीक है वेरी गुड पीडीएफ समझने के लिए अगला बात कर रहा हूं बस थोड़ा सा रुक जाओ भैया रात नाइन पीएम लाइव देखें पी वी आर स्टडी चैनल चलो ठीक है एक और सम, सम, सम सिंपल सा सवाल बताओ बहुत सिंपल सा है कोण एंगल एंगल फोर्टी फाइव डिग्री का है पैंतालीस अंश का कोण न्यून कोण अधिक कोण या बृहद कोण क्या होगा पैंतालीस अंश का जो कोण है न्यून कोण बृहत कोण या फिर अधिक कोण क्या होगा हाँ पचास का सही जवाब है यल ठीक है कैपिटल का सही जवाब था कैपिटल यल और सबसे पहले सवाल का सही जवाब था सम होते हुए हो भी अभाज्य होगी वो संख्या दो है तो मैं आंसर बताता जाऊंगा डोंट वरी चलो चलो जवाब दो फटाफट वेरी गुड बहुत अच्छे ठीक है वेरी गुड जिन्होंने बताया बहुत अच्छी बात है जो नहीं बता पा रहे हैं वो भी ठीक है कोशिश तो कर रहे हैं कम से कम चल भैया ठीक है डन आगे बढ़े फिर हम लोग कोई तकलीफ नहीं किसी को ठीक है मैंने अभी सवाल किया उसका जवाब है न्यून कोण एक्यूट एंगल क्या है बाबू एक्यूट एंगल है ठीक है चलो एक और सवाल बताओ एक और सवाल बताओ आप सभी चलो फटाफट देखो यहां पे मैंने लिखा कि एंगल 180 डिग्री जैसे 90 अंश को सम कोण बोलते हैं वैसे 180 डिग्री को कौन सा कोण बोलते हैं जैसे 90 अंश को कोण को सम कोण कहते हैं राइट एंगल बोलते हैं वैसे 180 अंश के कोण का नाम बताइए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जल्दी करो फटाफट चलो ए जा रे बाबा मैं क्या दिखाने वाला था इसको क्या खोल रहा हूं ये देखो सब क्लास नोट्स से इसमें सेव करके रखी गई है समर्पण बैच ये है ए भाई समर्पण बैच का नाम यही है लाइव जीरो फाइव समर्पण समर्पण बैच बेसिक मैथ भाई राजकुमार यादव सर ये हो गया सेब सारा लफड़ा हो गया खत्म चलो तो 180 अंश के कोण को रिजु कोण बोलते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भैया मेरे बाबू स्ट्रेट एंगल क्या बोलते हैं स्ट्रेट एंगल बोलते हैं ठीक है कोण या स्ट्रेट एंगल बोलते हैं आज आप लोगों का ओरल क्लास हो रही है ना बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास अगर आप लोग जवाब दे सको तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर अभी आपको पूछता हूं चलो अगला बताओ अगला बताओ क्या अरे बहुत सारा सवाल है यार बताओ ना कुछ भी बताओ क्वेश्चन ये बताओ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछ रहा हूं सबके लिए कोई भी पढ़ाई कर रहे हो ये दिख रहा तुम्हें कि नहीं दिख रहा है ठीक है दिख रहा है तो आज कुछ मजेदार सेशन कर देते हैं यादगार इसमें मैंने यहां पर फेंटर बना लिया ठीक है भैया इसमें मैंने रेड कलर की एक रेखा खींचा यहां पर मिला दिया सबको दिख रहा है इसमें मैंने एक रेखा ऐसे खींचा यहां मिला दिया तो मुझे सबसे पहले आप रेड कलर वाली रेखा का नाम बताओ इसको सर्कल के परिवार के नियम के अनुसार क्या बोलेंगे जवाब दीजिए और ये जो हल्के ग्रीन कलर की जो रेखा है इसे थोड़ा बदल देता हूँ नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन में रहोगे इसे ग्रीन कर देता हूं बताओ ये जो बिल्कुल ग्रीन वाली गई है इस रेखा को क्या बोलेंगे मैं बताऊंगा नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं किरण वेरी गुड किरण ने सबसे पहले बताया ये जीजा साली कौन है भैया मैं कमेंट कर रहे हैं ये क्या हो रहा है कलाश चल रही है यह धन्य हो प्रभु आओ जल्दी अवतार लो ले जाओ इनको पकड़ पकड़ के क्या क्या कर रहे हो यार तुम लोग कमेंट ही देखो मैं क्या पढ़ाऊ नहीं चलो देखो ठीक है जो रेड कलर वाली रेखा है जो रेड कलर की रेखा दिख रही है भैया बाबू इनको बोलते हैं रेडियस स्पेलिंग सही है रेडियस बोलते हैं इंग्लिश में त्रिज्या बोलते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में लिख लो रेड कलर की जो रेखा है उसको त्रिज्या बोलते हैं ये वाली यानी एक ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को उसके सेंटर यानी केंद्र से परिधि को मिलाती है वो त्रिज्या कहलाती है अच्छा एक बात बताओ किसी वृत्त में कुल कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं जवाब दीजिए फटाफट किसी वृत्त में कितनी त्रिज्या हो सकती है पहला ऑप्शन है चार दूसरा वन फरका है आठ चौथा ऑप्शन है अनंत इनफाइनाइट तो ए बी सी डी कौन सा होगा अच्छा तो मैं जीवा पूछा था वो जीवा के चक्कर में जीजा लिख दिया था ठीक है कोई बात नहीं हो जाता इतना चलो लेकिन जीवा और जीजा में बहुत बड़ा अंतर होता है एक वृत्त में एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस ड्रा की जा सकती है जैसे तुम देख लो यहां पर थोड़ा सा ये इधर को भी खींच दो इधर को भी खींच दो सेंटर से होते हुए सीधा फीस खींचना हमारे जैसे आड़ी नहीं सीधा फीदा इसे कितना भी खींचो कब तक खींचो कोई मतलब नहीं चाहे जब तक खींचो जब तक, तक तुम्हारा दिल करे ठीक है भैया तो एक वृत्त में अनंत इनफाइनाइट त्रिज्या खींची जा सकती है और जो ये ब्लू कलर की है ये वृत्त के केंद्र सेंटर को टच करते हुए इधर से उधर आर पार हो रही है इसको ब्यास बोलते हैं डायमीटर जब कोई रेखा किसी वृत्त के केंद्र को टच करते हुए केंद्र को काटते हुए स्पर्श करते हुए किसी वृत्त को इधर से उधर यानी परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाती है तो वो ब्यास या डायमीटर कहलाती है ठीक है समरीन आज प्रैक्टिस सेट हो रहा है रिवीजन हो रहा है कोई चैप्टर नहीं है ये इसमें सब कुछ है सब कुछ है आज इसमें ठीक है अच्छा यदि कोई रेखा किसी वृत्त में केंद्र को नहीं टच करती है बाकी कहीं ऐसे हो जाती है किनारे ऐसे साइड में काम चला लेती है तो उसको जीवा कहते हैं इंग्लिश इसकी मुझे बहुत अच्छा नहीं कंफर्म लेकिन सीओ आर डी बोलते हैं ऐसे कुछ समझ में आया ना तो वृत्त में आपने देख लिया और हाँ जो ये किनारे किनारे वाइट वाली लाइन है इसको परिधि बोलते बोलते हैं हैं परिधि है ना इंग्लिश में शायद ठीक है भैया मैंने शुरू में बताया था कि आज पढ़ाने का मूड नहीं था आज मैं बहुत ही बिजी था क्योंकि इन लोगों ने ना मेरी बहुत सारी क्लास लगा दिया अप्लीकेशन में नया बैच नया बैच करके तो मैं ना एकदम दो, दो भी गदाहा बन गया सुबह लेके शाम तक फिर भी जिम्मेदारियां होती हैं तो मैं आई गया कहा चलो कुछ दिखाई देते हैं इन लोग को तरफ रहे बैठ के चलो ठीक है अच्छी बात है तो और भी बहुत सारे सवाल है मेरे मन में उसको बताओ आज ऐसे ही क्लास होने वाली है हम्म तो फिर ये बताओ बहुत सारा सवाल है चलो बताओ बताओ कुछ ना कुछ बताए रहो बस ये भाई यही कौन सा अवतार ले लिए तुम चलो भागो लेकिन यार इसमें पीडीएफ तो भेजना पड़ेगा पीडीएफ क्या भेजूंगा कोई पीडीएफ नहीं भेजूंगा आज अच्छा आज जा लौट जा मेरे दोस्त लौट के आजा देखो देखो आगे ना लौट के चलो आगे बढ़े देखो यहाँ पर हाँ तो क्या बोल रहे थे सवाल मतलब क्वेश्चन चल भैया ये क्या है इसका नाम बताओ फटाफट और नाम बताने से काम नहीं चलेगा कुछ काम भी करो चलो इसकी जो लेंथ है वो सेवन सेंटीमीटर है चा लोग भैया ये है फाइव सेंटीमीटर और एक के नाम है ए डी चलो अब मुझे ये बताओ कि इसका एरिया क्या होगा एरिया क्या होगा इसका भूपेश वेरी गुड हिमांचल अहिरवार धवल त्रिपाठी वेरी गुड देखो धवल जी बहुत मेहनत करके पढ़ रहे हैं बाकी तो बकाती कर रहा है बस इसी में एरिया क्या होगा इसका भैया देखो किसी भी आकृति द्वारा घेरे गए संपूर्ण क्षेत्र को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं तो ये रेक्टेंगल यानी आयत आयत जो है जितने दूर में ये ब्लू ग्रीन कलर का दिख रहा है वही इसका एरिया है जितने दूर में ग्रीन है वही क्या इसका एरिया है और किसी भी आकृति का इस तरीके के बंद आकृति का एरिया निकालने के लिए लंबाई का चौड़ाई में गुड़ा कर लेते हैं और वर्ग इकाई में उसका आंसर आता है थर्टी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर किरण का सबसे सही जवाब है पहला मनोज का भी सही है बाकी जो सिर्फ पैंतीस लिख रहा है ना उसका दूर गलत है पूरा गलत है एकदम जैसे ब्याह करे शादी के मंडप में पहुंच गया नहाया नहीं हाँ. तो फिर वही से बजती है हमें जो तुम इकाई मतलब उसका मात्रक नहीं लगा रहे हो तो लंबाई गुड़े चौड़ाई ये होता है सात गुड़ा पांच बराबर पैंतीस सेंटीमीटर का स्क्वायर यह हो गया आंसर ठीक है सभी को समझ में आया किसी को कोई तकलीफ नहीं चलो अच्छा इसका परिमाप बता दो फिर लगे हाथ इसका परिमाप क्या होगा सौरभ बताओ इसका परिमाप क्या होगा परिमाप क्या होगा भैया हम्म नहीं पता है चलो बता देता हूँ ए रुक जा रे बाबा रुक जा ना तू। रुको, इनको साइड करो इसी में परिमाप भी हो जाएगा नहीं तो बहुत ज्यादा जगह लिए हैं सके ध्यान करें हैं इनका साइड करो इधर कर लो नहीं इधर कर लो ठीक है चलो भाग रहा है ये चलो ठीक है परिमाप देखो परिमाप को क्या बोलते हैं पेरीमीटर बोलते हैं इंग्लिश में और परिमाप निकालने के लिए चारों भुजाओं को जोड़ा जाता है ठीक है किसी भी आकृति का बंद आकृति का परिमाप निकालने के लिए चारों तरफ जोड़ते हैं जैसे ऐसे समझ लो कि अगर ये एक किसान का खेत है इस किसान किसान के खेत में बहुत सारे जानवर आके फाट पड़ रहे हैं खा जा रहे हैं अब ये चाहता है किनारे किनारे में रस्सी बांध बांधू तो दुकानदार के पास जाएगा पूछेगा दद्दा कितनी बड़ी चाहिए तो ये चारों तरफ क्या करेगा खेत की चारों तरफ की लंबाइयां नाप के ले जाएगा कहेगा इतनी बड़ी चाहिए ये सीधा फिदा ये भी कह सकता है कि उसका परिमाप निकाल के कि जितना हमारे खेत का परिमाप है पेरीमीटर है उतना चाहिए ठीक है तो किनारे किनारे जोड़ते हैं चारों साइड को तो भैया इसके जो सूत्र बनता है आयत में वो बनता है टू इंटू एल प्लस बी क्योंकि लंबाई दो बार है दोनों साइड चौड़ाई दो बार है तो दो गुड़े सात धन पांच दो गुड़े बारह बराबर चौबीस यहां पर जुड़ रहा याद रहे स्क्वायर नहीं लगेगा आंसर में नहीं तो कहो एक बार स्क्वायर बता दिए सब में लगा दें कॉपी पेस्ट ना करो भैया बाबू कॉपी पेस्ट ना करो ठीक है स्क्रीन पे दिख रहा है आपको तो भैया कंटेंट क्या क्या पढ़ेंगे बाबू इसको देख लो इस स्क्रीन पे सरल बात चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे और इसमें आज एक नया चीज पढ़ेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन ठीक है और अगर समय मिला तो पिछला जो पढ़ाया गया थोड़ा बहुत रिपीट करते रहेंगे कुछ लोगों को बोरिंग लगता है कि जो पढ़ा दिया उसको बार बार काय को बताते हो भैया हो अच्छा अच्छा खाना खूब सारा दबा के खाने में ही बड़ी मरदई नहीं है उसको हजम करना बड़ी बात होती है अगर हजम नहीं होता ना तो उसका कोई फायदा नहीं होता है तो वैसे जो आप पढ़े हो वो आपको आना चाहिए मतलब आपको भी आना चाहिए ये नहीं कि मैंने सिलेबस खत्म कर दिया कोर्स खत्म कर दिया अभी आपका नहीं खत्म हुआ तो मैं रिवीजन करा के आपका खत्म करवाता हूं कि आपको भी आने लगे इसलिए मैं बीच बीच में रिवीजन करवाता रहता हूं तो आप चार ही चैप्टर अच्छे से पढ़ लो वो अच्छी बात है लेकिन अगर आप सारे चैप्टर पढ़ लोगे और रिवीजन एको ना करो आए एको ना तो कोनो मतलब नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी का नाम लेते हुए पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा रिवीजन करेंगे आपको देखेंगे कि क्या मतलब याद है क्या भूल गया आने लगी कमेंट्स आपका आ रहा है मैं बोलूंगा लेकिन अगर आप 10 मिनट जुड़े रहेंगे तब उसके पहले किसी का कमेंट नहीं बोलूंगा चलो भैया तो पहला क्वेश्चन है कि एक हजार रुपए का सात परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से पांच वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए तो कितने लोग ऐसे हैं जो इसका ब्याज ज्ञात कर सकते हैं यस या नो बोलो फटाफट ठीक है बहुत अच्छा वेरी गुड भाई पारुल सिंह सबसे पहला जवाब वेरी गुड ठीक है बिट्टू पासवान दनिस गुरु का आशीर्वाद यानी ब्रजेश नाम है ना आपका राजिया ठीक है तीन सौ पचास रुपए बहुत अच्छा वेरी गुड चलें आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग तो मुझे लगता है सब जुड़ गए अब चले फिर हम लोग शुरू कर दें अगला सवाल भी बता देंगे क्या आप लोग यस yes. ठीक है भैया तो तीन सौ पचास रुपए हम मान लेते हैं मान के इसको लेकिन हल करते हैं आगे आइए डन दिख रहा है मैंने इसमें बहुत ही सिंपल सा सूत्र बताया था सबको याद है ब्याज निकालना था यानी सिंपल इंटरेस्ट ना यहाँ पे लिखा नहीं कहीं लेकिन सिंपल इंटरेस्ट ही था तो सरल ब्याज बराबर यह होता है सूत्र मूलधन गुणे गुड़े दर गुड़े समय बटे सौ यह है तो बहुत आसान लेकिन आपके सिलेबस में दिया है तो मुझे बताना जरूरी है एक हजार रुपया है भैया सेवन परसेंट दो जीरो से दो जीरो निपट गया ये बच रहा है तो ये हो जाएगा दस गुड़ा पैंतीस इनका गुड़ा करोगे आपस में यानी जो ब्याज होगा बाबू कितना होगा तीन सौ पचास रुपए क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं अगला इसमें क्या निकालना है इसमें भी वही है इसमें मिश्रधन भी ज्ञात करना है ठीक है थोड़ा सा घुमा फिरा के है ये टेढ़ा मेढ़ा लेकिन मतलब इनका वही है सब कहीं ना कहीं ठीक है चलो भैया बाबू आ जाओ कोई जवाब देगा इसका एनी वन अब्दुल रहमान वेरी गुड अब्दुल बहुत अच्छे सनी वर्मा ठीक है कह रहा रामू एक साहूकार से बारह हजार तीन सौ अस्सी रुपया नौ परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से पांच वर्ष के लिए लेता है तो यहां पर ये मेन मेन पॉइंट है जो मैं घेर रहा हूं बस और कुछ नहीं बाकी कहानी सबको मतलब नहीं ठीक है तो कह रहा कि पांच वर्ष बाद उसे कितना रुपया लौटाना पड़ेगा और मिश्रधन भी ज्ञात कीजिए चलो इनको हल कर देता हूँ क्वेश्चन पे मैं छुपा देता हूँ छोटा करके साइड में चलो मैं सिर्फ हल करूंगा ज्यादा इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं करना है ठीक है दिख रहा है ना बाबू भैया ठीक है तो हमें कुल मिला के ब्याज निकालना है पहले बारह हजार तीन सौ अस्सी रुपया मूलधन दिया है नौ वर्ष के लिए समय भी दिया है सॉरी नौ वर्ष नहीं नौ परसेंट वार्षिक ब्याज मतलब रेट दिया है दर दिया है ठीक है वर्ष मतलब टाइम दिया पांच वर्ष ठीक है तो क्या करेंगे भैया ब्याज बराबर मूलधन बारह हजार तीन सौ अस्सी दर नौ परसेंट समय पांच वर्ष बटे सौ एक जीरो से एक जीरो निपट गया काट दो पटक के मारो इनको ठीक है दिख रहा ना एकदम ठीक है बाबू भैया पांच से इसको काट दो दो आया दो से इसको पूरा पूरा काट दो ऊपर तो ये दो छंग बारह दो एक कम दो दो नौ अठारह छह सौ उन्नीस गुड़ा नौ क्यों भैया यही है ना बाबू नाइन नाइन जा एटी वन का वन एट आया और नाइन वन जा नाइन वन भैया गड़बड़ हो रहा है कैसे नाइन नाइन जा एटी वन का वन कैर आया आपका एट जिसे बोलते हैं हासिल जो भी समझे ना अब नाइन वन जा नाइन नाइन में एट एट करेंगे नाइन एट सत्रह होता है ना सत्रह का सात लेक और नाइन सी फिफ्टी फोर यही तो होता है ना फिफ्टी फोर और फिर कितना बचा था फिफ्टी फाइव तो भैया ब्याज जो हो गई बाबू वो पांच पांच सेवन वन हुआ सही आया कि नहीं बोलो एक बार यस राधा सिंह वेरी गुड बहुत अच्छा भाई सही है बिल्कुल सही है चंदा राजपूत जी आपका भी सही है इतने में ही अभी मुसीबत हल नहीं हुई उम्मीद है क्वेश्चन साइड में दिख रहा क्लियर अगर आप लोग कर लेंगे क्वालिटी तो इसमें आपसे मिश्रधन भी पूछा था मिश्रधन कितना आएगा चंदा कितना आएगा इसको मैं साइड में कर देता हूं ठीक है भैया इसको मैं साइड में कर देता हूं फिर आपको मिश्रधन भी निकाल के दिखा देना है मिश्रधन बहुत सिंपल है मूलधन आपको पता है ना तो मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज यानी जो कंपाउंड क्या बोलते हैं यार कंपाउंड इंटरेस्ट तो चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं ना मिश्रधन में मूलधन जोड़ देंगे बारह हजार तीन सौ अस्सी और पचपन इकहत्तर जोड़ लो भैया कितना आएगा पूजा यादव का जवाब आ गया बहुत अच्छा भाई ब्रिजेश राजपूत जी आपका भी आ गया मींस गुरु का आशीर्वाद और कल्पना अब्दुल रामान ठीक है वन में जीरो वन सात आठ पंद्रह हांसी एक पाँच तीन आठ एक नौ पाँच दो सात एक आठ भाई सही लिखा हूँ क्या मैं सत्रह आएगा क्या एक मिनट रुको सत्रह आएगा कठारह आएगा फिर से देखने दो वन में जीरो ऐड करेंगे तो वन सात में आठ आठ सात पंद्रह हाँ सी एक अच्छा पाँच तीन ये हो जाएगा तीसरा तीसरा ना एक मिनट रुको यार कंफ्यूज ये हो जाता है ना चिन्ह लगा लो इसमें चलो ये और ये जोड़ दिया ठीक है खत्म हो गया ये और ये जोड़ दिया हासिल एक अब ये और ये जोड़ा ठीक है तो पांच तीन आठ हासिल एक आया था नौ ठीक है अब यहां पर कोई हासिल नहीं आया है अब पांच और दो जोड़ेंगे तो सात तो ये हो जाएगा बाबू ठीक है देखो में जोड़ दिया उनको चिन्ह लगा दो भूले ना वो दो बार जुड़ जा रहा था अब बात करेंगे चक्रवर्ती मिश्रधन एक नया टॉपिक जैसा कि मैं स्टार्टिंग में दिखाया था आज कंटेंट में क्या क्या पढ़ना है आगे बढ़े कोई बातचीत ना करो चुपचाप पढ़ो चक्रवर्ती मिश्रधन क्या होता है क्या आप लोग जानते हैं हुँ? हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे पहले ठीक है बाकी इनके बारे में हम आपको इंट्रोडक्शन वगैरह सारी चीजें बताएंगे नेक्स्ट क्लास में आज सिर्फ आपको हम सवाल हल करना बताएंगे बस ठीक है मैंने ये सोचा कि आज क्वेश्चन हो जाए कुछ मेन क्वेश्चन ही है बाकी इनकी कहानी समझा दूंगा जरूरी है समझना लेकिन अगली क्लास में ठीक है आप लोग ना चलो तो भैया चक्रवृद्धि मिश्रधन जब हम निकालते हैं क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज ना तो उसका यह फार्मूला लिख लो पटापट इसको ये अब हम लोग क्या निकालेंगे यहां पर देखो चक्रवृद्धि मिश्रधन चक्रवृद्धि मिश्रधन चक्रवृद्धि मिश्रधन हर जगह निकाला है ना ठीक है पहले इसको नोट कर लो फटाफट आगे बढ़े फिर हम लोग जो लोग बुक लिए हैं उनका अगर पीडीएफ है आपके पास तो पेज नंबर थर्टी थ्री पर है हमें क्या निकालना है चक्रवृद्धि मिश्रधन चलो भैया फिर हल कर देते हैं पहला क्वेश्चन देखो बताओ यदि मूलधन इतना दिया 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 गया 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 है है और दर दिया गया, समय दिया गया है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या क्या होगा दनिश जी बताओ आएगा ए का मतलब ये लिखा हूं ना इधर साइड में आप तक क्या देखा आपने ये चक्रवृद्धि मिश्रधन ये हिंदी में बता रहा हूं सिर्फ इसका भी फुल फॉर्म नहीं ठीक है अमाउंट बोलते हैं उसको इसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं रेट बोलते हैं इसको ये सिंबल के तौर पर यह यहां पे दिखाया गया इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना रहें सिर्फ समझें बस ठीक है चलें चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना सीखेंगे लेकिन अभी लास्ट में चलिए फिर आगे चलते हैं टॉपिक पे कोई आंसर बताया बातचीत ना करो कोई चुपचाप पढ़ो चलो चलो फिर भैया सूत्र लगाएंगे सबसे पहले सूत्र फार्मूला यूज करो इक्वल पी यानी मूलधन मूलधन का गुड़ा कर देंगे किसमें जोड़ देंगे इसमें अभी भी दिखाया था ना देखो ये वन में रेट अपान हंड्रेड को जोड़ के पावर यन कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट कितना इसमें चार हजार पांच सौ आर मतलब रेट तीन है यन मतलब भैया उसका वर्ष यानी पावर मतलब सॉरी वर्ष मतलब समय ये बहुत ज्यादा वर्ष है यार ये काफी लंबा हो जाएगा मुझे लग रहा है टाइम बहुत ज्यादा है अच्छा तो क्या किया जाए टाइम कम कर दिया जाए हल करते हैं क्या करना है जो भी दिया है. चार हजार पांच सौ गुड़े इसको हल करेंगे तो सौ कम सौ तीन हो जाएगा एक सौ तीन बटा सौ वैसे इतना ज्यादा टाइम के लिए कहीं क्वेश्चन आता नहीं इसको कम कर लो नहीं हल करने में भी परेशानी होगी बाकी कोई बात नहीं है ठीक है किया जा सकता है लेकिन ऐसा कहीं क्वेश्चन इतना ज्यादा टाइम के लिए मिलता नहीं है क्वेश्चन में बहुत जल्दी जल्दी बनाया हूं खुद ही से बनाया हूं इसलिए थोड़ा क्वेश्चन इधर का उधर हो गया सब एडजस्ट कर लिया जाएगा चलो तो टाइम दो वर्ष कर लो अच्छा है अपने ऊपर ही है ठीक है भैया तो ये हो जाएगा दो बस तो इसको मैं हल कर दूंगा अब इतना लिख लो फट से जल्दी से इसको मैं छोटा कर दूंगा फिर अभी लिख लो जल्दी फट से हो गया स्क्रीन शार्ट ले लो हो गया चलो ठीक है तो मैं इसको साइड कर देता हूँ अभी फिर इसको हल करेंगे भाई तुम साइड हो जा जगह नहीं है ना इसी में एडजस्ट करना है हो गया कैलकुलेशन सबका अब इधर इतना जगह है आइए हल क्या करना था चार हजार पांच सौ इसको गुड़ा करना था एक सौ तीन सौ गुड़ा एक सौ तीन बटा सौ भाई दो घात थी मतलब दो बार ना यही ना तो अब क्या करोगे दो जीरो से दो जीरो निपटा दो इनको ठीक है अच्छा है अब फोर्टी फाइव का गुड़ा करना है इसको पांच से काट दो अभी यार पांच से काट दोगे ना तो गड़बड़ है मत काटो अभी जीरो रहने दो पूरा अंक में इनको आपस में मल्टीपल कर लो बस पैतालीस का एक सौ तीन में और एक सौ तीन में सौ से भाग कर लो बस काटो पीटो मत कितना आएगा बिरजे का आंसर आ गया वेरी गुड दस हमलों में आएगा देखिए आपको इसीलिए मैं कहा था कि स्क्वायर याद रहना चाहिए ठीक है स्क्वायर याद रहना चाहिए आपको एक सौ तीन का दो बार गुड़ा करके जब पैतालीस से गुड़ा करोगे भैया बहुत लंबा आ जाएगा सौ सतहत्तर और something आएगा रुक जा इतना आएगा इसको सौ से भाग भी करोगे तो दो अंक पर दशमलव लगेगा पीछे से तो ये भाई इतना आएगा ये क्या है चक्रवृद्धि मिश्रधन धन एक मिनट ये ब्रिजेश नाम से जो कमेंट कर रहे हैं भैया देखो मूलधन है ना वो तो मूलधन से ज्यादा आएगा ना मिश्रधन धन क्या ये दो सौ सत्तर अस्सी वाले कहां से आ रहे हैं मूलधन से ज्यादा होता ना मिश्रधन धन नहीं तो मूलधन जब पैतालीस सौ है तो ये क्या होगा चक्रवृद्धि मिस्र धन निकाल रहे हैं यहाँ पर ना हम लोग ठीक है ओके दो सौ चौहत्तर रुपये पांच पैसे आप कह सकते हैं लेकिन हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल रहे हैं तो पूरा पूरा आएगा उतना ठीक है ठीक है आपका मतलब सही है चलो तो ये आंसर हो गया आगे बढ़े कोई डाउट किसी को नहीं ना इसका पीडीएफ मैं एडजस्ट करके टेलीग्राम पे भेज दूंगा सही तरीके से कोई दिक्कत नहीं आप टेलीग्राम पर देख लेना टेलीग्राम पे भेज दूंगा लिखना नहीं है चलो अगला बताइए क्या आएगा इसमें ट्राई करिए गुड्डू जी बताओ क्या आएगा ठीक है चलो मैं बताता हूँ कह रहा कि सात हजार नौ सौ अस्सी रुपए का पांच परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से दस वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए इसमें भी टाइम बहुत बड़ा है ना कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा ना तो एक काम करते हैं ना अपने ऊपर तो इसको छोटा कर लो देखो जो कुछ लोग कह रहे होंगे कि सवाल आसान कर ले रहे हैं ऐसी बात नहीं है कहीं भी भैया बाबू इतना ज्यादा टाइम के लिए नहीं पूछा जाता है ये मैं जल्दी जल्दी में रखा था बनाया था इसलिए क्वेश्चन इतने बड़े हो गए बस ठीक है तो चलो कर लेते हैं छोटा छोटा लिखूंगा चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड इंटू यन ये होता है मेन वाला दिख रहा सबको ना अब देखो इसी में हम मान रख देंगे कोई दिक्कत नहीं किसी को मूलधन है सात हजार नौ सौ अस्सी वन प्लस आर मतलब रेट कितना है पांच परसेंट है तो पांच यन मतलब समय यानी तीन ठीक है कोई परेशानी नहीं किसी को नहीं ना चलो इनको आप ऐसे क्रास मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा भैया एक सौ पांच बटे सौ इनकी घात तीन इतने में कोई दिक्कत नहीं किसी को चलो बाकी का आधा मैं इधर साइड में कर दे रहा हूं जितनी जगह है तो ये हो जाएगा सात हजार नौ सौ अस्सी गुड़ा देखो इसको पहले बीच में कट कर लेंगे पांच से कट जाएगा ये बीस और ये पांच से कटेगा इक्कीस बस तो ये बीस यानी बटा बीस तीन बार हो जाएगा किसी को कोई डाउट नहीं ना क्योंकि यहां पे घात तीन है तो इसको हम तीन बार लिख सकते हैं बस पक्का चलो एक जीरो से एक जीरो निपटा दो यहां पे दो से इनको काटेंगे दो चौकाट चार बार जाएगा नहीं दो तई छः तिहाई छः ये बचा ये हो गया उन्नीस तो दो नवा अठारह और फिर दो नवा अठारह भैया वो बड़ा बड़ा आ गया यार सब का गुड़ा करो फटाफट और भाग करो क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ये बड़े बन गए आज क्वेश्चन क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में बनाया था इनको हल करके नहीं बनाया तो आसान नहीं बने हैं बाकी गड़बड़ नहीं है ठीक है क्वेश्चन थोड़ा टफ टाइप के बने हैं देखिए डीएलएड में स्पेशली अगर मैं बात करूं तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते टप वाले टप का मतलब ये यहां कैलकुलेशन कट नहीं रहा आपस में डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये जो एग्जामिनर बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे आपके डीएलएड वालों के लिए आराम से ये कट जाएगा जैसे नीचे चार सौ आ गया ऊपर आठ सौ आ जाएगा या बारह सौ कुछ ऐसा आ जाएगा सम सम संख्या वो सिंपलीफिकेशन में कट पीट के छोटे हो जाएंगे ठीक है तो टेंशन नहीं लेना है लेकिन यहाँ पर मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ ऐसे करना है इनका गुड़ा कर लो पूजा यादव ठीक है वेरी गुड ठीक है देखो इक्कीस का घन तो आप लोग याद ही किए थे बानवे इकसठ होगा इक्कीस का घन तो बानबे इकसठ होगा बानबे इकसठ को गुड़ा कर लो किस से डबल नाइन से ना अब यहाँ पर कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं बहुत टाइम लग जाएगा तो ये छत्तीस पंचानवे एक सौ उनतालीस आएगा मैं इसको कैलकुलेटर से ही करके बता देता हूं ये बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो ऐसे ये हो जाएगा चार सौ इनको चार सौ से भाग कर लीजिए जो भी आ जाएगा दसमलो में आ जाएगा ठीक है सभी समझ गए लिख लो फट से चलो तो बानबे सैतीस लगभग आ जाएगा लगभग में लिखेंगे ठीक है बानबे सैतीस रुपया लगभग में हो जाएगा चलो आगे बढ़े इसमें आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है कैसे करना है बाकी चीजें कैलकुलेशन पेपर में और आसान रहेंगे पेपर में क्वेश्चन और आसान रहेंगे चलो भैया अगला आठ परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से बहत्तर सौ रुपए का तीन वर्ष के लिए चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए बताओ देखिए सीख लीजिए ईमानदारी से ईमानदारी से पढ़ लीजिए चलो आगे बढ़ते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए कह रहा कि आठ परसेंट वार्षिक ब्याज से ना तो इसका सूत्र मैंने अभी आपको बताया कि चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है अगर इसको हम ए से लिखे तो पी यानी मूलधन और वन प्लस आर अपान हंड्रेड इन या नियर मतलब समय ठीक है ये बता चुका हूं इसको इधर खींच के लिखेंगे हम तो भैया मूलधन कितना है इसमें जल्दी बोलो फटाफट राकेश बिल्कुल सही राकेश ये मूलधन है वन प्लस आर मतलब रेट कितना है गुड्डू ठीक है भाई गुड्डू तीन वर्ष है तो तीन समय कितना है ए भाई रुक जाए एक मिनट आठ परसेंट है यार ये एक मिनट ये समय तीन था ना ये आठ परसेंट था समय तीन था ठीक है समय कितना था तीन तो बहत्तर सौ भैया इसको गुड़ा करोगे बाबू ये हो जाएगा आपका एक सौ आठ इतना तो भिन्न हल कर ही लेते हो इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है कोई दिक्कत नहीं ना इतने में चलो इधर है आ जातर सौ ये हो जाएगा एक सौ आठ गुड़ा एक सौ आठ गुड़ा एक सौ आठ तीन बार तीन बार क्यों हो जाएगा क्योंकि यहां पे तीन घात है दो जीरो से दो जीरो यहां निपट जाएगा ठीक है भैया एक सौ आठ का गुड़ा कर लो और इनको भाग कर देना एक हजार से देखिए इनको हम पूरी तरह नीचे से कट नहीं करेंगे क्योंकि कोई फायदा नहीं कट करने से और लंबा हो जाएगा अगर नीचे इसका गुड़ा करोगे आपस में तो ये दस हजार आ जाएगा और फिर इसको हल करना आसान रहेगा तो हम इसको ऐसे गुड़ा कर लेंगे एक सौ आठ का घन कर लो फिर दस हजार से भाग कर देना ठीक है देखो भाई आ गया बर्जेस का गुड्डू टेलीग्राम का नाम पीवीआर स्टडी है बाबू हर जगह टेलीग्राम या कहीं भी देखोगे पीवीआर स्टडी नाम है ठीक है ठीक है इन सब का गुड़ा करोगे तो कर लेना कैलकुलेटर वगैरह से ऐसा क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ आज क्वेश्चन बहुत बड़े हो गए नहीं आएंगे लेकिन हाँ अगर आप रियल में इनका मल्टीपल वगैरह करोगे तो आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा दिमाग की बत्ती खुल जाएगी ठीक है तो गुड़ा कर लो इनका नौ सौ छह दो सौ चौसठ आएगा काफी लंबा जा रहा है इतने लंबे लंबे क्वेश्चन उसे पेपर में नहीं आते सीख लीजिए लेकिन ठीक है तो चार अंक पे दस लग जाएगा नीचे चार जीरो वाला है ना तो पीछे से चार अंक गिन लो तो हम इसे लगभग में कह सकते हैं कि नब नौ हजार उनहत्तर आएगा लगभग में याद रहे ठीक है लगभग नौ हजार उनहत्तर लगभग ठीक है और हां अगर सार्थक अंक और कोटिमान के अकॉर्डिंग देखें तो नौ हजार ये सत्तर हो जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है इसके बाद नौ आ रहा है तो इसको सत्तर लिखेंगे ठीक है अगर आपने सार्थक अंक कोटिमान पढ़ा था तो ये अगर दस हमलों के बाद जस्ट बाद का गिनती नौ है मतलब पांच या पांच से अधिक है तो एक बढ़ा दिया जाता है देखे। देखे देखे तो आगे बढ़े कोई दिक्कत नहीं किसी को चलिए तो इस तरीके से आप सारे सवाल कर लेंगे मुझे पूरा उम्मीद है अगला देखिए कितने लोग कर लेंगे इसको मजा नहीं आ रही ना आज क्वेश्चन बड़े बड़े हो गए ना सीखना है कोशिश करिए प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ठीक तो तो है राधा सिंह भाई बातचीत ना करो कोई चुपचाप रहो सिर्फ पढ़ाई करो चलो बातचीत नहीं क्वेश्चन बड़े हो गए लेकिन आपके दिल नहीं छोटे होने चाहिए चार वर्ष के लिए नौ हजार दो सौ पचास रुपए का बारह परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए आपकी हिंदी में लिख देता हूं चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन वन प्लस दर बटा सौ इसकी घात हो जाती है समय यह सूत्र होता है ठीक है हम्म नहीं इसमें टाइम ज्यादा नहीं है चार वर्ष के लिए है ज्यादा है बोल रहे हो छोटे क्वेश्चन के लिए इसमें टाइम कम कर लो और कम कर लो आज इसमें एक वर्ष कर लो चलो ठीक है एक वर्ष के लिए अच्छा है सिर्फ तरीका सीख लीजिए बस बाकी गिनती से कोई फर्क नहीं पड़ता पेपर में ये नहीं कि आपका बानबे पचास आएगा लेकिन ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा बस ये समझ के चलिए इस पर गिनती कुछ भी हो सकती है दर कुछ भी हो सकता है टाइम कुछ भी हो सकता है लेकिन सूत्र नहीं बदल सकता सूत्र वही रहेगा बस मूलधन नौ हजार दो सौ पचास गुड़ा वन प्लस दर बारह है बारह परसेंट इसका समय वन है घात वन हो जाएगा ठीक है तो ये हो जाएगा नौ हजार दो सौ पचास गुड़ा इसका गुड़ा करेंगे तो एक सौ बारह बटा सौ बनेगा अब इसकी घात एक है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे रहेगा ठीक है तो भैया इनका एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा बाबू हम्म नौ पच्चीस इनका गुड़ा एक सौ बारह में करके दस से भाग कर लो बस कितना आएगा फराना अंसारी आ गया आपका वेरी गुड पंकज देखो भैया कितना है नौ सौ बानबे है नौ सौ पच्चीस है ना गुड़ा कर लो बहुत आसान है ये एक सौ तीन छ सौ एक लाख के लगभग आएगा दिख रहा है ना देखो एक जीरो पीछे से कम हो जाएगा इसमें बस आएगा यही थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ इसको एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो ये एक सौ तीन और इतना आएगा मतलब इसे कह सकते दस हजार तीन सौ साठ दस हजार तीन सौ साठ रुपये भाई ये कैसे आपका अलग आ रहा है मिस्टर ब्रजेश जी कि हमारा कहीं कुछ गड़बड़ हो गया का बानबे पचास था और वो बारह था तो सौ एक कम सौ एक सौ बारह घात तो मैंने एक ही लगाया है क्यों भाई ये सब आप लोग अलग अलग क्यों बता रहे हो मैं कुछ गड़बड़ किया क्या देख लेते हैं 925 का 112 में गुड़ा करो तो एक लाख तीन हजार छह सौ आएगा हम्म वही आएगा नीचे भाग सौ से करेंगे क्योंकि ऊपर कोई घात तो है नहीं तो एक जीरो से एक जीरो कट गया तो सही तो है फिर ये यही आएगा ठीक है हाँ टाइम अगर चार वर्ष कर दोगे तो फिर ये आंसर बदल जाएगा टाइम आपको वन वर्ष करना है मैंने वन ईयर किया है संध्या देवी बी वेरी गुड ठीक है देखिए आज आपने एक टॉपिक तो क्लियर कर लिया लेकिन मजा नहीं आई ना मजा क्यों नहीं आई क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े हो गए कैलकुलेशन कठिन हो गए लेकिन कोई बात नहीं दिल नहीं छोटा करना है आपने फार्मूला सीखा प्रैक्टिस हो गया अगर आपने कैलकुलेटर की जगह दिमाग से लगाया होगा तो आपका बहुत सारा अभ्यास हो गया

तब तो यहाँ पे आसान हो जाएगा। लेकिन अगर मैं किया था हल करके देखा नहीं था नहीं तो जो भी पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं किताब में जो क्वेश्चन लिखे जाते हैं उसका आंसर कितना आएगा वो एग्जामिनर लिखने वाला जो राइटर होता है बुक का वो पहले से जानता है कैसे कैसे करना है तभी लिखता है ठीक है नहीं तो उड़ पड़ांग लिख देगा तो हल ही नहीं होगा जो ऑप्शन दिए जाते हैं पेपर में आप देखते होंगे वो उसको आंसर पता होता तभी तो ऑप्शन देता है ना कि इसमें सही होगा तो वो क्वेश्चन बनाने से पहले जो भी क्वेश्चन बनाता है उनको प्रैक्टिस करके देखता है नहीं। चार आचार पद आप लोग जानते हैं इसको बता देता हूँ एक एक एक्स्ट्रा टॉपिक पता हो जाए आपको जानकारी होना चाहिए चार और आचार इनको वेरिएबल्स और कांस्टेंट बोलते हैं ना ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल और कांस्टेंट कांस्टेंट ही बोलते हैं ना आ, हो सकता मेरी इंग्लिश ना सही हो लेकिन आप हिंदी में जानो मतलब समझ लो ठीक है वेरिएबल और कांस्टेंट बोलते हैं देखिए कांस्टेंट मतलब जहां तक मुझे पता है इनके मान स्थित होते हैं मतलब स्थिर होते हैं सॉरी चेंज नहीं होते टाइम के साथ बहुत ही दिल के पक्के होते हैं ईमानदार होते हैं ये लेकिन ये टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं अलग अलग सिचुएशन पे इनके मान अलग अलग हो सकते हैं लेकिन इसका मान कहीं भी अलग नहीं हो सकता है ठीक है जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन में ए का मान ज्ञात कीजिए सी का मान ज्ञात कीजिए आपने ज्ञात भी किया होगा लेकिन कहीं आपने ये नहीं ज्ञात किया होगा कि पांच का मान ज्ञात कीजिए नहीं ना पांच का मान ज्ञात करने को कहीं नहीं आया होगा लेकिन आपने बहुत सारे क्वेश्चन में देखा होगा ए का मान ज्ञात कीजिए सी का मान ज्ञात कीजिए यक्स का मान क्या होगा वाई का मान क्या होगा ऐसे निकाला है ना क्योंकि इनके मान बदलते हैं ठीक है तो आइए बात करते हैं क्या मतलब है क्या मैटर है इसके पीछे देखो यहाँ पे से लेकर के जेड तक के जितने भी ये लेटर होते हैं जिन्हें वाबेल और कॉन्सोडेंट बोलते हैं ना ऐसे कुछ इन सब को मिला करके जो ये पूरी कहानी बनती है ऐसे जेड तक की सीरीज यही आपका वेरिएबल कहलाती है इनकी संख्या निश्चित होती है वेरिएबल की संख्या कितनी होती है बताओ भैया धबल त्रिपाठी बताओ कितना आएगा टोटल कितने वेरिएबल हैं चंचल प्रजापति जी बताइए टोटल छब्बीस होता है ठीक है वेरी गुड चंदा सही जवाब छब्बीस टोटल वेरिएबल्स की संख्या छब्बीस होती है छब्बीस से अधिक नहीं होते ये चलो भैया ठीक है अच्छी बात है ये क्या हो रहा दिख रहा है क्या नहीं दिखेगा ये सही नहीं है। ए भाई तुम चल जाना है यार ये चलता है क्या हाँ ये चलता नहीं है कड़िंग कड़िंग करता है लो देख लो ये भी एक नौटंकी है क्या दिख रहा है आपको हाँ और कंस्टेंट की बात करें अगला क्या था आचार्य अबे यार ये तो नो नोटंकी बनाया भाई मुझे इतना टेक्निकल जानकारी नहीं है इस बोर्ड के बारे में तुम कहा नो नोटंकी कर रहा है जो वन टू थ्री फोर डॉट 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 डाट, 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 डाट अनंत तक अनंत तक ठीक है इसको अनंत अनंत मत लिखो इसको ऐसे बनाते हैं इनफाइनाइट तक इनफाइनाइट तक।, तक क्या होता है ये सभी कांस्टेंट होते हैं इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं होती है या अनिश्चित होते हैं ठीक है मतलब ये कहां तक होंगे कुछ पता नहीं होता है इनके मान स्थिर नहीं होते हैं इनके मान स्थिर होते हैं तो आप ये चीज छोटी सी बात समझ गए कि चर और अचर क्या होता है ना ये आपके टॉपिक सिलेबस में है थर्ड सेमेस्टर में आगे पढ़ाया जाएगा ठीक है उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी अगली क्लास और भी बेहतर होगी हमारी ये कोशिश होगी कंटेंट पे टाइम दे करके कंटेंट बनाया जाएगा आपके लिए बेहतर होगा इन्हीं उम्मीदों के साथ माफ़ी चाहते हैं आज की क्लास जो है बहुत अच्छी नहीं थी हमारे हिसाब से बाकी आपके हिसाब से क्या थी कमेंट करके बताइएगा और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि सारी लिंक वगैरह यहाँ भेजा जाता है जिनको व्हाट्सएप पर मिल रहा होगा याद रहे उनको अगले एक सप्ताह के बाद व्हाट्सअप पर कोई लिंक नहीं मिलेगा क्योंकि व्हाट्सअप हमारे सारे नंबर टाइम टाइम से बंद कर दे रहा है ठीक है तो सिर्फ टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए टेलीग्राम पढ़ने के लिए बहुत अच्छा एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए कोई जानकारी चाहिए कोई कंफ्यूजन है नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर फोन करिए मैसेज करिए हम आपकी हेल्प करेंगे आज के लिए इतना ही बहुत बहुत थैंक यू दिल से धन्यवाद कि आप लोग आए और इतना देर आपने देखा पढ़ा समझा रिक्वेस्ट होगी सभी साथी क्लास को शेयर जरूर करेंगा